हेलो व्हाट्सअप का इस मैं इस विनोद बाद था एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन दी ब्रांड न्यू कम्प्लीट मोंगोडीबी कोर्स इन हिंदी जी हाँ का इसमें बताना चाहूंगा ये जो मंगो डिबी का कोर्स है सबसे बेस्ट होने जा रहा है ऑन दी एंटायर इंटरनेट क्योंकि गाइस मैं इसमें आपको कंप्लीट मंगोडीबी का कोर्स कवर करने जा रहा हूँ तो जल्दी से गाइस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करने जा रहे हैं सो देख सकते हो दिस इज अंगोडिबी डेटा बेस एंड इसके अंदर गाइस मैंने कुछ सेक्शंस बनाए जिसके चलते आपको और ईजी होगा समझने में थ्रू आउट दिस कोर्स को ठीक है वी हैव अ बेसिक वी हैव अडवांस एंड देन वी हैव अ projects. Obviously, हालांकि ये तो सिर्फ एक डेटा बेस है लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड गाइस मैं आप लोगों को एक बेसिक क्या होता है एडवांस क्या है एंड एट अब आपने जब सीख लिया तो उसके बाद क्या है ना सो वी हैव दिस एडवास एंड देन वी हैव दिस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर का ऐसा आप बेसिक देख सकते हो बेसिक में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपका मोंगो डीवी का इंट्रो से लेके नो एस क्यूएल वर्सेज एस क्यूएल जेसन वर्सेज बीसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा बेस एंड कलेक्शन को कैसे मैनेज करना है डिलीट करना है कर्ड ऑपरेशन वो भी एडवांस हाँ वो बच्चों वाला नहीं एडवांस वाला कंपेरिजन ऑपरेटर कर्सर्स देखेंगे हम लॉजिकल uh, ऑपरेटर्स देखेंगे एक्सप्रेशन देन एलिमेंट्स ऑपरेटर प्रोजेक्शंस होगा रिलेशनशिप होगा एंड देन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स ये जो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऐसे मिलेंगे कंप्लीट मंगूडी कोर्स बोल के सिर्फ उन्होंने ये मंगूस पढ़ाया होता है बाकी उसमें एडवांस नहीं होते सो नाउ इट कम हेर इट कम्स दी एडवांस वाला पार्ट जहाँ पे हम इंडेक्सेस देखेंगे मैनेज कैसे, कैसे करना है क्रिएट कैसे करना है एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेट मी टेल यू वन थिंग जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे ना तो कैसे आपको ये एग्रीगेशन फ्रेमवर्क पे काम करना ही पड़ेगा मंगोडीवी का दैट इज अगेन इंट्रो टू एग्रीगेशन बेसिक एग्रीगेशन ऑपरेशन कौन से होते हैं हम उनको कैसे स्टेज कर सकते हैं ऑपरेटर्स एंड देन एक्सप्रेशन एंड उसी के साथ पाइपलाइन स्टेज आता है जिसमें डॉलर मैच डॉलर प्रोजेक्ट ग्रुप शॉर्ट लिमिट अनविन फिल्टर स्कीप भरे पड़े और भी होंगे बहुत सारे है ना एरे के साथ कैसे खेलना है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडवांस पार्ट तो आप मिस कर ही नहीं सकते एंड बहुत सारे कोर्स पे कैसे आपको ये एडवांस पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया है एंड हाँ एक और बेस्ट पार्ट थ्रू तो आउट दिस कोर्स मैं पूरा प्रैक्टिकल जाने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ प्रैक्टिकल होगा एंड देन फाइनली प्रोजेक्ट में कैसे देखो ना हम हमें मालूम है कि ये एक डेटा है मैं पूरा अभी थ्योरी आपको समझाऊंगा कैसे हम फ्रंट एंड बैक एंड मोंगो डीबी बेसिकली डेटा बेस कैसे काम करता है सब कुछ समझाऊंगा बट एट द एंड में प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि डीबी जब हमने सीख लिया तो वी हैव अ बैक एंड दैट इज नोड जेस एक्सप्रेस जेस बेसिकली मन एप्लीकेशन है ना तो मन का खाली रिएक्ट छोड़ के सब आपको यहाँ मिलेगा तो लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि आप इसको नोट जेस ड्राइवर के साथ कैसे काम कर सकते हो एंड मैं आपको कॉड ऑपरेशन करके दिखाऊंगा बेसिक होगा ये बहुत ज्यादा लेकिन जब हम मोंगूस पे आएंगे जी हाँ गाइस मोंगो डी का ही फ्रेमवर्क आपका मोंगूस है जिसमें गाइस यू नो तो मैं मोंगो में भी आपको मोंगूस बताने वाला हूं हालांकि एकदम इन डेप्थ नहीं होगा बट फिर भी इतना इनफ होगा कि आप बहुत इजीली काम कर सकते हो मंगूस में तो ये जो मंगूस हुआ ना इसमें मैं कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन आपका मैं डेटा बेस से कैसे कनेक्ट करना है बैकएंड एंड से डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है डेटा आप uh, बेसिकली uh, डेटा कैसे फिच करना है रीड कैसे करना है अपडेट कैसे करना है डिलीट कैसे करना है सब कुछ आपको इस प्रोजेक्ट में पता चलेगा एंड गाइस ये जो बेसिक एडवांस एंड ये जो मैं प्रोजेक्ट्स कवर कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि गाइस पूरे एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी में कहीं पर भी इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है ये मैं

कॉम्पास में भी कनेक्ट करके कैसे क्वेरी कर सकते हैं बेसिकली कर्ड ऑपरेशन देखेंगे एंड वही एटलेस से हम कनेक्ट करके हमारा जो मोंगो सेल है आपको पता चल जाएगा उसमें हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी सब कुछ हम देखेंगे एंड गैस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा ध्यान से सुनिएगा एंड दैट इज़ रिगार्डिंग मोंगो डीबी एटलेस बताना चाहूँगा मोंगो डीबी जो कंपनी है उन्होंने मोंगो डीबी एटलेस को क्रिएट की टू प्रोवाइड अ डेटा सर्विस जहाँ पर अब हम अपने डेटाबेस को बिल्कुल फ्री में होस्ट कर सकते हैं एंड उस डेटाबेस का जो डेटा है हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बट थ्रू आउट दिस कोर्स गाइस हमारा जो डेटा होगा उसको हम हमारे लोकल सर्वर पे होस्ट करेंगे एंड देन हम वहाँ पे मोंगो के साथ इंटरैक्ट करेंगे कहने का मतलब ये कि जो बेसिक एंड एडवांस में जो भी कॉर्ड ऑपरेशन कह लीजिए ये इंडेक्सिंग एग्रीगेशन पाइपलाइन ये सब कुछ हम हमारे लोकल होस्ट पर पहले देखेंगे जब हम उसको अच्छे से समझेंगे एंड तब जाके गाइस अगेन हम हमारा जो डेटा बेस है उसको मंगो बी एटलेस एंड कॉम्पास पे होस्ट करेंगे एकदम लाइव एंड ये देखेंगे कि जो कुछ हमने हमारे लोकल सिस्टम पे समझा जब वो लाइव हो जाता है तब उसके साथ हमें कैसे काम करना है क्योंकि जब आप लाइव कर दोगे तो उसके बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है जी हाँ गाइस इसलिए पहले हम लोकल होस्ट पे एकदम अच्छे से समझेंगे फिर जब डेटाबेस को हम लाइव होस्ट कर देंगे तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है वो हम यूजिंग एटलेस एंड देन कॉम्पास देखेंगे तो मंगो डीबी एटलेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है ठीक है लेकिन गाइस जब आप एक्चुअल uh, कंपनी में जाओगे तो वहां पर तो सिर्फ आप डेटाबेस के साथ नहीं खेलोगे इवन आपको अगर वेब डेवलपर बनना है तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे आप बहुत सारे एप्लीकेशन क्रिएट करोगे जहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड एंड देन आपका डेटाबेस लगेगा चलो डेटाबेस को तो आपने

तब आपको मज़ा नहीं आएगा एंड बिलीव गाइस दैट इज द मोमेंट आपको लगेगा काश मेरे पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर होता ताकि जो मर्जी चाहे जितना भी वेबसाइट हो चाहे जो भी लैंग्वेज में हो मैं बेफिक्र उसको होस्ट कर पाऊँ क्योंकि वो आप फ्री वर्जन में फ्री प्लान में नहीं कर पाओगे सो डैट्स वाई कह अगर आप फ्री लैंसिंग करने का सोच रहे हो या अगर आप एक टीचर हो या अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो देन यू नीड अ डेडिकेटेड सबर एंड अगर आप एक सबर बाय करने का सोच रहे थे देन आई हाईली रिकमेंड टू चेकआउट होस्टिंग क्योंकि मैं पिछले चार साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें काइस अगर आप मन एप्लीकेशन की बात करते हो या मांगोडीवी डेटाबेस अगर आपको होस्ट करना है देन गाइस यू नीड टू गो विथ वीपीएस एंड देन क्लाउड होस्टिंग जो दोनों ये प्रोवाइड करते हैं एंड बिलीव मी गाइस आप देखोगे इनका जो प्राइस है इनकी जो प्राइस है इट इज़ सुपर एफोर्डेबल सबसे लोएस्ट प्राइस है इससे कम प्राइस में आपको कहीं और बाकी प्रोवाइडर नहीं मिलने वाला एंड रही बात सर्विसेज की एकदम परफेक्ट है ट्वेंटी फोर बाय सेवन का चैट सपोर्ट है इन्होंने न्यू डेटा सेंटर मुंबई में भी ओपन कर दिया तो अब आपकी वेबसाइट की स्पीड और सुपर फास्ट हो जाएगी लेकिन वेन इट कम्स टू तो योर मर्न रिएक्ट नोट एक्सप्रेस मंगो डीबी यू नीड अ बी पी एस होस्टिंग प्लान और अ क्लाउड होस्टिंग प्लान ये दोनों के साथ आपको जाना पड़ेगा जिसमें आप अनलिमिटेड आप देख लो क्लाउड में आप अनलिमिटेड थ्री हंड्रेड वेबसाइट तक आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो बीपीएस में आप चाहो तो कितना भी होस्ट कर सकते हो कोई लिमिट ही नहीं है सो डेट्स वाई गाइस ये जो मेरे पास तो ऑलरेडी के बी एम फोर ये वाला पड़ा हुआ है मैंने इसको बाई की हुई है बट आई हाईली रिकमेंड यू कैन गो विथ इधर वन और टू गो विथ बेसिकली टू है ना एट टू कार्ड आप जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर आपको क्लाउड होस्टिंग पे जाना तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो एंड आप देख सकते हो स्टार्टअप एंड ये जो प्राइस है ना गाइस बहुत कम है आपको ऊपर से तीन महीने फ्री भी मिल रहा है यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा एंड साथ ही साथ गाइस आपको डोमेन भी बिल्कुल फ्री में मिलता है फॉर वन ईयर सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा एंड आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड जहाँ पे अगर आप थापा सेवन एंटर करते हो ठीक है देखो ये जो बारह हजार आपको दिखाई दे रहा है वो गैसी सिर्फ अभी

तो कैसे आप क्यों कहीं और जाओगे है ना तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा थर्टी डेज मनी बैक गारंटी भी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत ज़्यादा औसम awesome है एंड रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है डोमेन क्या है होस्टिंग क्या है कैसे इसको कनेक्ट करना है सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुका हूँ तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड रही बात गाइस मोंगो डी बी में तो हमें फ्री में मिल रहा है तो मैं बताना चाहूंगा गाइस अगर आप बी पी का क्लाउड होस्टिंग परचेस करते हो तो आप खुद मेरे स्क्रीन शॉट देख सकते हो कि गाइस मेरा ये जो थापा टेक्निकल वेबसाइट है उसको मैंने मन की मदद से क्रिएट की है मैंने मोंगो डी ही उस पर यूज़ की है एंड मैं अपने वी के जो मेरा टर्मिनल है वहां पर मैं सेम मोंगो डी की क्वेरी को रन कर रहा हूँ जी हाँ गाइस को आपने देखा ना जो भी क्वेरी मैंने लिखा वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एंड अभी तो आपको नहीं समझा होगा बट थ्रू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा हमने यहाँ पे क्या क्वेरी की थी ठीक है so, सो कहने का मतलब यह है कि गाइस जो भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्लीट मोंगो डीबी यह सबसे बेस्ट होने जा रहा है एंड जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा यह आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम जरूर आएगा जैसे वी हैव दिस मोंगो डीबी एटलीस्ट फॉर डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है यह उसी तरीके से होस्टिंगर में आप सिर्फ डेटाबेस नहीं फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली कंप्लीट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर का वो काम कर रहा है ठीक है सो डेट्स वाई गाइस लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको सबा बाय करना है तो प्लीज उस लिंक के थ्रू आप बाय कर लीजिएगा एंड थापा साहब कूपन कोड को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि बीपीएस पे भी मैं मांगो डेवी की क्वेरी को रन कर रहा था बोल के तो गाइस आपने देख ली कि जो भी आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अर गाइश तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज मोंगो डी एंड देन उसका देखेंगे नो एस वर्सेस वर्सेज एस सो गाइस अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मोंगो डी ठीक है तो आप देख सकते हो तो क्या मोंगो डी MongoDB इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएटेड नो एस्क डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम तो क्या सबसे पहली बात तो ये कि MongoDB अब ओपन सोर्स हो चुका है कैन का मतलब ये कि MongoDB बनाने के लिए जो भी कोड लिखा गया था वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है अगर आप GitHub में इसका रेपो चेकआउट करते हो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा रही बात डॉक्यूमेंट ओरिएटेड नो एसक्यूएल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम देखो ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो गाइस दुनिया का कोई भी डेटा बेस वाला लैंग्वेज उठा लो वो आपका डेटा बेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया एक लैंग्वेज है सिंपल इसका मतलब तो वो होता है लेकिन ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल का क्या मतलब होता होगा समझ रहे हो अब ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है द मोमेंट मैंने ये एनिमेशन रखा तो आप देख सकते हो खुद ऑफिशियल वेबसाइट में बोला गया है सो so, गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है उसको हम डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी बोल सकते हैं हम उसको सिंपल ए डॉक्यूमेंट स्टोर भी बोल सकते हैं एंड इसका सिंपल मतलब अब होता ये है कि ये एक ऐसा डेटा है जो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो क्या है ये एक ऐसा डेटाबेस जो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर्स करता है इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब वो डॉक्यूमेंट किस तरीके का होगा क्या वो वर्ड फाइल होगा क्या वो एक्सेल का फाइल होगा क्या वो पी वाला फाइल होगा या टी वाला फाइल होगा कैसा फाइल होगा डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट ही होता है ना नहीं गाइस वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स अभी आगे आपको पता चल जाएगा सब कुछ एंड एट दी एंड में क्यों वाई मोंगो डी ठीक है देखो इसको बनाया गया था फॉर फ्लेक्सीबिलिटी स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर डेटा ये अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को आप ध्यान में रखिए मैं अभी आप आपको बताऊंगा ये जब हम एग्जांपल समझेंगे बिटवीन नो एस क्यूएल एंड एस क्यूएल में तब आपका ये नो एस क्यूएल रह गया है एंड ये स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर वहाँ पर रह गया वो क्लियर हो जाएगा बट आई होप आपको पता चल गया वाट इज़ ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है ठीक है ऑल राइट तो अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मोंगो डीबी तो सबसे पहले का मैं बताना चाहूंगा मोंगो डीबी को बनाया किसने था कोई पूछ सकता है ना इंटरव्यू में तो गाइस आपको बोलना मोंगो डीबी को बनाया था एक कंपनी ने जिसका नाम था गाइस आपका टैन जैन जी हां गाइस टैन जैन कंपनी का नाम था बट लेटर ऑन उन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज किया किस में ऑब्वियसली मोंगो डीबी में तो अब मोंगो डीबी किसने बनाया आप बोलोगे मोंगो डीबी कंपनी ने बनाया जिसका पहले नाम था टैन जैन आप देख सकते हो कंपनी कॉल टेनजे जो कि अभी मोंगो टीबी हो चुका है द कंपनी वॉज फाउंडेड बाई द एलियट एंड देन डाइट मेरी मैन तो 2007 में कंपनी फाउंडेड की गई थी एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ मोंगो टीबी वॉज रिलीज इन 2009 थाउजेंड आई नो आप लोग को देख नहीं रहा था बट अब आप देख सकते हो इट्स अ 2009 थाउजेंड आई नो गाइस इतने से आपका मन नहीं पड़ा होगा आपको लग रहा होगा अरे मोंगो ये भाई ये मैंगो है क्या बहुत सारे लोग तो इसको मैंगो बोल सकते हैं ना कुछ भी हो सकता है तो माइंड में आता होगा यार ये नाम कहाँ से आया होगा ये मोंगो इसका क्या मतलब होता होगा सो so क्या वो मैं आपका क्लियर कर देता डाउट तो सबसे पहले मोंगो डीबी का ये ईजात कैसे हुआ ये वर्ड कैसे बना तो सबसे आ, जो कंपनी थी उन्होंने नोटिस की एक वर्ड जिसका नाम था ह्यूमंगस मतलब बहुत बड़ा बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा है उनको चाहिए भी ऐसा डेट डेटा था जो बहुत सारे आ, मतलब लार्ज डेटा को एकदम बहुत ईजिली हैंडल कर सके यू नो डेट्स ऑफ वहाँ स्टार्टिंग में आपको दिखाया था स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी वो चाहिए था तो उनको ये ह्यूमंगस वर्ड बहुत पसंद आया तो उन्होंने पता क्या किया ह्यूमंगस वर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे वी हैव अ एच यू एंड देन वी हैव दिस मोंगो ये देखो ह्यूमंगस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करते तो एच यू को छोड़ो तो वी हैव अ मोंगो एंड देन वी हैव अ यूएस तो उन्होंने ह्यूमंगस वर्ड को और शॉर्ट हैंड करके एच यू को रिमूव किया एंड देन यू एस को रिमूव किया एंड बना ये आपका इस तरीके से मोंगो सो मोंगो वर्ड जो है वो आया है आपका ह्यूमंगस वर्ड से इसका सिंपल मतलब भी ये था कि एकदम लार्ज सेट ऑफ डेटा को वो लोग कलेक्ट कर सके उसको बहुत इजीली हैंडल कर सके साथ ही साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस को और बेटर एंड इम्प्रूव कर सके तो इस तरीके से कैसे आपका मोंगो डी बी बना एंड किसने बनाया वर्ड कहाँ से आया एंड उसका क्या मतलब होता है आपको पता चल गया सो नाव डिफरेंस बिटवीन एस क्यूएल एंड मोंगो डी बी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल मैंने एज प्रॉमिस में एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली विथ एग्जाम्पल विथ डायग्राम की मदद से समझाऊंगा ताकि क्योंकि थ्योरी भले ही हमें याद ना रहे लेकिन एक जो इमेज होता है अभी थोड़ी देर पहले ये ह्यूमंगस अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे ये ओके यार ह्यूमंगस से मंगवाए थे ये तो कभी आप लाइफ में नहीं भूलोगे समझ रहे हो तो उसी तरीके से सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली विथ डायग्राम बताने वाला हूँ तो एक रिलेशनल डेटा होता है आपके माइंड में आएगा अभी रिलेशनल डेटा क्या होता है तो गाइस इन द फॉर्म ऑफ टेबल सिंपल अभी मैं आपको एग्जाम्पल पूरा बताता हूँ वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से नोटिस किया था कि आपने ये जो आ, हम जब नो एस की बात कर रहे थे फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा था अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड एक जगह पे भी स्ट्रक्चर नहीं लिखा था बट व्हेन इट कम्स टू यर एस क्यूएल देखो क्या लिखा दे यूज स्ट्रक्चर्ड टेबल्स जहाँ पे फिक्स्ड रो होगा फिक्स्ड कॉलम होगा मतलब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता तो वो है आपका स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑलरेडी प्री प्लान रहता है देन वी हैव अ अटेबल फॉर एप्लीकेशंस विथ वेल डिफाइंड स्कीमास स्कीमास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एंड हाँ लास्ट में हम जो मोंगूस के साथ काम करेंगे ना प्रोजेक्ट में मैं दिखाऊंगा कि नो एस में भी आप स्कीमा कैसे यूज कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ मोंगूस उसमें हम बेसिकली क्या होगा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स uh, या हमारा जो भी डेटा होगा उसको प्री डिफाइंड उस डेटा में कौन कौन सा फील्ड हो सकता है वो सब कुछ स्कीम आप बताता है ठीक है एंड देन कहाँ यूज होगा तो एस क्यूएल मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे पे रोल यू नो किसको सैलरी मिली किसको नहीं मिली तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फिक्सड डेटा होता है वहाँ पे है ना कंपनी में जो काम कर रहा है उसी कोई पैसे मिलेगा उसके बाहर को थोड़ी मिलेगा तो एक फिक्स्ड है वहाँ पे सब स्ट्रक्चर्ड है ठीक है एंड देन एग्जाम्पल आप देखो एस क्यूएल एक ब्रॉड टर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज तो आप मैं एस क्यूएल तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा आपने पोस्ट ग्रेजुट एस uh, क्यूएल भी सुना होगा और एक्ल भी सुना होगा तो ये सब कुछ एस के अंदर आता है एंड डोंट वरी डोंट वरी थोड़ा सा सबर रखिए मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ पूरा कोड करके दिखाऊंगा आपको एस और नो एस में अभी डिफरेंस के टाइम ये रिलेशनल है ये नॉन रिलेशनल है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड पे है जैसन फॉर्मेट के बेस पे है ठीक है एंड देन दे प्रोवाइड फ्लेक्सीबिलिटी इन डेटा स्टोरेज अब क्यों फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है क्या होता है मैं आपको बताता हूं भले ही मैंने यहां पे स्ट्रक्चर्स वर्ड यूज किया है बट ये काइंड kind ऑफ of आपका अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर आप मान सकते हो ये आइडियल है फॉर एप्लीकेशन विथ डायनेमिक और इवॉल्विंग डेटा मॉड्यूल्स डायनेमिक मतलब जैसे आप ब्लॉग बना रहे हो जैसे आपने सोशल मीडिया बनाया जैसे फेसबुक जैसे इंस्टाग्राम भाई कोई गारंटी नहीं कब कौन रजिस्टर कर देगा कौन सा क्या कमेंट कर देगा क्या हो कुछ भी इवॉल्व हो रहा है ना फील्ड का हमें आता पता नहीं होगा बहुत क्लियरली तो वहाँ पे आपका ये काम आएगा लाइक वी हैव अ सी एम एस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेमिंग ए ऑफ गेमर्स का भी कोई क्या भरोसा कौन सा गेमर आए गेम में कौन कौन से फील्ड ऐड हो जाए कौन सा नहीं होगा वो थोड़ा मुश्किल है तो जो एडवांस आप कह सकते हैं ना वहाँ पर ये बहुत काम आता है ऑलर गैस तो आप देख सकते हो कि मैंने नो एस्क्वेल एड कर दी क्योंकि एसक्यूएल वर्सेस नो एस्कूल होना था बट ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मोंगो डीबी के लिए एकदम वैलिड है ठीक है बट अब मैंने सोचा कुछ एग्जांपल बताना पड़ेगा ना नो एस्क्यूएल के अंदर कौन कौन से डेटा बेस आते तो उसके लिए वी हैव अ मोंगो डीबी जो कि हम पढ़ रहे कैसेड्रा है एंड देन वी हैव अ रेडिस जो कि आपको फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो मेरे पीछे हाइड हो चुका है बट वो रेडिस है ठीक है ऑल राइट तो फाइनली मैंने जो कहा था ना एस क्यूएल एंड न्यू एस क्यूएल को मैं एकदम इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं की होगी तो देखिए इस लेट से ना आपको एक स्कूल uh, का एक टेबल uh, क्रिएट करना है बेसिकली एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है जहाँ पे स्टूडेंट का अपना uh, नाम होगा डेटा होगा देन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स एंड देन उसके ग्रेड्स होंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं ना एस क्यूएल की दुनिया में हम टेबल्स बनाते हैं क्या करते हैं हम टेबल्स बनाते हैं एक फिक्स्ड उनका रोज रहता है कॉलम रहता है स्ट्रक्चर्ड रहता है तो हमारा ये जो स्टूडेंट्स टेबल होगा उसमें कौन कौन सा डेटा होने वाला है देखो ये ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड है इसका मतलब है कि अब भले ही कोई न्यू स्टूडेंट आ गया ना उसका स्टूडेंट आईडी नाम लास्ट नेम एज एंड ग्रेड ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसके अलावा कोई डेटा हम यहाँ पे एंटर नहीं करने वाले दिस इज योर स्ट्रक्चर्ड एंड ना वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो देखो देखोग सब्जेक्ट में वी हैव बस सब्जेक्ट अंडर स्कोर आई एंड देन सब्जेक्ट का नाम तो अब ये हमारा जो टेबल है सब्जेक्ट नाम का इसमें सिर्फ दो ही फील्ड्स होंगे नो मैटर वॉट ठीक है एंड बात आती है जब ग्रेड्स की सो वी हैव अ स्टूडेंट आई डी सब्जेक्ट आई डी एंड देन वी हैव अ मार्क्स है ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कुछ जो आपको ऐसा दिखाई देगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ मार्क्स ओवर हेयर ठीक है तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि चाहे वो स्टूडेंट का टेबल हो चाहे सब्जेक्ट्स का टेबल हो चाहे ग्रेड्स का टेबल हो जिसमें हमारे ये देखो ये अब आप, आप देख रहे हो ये जो है आपके कॉलम्स हर एक टेबल में फिक्स्ड होंगे ये अब आप, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इसको हम बोलते हैं रोज़ एंड देन कॉलम्स वो एकदम फिक्स्ड होने वाले हैं पहले से ही हमें मालूम होगा कि हर एक टेबल में कितने कॉलम्स होंगे कितने रोज़ होंगे एंड हमें किस तरीके का डेटा डालना होगा किसको हमें प्राइमरी की बनाना है किसको हमें फॉरेन की बनाना है सब कुछ डिफाइंड रहता है तो वो है आपका एस अब आपको पता चल गया यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेड्स वाला जो टेबल था स्टूडेंट्स आईडी ये जो था अब यहाँ पे एज ए फॉरन की काम कर रहा है यहाँ पे वह सब्जेक्ट आईडी ठीक है तो ये है आपका एस नाउ अब हम बात कर लेते नो एस्क दैट इज मोंगो डी तो क्यों अलग है देखो गाइस पहली बात तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डेटा बोल के हमें तीन तीन टेबल्स बनाना पड़ा लेकिन मोंगो डी भाई नेक्स्ट लेवल इसमें कुछ टेबल टेबल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हम इसमें डेटा स्टोर करते इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आपने यहाँ पे देखना गाइस जो मुझे तीन तीन टेबल लगा यहाँ पे गाइस सिंपल एक डॉक्यूमेंट में ही मेरा सब कुछ स्टोर हो गया कितनी ईजिली सो so, आप देख सकते हो कैसे ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा इसको हम बोलते हैं जेसन एंड आई होप आप ऑलरेडी जेसन पे काम कर चुके होंगे सो so, कहने का मतलब है कि मोंगो डीबी में काम करना इट्स लाइक like कि अब आप जावास्क्रिप्ट में ही काम कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट आपको आ गया तो आपको रिएक्ट आ गया आपको नेक्स्ट आ गया बैक एंड में आपको नोड आ गया आपको एक्सप्रेस आ गया डेटा में भी मोंगो डीबी उसमें भी जावेस्क्रिप्ट तो मतलब एक जावा आप हर जगह यूज कर रहे हो फ्रंट एंड बैकेंड डेटा बेस बात ही खत्म डैट्स वाई मोंगोडी भी फेमस हुआ क्योंकि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बन गया है पूरा प्रॉपरली ठीक है तो देखो गाइस सिर्फ एक ही टेबल आई I मीन mean, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा सारा डेटा आ गया तो स्टूडेंट वहां ने ठीक है उसका एक आईडी दे दो नाम दे दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज दे दो ग्रेड दे दो सब्जेक्ट को आप देख सकते हो इसको हम बोलते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट्स समझ रहे हो ये आपका एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हम सब कुछ देखेंगे कि कल के दिन क्वेरी करना हो कि मुझे आई डी वन का सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर है यानी चेक करके बताओ क्वेरी यही तो होता है 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 ना तो ये गाइस आपका पहला डॉक्यूमेंट ये है आपका दूसरा डॉक्यूमेंट तो गाइस ये है आपका मॉन्गोडीबी एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो तो क्यों हम इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो मेरा एक डॉक्यूमेंट है इसमें आप देखो एक फील्ड की कमी है वहीं अगर मैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो वी हैव वन एक्स्ट्रा फील्ड देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखा गया है कि ये जो बंदा है थापा टेक्निकल एक वो स्पोर्ट कैप्टन है तो आप देख सकते हो एसक्यूएल के मामले में हम ये सब नहीं कर सकते जो रो एंड कॉलम है वो फिक्स्ड है बट इन मोंगोडीबी का इस पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है भाई कुछ भी एक्स्ट्रा फील्ड हो आप आराम से ऐड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिर्फ हमारा ये जो आई डी टू थापा टेक्निकल है उससे रिलेटेड रहेगा डेट इट अब हम फर्दर इसको समझते हैं अब टर्मोलॉजी को हम समझते हैं आई नो धीरे धीरे अब आपको जो सारा है आपको समझने का मन कर रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा जब हम मोंगोडी बी की बात करते हैं कौन कौन से टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा एंड आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा तो सबसे पहले इन मोंगो डी वी हैव अ डेटा बेस एंड ऑब्वेसली इसको हम डेटा बेस ही बोलेंगे वी हैव अ थिंग ऑल डेटा बेस ये आपका डेटा बेस है एक डेटा बेस के अंदर वी हैव मल्टीपल कलेक्शंस एक डेटा बेस के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल कलेक्शंस जैसे मेरा स्टूडेंट्स का कलेक्शन जैसे हमारा टीचर्स का कलेक्शन जैसे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात हो रही हो तो प्रोडक्ट्स का कलेक्शन अब ये तीनों क्या है हमारा एक कलेक्शन है ये स्टूडेंट कलेक्शन टीचर कलेक्शंस प्रोडक्ट का कलेक्शंस तो अब ये जो हमारा स्टूडेंट कलेक्शन है उसके अंदर गाइस वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स और वो किस फॉर्मेट में जेसन फॉर्मेट में मोंगोडीबी क्या है एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है तो यही है आपका डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड सो इन आवर स्टूडेंट्स कलेक्शन वी हैव अ दिस डॉक्यूमेंट तो इसको हम क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वहीं अगर हम आप टीचर्स की बात करें टीचर्स कलेक्शन की तो आप देख सकते हो इस ये जो हमारा टीचर्स वाला कलेक्शन है इसके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है एक डॉक्यूमेंट ये रहा दूसरा डॉक्यूमेंट ये रहा एंड अगेन आप देख सकते हो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है इसमें भी uh, कुछ तो भी खासियत है एंड दैट इज अगेन देखो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट में एज करके एक जो फील्ड है वो दिया गया है बट वेन इट कम्स टू हमारा सेकेंड उसमें आप देखो एज वाला फील्ड नहीं है सो गैस दिस इज द फ्लेक्सीबिलिटी जो मांगोडीबी हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि आप एज लिखो ना लिखो वो डिपेंडेंट होगा सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए समझ रहे हो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप फिलहाल तो यहाँ पे कह लो टीचर का डिटेल सही है इसने एज नहीं दिया नो मैटर व्हाट हमें नहीं मतलब नहीं दिया नहीं दिया मांगोडी वाला नो no प्रॉब्लम क्योंकि हमें एज में भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो डेट्स वाई है ना लेकिन एस की बात होती तो हमें एज वाले फील्ड रखना ही पड़ता यहाँ पर क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है ये आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें भाई पहले से थोड़ी कुछ है आपको जो मर्जी रखो भाई समझ लो एंड वेन इट कम्स टू योर प्रोडक्ट्स आई नो अगेन आपको दिखेगा नहीं तो मैं जल्दी से एक काम कर देता हूँ मैं इसको टॉप पे रख देता हूँ इस तरीके से है ना अब आपको कई यहाँ पर डेटा दिखाई देगा वी हैव अगेन टू डेटा ओवर हियर लाइक अगेन बेसिकली डॉक्यूमेंट्स बोलोगे आप ठीक है सो so, यहाँ पे देखिए अगेन सिर्फ दो ही फील्ड्स है नेम मोबाइल स्टॉक थर्टी एंड यहाँ पे वी है अगेन थ्री फील्ड्स यहाँ पे दो फील्ड यहाँ पे तीन फील्ड्स एंड इसको हम बोलते हैं स्कीमा लेस मतलब यहाँ पे कोई स्कीमा ही नहीं की गई है जो है सो so है नहीं है तो नहीं है स्कीमा लेस वहाँ पर लिखा गया था स्कीमा स्कीमा बेस्ड एस में यह है आपका स्कीमा लेस आई होप आपको पता चल गया होगा एंड यही टर्मनोलॉजी है जो आप हर जगह यूज़ करोगे वेन इट कम्स टू मांगो डीवी डे एक डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के अंदर वी हैव मल्टीपल कलेक्शंस और हर एक कलेक्शंस के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और वो जो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे वो स्कीमा लेस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो जहाँ पर इतने फील्ड्स हैं तो उतने ही फील्ड्स होने चाहिए कोई जरूरी नहीं है समझ रहे हो सो यही था आपका टेक्नोलॉजी एंड वंस इतना आप समझ गए इट इज मोर देन इनफ अब हम और समझते की फीचर्स है ना एडवांटेज लाइक फ्लेक्सीबल स्कीमा डिजाइन अलाउस डायनेमिक स्कीमा लेस डेटा स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इसमें क्या इस होरिजोनटल स्केलिंग सपोर्ट्स लार्ज डेटा बेस एंड हाई ट्रैफिक इसको ऑप्टिमाइज की गई है फॉर रीड राइट ऑपरेशन फॉर फास्ट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि हम जेसन में काम करेंगे बट बिहाइंड द सीन बीसन काम कर रहा है अब वो बीसन क्या होता है अब भी बताऊंगा तो ये थर्ड वाले को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखिए नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा डायनेमिक क्वेरीज हम कर सकते हैं ऑब्वियस है डायने क्यू यूटिलाइज इंडेक्सेस टू स्पीड ऑफ क्वेरी ये देखो यूटिलाइज इंडेक्सेस याद है मैंने आपको एडवांस हमारे इसमें एडवांस टॉपिक में मैंने इंट्रो टू इंडेक्सेस बताया था तब आपको पता चल जाएगा क्या होता है एग्रीगेशन फ्रेम ऑफ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कोर्स पर तो आपको एग्रीगेशन के नाम पर कुछ मिलेगा ही नहीं जस्ट हल्का फुल्का एक दो दिखा दिया खत्म बट यहाँ पे ये जो एग्रीगेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कहाँ काम आ रहा है ये किससे मिलता जुलता है सब डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही यूजफुल है ये गाइस ये लाइक अगर आपको एवरेज निकालना हो चुटकी में सम निकालना हो चुटकी में मजा आ जाएगा है ना एंड हां ये जो एग्रीगेशन है ना आप अगर आपको याद होगा ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाया था वहां पे स्टार्स की रेटिंग होती है जहां पे एक एवरेज 2000 लोग ने रिव्यू दी है तो उसका एक एवरेज तो आया होगा ना क्योंकि 2000 की रिव्यू को मुझे फाइव स्टार्स के अंदर ऐड करना है 4.5 4.8 तो वो कैसे होता है एग्रीगेशन में यूं चुटकी में होता है नाउ इट्स अ ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी ओपन सोर्स का मतलब ये कि सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है आपको लगे तो सोर्स कोड कॉपी करो अपना मोंगोडीबी डेटा बेस बना लो वो आप कर सकते हो है ना तो कहने का मतलब वही है कि ये गाइस अब फ्री में अवेलेबल है एंड ओपन सोर्स का मतलब ये कि अब जितने भी बाहर जो एक्सपर्ट्स है डेटाबेस वाले तो वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं सजेशन दे सकते हैं हम मोंगोडीबी को और कैसे बेटर कर सकते हैं तो द मोमेंट ओपन सोर्स मतलब डैट्स इट सबसे बेस्ट ऑल आर गाइस तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंड समझते हैं कि मोंगो टीबी काम कैसे करता है एंड वंस आपको ये पता चल गया कि मोंगो टीबी काम कैसे करता है मैं लिख के देता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी तक हमने बहुत कुछ समझ चुका है तो वी हैव अ फ्रंट एंड हमारे पास फ्रंट एंड होता है बैक एंड होता है एंड डेटा होता है पूरी दुनिया जानती है एंड जिनको भी ये तीनों पर काम करना आता है तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर ठीक है सो इन फ्रंट एंड वी हैव अ वेबसाइट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो या तो मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो सो so, जिसको बनाने के लिए वी हैव एस्टमर्स जैसे जाओस्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्ज व्यू एंगुलर भरे पड़े तो ये आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो गए वी हैव अ बैक एंड जिसके अंदर वी हैव अ नोट एक्सप्रेस नेक्स्ट पाइथन पी एच पी जावा भरे पड़े ये आपके बैक एंड हो गए है ना अब बात ये आ जाती है ना कि लेट से आपने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है ठीक है यूजर ने कॉन्टैक्ट फॉर्म uh, पे अपना कुछ तो मैसेज किया हमें ऑब्वियसली वो तो हमारे डेटा बेस पर जाता है तो वो डेटा पे जा कैसे रहा है वेन इट कम्स टू योर मोंगो डीबी तो फ्रंट एंड के वेबसाइट पर यूजर ने कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा फिल की फ्रंट एंड ने बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजा एंड बैक एंड क्या करता है हमारे डेटाबेस से बातचीत करता है कम्युनिकेट करता है अब कैसे बात होगा क्योंकि अब हम हमारा जो डेटाबेस है वो कौन है मोंगो डी तो अब देखो वंस यूजर ने डेटा फिल की उसके बाद क्या होगा हमें उसको डेटाबेस में स्टोर करना है तो कैसे बैक एंड लेट्स हम नोट जेस के साथ काम कर रहे हैं नोट जेस क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा हमारे डेटाबेस में किसको मोंगो डीबी के सर्वर को सो दिस इज अ मोंगो डीबी का सर्वर तो डेटाबेस में बातचीत करने से पहले हमें मोंगो डीबी सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कई यहाँ पे हम नोट uh, जेस ने मोंगो डीबी सर्वर को रिक्वेस्ट कर दी कि भाई किसी यूजर ने कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपना डेटा फिल किया है बेसिकली कुछ क्वेरी पूछी है मुझे उसको स्टोर करना है अब डेटाबेस में तो नोट जेस ने मोंगो डीबी सर्वर को दिया वो कमांड अब मोंगो डीबी सर्वर डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं करेगा सो so नाउ अब हमारा ये जो मोंगोडीवी सर्वर है उसके अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टोरेज इंजिन क्या होता है गाइस स्टोरेज इंजिन अगर अब हम बात कर ले स्टोरेज इंजन की तो गाइस इन मोंगो डिबी वी हैव अ वाइल्ड टाइगर जो कि अभी यूज होता है बेसिकली यहाँ पे एंड नहीं होना था और होना था एंड वी हैव अ एम मैप वर्जन वन जो कि क्रॉस किया मतलब अभी ये यूज़ नहीं होता ये डेप्रिकेटेड हो चुका है सो वी आर यूजिंग ओनली वाइल्ड टाइगर तो अगर मैं स्टोरेज इंजन की बात कर रहा करूँ तो मैं वाइल्ड टाइगर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उसका काम है टू कम्युनिकेट विद द डेटा बेस तो अब ये जो स्टोरेज इंजिन है इसका एक्चुअल काम है टू रीड एंड राइट द डेटा फाइल्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स आई मीन फ्रॉम द डेटा बेस समझ हो तो इस तरीके से गाइस आपका ये काम करता है सो so, गाइस आप समझ गए होंगे ईजी था राइट right? तो फिर से एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ फ्रंट एंड वेबसाइट में लेट्स से थापा टेक्निकल डॉट शॉप पे किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपना डेटा फिल की कुछ क्वेरी पूछने के लिए बैक एंड में वी हैव अ नोट जेस एंड एक्सप्रेस जेस उन्होंने डेटा को रिक्वेस्ट किया ये बोल के कि ये जो कॉन्टैक्ट का डेटा है वहाँ पर स्टोर कर लो है ना तो अब क्या होता है गाइस हम बैक एंड से सबसे पहले मोंगो डिबी सबक को कनेक्ट करते हैं एंड मोंगो डीबी सबक खुद डेटा से बात नहीं करता है इंस्टिड मोंगो डिबी सर्वर के अंदर ही हमारे पास होता है स्टोरेज इंजिन जिसका काम है टू रीड एंड राइट डेटा फाइल्स फ्रॉम द डेटा बेस फिर वो रिक्वेस्ट करता है हमारे डेटा बेस को एंड फिर वो डेटा जो है वहाँ पर स्टोर हो जाता है अब कल के दिन मैंने एडमिन पैनल बनाया एडमिन पैनल में जो जो डेटा बेस में यूजर ने जो मैसेज भेजा होगा मुझे उसको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे मेरे डेटा बेस का जो भी डेटा है उसको गेट करके मुझे मेरे एडमिन पैनल फ्रंट एंड में दिखाना पड़ेगा अब अपोजिट है अपोजिट तो मैं नहीं बोलूँगा बट अब होगा ये उस समय अगेन नोट जेस जो है हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा अब ये जो सर्वर है स्टोरेज इंजन को रिक्वेस्ट करके बोलेगा भाई यार कॉन्टैक्ट फॉर्म में जितने भी मैसेजेस है वो सारे मुझे रिटर्न करना जरा मुझे फ्रंट एंड को भेजना है बेसिकली बैक एंड को भेजना है बैक एंड इधर आ जाएगा तो उस समय क्या होगा गाइस हमारा स्टोरेज इंजन डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा जो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी आपने इंसर्ट किया हुआ है अब मुझे उसको रीड करना है तो डेटाबेस गाइस गेट करेगा स्टोरेज इंजन को देगा स्टोरेज इंजन गाइस अगेन आपके मोंगो डिबी सर्वर को देगा वो गाइस आपके बैक एंड को देगा एंड वहाँ से इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे डेटा वो दिख रहा होगा सो दिस इज हो गाइस आपका फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस काम कर रहा है एंड यही है आपका मेन फंडा कि मोंगो डिबी कैसे काम करता है वी हैव स्टोरेज इंजिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में सर्वर एंड डेटाबेस के बीच में है एंड यही आपका एक्चुअल रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहा होता है एंड यही वो स्टोरेज इंजिन है जो आपके जेसन डेटा को बीसन डेटा में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर रहा है आई नो अब आप सोच रहेंगे जेसन को बीसन में कन्वर्ट कर रहा है हमारे यहां पे स्टोरेज इंजन ओके okay, ठीक है अब और समझते हैं अभी जेसन वर्सेस बीसन अब समझना जरूरी है ठीक है सो देखिएगा मंगो डीवी में हम जो भी कोड लिखेंगे डेटाबेस का वो हम जेसन फॉर्मेट में लिखेंगे बट बिहाइंड द सीन जो डेटा है ना वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बीसन मतलब बाइनरी जेसन फॉर्मेट ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जेसन Now, देखो क्यों वाई बीसन मतलब हम डायरेक्टली जैसन में क्यों नहीं करके बीसन में करें क्योंकि अगर ये हम करते तो वी कैन अचीव हायर रीड एंड राइट स्पीड रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स देन इंप्रूव्ड डेटा मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज मेकिंग इट वेल सुटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स वाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस एफिशेंसी आई नो अगेन आपके माइंड में यार होगा यार जैसन तो मैंने देख लिया यार बीसन कैसा होता होगा ऑब्वियसली आ रहा है आपके माइंड में मुझे मालूम है आ रहा है यार मतलब मेरे भी आता है ठीक है तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एज अ यूज़र मैं खुद होता तो मुझे क्या डाउट आता हमने मोंगो डीबी समझ लिया कैसे काम करता है मोंगो डीबी का वर्ड कहाँ से है एसक्यूएल वर्सेस बैसे उसने प्रैक्टिकली देख ली मोंगो डीबी काम कैसे कर रहा है वो भी देख ली वी हैव आई स्टोरेज इंजन जो जेसन को बिशन में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ तक भी समझ में आ गया लेकिन अगर मैं जेसन में कुछ चीज़ लिखता हूँ लेट से अगर मैं जैसन में कुछ डेटा लिख रहा हूँ लेट से मैंने ये एक डॉक्यूमेंट मैंने जैसन में लिखा ऑब्वियसली मैं इसी पे ही काम करूंगा थ्रू आउट दिस कोर्स हम जैसन पे ही काम करेंगे बीसन से हमें लेना देना नहीं है बट फिर भी बीसन दिखता कैसा है तो अगर ये जो भी डेटा मैंने इस तरीके से लिखा जैसन फॉर्मेट में तो बात अगर मैं करूँ बीसन की सो so फाइनली वो कुछ ऐसा दिखता है अब आप खुद मुझे बताओ आप ये वाला डॉ इस तरीके से लिखना या इसको पढ़ना प्रिफर ज़्यादा करोगे या आप बीसन फॉर्मेट को लिखना या पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करोगे बताओ क्या करोगे आप ऑबियस है यार 99% लोग ये बोलेंगे क्योंकि 1% हमेशा एक्सेप्शन रहता है हवा मारने के लिए भाई मैं तो बीसन करूंगा भले आता हो ना आता हो बट नाइन्टी बोलेंगे जेसन वाई क्योंकि ये है इजी टू रीड एंड राइट नाम थापा ओके एज ट्वेंटी नाइन ओके स्टूडेंट नहीं है भाई बड़ा हो गया अब स्कोर्स ओके okay, वो <laughs> ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया एक सौ आठ कैसे हो सकता है बट जो भी हो एट फॉर एक्स्ट्रा ये पी पी टी गाइस ये पी पी टी बनाने में बहुत मेहनत लगी कसम से खुद सब कुछ किया बहुत मेहनत लगती है इसी बात पे एक लाइक जरूर बना कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दो दोस्तों के साथ थ्रूआउट दिस कोर्स आप देखोगे बहुत मेहनत लगी इसमें दिल से बोल रहा हूँ पी में गाइस बहुत मेहनत लगी तो एक लाइक बनता है ना एंड देन एड्रेस सिटी तो वही सेम चीज़ अगर हम भीषण में देखें तो ये आप लोग को दिख रहा है देखो मुझे एक नेम दिख रहा है यहाँ पर एक थापा दिख रहा है यहाँ पर एज दिख रहा है ट्वेंटी नाइन नहीं दिख रहा कहीं पे भी मुझे इज स्टूडेंट दिखाई दे रहा है फॉल्स नहीं दिख रहा मुझे स्कोर्स दिखाई दे रहा है एंड हाँ ये पूरा कंप्लीट भी नहीं क्योंकि बहुत लंबा था वो एंड इसके नीचे आ जाता है मैंने कंप्लीट नहीं लिखा लेकिन कहने का मतलब है कि बीसन में ये जो जैसन डेटा है बीसन में कुछ वो ऐसा दिखता है जो कि कतई पढ़ने में और लिखने में तो ईजी नहीं है ठीक है तो आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया यही था आपका मोंगोडीबी फ्रॉम जेसन टू बीसन अब हम बिना किसी देरी के कि, अब हम अपने प्रैक्टिकल कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले मोंगोडीबी में काम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड है वी नीड अ कम्युनिटी बेसिकली मोंगोडीबी सर्वर याद है मैंने कहा था वी नीड अ मोंगोडीबी सर्वर ताकि डेटाबेस से हम कनेक्ट कर सके आई I मीन mean, डेटाबेस में हम एक्सेस कर सके सो so, ये कम्युनिटी वर्जन को आपको करना है क्लिक ठीक है डोंट वरी इन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है वी हैव uh, thapa technical ek second thapa टेक्निकल डॉट शॉप सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कल इंडिपेंडेंस डे था सोर्स कोड का गाइस सेल मैंने यहाँ पे चला रखा है सारे सोर्स कोड का सेल सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज़ में आई गेस अगर आप बहुत दिनों बाद देखोगे तो प्राइस बढ़ सकता है एंड वहीं सोर्स कोड के लिए गाइस आपको कोर्सेस वाले सेक्शन पे आना होगा टाइप स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है अभी आपको जब आप वीडियो लाइव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एस का मिल जाएगा एंड यहाँ पे गाइ सिंपल बताना चाहूँगा कि ये जो आप इस तरीके से कोई भी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो फाइल्स में आप जो है सोर्स कोड को कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और राइट एंड प्लीज़ इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा तो कम्युनिटी सर्वर पे आपको जाना है इसको क्लिक करना है यहाँ पे ये यह देखो इस आपको सबसे पहले बहुत सारे तरीके हैं करने के ठीक है क्या आप मैक पे काम कर रहे हो या विंडोज़ पे कर रहे हो या लिनक्स पे कर रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ करंट वर्जन ये है प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो विंडोज़ x64 सिक्सटी फोर वी हैव मैक ओएस के लिए भी है लिनक्स के लिए भी है ओवन टू भी है प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड ये एम एस आई वाला जो पैकेज है आप इसको इंस्टॉल कीजिए एंड देन डाउनलोड पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो मेरा डाउनलोड हो रहा है जब तक ये मेरा डाउनलोड हो रहा है मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड देन गाई सेकेंड वी हैव दिस सेल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मैं जल्दी से बैक चलता हूँ ओ भैया तो यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस ये जो नोड जैसे कम्युनिकेट कर रहा है ना हमारे मोंगो डीबी सर्वर से सो so, यहाँ पे वी हैब आप टॉप पे देख सकते हो यहाँ पे वी हैव सेल मंगोस आल्सो जिसके थ्रू भी मैं अपने मोंगो डीबी सर्वर से कनेक्ट करके डेटाबेस के साथ खेल सकता हूँ तो मुझे बैकएंड की नीड नहीं है मैं डायरेक्टली अपना ये जो सेल है प्ले भी आप इसको बोल सकते हैं उसकी मदद से भी मोंगो से मैं कनेक्ट हो सकता हूँ एंड डेटा बेस में कनेक्ट कर सकता हूँ एंड ये जो नोड एक्सप्रेस में एकदम जो हमारा प्रोजेक्ट होगा तब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा लेकिन टिल दी एंड हम हमारा जो सेल है उसके थ्रू मोंगो से कनेक्ट होंगे एंड देन हम हमारा ये जो डेटा बेस है उसको देखेंगे एंड साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको एटलेस एंड कॉम्पास की मदद से भी आप कैसे कनेक्ट करके डेटा के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो आई होप आपको पता चल गया होगा सेल की हमें क्यों नीड है तो अगेन मैं यहां पे आपको लेके चलता हूं ओवर हियर तो ये डाउनलोड हो चुका है सो गैस वी हैव दिस मोंगो डी सेल डाउनलोड अगेन मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है सिंपली यहां पे आपको चलना है वी हैव दिस मोंगो डी सेल डाउनलोड ठीक है यहां पे आप देखो ये जो देखो वर्जन ये है प्लेटफॉर्म मेरा विंडोज है मैक एंड देन लिनक्स वाले आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा एंड अगर आप मैक या लिनक्स यूजर हो तो नीचे लिंक में आई मीन कमेंट सेक्शन में गाइस इसका लिंक जरूर ऐड कर दीजिएगा ठीक है एंड uh, यहाँ पे देखो गाइस जीप दिखाई दे रहा है हमें जीप की नीड नहीं है हमें एम वाला चाहिए होगा तो एकदम बॉटम पे चलते वी हैव दिस देखो विंडोज सिक्सटी बिट बेसिकली एम वाले वर्जन पर मैं चलूँगा एंड देन मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा सो so बेसिकली मेरा ये डाउनलोड हो रहा है एंड एक और चीज़ रह गया है बस उसको जल्दी से कर लेते हैं एंड दैट इज़ डेटा बेस टूल मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को आई होप अब आपको पता चल गया होगा मांगो डीवी क्या एक डॉक्यूमेंट ओरिएटेड नोए स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डॉक्यूमेंट ओरिएटेड मतलब आपका जो भी डेटा बेसिकली जेसन फॉर्मेट में लिख रहे हो एंड इवन हमारा जो मांगो डीवी अपने डेटाबेस में भी जेसन फॉर्मेट बेसिकली बीसन फॉर्मेट में डेटाबेस को स्टोर कर रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एकदम लेमेन एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बोले तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटाबेस को स्टोर कर रहा है ठीक है तो भाई उसको गेट करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें टूल तो उसके लिए डेटाबेस टूल की हमें नीड पड़ती है सो so, मैं यहाँ पे चलता हूँ सो वी हैव अ मोंगो डेटा टूल तो इस पर आपको चलना होगा ठीक है यहाँ पे देखो मोंगो टीवी कमऑन लाइन डेटाबेस टूल्स टूल पर आपको चलना है द मोमेंट आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट वो आपको लेके जाता है वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है सो so अगेन हमें ना ये जिप फाइल नीचे लगेगा वी नीड अ एम एस आई वाला फाइल एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली ऑप्शन है यहाँ पे ओके सो वी हैव दिस एम वाला फाइल तो so आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है सो क्या इस हमने हमारा मेन मोंगो टीबी सर्वर जो है वो कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल कर ली ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सो so देखो वी हैव अ मोंगो टीबी सो देखो फाइव सेवेंटी वन एम बी का तो आपको सिंपली रन पे क्लिक करना है प्रिपेयर टू इंस्टॉल हो रहा है नेक्स्ट आपको कर देना है एक्सेप्ट आपको करना है है ना आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा ये बहुत क्लियरली या गाइस तो मैं यहीं पर ही आ गया डायरेक्ट ताकि बैकग्राउंड ईजी हो जाए सिंपल कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो है सब कुछ एज इट इज एंड देन नेक्स्ट कर दो ये डेटा डायरेक्टरी एंड देन ये जो लॉग डायरेक्टरी है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ आपने एक चीज़ नोटिस की मैं बैक जा रहा हूँ आई uh, थिंक मैं बैक नहीं जा पा रहा अभी uh, मैं लेकिन यहाँ पे कॉमपास था तो हमने डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक किया हुआ तो हमारा मोंगोडीवी जो कॉमपास है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा इंडिया का इस दिस इज इट ये अब हमारा इंस्टॉल हो रहा है फाइनल गाइस वो इंस्टॉल हो चुका बहुत समय ले रहा था एंड मैंने जैसे कि दिखाया था कि उसने मोंगो डीबी कॉम्पास को भी इंस्टॉल कर दिया तो गाइस इसे एटलेस एंड देन ये जो कॉम्पास है मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे काम करना है प्रोजेक्ट से पहले आपको बहुत मजा आएगा लेकिन अब हमारा बचा है मोंगोस एंड देन वी हैव दिस डेटाबेस टूल्स तो सिंपल मोंगोस पर आपको क्लिक करना है रन कर देना है ठीक है नेक्स्ट सेटअप आपका आ जाएगा इंस्टॉल जस्ट फॉर यू थापा यस एंड देन नेक्स्ट 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 करना है आपका इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इट्स सुपर डुपर ईजी एंड देन रही बात है डेटा टूल्स की अगेन आपको सिंपली क्लिक करना है रन कर देना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ठीक है ये मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ इंस्टॉल कर देता हूँ तो गाइस मुझसे इसने कुछ डेटा पूछा बिहाइंड द सीन मैंने एक्सेप्ट कर ली है एंड या दिस इज इट तो मेरा डेटा बेस टूल्स जो है इंस्टॉल हो गया तो फाइनली एटलीस्ट ये तो मैंने आपको प्रॉपर करके बताया ठीक है फाइनली गाइस हमारे जो तीनों रिक्वायरमेंट्स थे मोंगोडीबी में काम करने के लिए वो तो हमने इंस्टॉल कर लिया बट वी नीड टू मेक श्योर कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो गाइस आप टर्मिनल या सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी ओपन कर लीजिए वन इट कम्स टू योर लिनक्स या आपके मैक्स या अगर आप uh, विंडोज पे यूज कर रहे हो ठीक है तो मैं कमांड सी एम डी ओपन कर रहा हूं आप चाहो तो टर्मिनल भी कर सकते हो यहां पे सिंपली आप आपको लिखना पड़ेगा मोंगो डी आपको सिर्फ मोंगो नहीं मोंगो डी लिखना है हाइफन हाइफन एंड देन वर्जन लिखना है एंड वर्जन लिख देना है आई होप आप लोग को दिख रहा हो इस तरीके से एंड एंटर हिट करना है तो आप देख सकते हो मोंगो डीबी का जो मेरा करंट वर्जन है वो कुछ ये है बेसिकली फिर उसके मॉड्यूल्स इवन जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में दे रहा है बेस्ट पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा था मोंगो डीबी इज ऑल अबाउट ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएटेड यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट में जैसेम फॉर्मेट में ही डेटा मिल रहा है है ना कितना ज्यादा ऑसम तो ये है मेरा करंट वर्जन जो मैं काम कर रहा हूँ एंड अगर आप एक साल बाद भी देखते हो लेट मी टेल यू कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ लेटेस्ट अप टू डेट होने वाला है ठीक है तो गाइस अब हमारा सेकेंड है डेट इज़ और मोंगोस तो बेसिकली याद है सेकेंड हमने सेल एड आई मीन I mean, इंस्टॉल की थी जिसके थ्रू क्या होता है ना मोंगो डी का क्या काम है इसका काम है टू स्टार्ट योर मोंगो डी बी सर्वर आप जब तक सर्वर स्टार्ट नहीं करोगे आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए जब तक सर्वर नहीं डेटाबेस नहीं सिंपल मतलब जब तक अगर इंटरनेट नहीं है आप वेबसाइट को ब्राउज नहीं कर सकते इंटरनेट नहीं चला सकते सिंपल विदाउट सर्वर आपका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं होगा तो ये मोंगो डी जो है आपका ये सब स्टार्ट करता है एंड द बेस्ट पार्ट यह ना कि पहले के समय आप जो भी वीडियोज़ देखोगे मोस्टली पहले तो सी में जाके सर्वर ऑन करके रखना पड़ता था एंड अगेन एक और दूसरा सी ओपन करके फिर हम वो सेल जो है उसको स्टार्ट करते थे बट अब जो लेटेस्ट वर्जन आ चुका है वहाँ पे मुझे सर्वर को स्टार्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ टास्क मैनेजर में अगर मैं चलता हूँ तो बिहाइंड द सीन अगर आप ध्यान से देखोगे सो वी हैव दिस मोंगो डेटाबेस बी डेटा सर्वर एंड तो कहने का मतलब ये कि अब बिहाइंड द सीन हमारा जो सर्वर है ऑलरेडी रन कर ही रहा है ऑलरेडी रन कर रहा है तो अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है ठीक है अब हमें सर्वर खुद से स्टार्ट करने की नहीं है वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो मोंगो सेल है वो इंस्टॉल हुआ नहीं ताकि मैं डेटा से कनेक्ट कर सकूँ अपना क्वेरीज डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट अपडेट डिलीट एग्रीगेशन वो सारे परफॉर्मेंस आई मीन क्वेरी परफॉर्म कर सकूँ सो मोंग जी ओ एस एच आपको लिखना है मोंगोस एंड देन एंटर हिट करना है सो मोंगोज मतलब मोंगो एंड देन एस एच मतलब योर सेल मोंगो सेल एंड अगर आपको कुछ इस तरीके से आ गया एंड यहाँ पे अगर आप लिख दे तो सो डेटा बेस एंड अगर आपको डेटा बेस दिख रहा है इट मीन्स गाइस आपका ये एकदम परफेक्ट हो चुका है सो एंड डेटा बेस टूल्स जो है गाइस उसके लिए तो सिंपल मोंगो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो मैं आपको आगे बता ही दूंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना डेटा बेस टूल्स जो थर्ड वाला हमने इंस्टॉल की थी एंड दिस इज इट गाइस नाउ वी आर गुड टू गो अब हम हमारा एक्चुअल जो क्वेरी है जो कोडिंग है मोंगो डीवी में उसको अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल आर गाइस तो अब हम फाइनली हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस का क्रिएशन कह लीजिए या कलेक्शन या डॉक्यूमेंट्स या फील्ड्स तो वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है तो सबसे पहले हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं हम कलेक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं देन उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गाइस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं एंड कलेक्शंस के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होता है ठीक है सो so मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं नेक्स्ट चलूंगा तो अब हम डेटा को एंड जो कलेक्शन उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं तो अगर आपको डेटा देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके मोंगो uh, डिवी के अंदर तो आप देख सकते हो आपको सो एंड देन डी बी एस ये कमांड uh, है आपको लिखना पड़ेगा एंड ये देखिएगा इस एंड अगर अब आपको कोई एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है देन यू नीड टू राइट यूज़ एंड देन आपका डेटा का नाम ये जो आपको एंगल uh, ब्रैकेट्स दिख रहा है वो आपको यूज नहीं करना है जस्ट हमने बताया कि ये सिंटेक्स है एंड अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो आपको ये जो डी बी डॉट ड्रॉप एंड देन डेटा आपको ये जो कमांड है ये फायर करना होगा ठीक है डोंट डोरी मैं अभी करके बताता हूं लेकिन मैंने सोचा इस तरीके से भी बताऊंगा आपको और अच्छा लगेगा अब बात आती है कलेक्शन uh, की देखो डेटाबेस अगर देखना हो कौन कौन से प्रेजेंट है देन सो डेटा कलेक्शन की बात आती तो अगेन सो कलेक्शंस एस एड है याद रखना है इसमें एक एक्स्ट्रा एस है लास्ट में एंड देन देखो अगेन डी वी डॉट क्रिएट कलेक्शन कितना ज्यादा ईजी है कि कलेक्शन अगर हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट कलेक्शन एंड देन अगेन यू है कलेक्शन नेम फिर से यह एंगल ब्रैकेट्स लिखने की नीड नहीं है एंड देन अगर आपको अब ये चीज ध्यान में रखिए अगर कलेक्शन को डिलीट करना है नो you know, तो अब आपको ड्रॉप तो बेसिकली ना मोंगोडेवी में ये जो ड्रॉप वर्ड है बहुत यूज होता है ड्रॉप 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 तो समझ जाओ डिलीट की बात आती है तो आपको ड्रॉप यूज करना है मोस्टली देखो ड्रॉप डेटा बेस देख हो यहाँ पे भी ड्रॉप डेटा बेस यहाँ पर भी कलेक्शन नेम डॉट ड्रॉप तो इस तरीके से आपका ये काम होगा तो अब हम देखो अब कैसे करें हम कैसे इस काम कर सकते हैं so, सो मैं ओपन करने जा रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट सी एम डी या आप टर्मिनल यूज कर सकते हो अगर आप मैं क्या लिनक्स यूज़ करें तो आपका जो डिफॉल्ट टर्मिनल है आप उसको एक्सेस कर सकते हो ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मैंने सी ओपन की मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से बाई डिफॉल्ट दिस इज माई डिफॉल्ट पाथ यू नो सो so, मुझे अब अगर मोंगो डीबी में अपना वर्क करना है तो आई नीड टू राइट मोंगोस तो मैं बेसिकली सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ मोंगोस मोंगो डिबी सर्वर एंड याद दिस इज इट मैंने सी कर दी मैंने हटा दिया भाई मुझे नीचे बाकी सब कुछ तो सबसे पहले कौन कौन से डेटा uh, बेस है मेरे अंदर मुझे देखना है सो वी हैव अ एडमिन कन्फ्यूग एंड देन लोकल ये जो तीन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज डिफॉल्ट है ना एंड एक चीज नोटिस करो कि मैं एक और तरीके से लिख सकता था सो डेटा बेस डेटा लिखना लेकिन मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा तो क्या होता देखते है देखते हैं मुझे आता है एरर तो थ्रू आउट दिस वीडियो आज का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे बेस्ट वीडियो होने जा रहा है जहाँ पे मैं आपको एरर्स के साथ साथ बताऊंगा जानबूझ के मैं एरर करूंगा ताकि आपको लगे अरे हाँ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत सभी लोग क्या कर सकते हैं डेटा बेस लिखना है तो सिर्फ वो डेटा database बेस लिखेंगे डेटा बेसिस नहीं लिखेंगे सो so आपको लास्ट में एक एक्स्ट्रा एस एड करना है तो अगेन नाउ इट्स अप टू यू कि आपको सो डी एस लिखना है या आपको लिखना है सो डेटा ठीक है सो so, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये ये डेटा बेसिस ऑलरेडी आपके पास है एंड इन तीनों को आपको छेड़ना नहीं है लिव एज इट इज़ ऑल राइट मुझे अब एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है लेट से मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए मैं स्कूल uh, में पढ़ रहा हूँ एंड बेस स्कूल नहीं पढ़ रहा मैं तो लाइक like, स्कूल का एक प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड्स है वो मुझे ऐड करके रखना है ठीक है तो उसके लिए मैं मोंगोडी भी यूज़ कर रहा हूँ अब मुझे डेटाबेस लगेगा सो so मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ठीक है या दिस इज़ इट अब एक चीज़ नोटिस करना अगर मैं सो so डी करता हूँ तो मुझे मेरा ये जो स्टूडेंट्स डेटा है मुझे नहीं दिखाई देगा अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो स्टूडेंट्स डेटा के अंदर हूँ इसलिए वो मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना मैं एडमिन पे चल देता हूँ देखो मैं ट्रैप आई मीन ट्रैप नहीं सॉरी टैप प्रेस कर सकता हूँ तो मुझे वो ऑटो कम्पलेशन मेरा यहाँ पे काम कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है ये सी एल एस अब अगर मैं सो so डी बी एस करूँगा तो आप देखो मुझे फिर भी मेरा जो स्टूडेंट्स था मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसका सिंपल मतलब ये मैं अगेन आपको बताता हूं जब आपने इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया स्टूडेंट्स तो आप जब भी इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हो एंड आपके डेटाबेस के अंदर जब तक एक भी कलेक्शन या एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देता है आपका डेटाबेस का नाम ये एक पॉइंट है आप मेक श्योर sure करो इसको नोट डाउन करो जब तक कलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका वो डेटाबेस के अंदर नहीं दिखाएगा ठीक है लेट्स क्रिएट अ कलेक्शन एक काम करते हैं क्या इसके अंदर कलेक्शन है सो so अगेन हम देख चुके हैं सो कलेक्शन नहीं है सो so कैसे क्रिएट करना है डी बी मतलब अब मैं देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम डी बी लिख रहे हैं इट मीन्स कि हम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी बी जो है स्टूडेंट्स को रेफरेंस कर रहा है डी बी डॉट वी हैव अ क्रिएट कलेक्शन स्पेलिंग एकदम सही लिखना है एंड मेक श्योर आपको एंड में एस एड नहीं करना है क्योंकि आप एक क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर मल्टीपल क्रिएट नहीं कर रहे हो ठीक है कलेक्शन का नाम आप दे दीजिए लेट्स गो विथ डेटा ये मेरा कलेक्शन का नाम है डेटा ओके okay, देखो मुझे ओके okay बता रहे हैं यहाँ पे जो कि बहुत अच्छी बात है अब अगर मैं सो so कलेक्शन करता हूँ यहाँ पे कलेक्शंस लिखना अगेन मैं अगर ऐसे ना लिखूँ तो फिर से मुझे एरर आता है ठीक है तो आप देख सकते हो अब मुझे डेटा करके दिखाई दे रहा है अब एक काम करता हूँ सो डी में करता हूँ फाइनली वी हैव आवर स्टूडेंट डेटा हमें वो दिखाई दे रहा है ऑल right, ये बहुत ही औसम awesome बात है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको इस सपोज इस डेटा को डिलीट करना है ठीक है उससे पहले मैं पहले कलेक्शन जो हमने क्रिएट की थी उसको डिलीट करके दिखाता हूँ देखो सो अगेन सो मैं चलता हूँ कलेक्शन है ना तो आप देख सकते हो तो डेटा दिखाई दे रहा है so, okay, सो कैसे आपको लिखना होगा डेटा डॉट आपका ये जो कलेक्शन का नाम है डॉट आपको ड्रॉप एंड देन इस तरीके से इसको यूज करना है तो द मोमेंट आप एंटर हिट करते हो दिस इज इट आपको ट्रू आ गया है तो अब मैं वापस अगर सो कलेक्शंस करता हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब अगर मुझे इस डेटाबेस को डिलीट करना है बेसिकली ड्रॉप करना है तो अगेन डी डॉट आपको ड्रॉप एंड देन डेटाबेस लिखना है सिंपल आपको लिखना है डेटा ठीक है एंड यह इस तरीके से लिख के आप एंटर हिट करो तो देखो ओके ड्रॉप स्टूडेंट्स तो अब गाइस अगर मैं सो डी बी एस करता हूँ दिस इज इट बैक टू नॉर्मल तो ये था गाइस आपका फर्स्ट स्लाइड तो गाइस इतना हमारा काम हो गया चलो अब हम देख लेते हैं इंसर्ट ऑपरेशन बेसिकली कर्ड ऑपरेशन कर रिप्रेजेंट योर क्रिएट रीड अपडेट एंड देन डिलीट जिसमें से सबसे पहले आता है योर इंसर्ट ऑपरेशन ठीक है सो so, देखो हम कैसे दे मोंगोडीबी में इंसर्ट ऑपरेशन की जब बात आती है सो वी हैव अ इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन मोंगोडीबी वेन टू यूज कोर्ट्स एंड वेन नॉट टू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑर्डर एंड ऑन ऑर्डर ये मजा आ जाएगा एंड केस सेंसिटिविटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, सबसे पहले इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन मॉगोडीवी डोंट वरी पहले हम सिंटेक्स देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है देन प्रैक्टिकली करेंगे एंड आज का पूरा वीडियो ही प्रैक्टिकली है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ठीक है ऑल राइट सो एक सेकेंड मैं बैक कर देता हूँ वी हैव अ इंसर्ट वन ठीक है देखो डेटा बेस डॉट आपको कलेक्शन का नाम हर जगह यही है डेटा बेस डॉट कलेक्शन का नाम डॉट अगर आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करना रहेगा सो हम यूज करेंगे इंसर्ट वन एंड देन वी हैव दिस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसिस क्योंकि हम एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स देन वी हैव अ फील्ड वन एंड देन वैल्यू वन सो बेसिकली की एंड देन वैल्यू की एंड देन वैल्यू जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना की वैल्यू पेयर बना के या आप काइंड kind ऑफ of इसको जेसन कह लीजिए क्योंकि बेसिकली जेसन हमने स्टार्टिंग पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड बीसन तो काइंड kind ऑफ of आप इसको जेसन ही कह लीजिए क्योंकि फील्ड वन एंड देन वैल्यू बिल्कुल जेसन की में जैसे आप की वैल्यू डिफाइन करते हो फील्ड एंड देन वैल्यू को वैसे आपको यहाँ पे भी डिफाइन आप करना, करना है एंड अगर अब आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करना हो देन सेम है सिंटेक्स डी बी डॉट कलेक्शन नेम डॉट आपको इंसर्ट मेने यूज करना है एंड एक चीज आपको ध्यान देना है नाउ इट्स इंसर्ट मैनी के अंदर आप एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज करोगे क्योंकि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यूज करने वाले हो गाइस यहाँ पे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यूज करोगे सो so उसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक एरे है ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स है एंड देन आपका कलिब्रेसिस में एंड एट द एंड में एक कॉमा फिर एक और कलीब्रेसिस कॉमा तो यहाँ पे ये यह जो कंप्लीट एक पार्ट है वो यहाँ का सिर्फ एक हिस्सा होगा फिर कॉमा देखे दूसरा इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है ऑलराइट इसको मैं आपको करके बताता तो हूँ कैसे करना है तो कैसे सब हम इसको करके देख लेते हैं ठीक है तो आ, सबसे पहले तो मैं अगेन स्टूडेंट्स ये जो है ना मैं वापस क्रिएट कर रहा हूँ तो आप लोगों का मस्त यहाँ पे पूरा एकदम एंड में पूरा मजा आ जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स डेट अभी क्रिएट कर ली मैंने जल्दी से मैं यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका तो था क्रिएट कलेक्शन करके दूसरा आप डायरेक्टली अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो कलेक्शन अपने आप बन जाता है ये भी एक डिफॉल्ट बिहेवियर है डी बी डॉट आपको कलेक्शन का नाम दे दीजिए डेटा ठीक है अभी तक मैंने क्रिएट कलेक्शन uh, के अंदर डेटा लिखा नहीं था डेटा डॉट इंसर्ट वन कैमल केस है ना ये देखो पैरेंथेसिस ये आपका कलिब्रेसिस ठीक है ऑल लाइट यहाँ पे आपका की एंड देन वैल्यू होगा ये होगा आपका की ये होगी आपकी वैल्यू तो यहाँ पे लेट्स गो विथ नेम यहाँ पे लेट्स गो विथ विनोद एक कॉमा देना है अब आपको दूसरा फील्ड uh, uh, भी तो ऐड करना है ना सो दिस इज योर फील्ड फर्स्ट फील्ड कॉमा से पहले ये जो था ये आपका एक फील्ड है ठीक है कलीब्रेसिस के अंदर जो भी लिख रो वो आपका एक डॉक्यूमेंट है एंड वो सारे डॉक्यूमेंट किसके अंदर है हमारे डेटा कलेक्शन के अंदर है एंड हमारा डेटा कलेक्शन कहाँ है स्टूडेंट डेटा के अंदर सो ये हैरारकी चल रहा है यहाँ पे लेट्स गो विथ एज एंड देन ट्वेंटी नाइन ठीक है आप एक चीज नोटिस करो मैंने यहाँ पे सिंगल कोर्ट यूज़ की है मैंने यहाँ पे कोई भी कोर्ट यूज नहीं किए बट मैं एंटर हिट करूंगा वोम गाइस सी एक्नोलज ट्रो बाय डिफॉल्ट हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देता है मोंगो डी बी जो आ, आगे हम जाके पढ़ेंगे इंडेक्स ठीक है ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सके कुछ तो एक यूनिक होना चाहिए ना जिसके थ्रू मुझे पता चले कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए कुछ तो हो फिल्टर ऐड करना रहता है एंड में जाके सर्च फंक्शनैलिटी हमें चाहिए रहती है सो डैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस यूनिक आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट आई डी ये तो एक हो गया सिंगल सो डी बी अब लेट्स मल्टीपल डेटा मुझे ऐड करना है ना इन एंड देन अगेन वी हैव टू राइट मैनी दिस टाइम आपको इसको आप ब्रैकेट्स लगेंगे उसके अंदर एक कल्ली ब्रेसेस ये पहला डॉक्यूमेंट ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट में ये जो कोड आपने लिखा था इसी को ही कॉपी करो मैं यहाँ पर पे पेश कर देता हूँ कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर चलता हूँ यहाँ पे नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ विनोद आ विल गो विध विनम्र है ना एज आई गेस लेट्स गो विद ट्वेंटी यहाँ पर मैं चलता हूँ है ना सेम पेश कर देता हूँ ताकि बाबर लिखना ना पड़े लिखना ना पड़े अर्जुन कर देता हूँ लेट्स गो विथ एज थर्टी ठीक है आप मैंने एंटर हिट कर दी तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट आईडी ये देखो पहला दूसरा एंड देन तीसरा तो अब मुझे ये देखना है कि ठीक है मैंने यार मेरा डेटा करके जो कलेक्शन था उसके अंदर मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो इंसर्ट कर दी बट मुझे देखना है तो जो देखने वाली बात आती है वो आती रीड कर्ड में वी हैव आर रिप्रेजेंट रीड बट हम उसको और डिटेल में समझेंगे अभी बेसिक वाला समझ लो आप खाली ठीक है जहां पर डीबी डॉट आपका डेटा बेस आई मीन या यूर कलेक्शन नेम डेटा डॉट आपको फाइन की वर्ड यूज करना है एंड एंटर हिट कर देना है एंड गाइस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहां से लेके लेकेट यहाँ तक यहाँ तक ये है जस्ट अभी मुझे जो मेरा आउटपुट आया है सो so, देखो एरे के अंदर मुझे आउटपुट आ रहा है दिस इज़ माई आउटपुट जहाँ पे फर्स्ट आई डी में देखो विनोद एज ट्वेंटी नाइन विनोद एज ट्वेंटी नाइन विनम्र एज ट्वेंटी अर्जुन एज थर्टी आई नो आपको ये थर्टी नहीं दिखाई दे रहा है बट इट डजेंट मैटर ठीक है ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा था अब आपको एज थर्टी दिख रहा है जी हाँ गाइस तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो ऑल राइट चलो इतना मेरा काम हो गया अब मैं यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में वेन टू यूज कोर्ट्स एंड वेन नॉट टू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो जब भी बात आती है स्पेशल कैरेक्टर्स की इफ अ फील्ड नेम कंटेंस स्पेशल कैरेक्टर्स और आई स्पेसिस और स्टार्ट्स विद अ न्यूमेरिक डिजिट यूजिंग कोट इज नेसेसरी मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा बट आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है एंड सेकेंड ऑब्वियसली जितने भी रिजर्व क्यूवर्ड होंगे मोंगो डिबी के उसको तो हमें डॉलर की वर्ड्स आई मीन बेसिकली कोर्ट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा यूज कोर्ट्स टू इट फ्रॉम द रिजर्व क्यूवर्ड ठीक है सो गाइज देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ ध्यान से देखना uh, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ uh, फिर से मेरा ये जो इंसर्ट मैंने इंसर्ट वन पे चलता हूँ मैं यहीं पर ही मैं एक और फील्ड ऐड करना है लेट्स से कोर्स कोर्स, कोर्स का आ, कोर्स का जो नाम होगा कोर्स नेम इक्वल टू तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से सी एस कंप्यूटर साइंस है ना देखो ये मेरा पहला फील्ड ये मेरा दूसरा फील्ड दिस इज़ माई थर्ड फील्ड है ना बट मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने सिंगल कोट यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सिंगल कोट यूज नहीं किया था बट ये काम करिए बट यहाँ पे मैंने ना एक स्पेस दिया हुआ है ठीक है तो क्या होता है मैं एंट्रेट करते हुए देखो कैसे मुझे सिंटेक्स एरर आ रहा है ठीक है एंड बता भी रहा है कि uh, बेसिकली देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा है जिससे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है तो गाइस हमें तो मालूम है यहाँ पे क्या गड़बड़ है जस्ट जब भी स्पेस वाली बात आई तो गाइस आप इस तरीके से सिंगल या डबल कोट यूज़ कीजिए एंड एंटर हिट कीजिए एंड देखिए मेरा ये एक नॉलेज ट्रू हो गया है सो डी बी एस करूँगा सॉरी नॉट सो डी बी एस मुझे करना था फाइंड वाला कोड ठीक है तो ये देखो गैस मुझे ये मेरे को आ गया देखो कोर्स नेम में सी मुझे आ गया इस तरीके से गैस कितनी ईजिली मुझे मेरा डेटा आ चुका है सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कब आपको सिंगल कोर्ट यूज़ करना है या कब नहीं करना द बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज यूज सिंगल या डबल कोर्ट्स ठीक है ऑलरेट right, यहाँ पे चलते हैं अब यहाँ पे देखते ऑर्डर एंड देन ऑन ऑर्डर इंसर्ट देखो जब भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसमें हो सकता है ना कि आप बहुत सारे डेटा इंसर्ट करो एंड कहीं तो भी बीच में एक एरर आ गया कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एरर है तो आप अब संभावना क्या हो सकता है व्हाट आर दी प्रोबेबिलिटीज़ इंसन का तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखो ऑर्डर एंड देन ऑन ऑर्डर दो तरीके के होते हैं लास्ट में हमें ऑर्डर इक्वल टू ट्रू या फॉल्स लिखना पड़ता है इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ वेन एग्जीक्यूटिंग बल्क राइट ऑपरेशन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड डिटरमाइन द बैच बिहेवियर डिफॉल्ट वे इज ऑर्डर्ड वेर मोंगो डी बी स्टॉप्स ऑन द फर्स्ट एरर मैं आपको बताता तो हूँ करके ठीक है आपको तब मजा आएगा है ना थ्योरी तो आप जस्ट आपको पता चले एक डेफिनेशन बहुतों तो को होता है ना कि समझ में आएगा लेकिन डेफिनेशन ही नहीं मालूम तो वो उसके लिए बस हम कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे ध्यान से देखना ये जो मेरा इंसर्ट uh, मैनी था यहाँ पे वी हैव आ इंसर्ट मैनी ठीक है चलो ठीक है इंसर्ट मैनी को मैं एज इट इज रख रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक काम कर लेता हूँ मैं सी एल एस कर लेता हूँ यहाँ पे एंड मैंने क्यों सी एल एस की मैं आपको बताता हूँ देखो ध्यान से देखना ठीक है सो वी हैव अ डी वी डॉट डेटा डॉट फाइंड जब मैं करता हूँ तो मुझे इस तरीके से डेटा आता है ठीक है नाउ लेट्स से ये वाला जो डेटा है अर्जुन का जो डेटा है ठीक है उसको एक आई डी दी हुई गई है ये वाली क्योंकि देखो ना विनोद देखो ये दोनों का डेटा तो सेम है लेकिन फिर भी डेटा ऐड हो रहा है तो मतलब कुछ तो एक यूनिक आइडेंटिटी होगी ना दैट इज योर दिस आई डी ठीक है अब अगर इसमें आई डी को कॉपी करूंगा ठीक है ध्यान से देखना अगर मैंने आई डी की कॉपी एंड मैं यहाँ पर चल रहा हूँ बेसिकली ये मेरा एक डेटा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन क्लोजिंग तो ये क्लोज हो गया यहाँ पे मैं एक, एक काम करता हूँ मेरा ये जो डेटा होगा आ, ये था आपका अर्जुन ना देखो सेकंड वाले पे मैं जाके वो आईडी पेस्ट कर रहा हूँ मैंने कॉमा दे दी नेम में क्या था वो गाइस चलो नेम तो डजेंट मैटर नेम से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को फिर भी मैं यहाँ पर अर्जुन कर देता हूँ ठीक है जिसका एज है थर्टी हालांकि ये मैटर नहीं करता अब अगर मैं इसको इंसर्ट करने जाऊंगा तो मुझे आने वाला है एरर ये देखो मुझे राइट एरर आ गया यहाँ पे एंड उससे पहले एक चीज़ बता रहा है डैट इज़ कि इंसर्टेड काउंट इज़ वन मतलब मेरे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट ये मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट एकदम सही है जो मेरा सेकेंड डॉक्यूमेंट है ना उसमें एरर है उसमें एरर ये है कि मेरा ये जो आई है ये डुप्लीकेट आई है एंड देन मेरा तीसरा वाला सही है तो जो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था उसमें अब होगा कि अगर आप जब मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर रहे हो अगर बीच में एरर आ गया या जैसे कुछ भी हो सकता है मेरे केस में डुप्लीकेट की हो गया ना डुप्लीकेट आई तो जो उससे पहले वाला जो करेक्ट डॉक्यूमेंट था वो इंसर्ट होगा या नहीं या उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट था वो इंसर्ट होगा या नहीं या कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा ये प्रोबेबिलिटी है

बिकॉज दिस इज योर इंडेक्स नंबर जीरो क्योंकि एर एस का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो होता है सो दिस इज योर जीरो दिस इज यूर वन तो इतना तो पता चल गया भाई मेरे इसी इंडेक्स नंबर वन पर कुछ प्रॉब्लम है कुछ एरर है कोड आपका एरर का ये अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा डुप्लीकेट का आइडिया ये आपको एरर का मैसेज बता रहा है मैसेज बता रहा है कि डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन सिंपल पता चल गया कि duplicate है कि डुप्लीकेट की है ये देखो इस तरीके से पूरा मुझे इंडेक्स भी आ गया देखो ना आइडिया मुझे आ गया है यहाँ पर एंड एक्स्ट्रा ये जो ई आर आर इन ये मतलब एक्स्ट्रा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है या नहीं भाई इनफ है ना इतना ऊपर के दो इसलिए नहीं है अनडिफाइंड आर ये जो ओ पी है इसका मतलब होता ऑपरेशन आप कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे थे जिसके चलते हमें एरर मिला सो ये वाला ऑपरेशन में करने जा रहा था जिसके चलते मुझे एरर मिला है तो आप मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ भाई मेरे चाहे हजारों डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो मुझे बता देगा कि उन हजारों में ये एक डॉक्यूमेंट था जिसके चलते मुझे एरर आ रहा है एंड एरर भी क्या है कि ये डुप्लीकेट है अब डुप्लीकेट आई यूज़ नहीं कर सकते ठीक है हाँ लेकिन अब मैं इसमें एक चीज़ जरूर कर सकता हूँ ध्यान से देखना फिर से वही है सेम वही क्वेरी uh, मैं पास कर रहा करूँ बट दिस टाइम एज uh, हमने यहाँ पे देखा ऑर्डर एंड ऑन ऑर्डर बाई डिफॉल्ट हमारा जो डिफॉल्ट uh, बिहेवियर है डैट इज़ योर ऑर्डर्ड इंसर्ट मतलब जहाँ पे एरर है उसके बाद का डॉक्यूमेंट को वो चेक भी नहीं करेगा मतलब नाइन कुछ भी नहीं करेगा निकल जाएगा आउट ऑफ मतलब बाहर आ जाएगा बट अगर आपको ये चाहिए मैं अगर हज़ार डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ जिसमें से अगर दो गलत है तो बाकी के जितने भी नाइन नाएं, नाइन्टी एट मेरे इंसर्ट हो जाने चाहिए क्योंकि अगर ऑर्डर रहा एंड फाइव हंड्रेड समथिंग पे अगर एरर आया तो बाकी के पाँच सौ वो इंसर्ट ही नहीं करेगा बट मैं चाहूँगा अगर एरर है तो सिर्फ उसको छोड़ के बाकी जो भी चाहे उसके पहले हो चाहे उसके बाद के डॉक्यूमेंट हो इंसर्ट होने चाहिए तो उसके लिए हमें ऑर्डर्ड देखो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है एरे कॉमा आपको बाहर जाना है एंड देन आपको ऑर्डर्ड कॉलन फॉल्स लिखना होगा यहाँ पे इक्वल टू नहीं देता बेसिकली आपको कॉलन रहता है ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना जाब स्क्रिप्ट में कॉलन ही रहता है वहां पे भी सो so आपको ये लिखना होगा ऑर्डर्ड फॉल्स बाई डिफॉल्ट इट्स ट्रू ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ आई नो आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं सी कर दे रहा हूँ सी एल एस ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ या दिस इज इट देखिए ये मेरा एर खत्म हो रहा था कॉमा दूंगा एक पैरेंथेसिस जहां पे मैं लिख दूंगा ऑर्डर कॉलन एंड देन वी हैव अ दिस फॉल्स वैल्यू मैंने दे दी है द मोमेंट मैं एंटर हिट करूंगा सी एरर मुझे डिटो से मिलेगा क्योंकि एरर तो है बट दिस टाइम इंसर्टेड काउंट इज टू पहले सिर्फ एक था अब टू है मतलब भले ही एरर हो बट जितने भी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है वो इंसर्ट हो जाएगा सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ऑर्डर्ड ठीक है इंसर्ट्स तो दिस इज इट बाकी तो कुछ नहीं बाकी सिंपल इतनी था तो आपको पता चल गया कि अगर आपको एरर uh, वाले को छोड़ के बाकी सब कराना है तो आप इस तरीके से ऑर्डर कॉलन फॉल्स लिख सकते हो नाउ केस सेंसिटिविटी इन मोंगो मोंगोडीबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कलेक्शन का नाम जो है वो केस सेंसिटिव है इवन जो आपके फील्ड्स के नेम्स होंगे इनसाइड योर डॉक्यूमेंट्स दे आर ऑल्सो केस सेंसिटिव जैसे यहाँ पे डी बी डॉट कलेक्शन का नाम डेट इज योर कैपिटल पी प्रोडक्ट एंड देन डॉट इंसर्ट वन बाकी इस पर ध्यान मत दो सेकेंड लाइन पर मैंने लिखा है डी बी डॉट स्मॉल लेटर में पी प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट वन सो दोनों जमीन आसमान का फ़र्क है ये अलग ही प्रोडक्ट होगा कलेक्शन ये अलग होगा मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखूँ यहाँ पे सो वी आर हमारे पास क्या है डेटा बेस सॉरी फिर में डेटाबेस मेरे को आदत सी हो गई टैप कर देखो टैप प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक आ जाता है वी हैव दिस डेटा है ना सो ध्यान से देखना डी बी डॉट डेटा डॉट फाइन है ना अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ सी आगे हम पढ़ेंगे बट मैं फिलहाल के लिए लिमिट कर दे रहा हूँ सिर्फ दो डेटा में तो मुझे सिर्फ दो डेटा मिलेगा डोंट वरी हम आगे पढ़ेंगे लिमिट ध्यान मत दीजिए अभी बस मैं नहीं चाहता पूरा पूरा का पूरा डेटा आ जाए तो कहने का मतलब कि अगर मैं जो मेरा कलेक्शन का नाम एज इट इज़ लिखता हूँ तो मुझे डेटा आता है क्या हो अगर मैं डेटा को मैं कैपिटल डी कर दूँ है तो ये डेटा ही ना कोई डिफरेंस नहीं जस्ट एक कैपिटल डी है एंटर हिट की नहीं है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि आपके मोंगो डीबी में ये जो कलेक्शन का नाम है इवन आपके जो भी फील्ड्स के नाम होंगे लाइक नेम एंड देन एज वो सारे आपके केस सेंसिटिव है सो मेक श्योर आप जैसा लिख रहे हो वही डिटो आपको क्वेरी के टाइम लिखना होगा ठीक है ऑल एट दिस इज इट ऑल ऑर गैस तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंड फाइनली वी हैव अ रीड ऑपरेशन इन मोंगो डीबी रीडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मोंगो डीबी कंपेरिजन ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स कर्सर्स इन मोंगो डीबी एलिमेंट्स ऑपरेटर्स है एक्सप्रेशंस होंगे बहुत कुछ होगा ये सब डेटा को रीड करने के लिए हमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है या नहीं इन दोनों के बीच में डेटा है या नहीं एक्सप्रेशंस हम देते हैं फिल्टर हम करते हैं बहुत कुछ करते हैं हम right? राइट तो वो सब कुछ रीड ऑपरेशन के अंदर आता है लेट्स से फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मोंगो डीबी है ना तो अब अगर मैं चलता हूँ देखो यही है जो मैं तब से फाइंड uh, आपको याद है मैं फाइंड ही तो किया हूँ मैंने यहाँ पे आपको अगर याद हो गाइस तो ये क्या है डी बी डॉट फाइंड मैथड तो मैं वही तो कर रहा था यहाँ पे फाइंड मैथड डी बी आपका कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड एंड देन की एंड देन वैल्यू आपको पास करना है फिलहाल अभी तक मैंने ये नहीं की बट अब मैं करूंगा ठीक है एंड देन एक और तरीका है फाइंड वन सो बेसिकली फाइंड रिप्रेजेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा रिजल्ट आएगा बट वेन इट कम्स टू फाइंड वन वन मतलब एक आपका जो फाइंड वन देखो सेम है बस फाइंड uh, के बदले आपको फाइंड वन लिखना होगा एंड देन की एंड देन वैल्यू आपको लिखना है ठीक है ऑल राइट right, वो बाद में देखते हैं यहाँ पे चलो चलते हैं मैं अभी लिमिट में हटा रहा हूँ एंटर हिट करता हूँ सो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव का सीन आ गया तो मैं इसको स्मॉल डी कर देता हूँ तो मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अब मुझे पता चल रहा है कि नेम जो है विनोद बहुत जगह यूज़ हो रहा है मुझे देखना है कि भाई ये जो विनोद नाम का जो लड़का है या बेसिकली ये जो नेम है कितने सारे लोगों का ये नाम है सेम नाम जो कितनों का है तो हम कैसे करेंगे देखो डी बी डॉट आपका कलेक्शन का नाम डॉट आपको लिखना है फाइंड कल्ली uh, ब्रेसेस यहाँ पर आपको की एंड देन वैल्यू आपको यहाँ पे देना है नेम यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है जो भी आपको सर्च करना है ठीक है क्वेरी करनी है या बेसिकली फाइंड करना है मैं एंटर हिट करता हूँ सो आप देख सकते हो वी हैव अ नेम विनोद एज ट्वेंटी नाइन देखो इतने सारे डेटा थे कितनी ईजिली हमने फाइंड कर ली है ना अब वहीं अगर अब मैं यहाँ पे फाइंड वन लिख देता ठीक है कुछ चेंज नहीं है जस्ट इंस्टीड ऑफ फाइंड मैंने लिखा है फाइंड वन एंड देन द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ आई एम गोइंग टू गेट ओनली वन डॉक्यूमेंट ये देखो सब मुझे पहला डॉक्यूमेंट आ रहा है एंड लेट्स uh, ये जो है सी सिक्स ए एट सी सिक्स ए एट सी सिक्स ए नाइन मतलब आप देख रहे हो मुझे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो मुझे मिलता है तो ये है आपका फाइंड ये है आपका फाइंड वन एंड अब और भी बहुत सारी चीज़ें लेट वी हैव टू इम्पोर्ट जेसन इन मोंगो डीबी वी अब फाइनली अब आपको लग रहा होगा गया अरे बच्चे जैसा काम हो रहा है अब uh, फाइनली मैं आपको एकदम ऑसम डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जिसमें दस दस हजार डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंसर्ट है एंड उसमें हम ये सारे फिल्ट्रेशन करेंगे तो इंपोर्ट uh, कैसे करते हैं लेट से मेरे पास ऑलरेडी जेसन का डेटा है मुझे इसको इम्पोर्ट करना है मेरे डेटा बेस के अंदर सो so, uh, आपको मोंगो इम्पोर्ट आपका जो भी फाइल का नाम होगा डॉट जेसन ये हाइफन डी बेसिकली आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है एंड देन आपको अपना कलेक्शन का नाम लिखना है अगर वो जो जेसन है अगर वो एरे के अंदर नहीं है तो ये करना है एंड इफ इट इज इनसाइड एंड एरे लाइक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाला फाइल रहेगा तो आपको लास्ट में हाइफन हाइफन जेसन एरे ये जो क्यूवर्ड uh, ऐड करना पड़ेगा ठीक है अगर एरे के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये फर्स्ट वाला अगर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है तो आपको हाइफन हाइफन जेसन एरे ऐड करना पड़ेगा एंड uh, बता रहा है हेर हाईफन हाइफन एक्सेप्ट द इंपोर्ट ऑफ डेटा एक्सपेस्ट विथ मल्टीपल मोंगो डीबी डॉक्यूमेंट विथ इन अ सिंगल जेसन एरे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है so, सो uh, देखो मोंगो इंपोर्ट ये आपका फाइल का नाम हाइफन डी डेटा बेस हमारा शॉप था एंड कलेक्शन uh, का नाम होगा प्रोडक्ट्स ठीक है ऑल राइट देखो डेटा बेस कैसे क्रिएट करना ऑलरेडी देख चुके कलेक्शन कैसे क्रिएट करना ऑलरेडी देख चुके बट अगर डेटा कहीं और पे रखा हुआ है एंड मुझे तब उसको इंपोर्ट करना हो तो मैं इस तरीके से बोलूंगा ठीक है देखो सी एल एस अब हम ये स्टूडेंट्स को मारते हैं गोली ठीक है स्टूडेंट जो है एज इट इज़ रहने दो सो so, कैसे आप देख सकते हो कि मेरा एक फोल्डर है मोंगो उसके अंदर वी हैव दिस मोंगो हाइफन जेसन एंड ये जो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे मेरे जेसनस के फाइल्स हैं इन सब को मैं इंपोर्ट करूंगा एंड इसके साथ हम खेलेंगे लेट्स से अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूं मैं एंड इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे डेटा ये देखो डेटा भरे पड़े है हम इसके साथ खेलने वाले जी हाँ कैसे वो बच्चों वाला पाँच छः डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं पूरा हाल दस हज़ार से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअल मोंगो डीवी में कैसे काम करते ठीक है तो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ अभी आप लोगों के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना बट आपको पता चल गया एंड देखने वाली बात है कि इसमें कोई एरे नहीं है आई I मीन mean, देखो फिर से ध्यान से देखना ये एरे के अंदर नहीं है सिंपल डॉक्यूमेंट्स है ये ठीक है तो मैंने आपको बता दिया था अगर डेटा जो है एरे के अंदर नहीं है तो कैसे करना है तो मैं आगे यहाँ पे चलता हूँ मैं कह बाहर चलूँगा सी कर रहा हूँ ठीक है आपको मोंगो इसके बाहर चलना है यू हैव टू राइट मोंगो इम्पोर्ट आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा डैट इज ये जिसके अंदर है वी हैव दिस प्रोडक्ट्स है ना सो so, मैं यहाँ पे चलता हूँ आइफन प्रोडक्ट्स डॉट जेसन आपको डेटा का नाम याद है अब फिलहाल क्या याद होगा हमने बनाया नहीं बट मैं सॉप करके बना रहा हूँ कलेक्शन का नाम होगा वी हैव दिस प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ठीक है सो so, इस तरीके से गाइस आपका फाइल का नाम आपका डेटा बेस एंड देन कलेक्शन आपका ये बन के रेडी सो दिस इज़ द तरीका जिसके थ्रू ये देखो टेन uh, थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली ऑसम awesome. ठीक है uh, ये मेरा काम हो गया है एंड uh, मैं बताना चाहूँगा सिर्फ इतना ही नहीं गाइस वी हैव मल्टीपल डेटा ओवर हियर सो वी हैव दिस सेल्स एंड देन कैटेगरीज है ना सो so, मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ सेल्स एंड uh, मैं इसको भी कर देता हूँ सेल्स एंड मुझे एक चीज़ ये देखना है कि मेरा ये जो सेल्स है क्या है वो ऑल एट गैस ध्यान से देखना हमारा ये जो सेल्स वाला डेटा है ना वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखो ना स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है आपको तो वो एक एरे है ठीक है तो वेन इट कम्स टू योर एरे जान के मैंने ये अलग अलग रखा ताकि आपको अलग अलग तरीके से मैं बता सकूँ तो अब आपको करना होगा ये कि आप सिर्फ अगर इस तरीके से लिख के छोड़ दोगे तो ये नहीं होगा यू आर गोइंग टू गेट एन एर बता रहे कैनोट डिकोड एरे इन टू अ प्रमिटिव एरे को डिकोड नहीं कर पा रहा है डिकोड करने के लिए तो हमारे पास वो जेसन एरे है ना सो हाइफन हाइफन जैसन एंड देन एरे आपको लिखना है एंड देन अब आपको एंटर हिट करना है तो देखो फाइव डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली चलो ये मेरा काम हो गया मैं वापस इस वाले पे चलता हूँ सेल्स के बदले वी हैव अ कैटेगरी या वी हैव दिस आप देख सकते हो कैटिगोरिस ओके कैटी गोरिस है ना एंड यही सेम जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ यार ठीक है सो so, कॉपी कर ली पेस्ट ओके सॉरी दिस इज़ द यही एक घाटा है यहाँ पे गाइस हम नहीं कर सकते कैटेगरीज थे वो ठीक है सो so, मैं यहाँ पे चल देता हूँ लेट्स गो भी एक सेकेंड कैटेगरीज तो आई नो देखो ट्वेंटी डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेड सक्सेसफुली ऑसम ये बहुत ईजीली होगी आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपोर्ट करना रहता तो गाइस उसके लिए था आप, आपको मोंगो आई थिंक मैंने डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है या नहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सो so, यहाँ पे गाइस नहीं है डेटा बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते मोंगो एक्सपोर्ट ठीक है आपको डेटा का नाम दे दीजिए यही है सॉपी कह लोट यही है बेसिकली जो ऑलरेडी मैं इंसर्ट कर चुका हूँ लेट्स मुझे अब उसको एक्सपोर्ट करना है, है ना सो so, कलेक्शन का नाम था जैसे मेरा ये सेल्स है ना तो याद है शॉप के अंदर जो मेरा सेल्स वाला जो कलेक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी अब मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है तो आउट हाइफन आउट एंड देन अब यहाँ पे आपको कहाँ पे चाहिए वो मैं बोल दूंगा भाई मुझे इधर ही चाहिए इस जगह पे ही ठीक है सो मैंने पेश कर दी मैं उस फाइल का नाम दूंगा मैं लिख दूंगा सेल्स टेस्ट डॉट जेसन एंड गाइस अब आप सिंपली आपको एंटर हिट करना है तो देखो कितनी इजीली एक्सपोर्टेड फाइव रिकॉर्ड्स है ना मतलब एक्सपोर्ट हो गया वो ये देखो सेल्स टेस्ट अगर मैं एंटर हिट करता हूँ ये देखो डेटा आ गया मुझे मतलब अब आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से ठीक है या ऑल राइट एंड गाइस आई नो आप में से शायद बहुत को ये जो मोंगो एक्सपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड या मोंगो इम्पोर्ट इज़ नॉट सपोर्टेड या नॉट डिफाइंड आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा ठीक है बाई ये uh, हो ही जाता है वैसे सी में कर रहा हूँ ऑलराइट देन अगेन लेट्स गो विथ मोंगोस हमारे सेल के अंदर हम एंटर कर लेते हैं अब आप ध्यान से देखना सो डी करूंगा तो हमारा देखो ये मैंने अभी तक क्रिएट नहीं की थी जब हम इम्पोर्ट कर रहे थे तब हमने इसको क्रिएट की थी एंड इसके अंदर मैंने तीन कलेक्शंस ऐड किए सो लेट्स गो विथ यूज सॉप सी एल एस है ना सो लेट्स गो विथ सो कलेक्शंस देखो कैटेगरीज प्रोडक्ट्स एंड देन सेल्स आ चुका है डी बी डॉट लेट्स सी आवर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड है ना एंटर हिट कर रहा हूं तो ये देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे आ गए एंड कुछ वो आपको इस तरीके से आता है एंड uh, ध्यान से देखिए एट द एंड में मुझे टाइप आई टी फॉर मोर दिखाई दे रहा है बेसिकली इसका मतलब है इटीरेटर क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो ट्वेंटी वन मैक्सिमम आपको दिखाई देता है ठीक है आपको इक्कीस डॉक्यूमेंट दिखाई देगा उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा टाइप इट फॉर मोर बेसिकली इटीरेटर तो मैं अगर इट एंटर कर दूंगा तो मुझे और बाकी का एक्स्ट्रा डेटा है देखो मॉडर्न सोफा सेट एट एंटर हिट की तो नाउ इट्स अ नाइन मतलब बाकी के वो इक्कीस 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 एड हो रहा है ठीक है ऑल राइट यहाँ पर हम चलते हैं इस जगह पे सो so, ओके ये भी मेक्शोर sure करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो फाइल का जो साइज़ है इट मस्ट बी आई मीन नॉट मस्ट मैक्सिमम सिक्सटीन एम तक का हो सकता है या आपको इससे छोटा ही होगा उसके ऊपर आप नहीं कर सकते ठीक है सो नाउ वी हैव अ कंपेरिजन ऑपरेटर्स सो इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन एंड देन इक्वल टू लेस देन लेस देन इक्वल टू इन ऑपरेटर एंड देन नॉट इन तो देखो गाइस मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ डी बी डॉट कलेक्शन नेम आपको पता चल चुका है डॉट फाइंड क्योंकि हम रेट के अंदर ही है डेट्स वाई ये तो बेसिक था वी हैव अ कली ब्रेसिस इनसाइड अ पैरेंथेसिस जिसमें आपको फील्ड का नाम लिखना है सबसे पहले कॉलन देना है अगेन आपको कली देना पड़ेगा क्योंकि आप, आप कम ऑपरेटर यूज कर रहे हो ना तो डेट्स वाई अगेन आपको कली के अंदर आपका जो भी ऑपरेटर होगा लेट्स ए डॉलर इक्वल टू या डॉलर नॉट इक्वल टू एंड देन वैल्यू ये देखो कुछ इस तरीके से सो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स करके कलेक्शन अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट किया याद है आपको ये देखो ना ये जो मेरा कलेक्शन है सो कलेक्शंस ये देखो ना प्रोडक्ट्स सो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड जो प्राइस है इक्वल टू सिक्स नाइन्टी नाइन जो प्राइस है इक्वल टू सिक्स नाइन्टी नाइन फिलहाल तो सिक्सटी नाइन है बट हमें चाहिए होगा इक्वल टू सिक्स नाइन्टी नाइन मैं एंटर हिट करता हूँ देखो सभी सेम है जस्ट इक्वल टू के बदले नॉट इक्वल टू इक्वल टू के बदले ग्रेटर देन आएगा बट वेन इट कम्स टू इन ऑपरेटर ना तो आपको एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिखना होगा एंड जो वैल्यूज आप उसके अंदर लिखोगे वही वैल्यूज की जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट आने वाला है है ना इस तरीके से ठीक है ऑलमोस्ट बाकी सबका सिंटेक्स सेम है तो देखो कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं सो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड आई होप आप लोग को दिख रहा है ये यहाँ पे मैं चलता तो हूँ देखो, देखो फील्ड का नाम आपको देना है एंड uh, ये देखो वी हैव दिस प्राइस वी हैव अ प्राइस ओवर हियर है ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस आपको कॉलन देना है देन आपको एक कली ब्रेसिस देनी है देन डॉलर उस ऑपरेटर का नाम इक्वल टू ऑपरेटर एंड देन कॉलन देखिए वैल्यू सिक्स एंटर हिट करता हूँ तो बता रहा है गाइस यहाँ पे देखो मुझे इसकी इसको लेके वार्निंग आ रहा है अब क्यों वार्निंग आ रहा है मैं आपको बताता हूँ जब भी आप फाइंड मेथड लिखोगे उस यू नो देन आपको पैरेंथिस देना है उसके बाद आपको कली ब्रेसिस देना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट बोल के समझ रहे हो मैंने क्या कहा था मैं बीच बीच में जानबूझ के एरर करूंगा ताकि आपको क्योंकि आपका ध्यान तो चला गया था आपको लगा यार, यार ये तो सही है लेकिन नहीं ये सही नहीं है आपको कली ब्रेसेस देना है यहाँ पे एंड आप देख सकते हो कि मुझे इतने सारे डेटा आ गए हैं प्राइस सिक्स नाइन्टी नाइन प्राइस सिक्स नाइन्टी नाइन ठीक है मैं आगे जाके बताऊंगा बट वी हैव वन मेथड अगर आप काउंट लिख देते हो ठीक है इस तरीके से तो आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड सिक्स नाइन्टी नाइन प्राइस जो है टोटल तेरह डॉक्यूमेंट्स के पहला डॉक्यूमेंट्स ये दूसरा डॉक्यूमेंट जिसका प्राइस जो है इक्वल टू सिक्स नाइन्टी नाइन है ठीक है हम आगे देखेंगे लिमिट काउंट अभी आगे आएगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा सो so, uh, मैं सी एल एस कर देता हूँ अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेट से लेस देन देखना है मुझे सॉरी नॉट इक्वल टू वी हैव नॉट इक्वल टू ओवर है ना नॉट इक्वल टू है ना सो देखा गया इसे आपने मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा नहीं तो हम भूल जाते बट इट्स नॉट अ बिग डील तो अगेन अगर मैं ये काउंट कर देता हूँ है ना जहाँ पे मुझे ये देखना था कि डेटा जो है नॉट इक्वल टू के कितने थे तो देखो गाइस टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी टू इतने सारे मतलब तो सिंपल था अगर प्राइस सिक्स नाइन्टी नाइन नहीं है तो उसको आप आउटपुट करा दो एंड वो हमारे थे टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी टू और लाइट उसको मारो गोली सो नाउ वॉट वी हैव वी हैव अ ग्रेटर देन ठीक है सो काउंट हटाओ यहाँ पे चलते एक बार देख लेते हैं ग्रेटर देन ना ग्रेटर देन सो गाइस आप देख सकते हो प्राइस ग्रेटर देन सिक्स नाइन्टी नाइन तो एक बार देख लेते हैं डॉट काउंट कितने थे वैसे वो सो so, वो थे तीन हजार थ्री थाउजेंड फिफ्टी थ्री ठीक है अगेन सी कर दे रहा हूँ नाउ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिक्स अब ओके थ्री ठीक है अब लेट्स गो विथ लेस देन सो लेट्स गो विथ लेस देन तो गाइस अगर मैं लेस देन लिखता हूँ तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसको मैं हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो लेस देन सिक्स नाइन्टी नाइन से कम कितने मेरे प्रोडक्ट्स है तो वो मुझे इस तरीके से आ गया है सो अगेन डॉट काउंट मैंने ऑलरेडी वैसे तो काउंट दिखा दी है ठीक है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी नाइन है ना सो so, अब इसको करते लेस देन एंड देन इक्वल टू सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी नाइन था तो अब वो कुछ सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू आ गया मतलब सिक्स नाइन्टी नाइनटी नाइन वाला जो था उसको भी उन्होंने ऐड कर दी है देन नाउ वी हैव दिस इन ऑपरेटर ठीक है सो so, देखो इन कैसे लिखना है प्राइस सेम वही है जस्ट आपको uh, ये जो सिक्स नाइन्टी नाइन हम जो एक सिंगल वैल्यू लिख रहे थे अब हमें उसको एरे के अंदर लिखना होगा ठीक है सो सी एल एस कर देता हूं ध्यान से देखिए सो डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट वी हैव दिस फाइंड अ मेथड जिसके अंदर आपको कली ब्रेसेस लिखना होगा आपका फील्ड का नाम देट इज़ योअर प्राइस उसके बाद अगेन आपको कली ब्रेसेस क्योंकि आप ऑपरेटर यूज करो एंड दिस टाइम इट्स अ इन ऑपरेटर एंड देन आपको अब आप इस, इस तरीके से लगेंगे स्क्वाय ब्रैकेट्स ठीक है क्योंकि एरे है यहाँ पे लेट्स सिक्स नाइन्टी नाइन वन ट्वेंटी नाइन एंड देन सिक्सटी नाइन इस तरीके से मैं करता हूँ तो देखोगाइस प्राइस जिसका सिक्सटी नाइन होगा या तो वन ट्वेंटी नाइन होगा या तो 699 होगा अब मुझे ये जो तीन प्राइस है उन्हीं का ही डेटा मुझे मिलने वाला है दिस इज़ योर इन ऑपरेटर मतलब प्लीज़ कम इन प्लीज़ आप अंदर आ जाइए बोलते ना तो वही है जो अगर सिक्सटी नाइन या 699 रहा उसी का ही डेटा मुझे मिलने वाला है एंड आई नो अब आप गैस कर चुके हो जहाँ पे अब नॉट इन अगर मैं एंटर हिट कर दूंगा तो तो अब उन तीन जो प्राइस की वैल्यू को छोड़ के बाकी रिमेनिंग आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलने वाला है सिंपल ठीक है सो या गाइस दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर होप आपको uh, मजा आ गया होगा नाउ वी हैव दिस इंट्रोडक्शन टू कर्सर सो गाइस कर्सर इन मंगोडीबी आई यूज टू इफिशियंटली रिट्रीव लार्ज रिजल्ट सेट्स फ्रॉम क्वेरीज प्रोवाइडिंग कंट्रोल ओवर द डेटा रिट्रीबल प्रोसेसेस ठीक है बेसिकली बता रहा है कि uh, जो भी रिजल्ट आएगा इन बैचेस यूजिंग द कर्सर्स आर अपॉइंटेड टू द रिजल्ट सेट ऑन द सर्वर कर्सर आर यूज टू इटरेट थ्रू क्वेरी रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बैचिंग मैं बताता हूँ क्या ये क्वेरी रिजल्ट्स इन बैचेस नॉट ऑल सेट है, है. मतलब सब एक साथ एक की बारी में नहीं आते ऑब्वियसली एक की बारी में नहीं आते हैं बता रहे है कि डिफॉल्ट जो बैच का साइज है वो है 101 डॉक्यूमेंट्स बट जब हम अभी सेल्स में कर रहे थे मोंगोडी सेल्स में आपने देखा हमें एक डॉक्यूमेंट आता है बट यहाँ पर जो है आपको एक डॉक्यूमेंट आएगा ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है एंड दिस इम्प्रूव्स मेमोरी efficiency एंड नेटवर्क usage. ऑब्वियस लाइक अगर uh, लाखों डेटा है एंड एक ही बार में लाखों डेटा dump कर दोगे आप मतलब आई मीन डिस्प्ले कराओगे तो भाई सिस्टम जाएगा ना इसलिए 101 पहले आएगा फिर उसके बाद 101 आएगा इस तरीके से एंड सेम हम अभी देख ही तो रहे हमारे इस केस में जब हम मैं फाइंड मेथड यूज़ करता हूँ याद है क्या होता है तो वो आपको सिर्फ 21 वन डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं एंड उसके बाद बोलता अगर और देखना हो तो आई प्रेस करो इट प्रेस करो तो वैसे ही वहाँ पर एक सौ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा ठीक है ऑल राइट right, हम देखते हैं कि कर्सर के कौन कौन से मैथड्स से फाइनली वी हैव दिस काउंट वी हैव दिस लिमिट कुछ फैमिलियर आपको लग रहा होगा देन वी हैव दिस स्कीप एंड देन वी हैव दिस शॉर्ट देखो डी बी डॉट आपका कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड अगेन प्राइस ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ काउंट्स करके है ना देन वी हैव दिस लिमिट वो भी मैं दिखा चुका हूँ बट अगेन हम देखेंगे हाँ स्कीप हमने नहीं दिखा था बट मैं आपको दिखाता हूँ एंड देन हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं एंड जब शॉर्ट की बारी आती है ध्यान से देखना अगेन हमें एक कली uh, ब्रेसिस लगेगा बिकॉज की एंड देन वैल्यू जिसमें आपका जो की वाला फील्ड है वहाँ पे आपको आपका फील्ड का नाम लिखना है एंड देन उसके बाद जो वैल्यू होगा इधर वन और नेगेटिव वन वन रिप्रेजेंट योर असेंडिंग ऑर्डर माइनस वन रिप्रेजेंट योर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब शॉर्ट करना है ना आपको छोटे से बड़ा करना है कि बड़े से छोटा करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना सो फॉर देट वी हैव दिस वन एंड देन नेगेटिव वन सो ये चार जो भी है इसको हम बोलते हैं क्या कर्सर मैथड्स सो वी हैव दिस काउंट लिमिट कीप एंड देन सॉर्ट देखिए इट्स सुपर डुपर इजी ऑलरेडी ये तो हजार बार कर ही चुका हूं ये मेरे को डेटा इस तरीके से आता है अब देखने वाली बात है कि हमें नहीं आईडिया कि टोटल काउंट कितने आए होंगे कितने दस हज़ार समथिंग में कितना डेटा आए तो हमें पता चलता है कि ये 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 जो प्राइसेस है वो सिर्फ 51 डॉक्यूमेंट्स के तो काउंट से हमें पता चल गया एंड uh, अगेन uh, मैं अगर काउंट नहीं लिखता हूँ एंटर हिट करता हूँ तो मुझे इतने सारे डेटा आता है मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो सिर्फ एक ही डेटा देखना है ठीक है अगर मैंने ऐसा बोला कि मुझे सिर्फ एक ही डेटा देखना है तब मैं कर दूंगा लिमिट एंड देन वन तो जो सबसे पहला मुझे मिला था वो मुझे आ गया सिर्फ एक ही डेटा मुझे आया बिकॉज ऑफ दिस लिमिट इक्वल टू वन टू लिख दोगे तो दो आ जाएगा दो लिमिट है ना मैक्सिमम लिमिट बोलता ना भाई मेरी एक लिमिट है हद तो वही है सिंपल ठीक है एंड देन वी हैव दिस स्कीप अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना लेट्स से अब मैं दो कर रहा हूँ ठीक है मैंने जानबूझ के दो की है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब मैं दो कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो ये था आपका कुक बुक कलेक्शन एंड दिस इज योर एयर फ्रायर ठीक है अब मैं बोलूँगा ठीक है लिमिट तो आप कर दो लेकिन साथ ही साथ एक स्किप भी कर दो उसमें स्किप कर दो एक ठीक है मैंने बोला मुझे एक स्किप करना है तो ध्यान से देखने जो कुकबुक वाला कलेक्शन है वो गायब हो जाएगा ठीक है एंटर हिट करते देखो कुकबुक वाला जो कलेक्शन था वो स्किप हो गया डिलीट नहीं हुआ सिर्फ स्किप हुआ उसको छोड़ के उसके बाद क्या था वी हैव दिस एयर फ्रायर तो मुझे पहले एयर फ्रायर आया एंड ऑब्वियसली मैंने क्या बोला मुझे कम से कम दो दिखाओ लिमिट तो जो तीसरे नंबर पे पहले मुझे नहीं दिख रहा था अब वो मेरा एज अ दूसरे नंबर पे मुझे आ गया सो so, स्किप मतलब आपको एक स्किप कर देना है सिंपल ठीक है एंड देन वी हैव दिस शॉर्ट अब देखो ध्यान से देखना फिलहाल तो ये भी वन है ये भी वन है एक काम करता हूँ स्किप में हटाता हूँ लिमिट को मैं दो रख लिमिट को मैं पाँच कर देता हूँ एंड ये जो इन के बदले ना मैं नॉट इन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और पता चले और अच्छी तरीके से अब नॉट इन से होगा ये कि मल्टीपल देखो ना टू नाइन्टी नाइन एट नाइन्टी नाइन वन फोर्टी नाइन फिर यहाँ पे थ्री फोर्टी नाइन ऑब्बियसली कि मेरे ये जो प्राइसेस है ये तो किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं है ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ये घंटा ऑर्डर है पता नहीं कौन सा ऑर्डर है यह ठीक है सो सी हम कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ ध्यान से देखो कि लिमिट फाइव था एंटर हिट की मैंने ठीक है सो वी हैव अ नाइनटीन थ्री फोर्टी नाइन एट नाइन्टी नाइन टू नाइन्टी नाइन वन फोर्टी नाइन परफेक्ट ध्यान से देखो अब मैं बोलता हूँ भाई ये जो मेरा डेटा है इसको तू कर दे सॉर्ट सॉर्ट किस बेसिस पे करना है तो ये शॉर्ट करना है ये प्राइस की, जो फील्ड है उसके बेस पे सो so प्राइस एसेंडिंग ऑर्डर पे कर दे भाई ऑल राइट मुझे इस तरीके से आ रहा है देखो क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कल ही देना पड़ेगा ठीक है पता है बीच बीच में एरर आना जरूरी ताकि आपका दिमाग अरे ये क्या हो गया तभी आपको झटका लगेगा पता चलेगा तो देखो आप बहुत ऑसम तरीके से देख सकते हो एंड मैंने एक मिस्टेक कर दी एंड दैट मिस्टेक इज़ गाइस गाइस यहाँ पे हमें आउटपुट कुछ लग ही आ रहा है लाइक प्राइस की वैल्यू वन हो रखी है एक काम करता हूँ ठीक है आ, ये जो पार्ट है एज इट इज़ रखो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्राइस ग्रेटर देन बारह सौ पचास एक काम करता हूँ मुझे देखना है अब अगर मैंने एक कंडीशन रखा एंड देन अब अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस जगह पे तो यहाँ पे गैसे कली ब्रेसिस लगेगा क्योंकि इस इसको मुझे क्लोज करना था ना है ना तो अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सो नॉ गैस इट इज़ परफेक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ वो जो नॉट इन ऑपरेटर के साथ वर्क नहीं कर रहा है डैट्स वाई हमने लिख दिया कि मुझे प्राइस चाहिए ग्रेटर देन बारह एंड लिमिट लेट्स गो विथ थ्री तो मैं कम जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वन नाइनटी नाइन वन टू डबल नाइन एंड देन वन नाइन नाइन तो ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल होगा बताए I mean, क्यों आई मीन बताइए क्यों क्योंकि एक में ऑलमोस्ट टू थाउजेंड है बीच में आ, ये है एंड देन अगेन टू थाउजेंड है ठीक है so, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट शॉर्ट करता हूँ uh, मैं यहाँ पे अगेन uh, मुझे कली लगेगा आई ना आप लोग को दिख नहीं रहा है so, सो आई थिंक अब थोड़ा दिख रहा होगा सो so, मैं यहाँ पर चलता हूँ प्राइस है ना एंड देन मैं बोल देता हूँ वन तो द मोमेंट में एंटर हिट करता हूँ ये देखो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा सो वन टू डबल नाइन वन ट्रिपल नाइन वन ट्रिपल नाइन अब ठीक मुझे छोटे से आ, बड़ा चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर सो माइनस वन एंड देन एंटर हिट करता हूँ सो so, ये देखो बड़ा बड़ा एंड देन छोटा तो so, इस तरीके से क्या इसे आपका शॉर्टिंग करसर मेथड्स ठीक है ऑल राइट नाउ ये सीबियट्स uh, आपको दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस में इंप्लीकेशन हो सकता है कब जब आप एकदम लार्ज रिजल्ट जो आपको रिटर्न कर रहा है वहां पे अगर आप शॉर्ट यूज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस आप 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 थोड़ा सा स्लो हो सकता है ऑब्वियस है ना क्योंकि देखो जब हम इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट एक काम करता हूँ मैं सी एल एस ठीक है जब हम इस तरीके से शॉर्ट लिखते हैं तो देखो ना शॉर्ट लिखने से पहले मैं फाइंड मेथड तो कर रहा हूं मतलब पहले मैं कुछ सर्च कर रहा हूं उसके बाद मैं उसमें फिर से लिमिट लगा रहा हूँ फिर उसमें भी मैं जाके शॉर्ट कर रहा हूँ फिलहाल तो अभी मैंने लिमिट लगाया इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सिर्फ तीन को ही चेक करेगा बट सपोज अगर मैंने लिमिट भी नहीं लगाया होता तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स आ वापस उसको वो सर्च करता पूरा ए टू जेड देखता तब जाके उसको सर्च करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो अगर एकदम यूज डेटा अगर रिटर्न आ रहा है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है एंड देन दूसरा यूज विथ कॉसन बता रहा है कि वेन यूजिंग लिमिट एंड देन स्किप ऑन अ लार्ज कलेक्शन ऑब्वियसली ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है जब आप लिमिट एंड देन स्किप यूज करते हो एकदम लार्ज कलेक्शन में एंड उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो यूज इंडेक्सिंग टू ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस तो ये जो चीज़ें हैं थ्योरी पार्ट थोड़ा सा भी आप इस पर इतना फोकस मत कीजिए बट फिर भी मैंने रख दी कहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है एंड ये जो क्वेरी इंडेक्स है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जहाँ पे आप मजा आ जाएगा आपको पूरा ए टू जेड ये जब इंडेक्सिंग आएगा ना तो ये जो मैं इस तरीके से कमांड लिख रहा हूँ तो भाई कौन सा कमांड हो रहा है कितने डॉक्यूमेंट को उसने सर्च की उसके बाद जब हम शॉर्ट करे थे तो उसने कितने डॉक्यूमेंट्स को सर्च की बिहाइंड द सीन ए टू जेड सारा डेटा आएगा मैं आपको बताऊंगा तब आपको मजा आएगा वो इंडेक्सिंग वाले पार्ट है हालांकि आप टाइमलाइन चेक कर सकते हो तब आपको पता चलेगा ठीक है ऑल और तो हम आ चुके हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे एंड वी हैव अ डॉलर एंड डॉलर और नॉट एंड देन वी हैव अ नॉर ऑपरेटर तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ये जो एंड है और है नॉर है यह क्या इस हमने बचपन में हमारे कंप्यूटर के जो चैप्टर्स में पढ़े हैं ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 वो कुछ आइडिया आ रहा आपको, है आपको वही है सेम ये ठीक है तो यहाँ पर आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो अगर हम बात करते हैं डॉलर एंड ऑपरेटर की क्योंकि डॉलर एंड डॉलर और एंड देन ये जो डॉलर नॉर है उनका जो सिंटेक्स है बिल्कुल सेम है

आप फिर से देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे है तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड देन अगर मैं बात करता हूँ डॉलर नॉट ऑपरेटर की जी हाँ आपको दिखाई दे रहा है सो वी हैव अ फील्ड का नाम एंड देन गाइस ये तो सेम वही है जो हमने इक्वल टू या ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़ा था तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम है ये ठीक है नॉट ग्रेटर देन इतना नॉट इक्वल टू ये वैल्यू तो नॉट तो बहुत ज़्यादा ईजी तो लेट्स सी ये जो डॉलर एंड है इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं ठीक है सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूं एंड दिस टाइम मैं बी कोड ओपन कर रहा हूं ताकि आप लोग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं देखो ये जो डॉलर एंड ऑपरेटर है परफॉर्म्स अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑन एंड एरे ऑन एंड एरे ऑफ एक्सप्रेशन वेर ऑल द एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर द डॉक्यूमेंट टू मैच सिंपल है देखो डॉलर एंड ऑपरेटर का जो फंडा वो होगा अगर आप जो भी कंडीशन दे रहे Let's, आपने दो कंडीशन दी है सो so, बोथ दी दंडीशन आर ट्रू आउटपुट आपको आएगा लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए तो आपको आउटपुट नहीं आएगा ये सिंपल हमने बहुत बार पढ़ा है सो हेर इज अ क्वेश्चन लाइक फाइन प्रोडक्ट्स मैं इसको एक काम करता क्वेश्चन है तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ सो फाइन प्रोडक्ट्स विथ प्राइस ग्रेटर देन हंड्रेड एंड नेम इक्वल टू डायमंड रिंग आप समझ रहे हो तो ये आपको परफॉर्म करना है चलो ठीक है प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है जिसका प्राइस ग्रेटर देन हो हंड्रेड एंड नेम हो इक्वल टू डायमंड रिंग राइट परफेक्ट सो गाइस यहाँ पे हम चलते हैं प्रोडक्ट की बात हो रही है सो वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक है ना डॉट फाइंड देखो कली ब्रेसिस आपको एम परसेंट यूज करना पड़ेगा उन्होंने कहा था कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है देन गाइस आपका पहला कंडीशन ये आपका दूसरा कंडीशन एंड कंडीशन क्या था लेकिन एक सेकेंड गाइस कंडीशन क्या था यहां कंडीशन प्राइस होना चाहिए ग्रेटर देन हंड्रेड एंड डायमंड रिंग यह डायमंड रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ ठीक है प्राइस होना चाहिए ग्रेटर देन हंड्रेड ओके सो ये जो प्राइस है ये तो गाइस ऑब्बियस है वही जो हम पहले करते आ रहे वही है ये obvious, यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगा प्राइस होगा अगेन आपको कली ब्रेसेस क्योंकि ग्रेटर देन आ गया ना आ, प्राइस ग्रेटर देन हंड्रेड ये ओके okay. एंड नाउ वे द नेम ऑब्वियसली आप नेम लिखो तो भी चल जाता लेकिन सिंगल कोट्स के साथ चलते है, है ना एंड इस पे वी हैव अ डायमंड रिंग सो एम परसेंट सॉरी एंड ऑपरेटो देन एरे ये मेरा पहला कंडीशन ठीक है ये मेरा दूसरा कंडीशन तो अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ सो so, बता रहा मोंगो सबोन नोन टॉप लेवल ऑपरेटर डॉलर प्राइस ओ आई एम रियली सॉरी आई नो आप लोग ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था यहाँ पे ये डॉलर प्राइस बेसिकली यहाँ पे नहीं यूज़ होना है अब अगर मैं प्राइस करता हूँ तो मुझे आ गया मेरा आउटपुट बहुत ईजीली ठीक है सो so, मुझे देखो दो डेटा आ रहा है क्योंकि मे भी हो सकता है कि हमारा ये जो नाम था डायमंड रिंग ये सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स के थे एंड uh, डॉलर ग्रेटर देन हंड्रेड है इसलिए मुझे, मुझे मिला वहीं पर ही अगर मैं सेलेस कर दूं इंस्टेड ऑफ़ ग्रेटर देन हंड्रेड अगर मैं कर देता हूं ग्रेटर दैन लेट्स टू थाउजेंड क्योंकि अब भी जस्ट हमने देखा था ना कि हमारा ये जो डेटा है वो वन ट्रिपल नाइन मैक्स वैल्यू था लेकिन टू थाउजेंड के ऊपर तो कुछ भी नहीं एंड एंड ऑपरेटर क्या बोलता है दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आउटपुट आएगा अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा सो इट्स लाइक फॉल्स ट्रू इज इज इक्वल टू फॉल्स तो मुझे आउटपुट नहीं आएगा समझ रहे हो ये दोनों के दोनों जो कंडीशन है ट्रू होने चाहिए तो ही डेटा आता है ओके मैं अब यहां पे अगेन इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं जीरो भी कर दूं तो भी मुझे वही दो डेटा आएगा क्योंकि डायमंड रिंग के सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स थे तो ये था आपका एंड ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर का एक बहुत औसम awesome चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये जो कोड मैंने लिखी इतनी मेहनत करके इसको अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज ना करके अगर मैं सिंपल इस तरीके से ये जो प्राइस जो दिख रहा है आपको ऑल राइट हेयर वी हैव अ प्राइस एक सेकेंड प्राइस इसको भी मैं हटा देता हूँ इसके भी मुझे नीड नहीं है एंड इसके भी मुझे नीड नहीं इसके भी मुझे नीड नहीं सो so, कहने का मतलब फाइंड के अंदर वी हैव फर्स्ट कंडीशन है ना एंड देन वी हैव अ सेकंड कंडीशन अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख के अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो भी मुझे डेटा आता है सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना रीजन ये है कि आ, देखो जब भी आप फाइंड जब भी आप यूज कर रहे हो फाइंड मेथड यू नो बेसिकली फाइंड क्वेरी तो अगर आप मल्टीपल फील्ड्स पास करते हो विथ इन अ सिंगल क्वेरी डॉक्यूमेंट्स देन मोंगो मोंगोडीवी ट्रीट्स देम एज एन इम्प्लिसिट एंड ऑपरेशन समझ रहे तो बेसिकली हम जो ये फाइंड ऑप क्वेरी की मदद से अगर सिंगल uh, ये जो मेरा क्वेरी है उसके अंदर अगर मैं मल्टीपल कंडीशन इस तरीके से पास कर दे रहा हूँ तो बाई डिफॉल्ट मोंगो डीबी बिहाइंड द सीन उसको एंड परसेंट मान रहा है तो मैं अगर ये लिखता भी हूं तो याद है मैंने आपको दिखाया था कि जेसन कन्वर्ट होता है इनटू बीसन जब डेटा स्टोर होना होता है तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए बिहाइंड द सीन ये जो आपने क्वेरी फायर की है बिहाइंड द सीन वो कुछ मोंगो इस तरीके से उसको रीड कर रहा है या मान रहा है समझ गए तो ये है आपका एंड ऑपरेटर ऑल राइट तो मैं यहां पे चलता हूं सी एल एस कर देता हूं नाउ वी हैव अ और ऑपरेटर राइट देखो इसको अगर मैं अभी चलाता हूं तो मुझे आउटपुट आता है बट द मोवमेंट इसको मैं कर दू टू थाउजेंड मुझे डेटा नहीं आएगा बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए लेकिन सेम इसी को ही अगर इंस्टीड ऑफ एंड अगर मैं कर दू और ऑपरेटर आर और तो और ऑपरेटर क्या बोलता है दोनों कंडीशन होने चाहिए लेकिन अगर उस दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको आउटपुट आ जाएगा इट्स लाइक फॉल्स ट्रू इज इज इक्वल टू ट्रू ट्रू फॉल्स मतलब भी ट्रू 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 मतलब भी ट्रू लेकिन हाँ फॉल्स फॉल्स अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो जाके डेटा नहीं आएगा एंड बम गाइस दिस इज योर और ऑपरेटर एंड एक चीज आप नोटिस कर सकते हो फाइनली 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 डायमंड रिंग एक थे दो थे एंड देखो डायमंड रिंग और भी ज़्यादा थे होंगे लेकिन मुझे साथ ही साथ ये दो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है यहाँ पे ये देखो ये तीन एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है ये ये एंड ये वाला जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ग्रेटर देन टू थाउजेंड एंड ये जो दो डेटा डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मुझे मिल रहा है ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि यहाँ पे इसका नाम डायमंड रिंग है भले ही प्राइस कम हो एंड बाकी के जो रिमेनिंग थ्री थे उसमें नेम कुछ और है डायमंड रिंग नहीं है बट प्राइस जो है ना वो ग्रेटर देन टू थाउजेंड है तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाइड हुई तो इसका एक अलग डॉक्यूमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो इसका एक अलग डॉक्यूमेंट मुझे और ने दी एंड क्या कर रहा था सेम डॉक्यूमेंट के अंदर प्राइस भी बड़ा होना चाहिए टू थाउजेंड से एंड नाम भी डायमंड रिंग होना चाहिए एंड का ये था फंडा और का कुछ इस तरीके से कि इसका कंडीशन ट्रू तो इसका डेटा इसका कंडीशन ट्रू तो इसका डेटा है ना सो so, ये है गाइस आपका और ऑपरेटर लेट्स ई यहाँ पे कुछ लिखा मैंने और ऑपरेटर पे लाइक सिंपल है अगेन ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऑन एरे ऑफ एक्सप्रेशन वेयर एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर द डॉक्यूमेंट्स टू मैच है ना चलो ये भी करके दिखा देता हूँ मैं और ऑपरेटर में लेट्स से ग्रेटर देन ऑब्वियसली सेवन थाउजेंड के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है ना अगर मैं एंड करता तो डेटा मुझे नहीं आता बट यहाँ पे मुझे दो डेटा आएगा बिकॉज भले ही एटलीस्ट एक डेटा मेरा रॉन्ग हो बट दूसरा जो मेरा क्वेरी है वो तो ट्रू है तो एक भी अगर सेटिस्फाइड हो गया तो डेटा हमें आ जाता है एंड दिस इज योर और ऑपरेटर ठीक है एंड मैं बताना चाहूँगा सेम इस और को भी अगेन आप नॉर्मल फाइंड की तरह भी कर ही सकते थे ठीक है नाउ एट दी एंड वी हैव अ नॉट ऑपरेटर लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर बताना चाहता हूँ ठीक है उससे पहले मैं आपको नॉर दिखा देता हूँ ऑलर गैस तो अब हम हमारा थर्ड देख लेते हैं डेट इज योर नॉर ऑपरेटर तो जस्ट और का ऑपोजिट नॉर होता है नॉर का क्या मतलब होगा ना जैसे और के बदले मैं यहाँ पे नॉर कर दूंगा मतलब इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब दिखा दो मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका नेम अगर डायमंड रिंग है उसको छोड़ के और ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें प्राइस ग्रेटर देन सेवन थाउजेंड हो उनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो भी है उसको दिखा दो सिंपल इसका मतलब ये है ठीक है तो मैं वापस सी एल एस कर देता हूँ एंड दिस टाइम में अगर मैं काउंट मेथड को कॉल कर दूँ तो अब आप देखो टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन डेटा मुझे आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है ठीक है मैं फिर से सेल कर देता हूँ यहाँ पे एक काम करता हूँ ऑब्बियसली जो सेवन थाउजेंड के ऊपर तो कोई था नहीं हाँ लेकिन लेट्स गो विथ फाइव हंड्रेड एंड अब मैं काउंट करता हूँ तो मुझे फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन आ रहा है एक काम करते हैं कि इसको मैं ग्रेटर देन बारह सौ कर देता हूँ तो अब देखो मुझे इतना सारा डेटा आ रहा है हाँ अब जरूर है यहाँ पर कि ग्रेटर देन मैं अगर कर दूँ हंड्रेड तो मुझे वो माई गॉड मैं चाह रहा था कि थोड़ा कम डेटा दिखाया ये लेकिन वो माय गॉड अभी भी थ्री फिफ्टी फाइव दिखा रहा है <laughs> तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो अब मुझे इतने सारे डेटा मिलेंगे जिसमें ग्रेटर देन जो भी हो मतलब प्राइस जो है ना अब वो ग्रेटर देन हंड्रेड नहीं होगा उससे कम होगा एंड जो ये नेम का फील्ड उसमें डायमंड रिंग नहीं होगा जस्ट और का अपोजिट और में जो डेटा आ रहा था नॉर्मेटिक वो डेटा छोड़ के बाकी डेटा आ जाएगा इस तरीके से ये आपका और नॉर काम करता है मतलब दोनों के दोनों कंडीशन को छोड़ के बाकी सब कुछ दिखा दो बस ये था आपका नॉर ऑपरेटर एंड रही बात आपकी नॉट uh, ऑपरेटर की तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड नॉट ऑपरेटर का एक सिंपल सा दिया है कि जहाँ पे प्राइस जो है ना इक्वल टू हंड्रेड नहीं होना चाहिए एंड इक्वल टू ये जो आप देख रहे हो नेम नोटबुक कलेक्शन ये मैंने आपको करके दिखा दिया अभी है ना सो नॉट ऑपरेटर तो कह बहुत ज़्यादा सिंपल है इनवर्टिंग द रिजल्ट बेसिकली जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको अपोजिट करना है लाइक फाइन प्रोडक्ट्स विथ प्राइज नॉट इक्वल टू हंड्रेड ठीक है आप ऐसे समझ लो कि आपको एक सेकंड में बताता हूँ देखो कैसे सी एल एस लाइक वी हैव अ डी वी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट वी हैव अ फाइंड वेयर द प्राइस ठीक है इज ग्रेटर than सॉरी uh, या तो आप डायरेक्टली हंड्रेड भी लिखोगे ना तो भी आपको डेटा आ जाता है पहली बात तो खासियत ये है लेकिन uh, हम डायरेक्टली इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे डॉलर इक्वल टू हंड्रेड आप ये भी करोगे तो भी आपको डेटा आ जाता है ठीक है तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ डॉट काउंट करके कितने डेटा डेटा सात है हमारे पास चलो ठीक है तो क्या अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर प्राइस हो हंड्रेड तो उसको छोड़ के बाकी मुझे दिखाओ मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका प्राइस हंड्रेड ना हो मुझे वो दिखाओ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा सिंपल एक कली ब्रेस में चिपका दूंगा है ना इस जगह पे एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे डॉलर नॉट इक्वल टू डॉलर नॉट इक्वल टू हंड्रेड इस तरीके से अब मैं इंटरहीट करूंगा देखो मुझे इतने सारा डेटा आ रहा है आई नो आपके माइंड में एक चीज हिट हो चुका है एंड दैट इज यार मैं नॉट इक्वल टू डायरेक्ट भी तो कर सकता था समझ रहे हो तो मैंने जो ऊपर लिखी है इतनी मेहनत करके इसकी मुझे नीड नहीं है इसकी भी नीड नहीं है तो ये जो मैंने लाइन लिखा है एंड ये जो मैं लिखा हूँ वो तो ऑलमोस्ट सेम देखो टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी फोर टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी फोर तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर का केस ऐसा हो रहा है कि एंड में जो आप कर सकते तो वो बाय डिफॉल्ट ऑफ फाइंड के थ्रू कर सकते और के थ्रू कर सकते थे एंड वही नॉट ऑपरेटर को आप डायरेक्टली नॉट इक्वल टू इस तरीके से कर सकते थे है ना अब हाँ ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन की बात आती तो शायद आपको यही करना पड़ता बट अब आइडिया आपको आ गया कि कैसे आप ये जो लॉजिकल ऑपरेटर से एंड और नॉर एंड देन नॉट को आप यूज कर सकते हो ऑल राइट लेट्स गो विध ओवर हियर नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस अगेन uh, बताना चाहूँगा ये जो एक्सप्रेशन है ये एकदम कॉम्प्लेक्स पे यूज होगा बट इन डे टू डे नॉर्मल लाइफ पे हम इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि अगेन सेम वही है जो आप एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हो वो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं बट सिंटेक्स जानना जरूरी है आपको पता होना जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में किसी ने पूछ ली तो आप बता सकते हो हाँ एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से कर सकते हैं एंड इसके लिए वी हैव अ डेडिकेटेड डॉलर ई एक्स पी आर एक्सप्रेशन ऑपरेटर सो नाउ सी द ये जो एक्सप्रेशन ऑपरेटर अलाउस यूजिंग एग्रीसन एग्रीगेशन एकदम एंड में पड़ेंगे वो एक फ्रेमवर्क है बहुत ही ऑसम awesome फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप मैपिंग चेनिंग यूज़ कर सकते हो बेसिकली आपको पता चल जाएगा विद इन अ क्वेरी यूजफुल वेन यू नीड टू कम कम हाँ ये एक चीज uh, uh, देखो मैंने तो यूज़ एज एन एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए यूज़ की बट एकदम होता है ना जहाँ मुझे लग, लगता है कि मुझे इसका काम है वो कभी हुआ नहीं आज तक क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूजफुल तब है जब आप सेम डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेरी परफॉर्म करना रहेगा मतलब सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही अगर आपको कुछ क्वेरी परफॉर्म करना है तो ये वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए वी हैव दिस एक्सप्रेशन डॉलर एक्सप्रेशन वी हैव दिस कल वी हैव दिस ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर होगा एंड देन अगेन कॉलन एंड देन अगेन वी हैव दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिकली एरे है ना तो कुछ वो इस तरीके से एंड हाँ एक चीज़ अब आप ध्यान से देखना जब आप ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर यूज करते हो जो आपका फील्ड का नाम होगा उसके आगे आपको डॉलर ऑपरेटर यूज़ करना ही बेसिकली डॉलर साइन कह लीजिए ये आपको यूज करना पड़ता है एंड जब हम एग्रीगेशन पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा वहां पे भी हम फील्ड को जो डॉलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो वी हैव दिस डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या बन रहा है क्वेश्चन ये बन रहा है बेसिकली आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका जो प्राइस है वो ग्रेटर देन हो वन थ्री फोर जीरो ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस ग्रेटर देन हो वन थ्री फोर जीरो ठीक है ध्यान से देखना मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको एक वन थ्री फोर जीरो है ना सो डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट वी हैव दिस फाइंड मेथड ऐसा प्रोडक्ट uh, जिसका प्राइस जिसका प्राइस हो ग्रेटर देन ओमच वन थ्री फोर जीरो आई गेस 1340 वन थ्री फोर ज़ीरो गया या इट्स वन थ्री फोर जीरो है ना अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ मुझे यहाँ देखो गाइस यही एक चीज़ है कि मैं बार बार मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ आपको कल ही देना पड़ेगा सो so, uh, देखो uh, कितने हैं बेसिकली uh, सिर्फ दो ही है वो oh, गॉड सिर्फ दो ही है क्या बट ऑल आई गेस सिर्फ दो ही होंगे तो मुझे ये दो डेटा आ गया है ना एक काम करता हूँ अब आ, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो मैं तो बहुत इजीली विद दी हेल्प ऑफ फाइंड मेथड भी तो कर पा रहा हूँ तो मेरे इस एक्सप्रेशन में ऐसा कौन सा पहाड़ हमने तोड़ दिया इसको यूज करके मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है सो गाइस वी हैव अग सेकेंड ओ माई गॉड प्रोडक्ट्स ठीक है सो वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट वी हैव अ फाइंड एक काम करता हूँ आप ना इसको मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो ठीक है इस तरीके से जब तक आप क्लोज नहीं करते हो आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो वी हैव दिस डॉलर एक्सप्रेशन एंड देन आपको अगेन कलिब्रेश देना पड़ेगा याद है एंड देन वी हैव टू फाइंड द ग्रेटर दैन आपको इस तरीके से लिखना है जहाँ पर यह आपका फील्ड होगा यहाँ पर आपकी वैल्यू वन थ्री फोर जीरो एंड जो फील्ड है वो आपको डॉलर साइंस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा प्राइस ग्रेटर दैन वन थ्री फोर जीरो मैं एंटर हिट कर रहा हूँ ओ माय गॉड यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दी कि मुझे इसको क्लोज़ करना होगा है ना ये मैंने ग्रेटर देन को क्लोज़ की फिर मैं एक्सप्रेशन को क्लोज़ कर रहा हूँ एंड देन मैं मेरे फाइन को क्लोज कर रहा हूँ अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सोगा गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना ये आपको कॉमा देना है ठीक है ये मैंने कहा ना प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें क्योंकि इतने सारे ऑपरेटर्स हैं एंड सबका अलग अलग सिंटेक्स है करने का तरीका अलग अलग है कि हम भूल जाते हैं क्योंकि हम मोस्टली क्या कर रहे हैं यही तो कर रहे बट यहाँ पर आके आपको कॉमा देना है समझ रहे हो अगेन अब आपको आपको आउटपुट आ गया देखो सो so, uh, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके माइंड में आ रहा होगा यार अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा सेम वही था अब हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे इसमें भी सेम वही है कि बहुत इजीली मैं डायरेक्टली उस तरीके इस तरीके से भी कर ही सकता था तो यहाँ पे अब मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ सो नाव हेयर इज द एडवांटेज आई हैव वन क्वेश्चन ओवर ह्योर एंड देट इज़ की ठीक है सेलस कर रहा हूँ मैं सो हेर इज़ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ फाइंड सेल्स वेयर अगर आप क्वान्टिटी एंड देन प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो देन इज इज़ इट ग्रेटर देन टारगेट प्राइस और नॉट मतलब आपको ऐसे सेल्स फाइंड करने जहाँ पे अगर आप क्वान्टिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर वो उसके टारगेट प्राइस से ज़्यादा है तो वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप प्रिंट करो ऑब्वियसली ये अब आप आप सोचो नहीं अब आप सोचो कि अब आप कैसे करोगे पहली बात तो ये कि अब आप सोच भी नहीं सकोगे इसको क्योंकि अभी आपको ये आइडिया ही नहीं कि क्वांटिटी एंड देन ये प्राइस कहाँ से आया तो ये आया आपके सेल्स वाले जो कलेक्शन है वहाँ से तो मैं जल्दी से वो पहले दिखा देता हूँ सो वी हैव अ सेल्स रिमेंबर ये एरे ऑफ ये देखो सेल्स ये इसकी बात हो रही है जहाँ पे आपका ये जो क्वान्टिटी है एंड देन ये प्राइस है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर उसकी वैल्यू टारगेट प्राइस से ज़्यादा है तो रिटर्न करो ये क्वेरी है ना क्वेरी यही तो क्वेरी होती है अब आप सोचो ये कैसे कर सकते हो एंड ये हमने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर ली थी अगर आपको याद होगा सो so, इसको हमने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर चुका है सो so, मैं जान बुझे दिखा देता हूँ सो सी ये है आपका डेटा क्वान्टिटी एंड प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना है एंड अगर उसका जो प्राइस uh, है अगर वो टोटल आई मीन उसका जो भी आउटपुट uh, आया रिजल्ट अगर वो टारगेट uh, प्राइस की वैल्यू से ज़्यादा है तो ही मुझे रिटर्न करना है अब आप सोचो कैसे करोगे कैसे करोगे सोचो देखते हैं ठीक है मैं आपको बताता हूं देखो कैसे सो गैस डी बी डॉट वी हैव अ कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड देन कली देना ही पड़ता कुछ कर नहीं सकते डॉलर एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा देन अगेन ए कली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा है ना सो so इसके अंदर देखो क्योंकि मैं एक यूज़ करने जा रहा हूँ सो इट्स अ ग्रेटर देन ठीक है अब ग्रेटर देन के अंदर इस थोड़ी देर पहले तो प्राइस एंड देन वैल्यू मैंने दे दी थी एंड वो भी किसके अंदर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बट दिस टाइम हमें क्या करना है क्वांटिटी एंड देन जो प्राइस है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई uh, मैं कैसे कर सकता हूँ सो बताना चाहूँगा अगेन इसके अंदर मैं कल ब्रेसिस ले रहा हूँ एंड मैं एक कॉमा दे दूँगा तो ये जो होगा हमारा कंडीशन होगा जहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मल्टी प्लाई ठीक है कॉलन देना है एंड जब भी आप मल्टीप्लाई ऑपरेटिव करोगे आपको अगेन एरे क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अब आपको दो वैल्यू पास करनी है ठीक है uh, जिसमें से तो सबसे पहला होगा आपका ये क्वांटिटी

तो बेसिकली ये जो मेरा टारगेट प्राइस है उससे वो ज़्यादा होने ही वाला है ठीक है एक काम मैं करता हूँ सो गैस मल्टीप्लाई के बदले मैंने यहाँ पे एडिशन कर दी अब मैं एंटर हिट करता हूँ सो गैस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि <laughs> यहाँ पे ना एक्चुअल में वो एडिशन नहीं होगा वो होगा एड डॉलर एड अब मैं एंटर हिट कर मुझे कोई भी डेटा नहीं आने वाला है उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप मेरे क्वान्टिटी एंड देन प्राइस को अगर आप प्लस करोगे बेसिकली एड करोगे तो कभी भी वो टारगेट प्राइस से ज़्यादा होने वाला ही नहीं है या आई नो गाइस आपको डेटा नहीं दिखाई दे रहा है बट इट्स फाइन क्योंकि जो भी मैं अभी चेंजेस करने जा रहा हूँ वो वहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है सो गाइस ये जो ग्रेटर देन था ना मैं कर देता हूँ इसको लेस देन ठीक है लेस देन अगर मैं इंटेट करूंगा बूम गाइस तब जाके मुझे पाँचों का पाँचों डेटा आ गया सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर डॉलर एक्सप्रेशन जब भी आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेरी के साथ खेलोगे तब आप इसका यूज़ कर सकते हो आई होप आपको पता चल गया कि भाई ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है सेम आप डॉलर सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो एंड जो भी होगा गाइस मैं नीचे आपको सोर्स कोड तो प्रोवाइड करो तो अब आपको और पता चल जाएगा सो so, गाइस अब हम नेक्स्ट चलते हमारा आ चुका है एलिमेंट्स ऑपरेटर जिसके अंदर वी हैव अ डॉलर एग्जिस्ट डॉलर टाइप एंड देन डॉलर साइज ये बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है देखो इसका अगर मैं आपको सिंटेक्स बताऊँ सो अगेन कलीब्रेसिस के अंदर आपको फील्ड का नाम लिखना है कॉलन कलीब्रेसिस एंड देन डॉलर एग्जिस्ट एंड देन boolean value, वैल्यू सिंपल एग्जिस्ट करता है या नहीं ठीक है एंड आई थिंक इसको मैं आपको बताता हूँ करके एंड और है कुछ वी हैव दिस डॉलर types, गाइस इसमें ये जो डॉलर टाइप आप इस पर फोकस uh, कीजिएगा इसमें लिखा गया है बीसन डेटा टाइप्स मतलब binary जेसन ठीक है Binary ऑब्जेक्ट नोटेशन binary JSON भी आप कह सकते हो तो बेसिकली जब आप डॉलर टाइप यूज करते हो तब ये बेसिकली uh, ये जो है ना आपका जो डॉक्यूमेंट उसको फिल्टर करता ऑन दी बेसिस ऑफ बीसन डेटा टाइप इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ एंड वी हैव डॉलर साइज जहाँ पे वो आपके एरे का लेंथ बताएगा लेट से आपका एरे का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप बोल दो भाई मुझे सिर्फ दो ऐसे एरे रिटर्न को जिसका लेंथ सिर्फ दो हो तो ये तब काम आता है तो ये एग्जिस्ट मतलब कोई भी फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं टाइप यूजिंग बीसन डेटा टाइप्स एंड डॉलर साइज एरे का साइज इतना है या नहीं उसके ऊपर है ये एलिमेंट्स ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं Uh, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो वी हैव दिस एलिमेंट्स ऑपरेटर डॉलर एग्जिस्ट मैचेस डॉक्यूमेंट डेट हैव अ स्पेसिफिक फील्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यूज ठीक है मतलब वैल्यू से मतलब नहीं है बट वो फील्ड प्रेजेंट है या नहीं इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड वेयर दी प्राइज एग्जिस्ट और नॉट प्राइज एग्जिस्ट है या नहीं वो यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है और एक और क्वेश्चन भी है फाइंड डॉक्यूमेंट्स विद द प्राइस फील्ड प्रेजेंट एंड इफ इट्स प्रेजेंट देन चेक द वैल्यू ग्रेटर देन ट्वेल्व थाउजेंड तो गाइस करना है ठीक है सो लेट्स गो विद दिस पार्ट तो देखो कैसे जस्ट आपको बुल एंड वैल्यू पास करना है ठीक है ध्यान से देखना प्रोडक्ट्स को हम देख रहे सो डी बी डॉट वी हैव दिस प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड कली इसके अंदर वी हैव अ प्राइस देन आपको कली ब्रेसेस देना है डॉलर एग्जिस्ट ठीक है आपको देखो एग्जिस्ट की स्पेलिंग से लिखनी है एंड देन ट्रू अब एंटर हिट करना है तो आप देख सकते हो होगा जहाँ पे भी ये प्राइस फील्ड अगर है तो मुझे सारा डेटा आ गया एंड मैं आपको दिखाता तो हूँ मुझे कितना डेटा आएगा ये देखो मेरे बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली मेरे इस प्रोडक्ट कलेक्शन में जितने भी डेटा है सब के सब डेटा आ गए क्योंकि सब में प्राइस वाला ये जो फील्ड है ये एग्जिस्ट करता है कोई भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें ये प्राइस एग्जिस्ट ना करता हो क्वेश्चन ये आ सकता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा के सिंपल फॉल्स लिख देना है यहाँ पे नाउ जीरो क्योंकि मेरे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें प्राइस का फील्ड आई मीन मेरा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें प्राइस का फील्ड ना हो ऑल अरगेस्ट तो ये क्वेश्चन है कि अगर प्राइस फील्ड प्रेजेंट है ऑब्वियसली प्रेजेंट है सो so, अब मुझे उसमें चेक करना है वैल्यू ग्रेटर देन ट्वेल्थ था ट्वेल्व हंड्रेड अब आप मुझे बताओ ये कैसे कर सकते हैं हम यही है ठीक है अब मुझे ग्रेटर देन ट्वेल्व हंड्रेड करना है तो कैसे होगा देखो सो so गैस देख लीजिए अब वो ग्रेटर देन वाला जो मुझे सीन करना है देखो यहाँ पे ना ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ ठीक है क्योंकि मेरा प्राइस का ये पहला कंडीशन था मैं वापस प्राइस लिखूँगा मेरा ग्रेटर देन वाला जो कंडीशन है बारह ठीक है अब मैं एंटर हिट कर दूंगा तो आप देखो मुझे डेटा आ गया सो so, अगर प्राइस का ये जो फील्ड एग्जिस्ट करता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करो जिसका प्राइस है ग्रेटर देन बारह एंड हमें मालूम है सिर्फ वो दो ही है ठीक है सो इस तरीके से गाइस आपका ये डॉलर एग्जिस्ट काम आता है जहाँ पे आपको खुद सोर नहीं अगर आप कोई रैंडम डेटा बेस पर काम कर रहे हो अगर ये फील्ड रहेगा तो ही ये क्वेरी चलाना वरना मत चलाना तब आप ये डॉलर एग्जिस्ट का यूज करोगे ठीक है so सो गाइस अब हम देख लेते हैं डॉलर टाइप ठीक है तो ये डॉलर टाइप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए ये जो डॉलर टाइप ऑपरेटर है ना इट फिल्टर्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दी बेसन बीसन बेसिकली बाइनरीजेशन डेटा टाइप ऑफ अ फील्ड सो सिंपल मतलब ना आप ये समझो कि अगर आपको कोई भी फील्ड का अगर डेटा टाइप चेक करना हो क्या मेरा ये जो प्राइस का फील्ड है इसका क्या डेटा टाइप स्ट्रिंग है क्या इसका डेटा टाइप नंबर है अगर नंबर है तो ही ये जो क्वेरी है इसको परफॉर्म करना वरना मत करना लाइक वी आर डूइंग इन एग्जिस्ट अगर प्राइस का फील्ड एग्जिस्ट करता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो ग्रेटर देन बारह सेम अब अब इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जिस्ट यू कैन यूज अगर प्राइस का जो डेटा टाइप है बेसिकली प्राइस का जो फील्ड है उसका टाइप अगर नंबर होगा तो ही ये जो सेकेंड क्वेरी uh, है डैट इज प्राइस ग्रेटर देन बारह सौ उसको परफॉर्म करो ठीक है ये इसका काम ये कि डेटा टाइप चेक करना अब पहले फील्ड एग्जिस्ट करता है यानी अब उसका टाइप एग्जिस्ट करता है यानी एंड uh, जैसे कि मैंने बताया बेसिकली वी नीड टू सर्च और फाइंड द फील्ड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन टाइप और वो जो टाइप होगा वो होगा आपका बीसन टाइप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ देखिए सो वी हैव अ मल्टीपल टाइप्स बीसन टाइप जिसमें वी हैव अ डबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एरे बाइनरी इस तरीके से भरे पड़े तो आप देख सकते हो कि इसके सामने ना नंबर है वन टू थ्री फोर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई फील्ड अगर लेट से आपको चेक करना है क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं तो हम क्या करते टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिखते बट नाव इन डॉलर टाइप ऑपरेटर यू कैन ऑल्सो राइट टू सिंपली अगर आप डॉलर टाइप कॉलन टू लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे देखिए uh, मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट से प्राइज़ वाले को ही हम खेल लेते हैं है ना सो वी हैव डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड वेयर जहाँ पे आपका ये जो प्राइस का फील्ड है इसका जो डॉलर टाइप है क्या ये एक नंबर है है ना अगर है तो मुझे डेटा आ गया बट मुझे ये देखना था कि काउंट कितना आ रहा है मुझे तो देखो गाइस बेसिकली मेरे हर एक फील्ड में प्राइस होने वाला है जिसका टाइप नंबर होने वाला तो वो टोटल टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी फाइव मुझे आउटपुट आ रहा है उसी तरीके से क्या मेरा ये जो क्या बोलते हैं हमारा ये जो प्राइज है क्या ये स्ट्रिंग है देखो मुझे जीरो आ रहा है मतलब एक भी ऐसा प्राइज वाला फील्ड नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट्स में जिसका डेटा टाइप हो स्ट्रिंग तो इसलिए मुझे जीरो आ गया लेट्स अब इस फीचर इस को मुझे चेकआउट करना है ठीक है तो ये जो मेरा इस फीचर क्या है वो एक बुलेन है वो तो है ना सो so, मैं यहाँ पर चलता हूँ देखो बुलेन ना अब आप आपको यहाँ पर बुलेन नहीं लिखना है सिर्फ बुल लिखना है एंड प्राइस के बदले अब आप आपको यहाँ पे इज एफ ई ए टी यू आर ए फीचर लिखना है एंट्रेट करोगे तो मुझे अगेन कंप्लीट डेट आएगा क्योंकि मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में ये फील्ड है जिसकी टाइप बुलेन होने वाली है ठीक है अब ये जो था ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे बुलेन वैल्यू के सामने ना टेन लिखा हुआ था यहाँ पे अगर आप देखोगे बुलेन के सामने सॉरी इट्स नॉट टेन इट्स अ एट इट्स अ एट ठीक है एट लिखा हुआ है यहाँ पे सो so एट कर देता हूँ मैं एंटर हिट करता हूँ तो भी मुझे सेम डेटा आ रहा है मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हो मोंगो डीवी में अगर आप न्यूमेरिक डेटा पास कर रहे हो ऑब्वियसली आप यहाँ पर लाइन बचा रहे हो ना बू लिखने के बदले एटलीस्ट चार के बदले आप ये एक कर दे रहे हो वेन इट कम्स टू योर स्ट्रिंग है ना लाइक इट्स अ टू तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मुझे मालूम है कि मेरा जो नेम वाला जो फील्ड है वो एक स्ट्रिंग है तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एट आई विल गो बिथ टू एंड मुझे देखना है देखो अगेन टोटल मुझे फील्ड आ गया तो ये है आपका डॉलर टाइप क्या आपका जो फील्ड है उसका टाइप क्या है अगर वो है तो ही ऑपरेशन परफॉर्म करो वरना मत करो सो नाउ गाइस वी हैव अ साइज ऑपरेटर एंड उसके लिए मैं बताना चाहूँगा वी हैव वन न्यू एक सेकेंड सो कलेक्शन हाँ एक सेकेंड हाँ गाइस सो कलेक्शन अगर मैं देखता हूँ सो वी डोंट हैव एक्स्ट्रा अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस वी हैव दिस कमेंट्स अगर मैं आपको कमेंट्स पे ले चलता हूँ तो गई कमेंट्स कुछ ऐसा है जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इट्स एंड एरे तो नहीं है इट्स सिंपल डॉक्यूमेंट्स है बट बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसके अंदर गए एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स है लाइक like, एरे uh, अभी तक तो हम जो भी देख रहे थे सिंपल था ना बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो अभी फिलहाल ये जो मेरा अब ये जो कॉम कमेंट्स वाला जो मेरा ये डेटा uh, है जेसन फाइल मुझे इसको इम्पोर्ट करना है मेरे इस डेटाबेस के अंदर सॉफ्ट डेटाबेस के अंदर चलो भाई बाहर चलो बाहर चलो है ना इस तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं मोंगो हालांकि देख चुके ये हमें मोंगो इम्पोर्ट जहाँ पे आ, मुझे ये लगेगा एंड ये क्या ये कमेंट्स ठीक है फॉरवर्ड स्लैश कमेंट्स डॉट जेसन एंड देन डेटाबेस का नाम ऑब्वियसली हम तब से शॉप पे काम कर रहे हैं एंड कलेक्शन का जो नाम होगा कमेंट्स बस इतना ही लिखना है एंड वो कोई एरे तो था नहीं तो मेरा देखो डॉक्यूमेंट्स हो गया परफेक्ट एंड uh, चलते हैं मोंगोस ठीक है हम अंदर एंटर कर जाते हैं सो नाउ यू शॉप एंड देन सो कलेक्शन सो नाउ वी आर गेटिंग वन मोर एक्स्ट्रा कलेक्शन डेट इज योर कमेंट्स सो कमेंट्स के अंदर क्या डेटा है वो देख लेते हैं ना सो डी बी डॉट वी हैव एक सेकेंड वी हैव अ कमेंट्स डॉट फाइंड एंड इस तरीके से करता करते तो देखो एक सेकेंड आई डी वन क्या कर रहा है आई डी सिक्स आई डी सेवन ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ठीक है थोड़ा आई ऊपर नीचे बट इट डजेंट मैटर बट कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो दो फील्ड्स है ना कमेंट्स एंड देन मेटा डेटा थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो मेरा ये जो कमेंट्स वाला जो फील्ड है इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इस तरीके के अगर डॉक्यूमेंट्स uh, के अंदर फील्ड्स आपको मिल गए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे एंड अगेन आवर ये जो मेटा डेटा है वो अगेन उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स भरे हुए तो मुझे अगर इसका डेटा देखना हो इसका डेटा देखना तो हम वो कैसे कर सकते हैं इसका नेक्स्ट वाला वही होगा लेकिन उससे पहले वी नीड टू सी डॉलर साइज ऑपरेटर सो डॉलर साइज ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पे आप देख सकते हो सो डॉलर साइज ऑपरेटर मैचेस डॉक्यूमेंट्स वेयर द साइज ऑफ एन एरे फील्ड मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू सो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान uh, से देखना लाइक वी हैव अ एक सेकेंड यही है ना जी हाँ सो so, कमेंट्स के अंदर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे हमें वो फील्ड का नाम देना पड़ेगा एंड डैट इज़ योर कमेंट्स डॉलर इस तरीके से चलना है आपको डॉलर साइज यूज़ करना होगा एंड देन यहाँ पे अब आप देखो अगर मैं वन कर देता हूँ तो मुझे एक भी डेटा नहीं आएगा क्योंकि मेरे ये जो कमेंट्स वाला जो कलेक्शन है अगर मैं हर एक डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो उसमें ये जो मेरा कमेंट्स वाला ये जो मेरा फील्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर डॉक्यूमेंट uh, हो बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट हो तो मुझे रिटर्न करो लेकिन मेरा ये जो कमेंट्स है उसके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं बोलूंगा लाइक like वैल्यू या एलिमेंट आप कह सकते हो इट्स uh, देखो ना एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस कमेंट्स के अंदर मेरे पास टोटल चार एलिमेंट्स है चार डेटा है ठीक है इसके अंदर मेरे पास बेसिकली मिनिमम दो है तो मुझे डेटा नहीं आने वाला है तो अगर अब मैं uh, चार लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही डेटा आएगा क्योंकि जो मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा एक डॉक्यूमेंट है यू नो you know, जिसके अंदर बेसिकली चार डेटा है अगर मैं अगर तीन कर दूँ तो तीन है तीन नहीं है अगर मैं दो कर दूँ मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू होना जरूरी है देखो गाइस आपको इतने सारे डेटा आ गए ठीक है सो दिस इज़ योर डॉलर साइज ऑपरेटर जहाँ पे डेटा चाहे जितना भी आप बोलो भाई मेरे को ये एक एरे वाला फील्ड चाहिए जिसके अंदर सिर्फ तीन ही डेटा हो सिर्फ तीन हो तीन से ज़्यादा नहीं तीन से कम नहीं तो वहाँ पे डॉलर साइज ऑपरेटर काम आता है आपका ठीक है सी हम कर देते हैं अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव पे एंड डैट इज योर प्रोजेक्शन एंड लेट मी टेल यू इस ये प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको मजा आ जाएगा ठीक है सो क्या होता है ये प्रोजेक्शन देखो आपके मन में हर बार एक एक आई <laughs> नो आपके मन में ये सोच आया होगा ध्यान से देखना मैं फिर से ये करता हूँ है ना तो देखो ना जब मैं इस तरीके से करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा डेटा आ जाता है मुझे बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फील्ड्स है सारे फील्ड्स मुझे आ जाते हैं लेकिन कभी तो मेरा मन करेगा ना यार नहीं मुझे सारा फील्ड नहीं चाहिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे वो कमेंट्स रिटर्न करो जिसका साइज सिर्फ दो हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने सारे आई मीन ये जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इतने सारे फील्ड्स है उसमें सिर्फ ये जो कमेंट वाला जो फील्ड है ना मुझे सिर्फ़ उसको दिखाना है तो अब ये पावर आपको देता है प्रोजेक्शन जहाँ पे आपको कौन से फील्ड्स को दिखाना है कौन से फील्ड्स को नहीं दिखाना है तो दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेट इज योर डेट इज योर इंक्लूसिव एंड देन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव एंड देन एक्सक्लूसिव सो आई मीन देखिए टू इंक्लूड स्पेसिफिक फील्ड्स यूज प्रोजेक्शन विद अ वैल्यू ऑफ वन अगर आपको वो फील्ड दिखाना है तो वन का आप टाइप uh, करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी फील्ड को एक्सक्लूड करना है देन यू हैव टू पास द वैल्यू जीरो उस फील्ड के सामने यू कैन नॉट इंक्लूड एंड एक्सक्लूड फील्ड्स साइमल्टेनियसली इन द सेम क्वेरी प्रोजेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन सो देखो कैसे सिंटेक्स कैसा है जब भी आप क्वेरी कर लेते हो ना उसके बाद आपको कॉमा देके आपको एक और कली ब्रेसेस देना होगा अब ध्यान से देखो ये मैंने दे दी मैंने बोला कि भाई साइज जिसका सिर्फ दो ही हो तो मुझे इतने सारे आउटपुट आ रहे थे लेकिन मुझे तो सिर्फ कमेंट्स वाला फील्ड चाहिए था है ना तो मैं क्या करूँगा जो आपका मेन एक्चुअल वाला जो कली ब्रेसेस था ना उसको उसके बाद आपको एक कॉमा यूज करना होगा देखो एंड देन एक कलिब्रेस देना नाउ दिस इज योर प्रोजेक्शन वाला फील्ड एक सेकेंड या आई थिंक दिख रहा है हाँ ये वाला जो है आपका प्रोजेक्शन वाला फील्ड है जहाँ पे आप बोलो कि मुझे अंडर एक काम करता हूँ फिलहाल मेरा ये जो कमेंट्स है कमेंट्स सिर्फ यही मैं अगर वन लिख दूंगा एंड दिस इज इट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स वाला फील्ड दिखाई देगा बाकी उससे पहले क्या हो रहा था टाइटल कंटेंट ऑथर मेटा डेटा था ना अब नहीं है सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स मुझे दिखाई देगा बट देर इज वन थिंग एंड डेट इज़ अंडर स्कोर आई डी इज़ बाई डिफ़ॉल्ट ना तो मैंने कभी इसको क्रिएट की ना uh, मैं कभी डिलीट करता हूँ ये बाई डिफॉल्ट रहता है मैं चाहूँगा भाई मुझे तो डॉलर स्कोर आई मीन अंडर स्कोर आई डी भी नहीं चाहिए सो so, uh, एक काम करता हूँ मैं सी एल एस कर देता हूँ यहाँ पे देखो मैं uh, एक सेकेंड यहाँ पे कॉमा दूंगा और मैं अंडर स्कोर को मैं जीरो कर दूंगा जीरो रिप्रेजेंट नहीं दिखाना है वन रिप्रेजेंट दिखाना है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट दिखाई देंगे हर एक डॉक्यूमेंट का सिर्फ कमेंट्स दिखाई देगा हर एक डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ कमेंट्स दिखाई देगा सो दिस इज द ब्यूटी अब एक एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जब आप इस तरीके से कर रहे हो ना अब आपको लग रहा है कि एक काम करते हैं मैं कमेंट्स uh, नहीं वी हैव अ नेम आई गेस नहीं नेम तो है ही नहीं या इट्स अ टाइटल या इट्स अ टाइटल ठीक है सो देखो मुझे इतने सारे टाइटल्स आ गए अब आपके मन में आ रहा हूं मुझे टाइटल्स दिखाना है लेकिन कमेंट्स नहीं दिखाना है समझ रहे हो मैं क्या कहने की के कोशिश कर रहा हूं वी हैव अ एक सेकेंड फिलहाल के लिए ये जो पार्ट है क्योंकि आ, मेरे पास कौन कौन सा डेटा है मैं एक बार वो तो देख लू सो वी हैव अ टाइटल वी हैव अ कंटेंट एंड देन वी हैव अ ऑथर मैं क्या बोलता हूं मुझे सिर्फ टाइटल दिखाना है मुझे ऑथर नहीं दिखाना है समझ रहे हो मुझे टाइटल दिखाना है मुझे ऑथर नहीं दिखाना है तो अब इसमें क्या हो रहा है मुझे एक दिखाना है एक मुझे नहीं दिखाना है क्या मैं ये कर सकता हूं मैं आपको बताता हूँ देखो इस तरीके से है ना टाइटल दिखाना है ये जो मेरा ऑथर है वो मुझे नहीं दिखाना है एंड अभी कॉमा और साथ में अंडरस्कोर आईडी है अब अगर मैं एंटरहेट करूंगा देखो क्या बोलता है कैनॉट डू एक्सक्लूजन ऑन अ फील्ड ऑथर इन इंक्लूजन प्रोजेक्शन <laughs> मैंने क्या कहा था एक्सक्लूसिव एंड देन ये इंक्लूजन एंड देन एक्सक्लूजन ये टर्म बहुत यूज होता है इसमें तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप एक चीज़ दिखाना चाह रहे हो एक फील्ड को अगर आप दिखाना चाह रहे हो एंड दूसरे फील्ड को अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे हो ये पॉसिबल नहीं है अब आप बोलोगे लेकिन उस समय तो मैंने कमेंट्स के समय कमेंट्स पे वन किया था अंडरस्कोर आईडी को मैंने जीरो की थी ये काम कर गया दिस इज द ओनली एक्सेप्शन क्योंकि अंडरस्कोर आईडी ना तो मैं क्रिएट करता हूँ वो हमेशा बाइटफॉल्ट हमें सिस्टम बना के देता है इंडेक्स अभी हम पढ़ेंगे बट एक्सेप्ट अंडरस्कोर आईडी बाकी किसी को भी आप नहीं लिख सकते आई I मीन mean, कैसे मतलब आप एक जगह पर दिखाना चाह रहे हो दूसरे को नहीं दिखाना चाह रहे हो हम नहीं कर सकते या तो आप ये बोलो कि मुझे टाइटल भी नहीं दिखाना मुझे सिर्फ आईडी दिखाना एटलीस्ट एक तो दिखाना पड़ेगा आपको है ना मुझे टाइटल भी नहीं दिखाना मुझे ऑथर भी नहीं दिखाना तब ये आप काम कर सकते हो तो अब क्या होगा टाइटल एंड देन ऑथर को छोड़ के बाकी डेटा आ जाएगा या तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे ऑथर भी दिखाना है मुझे टाइटल भी दिखाना है तो अगर आप ये करते हो तो आपको सिर्फ अब ऑथर एंड देन टाइटल एंड आई डी बाई डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपको दिखता है या तो अगर आपको आईडी नहीं भी चाहिए तो आईडी को आप जीरो कर सकते हो तो अब आपको सिर्फ टाइटल एंड देन ऑथर टाइटल एंड देन ऑथर मिलेगा तो कहने का मतलब या तो आप वन 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 करो या तो जीरो 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 करो आप वन जीरो जीरो वन ऐसा नहीं कर सकते आई होप आप समझ गए एंड ये जो अंडरस्कोर आईडी इट्स अ डिफॉल्ट इधर ओनली इंक्लूजन आप कर सकते हो या तो आप खाली एक्सक्लूजन कर सकते हो ठीक है दिस इज योर प्रोजेक्शन एंड नाउ बहुत इंपॉर्टेंट डेट इज एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको क्या कहा था आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा जब हमने इसको परफॉर्म किया था याद है इसको सो वी हैव दिस कमेंट्स अगर आपको चाहिए कि मुझे ये वाले कमेंट का डेटा चाहिए इस वाले कमेंट्स का तो मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक तो मैं क्या कर रहा था लाइक डायरेक्टली कमेंट्स लिखता तो मुझे डेटा आ जाता बट अब मुझे कमेंट्स तो एक एरे है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो अब मुझे इसका डेटा कैसे आएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए यही है आपका एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट उस तरीके से ठीक है सो लेट्स सी देखो डी बी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड बेसिकली यू नीड टू यूज़ द डॉट नोटेशन ठीक है देखो कैसे मैं बताता हूँ एक चीज़ तो कन्फर्म है एंड डेट इज़ कि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कमेंट्स का फर्स्ट डेटा दिखाओ एक काम करता हूँ सो डी बी डॉट सॉर्ट क्यू लिख रहा हूँ मैं वी हैव अ क्या ये सेल्स है क्या ओके कमेंट्स है ना मैं यहाँ पे चलता हूँ ध्यान से देखना ठीक है एज इट इज़ अभी मैं क्या बोलूँगा कमेंट्स डॉट वी हैव अ यूजर अगर मैं एंटर हिट करता तो कैसे देखो ये काम नहीं कर रहा है मैं इस तरीके से करता हूँ चलो ये होता है नहीं ये तब भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने फील्ड की तो पास कर दी बट वेयर इज़ द वैल्यू वैल्यू क्या है कमेंट्स डॉट यूज़र उसके बाद क्या कमेंट्स डॉट यूज़र में क्या मैं आपको दिखाऊं तो कहने का मतलब यह है लेट से मुझे चाहिए लिली एल आई एल वाई लिली ठीक है आप कुछ सिंगल कोड लिख दो वरना फिर से वार्निंग आएगा सो so, सी मुझे मेरा डेटा आ गया तो कमेंट्स के अंदर जो मेरा यूज़र था जिसका नाम था लिली उसको आप कमेंट्स डॉट यूजर एंड देन वैल्यू इट्स सर लेली सो आपको डॉट नोटेशन यूज करना है सिंपल ठीक है सो गाइज देखिए अब वी हैव मल्टीपल क्वेश्चन देखो फाइन पोस्ट विथ कमेंट्स बाई ए स्पेसिफिक यूजर जस्ट नाउ मैंने आपको करके बता दिया नाउ वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन फाइन द डॉक्यूमेंट्स विद द व्यूज इन मेटा डेटा फील्ड इज ग्रेटर देन बारह सो ऑसम गाइज में चाहता हूँ आइए आप खुद करो देखो भाई करके देखो सो so, आपको एक डॉक्यूमेंट फाइन करना है जहां पर व्यूज वाला जो फील्ड है उसका जो uh, वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन बारह सौ ठीक है बेसिकली मेटा डेटा वाला फील्ड की बात हो रही है इसकी जहाँ पे ये जो व्यूज है मेटा डेटा ये जो फील्ड है उसके अंदर ये जो व्यूज़ वाला फील्ड है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जिसका वैल्यू uh, होना चाहिए ग्रेटर देन बारह सौ है भी क्या कोई ऐसा बारह सौ बट लेट्स सी कैसे होगा देखो ध्यान से देखना मेटा डेटा के अंदर व्यूज़ है ठीक है सो सी एल एस कर दे रहा हूँ मैं सो so, मैं इस तरीके से चलता हूँ so we have a uh, meta data dot uh, views where uh, yeah basically dollar greater than we have a uh, bara so ye kya ho gaya ek and ek aur lagega and ek aur close and yeah this is it कैसा लगा ये था ना ऑसम गाइस एक second मैं यहाँ पे और भी देख रहा हूँ जी हाँ ठीक है तो आप देखो कितनी easily मेटा डेटा अब देखो एक चीज मेटा डेटा के अंदर जो मेरी वैल्यू थी ना वो प्योर ऑब्जेक्ट था कमेंट्स के अंदर जो मेरी डेटा uh, थी वो प्योर एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट था तो चाहे वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो या सिर्फ ऑब्जेक्ट हो यू कैन एक्सेस बोथ बाय यूजिंग अ डॉट नोटेशन सिंपल कमेंट्स डॉट यूजर इक्वल टू ग्रेस मेटा डेटा डॉट लाइक्स इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और ग्रेटर देन सिक्सटी और लेस देन इस तरीके से आप बहुत इजीली एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स के साथ खेल सकते हो परफेक्ट ना वी नीड टू फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट वेयर द यूजर इन कमेंट इज इक्वल टू हेनरी ओ माय गॉड एंड आल्सो द इन एंड आल्सो ये मैंने क्या क्वेश्चन लिख दिया बट जो भी हो आल्सो इन द मेटा आल्सो इन द मेटा डेटा लाइक्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन फिफ्टी डिग्री आई मीन फिफ्टी डिग्री नहीं ओनली ग्रेटर देन फिफ्टी समझ गए कमेंट्स में नाम होना चाहिए हेनरी के बराबर एंड मेटा डेटा में जो लाइक्स है वो होना चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन फिफ्टी अब आप सोचो आप ये कैसे कर सकते हो क्योंकि एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है दूसरा प्योर ऑब्जेक्ट है लेकिन ये आपको एक साथ परफॉर्म करना है सो so यही है आपका क्वेरी कैसे करोगे आप ये ठीक है देखो सबसे पहले बात तो ये वाला जो था आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए इट्स अनरी ठीक है? हैनरी ओके ये हैंनरी तो एक कार्टून भी था जैसा लग रहा है मुझे uh, ये आपका पहला कंडीशन लेट्स गो विथ आवर एक सेकेंड नॉट ओवर हियर हम दूसरा प्रोजेक्शन हो जाएगा फिर ये पहला कंडीशन यहाँ पे आपको आना है वी हैव अ मेटा डेटा डॉट लाइक्स वे इट इज़ वैल्यू ग्रेटर देन है चलो ठीक है वेयर दी वैल्यू आई आई एम रियली सॉरी आई नो आप लोग को दिख नहीं रहा बट मैं जूम कर देता हूँ उससे आपको <laughs> उससे आपको दिखेगा वेयर दी वैल्यू इज डॉलर ग्रेटर देन ये देखो हाउ मच इट्स अ फिफ्टी ओनली चलो ठीक तो है तो सिर्फ पचास है एंड बूम गाइस सी वेयर दी यूजर नेम इज़ हेनरी एंड द लाइक्स इज ग्रेटर देन फिफ्टी तो आप देख रहे हो गाइस कितनी ईजिली कितने कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी हम कितनी चुटकी में कर रहे हैं ठीक है so, सो इस तरीके से आपका ये डेटा आ गया लेट्स ए और क्या डेटा है सो so, गाइस हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए जहाँ पे वी नीड टू रिटर्न एंड कमेंट्स एरे विच मस्ट हैव दिस टू यूजर ओके एलेस एंड देन विनोद एलिमेंट्स ओनली इन इट तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब एक ऐसा कमेंट फाइंड आउट करना है जिसके अंदर यूजर्स हो सिर्फ और सिर्फ एल आई एस एलेस इन बॉर्डर लैंड नेटफ्लिक्स में सीरीज है एलएस है ना एंड देन विनोद ये होना चाहिए फिलहाल इसमें तो नहीं ग्रेस है ग्रेस एंड एक बार मैं पहले देख तू है क्या कुछ ऐसा एक बार हम जल्दी से चलते हैं डी बी डॉट कमेंट्स राइट कमेंट्स डॉट फाइंड सो यूजर एलएस बॉब नहीं है विनोद केविन आई गेस एलेस एंड देन विनोद है नहीं ठीक है गाइस सो वी हैव वन डेटा वी हैव बेसिकली वन डॉक्यूमेंट जहाँ पे यूजर एलेस भी है एलएस uh, एलएस बोल दीजिए एंड देन वी हैव दिस विनोद तो मुझे ना अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो अब आप सोचो हम इसको कैसे कर सकते हैं uh, सोचो कैसे कर सकते हैं जहाँ पे यूजर का नाम यूज़र uh, बेसिकली ये दोनों होना ही चाहिए क्वेश्चन ऐसा है नाव uh, कैसे कर सकते हैं ठीक है ठीके? मैं आपको बताता हूँ देखो आप टेंशन मत लीजिए इसके बाद वी हैव समथिंग एक्स्ट्रा एंड देट इज योर डॉलर ऑल एंड देन वर्सेस डॉलर एल एम मैच सो द डॉलर ऑल ऑपरेटर सेलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स वेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इज एन एरे दैट कंटेन्स ऑल द स्पेसिफाइड एलिमेंट्स तो अब ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा देखो डॉलर ऑल क्या करता है कि यहाँ पे एक फील्ड का नाम आपको देना है लेट्स से अभी मुझे यूज़र चाहिए ना एलेस एंड देन विनोद तो मैं इस फील्ड पे कर दूंगा कमेंट्स डॉट यूजो कॉलन कलिब्रेसिस डॉलर ऑल देन आपको एरे पास करना है एरे के अंदर बेसिकली उसकी वैल्यू पास करनी है कि आ, ये जो यूज़र का नाम है कौन कौन से नाम वाले यूज़र्स आपको चाहिए सो so, मैं एलेस एंड देन विनोद लिख दूंगा मेरा काम हो जाएगा सो so, जब भी आपको सेम फील्ड का जो डेटा है आई I मीन mean, जैसे ये अभी हमारा हुआ ना जहाँ पे कमेंट्स डॉट यूजर खाली यूजर का मल्टीपल यूजर्स के नेम अगर आपको एरे के अंदर दिया गया था एंड उसको अगर आपको फाइंड आउट करना हो यू कैन यूज डॉलर ऑल ऑपरेटर एंड वी हैव ए डोलम आई मीन एल एम मैच बेसिकली एलिमेंट मैच एंड मेक्स यूर ये जो दोनों के दोनों है आपके एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही यूजफुल है एंड तभी आप यूज कीजिए सो देखिएगा इस दीड एल एम मैच ऑपरेटर जो है ना मैचेस डॉक्यूमेंट डेट कंटेन एन एरे फील्ड विथ एटलीस्ट वन एलिमेंट डैट मैचिज ऑल द स्पेसिफाइड क्वेरी क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ ये आपको थोड़ा इस तरीके से समझेगा नहीं है ना क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा मुझे भी इतना अच्छे से नहीं समझा बट uh, क्या हो रहा है ना मैं आपको बताता हूँ लेट्स से ध्यान से देखिए से मै फील्ड फील्ड डॉलर ऑल के बदले एल एम एच एंड देन जस्ट यहां पर वी हैव एन वी हैव एरे एंड यहाँ पे वी हैव अ कल्ली ब्रेसेस बस ये एक डिफरेंस है ऑल एंड देन एल एम मैच में मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ ध्यान से देखना फिलहाल अभी मेरा कैसा सीन है ना कमेंट्स के अंदर ये जो यूजर वाला जो फील्ड है उसमें ये एल एस एंड देन विनोद है या नहीं ये सिंपल है कमेंट्स डॉट यूज़र बस इतना ही है डॉट टेक्स्ट में मुझे कुछ लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ कमेंट्स डॉट यूजर के मल्टीपल वैल्यू है या नहीं वो देखना है तब यहाँ पे डॉलर ऑल बहुत इजीली काम आएगा देखो कैसे वी हैव अ डी बी uh, कमेंट्स डॉट फाइंड ठीक है आपको कली ब्रेसिस लगेगा आपको फिल का नाम देना है यहाँ पे डैट इज़ uh, क्या है कमेंट्स या इट्स अ कमेंट्स डॉट यूज़ो कॉलन आपको कली ब्रेसेस देना है एंड uh, आपको डॉलर ऑल यूज़ करना पड़ेगा एंड एक काम कर दो तो गाइस इसको मैं हटा रहा हूँ uh, अब मैं वो करने जा रहा हूँ ठीक है देखो यहाँ पे ठीक है सो वी हैव अ डॉलर ऑल ऑपरेटर एंड देन आपको इस तरीके से बस यहाँ पर वैल्यू पास कर देना है जहाँ पे एंड हाँ ना केस सेंसिटिव होता है तो मेक श्योर sure आप परफेक्टली लिख रहे हो एंड ये देखो मुझे डेट आ गया कितनी ईजिली विद दी हेल्प ऑफ डॉलर ऑल ऑपरेटर क्योंकि ये जो मेरा एक फील्ड था है ना कमेंट्स डॉट यूजर तो कौन कौन से यूज़र है बहुत ईजिली मैंने बोला कमेंट्स डॉट यूजर के अंदर क्या ये एल एस एंड बिनोद आता है या नहीं वो मुझे फाइंड आउट करके दो तो बहुत ईजिली हो गया तो इस तरीके से आपका ये ऑल ऑपरेटर काम आता है जहाँ पे सेम अगर आप आ, जो फील्ड है उसके साथ काम कर रहे हो ठीक है अब ये जो डॉलर एल मैच है ना वो कब काम आता है मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखना अगर आपको किसी ने यह बोल दिया कि आ, एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन होगा आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जहां पे ध्यान से देखना इन एन एरे फॉर मल्टीपल क्वेइंग वी यूज डॉलर एल मैच ऑपरेटर ऑल राइट फिलहाल तो नहीं है क्वेश्चन नहीं है वहां पे आई एम रियली सॉरी बट मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना क्वेश्चन सुनिए ध्यान से मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करो जहाँ पे कमेंट्स डॉट यूज़र में नाम हो विनोद एंड उसका जो टेक्स्ट हो वो होना चाहिए थैंक्स फॉर शेयरिंग ध्यान से देखा आपने क्या हुआ अब कमेंट्स डॉट यूज़र भी मुझे लगेगा कमेंट्स डॉट टेक्स्ट भी मुझे लगेगा अब आप बताओ कमेंट्स डॉट यूज़र भी मुझे लगेगा कमेंट्स डॉट टेक्स्ट भी मुझे लगेगा तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कमेंट्स डॉट यूजर इक्वल टू बिनो दैन देन कमेंट्स डॉट टेक्सट इक्वल टू थैंक्स फॉर शेयरिंग अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे मिल गया तो उसको रिटर्न करो अब आप ये सोचो कि डॉलर ऑल के अंदर आप ये कैसे करते आई I मीन mean, आपको ये दो बार लिखना पड़ जाता आप दो बार कर सकते थे है ना बट इसका काम ही नहीं है ना अगर सिर्फ एक ही डेटा होता कमेंट्स डॉट टेक्स्ट उसमें अगर ये भी अगर ये भी आ रहा है तो भेज दो तो हम बहुत इजिली ऑल कर देते बट अब यहाँ बट इस केस में तो उल्टा हो गया कमेंट्स डॉट यूजर भी चाहिए अब टेक्स्ट भी चाहिए तो दोनों फील्ड्स को हमें चेक करना पड़ रहा है तो यहाँ पे एल एम एच काम आता है देखो कैसे ध्यान से देखना सो वी हैव अ डी बी डॉट कमेंट्स डॉट वी हैव अ फाइंड है ना ध्यान से देखना सो so, मैं यहाँ पे करता हूँ वी हैव अ कमेंट्स सो मैं फील्ड uh, का नाम लिख दूंगा कमेंट्स ठीक है एज इट इज छोड़ रहा हूँ ध्यान से देखना कली ब्रेसेस वी हैव अ डॉलर एल एम एंड देन मैच ठीक है एंड देन अगेन कली ब्रेसेस याद है अगर इसके बाद भी फिर कली ब्रेसेस था तो अब यहाँ पे ना आप कंडीशन दोगे ये बोलोगे कमेंट्स डॉट यूजर इज इक्वल टू योर विनोद ठीक है इज इक्वल टू विनोद एंड टेक्स्ट इज इज इक्वल टू यहाँ पे एक सेकेंड माई गोट यहाँ पे मिस्टेक है आपको uh, इस तरीके से देना था एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट एंड देन उसकी वैल्यू सो लेट मी टेल यू इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं आईडिया मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत हो सकता है ठीक है आप समझे तो आप देख रहे हो कितने ऑसम awesome तरीके से अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझे डेटा नहीं आ रहा है उसके पीछे का क्या रीज़न है भाई कमेंट्स एल एम मैच वेद द यूज़र इज़ विनोद सो आई गेस गाइस ये जो मैंने जो लिखा है थैंक्स फॉर शेयरिंग था ना वो तो आई थिंक ये एल एस का है क्या फिर और लाइट देखो मुझे डेटा आ गया तो एक काम करता तो, हूँ मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, मैं यहां पे चलता हूं ऑसम uh, आर्टिकल awesome के बदले एक सेकेंड ये क्या हो गया ओ माई गॉड अब नाम गलत है फिर यहां पे सो so गाइस आप देख सकते हो ये कैसा है एंड हम चलते हैं वी हैव अ नेम विनोद बट जब एग्रीगेशन आएगा तब मैं आपको बेस कोड में करके बताऊंगा एंड बूम गाइस मुझे मेरा डेटा आ गया तो आई होप आपको पता चल हो गया होगा एल एम आपको कब यूज करना है कमेंट्स डॉट यूज कमेंट्स डॉट टेक्स्ट इस तरीके का अगर क्वेश्चन uh, आपको मिल जाए तब आप एल एम मैच यूज़ कीजिए एंड अगर आपको सिम कमेंट्स डॉट यूज़र के अंदर ये ये वैल्यू आता है या नहीं तब आप ऑल यूज़ कीजिएगा लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये जो पार्ट था ना इसको मैं सिंपल तरीके से भी कर सकता था एंड या आई हैव द कोड ओवर हियर मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी ये देखो फाइंड की मदद मतलब से भी जहाँ पे कमेंट्स डॉट यूजर एल एस कॉमा कमेंट्स डॉट टेक्स्ट ये ओके मैंने क्लोज़ नहीं की इसको या yeah. सो so, मुझे मेरा डेटा आ गया तो so, बेसिकली ये वाला पार्ट मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता था तो so, आपको दिखाया कि मल्टीपल तरीके से हम इसको कर सकते थे ऑल आर अरगैस तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अपडेट ऑपरेशन इन मांगोडी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो वी हैव अ अपडेट वन एंड देन अपडेट मैनी लाइक वी हैव अ फाइंड एंड देन फाइंड वन या इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी वैसे अपडेट का रिमूविंग एंड रीनेमिंग फील्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सिर्फ आपको फील्ड्स को अपडेट करना हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो फील्ड्स को रीनेम भी कर सकते हो एडिंग रिमूविंग आइटम्स फ्राम एन एरे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली टाइम हम एरे के साथ डील करते हैं एंड एरे के साथ डील करना इज़ डिफ़िकल्ट तो हम एरे में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें मिल गया बेसिकली एरे में तो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ निकला तो उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं या रिमूव कैसे कर सकते हैं एंड हम कोई भी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं ठीक है सो वी हैव दिस अपडेट वन एंड देन अपडेट मैनी जहां पे ये देखो आपको फिल्टर ये देखो कली ब्रेसिस जो है ना इट्स लाइक जो हम जब फाइंड मेथड यूज कर रहे थे वी हैव वन कली ब्रेसिस कॉमा एंड देन दूसरा कली ब्रेसिस लाइक like, दूसरा जो था वो हमारे प्रोजेक्शन के लिए काम आ रहा था बट वेन इट कम्स टू अपडेट वन आप देखो आप पहला कलीब्रेसिस में आप अपना क्वेरी लिखोगे बेसिकली फिल्टर यूज करोगे एंड देन जो सेकंड वाला होगा उसमें एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है जब भी आप अपडेट के साथ खेलोगे एंड देट इज योर डॉलर सेट ऑपरेटर जी हाँ गाइस क्या है ये डॉलर सेट ऑपरेटर एंड देन आपको एग्जिस्टिंग फील्ड का नाम देना है एंड उसकी न्यू वैल्यू देनी है देन न्यू फील्ड का नाम देना है उसका न्यू वैल्यू देना है समझ रहे हो जो भी एग्जिस्टिंग फील्ड और उसकी वैल्यू था वो रखा एंड देन न्यू फील्ड उसकी वैल्यू एंड uh, जब अपडेट मैंने की बात आती है तो जो भी एग्जिस्टिंग सेम uh, हो जस्ट इट जस्ट कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फील्ड होगा उसका एक न्यू वैल्यू आपको दे देना है सिंपल ठीक है आई होप आप समझ गए यहाँ पे कुछ है चलो बाद में देखते पहले अपडेट वन एंड अपडेट मैंने हम देख लेते हैं so, सो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है इसको मैं क्लीन कर देता हूँ सो so, uh, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वेन इट कम्स टू अपडेटिंग अ सिंगल फील्ड तो उसका एक सिंटेक्स है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ सो so, uh, अब देखिएगा इस क्वेश्चन आ गया बहुत ऑसम नाउ अपडेट द प्राइस वैल्यू इक्वल टू फोर्टी हमें प्राइस की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है फोर्टी फाइव में इन अ प्रोडक्ट कलेक्शन वेयर द आई डी इज दिस मच सिंपल है अगर आई डी ये है तो उसका जो प्राइस वाला फील्ड होगा उसको उसकी जो वैल्यू उसको अपडेट कर दो फोर्टी फाइव वैल्यू में ठीक है तो एक काम कर लेते हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सो डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड आई हम ये इक्वल टू नहीं देते हैं यहाँ पे कॉलन देना है एंड देखो मुझे डेटा आ गया तो बेसिकली ये वाला जो भी आईडी का डेटा है इसका जो प्राइस फ़िलहाल अभी थर्टी नाइन है मुझे इसको फोर्टी फाइव करना है यूजिंग अपडेट वन चलो ठीक है सो वी हैव अ डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट वन यू नो या दिस इज इट आपको पहला कली ब्रेसेस देना है आपका फिल्टर के लिए यहाँ पे आपका डॉलर सेट आएगा यहाँ पे तो आप इसको पेस्ट कर दीजिए एंड हाँ इतना नोटिस करना है कि ऑब्जेक्ट आईडी वाले केस में आपको कॉलन या सिंगल या डबल कोड ना लिखो तो भी चलता है ठीक है तो ये मेरा काम हो गया यहाँ पे मैं चल रहा हूँ अब देखो यहाँ पे डॉलर सेट है ना एंड देन अगेन यू यू नीड टू राइट द दली ब्रेसिस ओवर हियर आपको लिखना है किस फील्ड को आपको अपडेट करना है ये जो भी आईडी uh, जिस भी डॉक्यूमेंट से मैच होता है उस डॉक्यूमेंट में अगर प्राइस फील्ड प्रेजेंट रहेगा उसकी वैल्यू मुझे फोर्टी कर देनी है एंड बोम गाइज सी वी हैव दिस एक्नोलेज ट्रू इंसर्टेड आई डी नल मैच काउंट एक एक काउंट मैच हुआ है एंड उसमें से हमने उस आ, उसको भी हमने मॉडिफाइड कर दी एक से सो so सेम अब अगर इसको मैं एंटर हिट करता हूँ थोड़ी देर पहले थर्टी नाइन था नाउ इट्स यू फोर्टी फाइव तो मैंने प्राइस की वैल्यू को कर दी है अपडेट तो इस तरीके से गाइस आपका ये अपडेट काम आता है चलो ये हो गया ना अपडेट द इस फीचर वैल्यू जो है इक्वल टू ट्रू इन अ प्रोडक्ट कलेक्शन वेयर द नेम इज डिज़ाइनर हैंड बैग चलो ठीक है आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है जिसमें नेम अगर डिज़ाइनर हैंड बैग हो तो उसकी जो एक फील्ड है इस फीचर उसकी वैल्यू को आपको ट्रू कर देना है ठीक है सो सी एल एस कर देता हूँ इसी पे ही मैं चलता हूँ uh, ये जो पार्ट है है ना इसको एज इट इज रखना कोई चेंज नहीं है यहाँ पे ये जो पार्ट इसको डिलीट करो क्योंकि दिस टाइम अब मैं अंडरस्कोर आई डी के बदले मैं नेम यूज़ करने जा रहा हूँ जहाँ पे देखो देर इज स्पेस तो मुझे सिंगल कोट्स लगेंगे ये आपका नाम होगा और ने, नेम को ना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बट द थिंग इज अब ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे ठीक है सो इस जगह पे मुझे क्या करना होगा इस फीचर जो है इज एफ ई ए टी यू इज इट अ फीचर और अ फीचर्ड सो आई थिंक इट्स अ फीचर्ड जहाँ पे उसकी वैल्यू मुझे कर देनी है ट्रू ठीक है मैं अगर एंटर हिट करता हूँ सो देखो कैसे एक काउंट तो मैच हुआ बट मॉडिफाइड नहीं हुआ ठीक है सो एक काम कर लेते हैं मैं जल्दी से काम करता हूँ एंड डेट इज़ ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ ठीक है मुझे सबसे पहले तो ये देखना है ओके okay, कि जब मैं फाइंड पे चलता हूँ ठीक है so, सो ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ मुझे ये देखना है कि भाई वो नाम करके फील्ड है भी या नहीं सो ओके फाइन सो ये इज okay, फीचर्ड so, है ठीक है ध्यान से देखो इसका क्या नाम है इज फीचर्ड अब ध्यान से देखना तो हमने जो कोड लिखा था उसमें कहाँ गड़बड़ हो गया भाई डॉलर सेट कली इज एफ ई टी यू आर ई डी फीचर एंड जो कि ऑलरेडी ट्रू ओ माय गॉड सॉरी वो ऑलरेडी पहले से ट्रू था मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा एंड ओके एंड सिर्फ इतना से नहीं होगा मुझे एक और कली लगेगा है ना जो कि हो गया अब सेट के लिए एक और कली लगेगा एक पैरेंथिस लगेगा एंड दिस इज इट नाउ वी हैव अ मॉडिफाइड काउंट मैं वापस इसको हिट करता हूँ सो नाउ इट्स फॉल्स ठीक है आई होप आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हम कर सकते हैं इसको नाउ अब अपडेट मैनी सो अपडेट ऑल दी दीचर वैल्यू इक्वल टू ट्रू इन अ प्रोडक्ट्स कलेक्शन विद द प्राइज इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ये ध्यान से देखना जहाँ पे प्राइस की वैल्यू अगर 120 होगी तो अभी क्या हो रहा था ना हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वैल्यू को आई I मीन mean, उसकी जो फील्ड है उनको अपडेट कर रहे थे Uh, हो सकता है कि डिजाइनर हैंड बैग फ़िलहाल तो डिज़ाइनर हैंड बैग तो ज़्यादा नहीं है बट ये जो प्राइज़ वन ट्वेंटी है ठीक है सो वी हैव दिस प्राइज़ वन ट्वेंटी अगर इस पर मैं आपको ले कर चलता हूँ सो गाइस वी हैव मल्टीपल डेटा लेट्स सी हाउ मच डेटा वी हैव अगर मैं ऐसे करता हूँ सो गाइस हमारे पास टोटल पाँच डेटा है प्राइस 120 जो है ना उसके टोटल पाँच डेटा है जहाँ पे मुझे हर एक इस फीचर जो है उसकी वैल्यू को मुझे ट्रू कर देना है लाइक like इसकी वैल्यू को मुझे ये देखो प्राइस 120 है तो मुझे इसको ट्रू करना है इसको भी मुझे ट्रू करना है तो बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसकी प्राइस 120 है उसकी वैल्यू मुझे ट्रू कर देना है अब ध्यान से देखना टोटल पाँच है है ना सो सी एल कर रहा हूँ मैं पहले तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ओवर ही एक सेकेंड ठीक है अपडेट वन पे मैं चल रहा हूँ इस फीचर की वैल्यू को मुझे ट्रू करने बोला गया है सो so मैं ट्रू कर देता हूँ एंड द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ये यह जो आ, आ, फिल्टर है दिस टाइम मुझे प्राइस इज 120 ध्यान से देखना टोटल पाँच ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसका प्राइस 120 है बट अगर मैं अपडेट वन यूज करूंगा ना तो देखो सिर्फ एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मॉडिफाइड होगा जो सबसे टॉप पे था समझ रहे हो लेकिन वहीं पर ही इंस्टेड ऑफ अपडेट वन अगर मैं अपडेट में कर दूंगा ध्यान से देखना क्या बता रहा है टोटल मैच्ड काउंट पाँच पाँच ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट मैच मैचों क्योंकि पांच ही थे लेकिन मॉडिफाइड हुआ सिर्फ चार एंड चार मॉडिफाइड इसलिए हुआ क्योंकि एक को मैंने पहले ही यहाँ पे अपडेट वन की मदद से मॉडिफाइड कर दिया था तो बाकी रि, रिमेनिंग बचे चार उसको अपडेट मैंने नहीं कर दी आई होप आप समझ गए मल्टीपल डॉक्यूमेंट की वैल्यू को एक साथ अगर आपको अपडेट करना हो तो अपडेट मैनी एल्स आप अपडेट वन कर सकते हो एग्जाम्पल आप खुद देख लो पाँच थे अपडेट वन यूज़ किया सिर्फ एक ही मॉडिफाइड हुआ बट द मोमेंट आई यूज अपडेट मैनी उसने चारों को मॉडिफाइड कर दिया सो दिस इज योर अपडेट मैनी ऑल राइट नाउ अब बात ये आती है कि uh, मैं लेके चलूँ यहाँ पे कहाँ गया वो भैया है ना फिर से मैं फाइंड मैथड यूज़ कर रहा हूँ ओवर भैया एक सेकेंड काउंट मुझे नहीं लगेगा इंस्टेड ऑफ काउंट मैं सिर्फ एक लिमिट यूज़ कर रहा हूँ तो हमने वैल्यू को हम जो बेसिकली फील्ड के जो वैल्यूज को तो हम अपडेट करना समझ गए लेकिन आपके माइंड में आया होगा ना यार काश इस फीचर बेसिकली जो मेरा फील्ड का नाम है इस फीचर के बदले में इज बुल मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ इज फीचर या इज़ फादर मतलब मतलब फील्ड का नाम अगर मैं चेंज कर सकूँ या इसको मैं कुछ डिलीट कर सकूँ कोई तरीका है सो so गाइस वही अब आप मैं आपको बताता हूँ सो वी हैव अ तरीका एंड डैट इज़ रिमूविंग एंड रीनेमिंग द फील्ड्स कैसे कलेक्शन नाम डॉट अपडेट वन ठीक है देखो ऑब्वियस है हेर वी हैव टू राइट द फिल्टर किस किस डॉक्यूमेंट की फील्ड को आई uh, मीन I mean उसका जो फील्ड है उसको आपको अपडेट करना है तो आपको वही फिल्टर है जस्ट इंस्टीड ऑफ सेट दिस टाइम नाउ यू हैव टू यूज अनसेट ठीक है देखो इस तरीके से आपको अनसेट यूज करना है एंड देन वो फील्ड का नाम के आगे बस वन एड कर देना है एंड वहीं अब ये तो बेसिकली रिमूव करने के लिए था है ना बट वहीं अब अगर आपको रीनेम करना है देन आपको सेम वही है बट इंस्टिड ऑफ सेट या अनसेट दिस टाइम यू हैव टू यूज डॉलर रिनेम कॉलन कलिब्रेसिस के अंदर ओल्ड फील्ड का नाम ऑब्वियसली फिल्टर ने तो पता लगा दिया कि किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हो उस फील्ड का नाम एंड किस नए नाम से उसको आप अपडेट करना चाहते हो फील्ड को उसका नाम सो दिस इज योर अनसेट एंड देन रीनेम मैं आपको बताता हूं ठीक है सो अपडेट मल्टीपल फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट वो तो हमने देख ली सो रीनेमिंग ऑफ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट देखो सिंटेक्स कैसे अंडर स्कोर आई डी देख चुका है ना रीनेम द प्रोडक्ट कलेक्शन इज फीचर फील्ड टू इज फीचर वेट द प्राइज इज वन ट्वेंटी थ्री जिसका प्राइस वन ट्वेंटी थ्री है उसमें ये जो इस फीचर वाला जो फील्ड है उसकी वैल्यू नहीं ये जो फील्ड है उसका नाम आप इस फीचर कर दो देखो डी हटा रहा हूं मैं ठीक है तो वो आप मुझे करना है एंड ऑब्वियसली ये आप आप करोगे विद द हेल्प ऑफ डॉलर वी नेम सी एल एस है ना सो डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट मैंने करो है ना जो भी करो अपडेट मैंने क्योंकि प्राइस 123 ट्वेंटी थ्री बहुतों का हो सकता है सो so, अपडेट मैंने जहाँ पे ये आपका पहला फिल्टर वाला कंडीशन ये आपका सेकंड जो आप अपडेट करना है यहाँ पे प्राइस होगा जिसकी वन ट्वेंटी थ्री रुपीज वहाँ पे अब आपको डॉलर रीनेम यूज करना होगा जहाँ पे ये आपका पहला फील्ड का नाम यह आपका जो अपडेटेड फील्ड का नाम ओल्ड फील्ड इज योर इज आई थिंक इस इज फीचर एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा इज फीचर ठीक है बस एक डी नहीं है एंड एंटर हिट कर दी सो नाउ वी आर गेटिंग एन एरर आ, बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन हियर इस जगह पे सो so, मुझे एक आ, ओके देखा ये देखो यहाँ पे कॉलन है सो so, ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें कब कॉलन यूज़ करना है अगर आप उसकी वैल्यू दे रहे हो तो कॉलन एल्स अगर आप दो के बीच में कर रहे हो तो कॉमा ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आ, ओके तो आ, गैस यही मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस की बहुत नीड है एंड सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैंने हर एक में सिंटेक्स रखा क्योंकि सिंटेक्स अगर रहेगा तो आप बहुत ईजी कर सकते हो एंड दिस इज़ इट मेरा काम हो गया सो टोटल सात डॉक्यूमेंट्स मिले सातों के सातों में जो इस फीचर वाला जो फील्ड था उसने उसको इस फीचर कर दी है सो so, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइज़ वन ट्वेंटी के बदले 123 कर दूँ है ना मैं सिर्फ एक ही डेटा दिखा दिया तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पे ये देखो इस फीचर डी हट चुका है समझ रहे हो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो एंड गाइस डिलीट करना हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनसेट प्लीज़ आप ये खुद देख लीजिएगा ठीक है नाउ अपडेटिंग एरेज एंड देन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स तो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम ध्यान से देखिएगा. सो वी हैव दिस फिल्टर मेथड ओवर हियर सॉरी नॉट इट्स अ फिल्टर आप डॉलर पुश मेथड का यूज़ कर सकते हो जिसमें एरे का फील्ड एंड देन न्यू एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो देन आप डॉलर पॉप यूज कर सकते हो जिससे आपका जो लास्ट uh, का जो एलिमेंट है वो उड़ जाएगा बेसिकली जो फील्ड है वो uh, आप डिलीट कर सकते हो हमने पुस पॉप पढ़ाई है ना जाब स्क्रिप्ट में सेम ये वही है पुस मतलब ऐड करेगा पॉप मतलब हटाएगा एंड देन देर इज़ वन मोर तरीका जिससे आप डेटा uh, को अपडेट कर सकते हो यूजिंग डॉलर सेट ऑनली बट देर इज़ वन स्पेशल ऑपरेटर सो गैस ये जो ऑपरेटर है ना ये आपका कहलाता है पोजिशनल ऑपरेटर एंड इसका क्या वैल्यू है मैं आपको बताऊँगा ठीक है चलो ठीक है ये कर लेते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एंड देट इज़ कि आ, आपको मन में लगेगा कि यार अगर मुझे एक नया फील्ड एड करना रहा तो क्योंकि मैं फील्ड को डिलीट कर सकता हूँ फील्ड आई मीन फील्ड का नाम चेंज कर सकता हूँ उसको डिलीट कर सकता हूँ उसकी वैल्यूज को ऑपडेट कर सकता हूँ लेकिन आ, क्या हो कि मुझे अब एक और एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड करना रहा ये भी तो एक क्वेश्चन आएगा ना तो मैं अगर आप लोग को यहाँ पे लेके कर चलूँ सो वी so हैव देखो तरीका अगर आपको एक न्यू फील्ड ऐड करना हो डॉक्यूमेंट में देन अगेन आप डॉलर सेट यूज़ करोगे एंड देन इस स्टार्टिंग में जो हम अपडेट वन में देख रहे थे न्यू फील्ड का नाम एंड देन आप उसकी न्यू वैल्यू दे सकते हो ठीक है एंड अगर अब आप आपको उस फील्ड को डिलीट करना हो या रिमूव करना हो तो मैंने अनसेट दिखाया था तो आ, आई नो मैंने जब वो कहा कि आप वो खुद से करो तो आपके मन में यार अभी तक तो सब कुछ बता रहे क्यों ये नहीं छोड़ रहा है क्यों ये नहीं बता रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको इस वीडियो को देख के कहीं पर भी एक भी कमी आपको लगे मैं एकदम बेस्ट मैं बस एकदम बेस्ट बनाना चाहता हूँ ताकि जो भी देखे उसकी मैं हंड्रेड हेल्प कर सकूँ ठीक है तो गैस प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा हम बहुत क्लोज है सिक्स लैक्स सब्सक्राइबर के सो ये वीडियो इतना शेयर कर दो कि गायस सिक्स लैक्स हो जाए है ना एंड लाइक्स भी भर भर के कीजिएगा कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा सो so, uh, देख लीजिए अब uh, तो मुझे एक न्यू फील्ड ऐड करना है है ना uh, मैं यहाँ पे चलता हूँ या लेट्स ऐड वन न्यू फील्ड तो मैं कमेंट्स पे चला हूँ गैस ध्यान से देखना सो डी बी डॉट वी हैव अ कमेंट्स कमेंट्स डॉट फाइंड जो भी हो बट मैं एक लिमिट यूज़ कर रहा हूँ ताकि कौन सा डेटा है हमारे पास वो मैं दिखा सकूँ सो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर देता हूँ Uh, एक न्यू यूज़र एड ओके तो बेसिकली ये जो मेरा कमेंट वाला डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ पे एक न्यू फील्ड ऐड कर रहा हूँ हाँ देखना कैसे सो इट्स अ डी बी डॉट वी हैव अ कमेंट्स डॉट अपडेट वन या अपडेट कर लेट्स को तो अपडेट वन सबको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता वी हैव दिस आई जो है फाइव ठीक है आई मैंने दे दी फाइव एंड कॉमा में दे रहा हूँ यहां पे गए डॉलर सेट अब ऑब्वियसली मेरे पास ये वैल्यू तो होगी नहीं एंड डैट इज योर यूजर नेम या सिर्फ यूजर लिख देता हूं जहां पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से जेसी आई डोंट नो मेरे को नाम आया जस्ट एंड आई नो आपको जेसी की नहीं दिख रहा है बट इट डजेंट मैटर अब आपको दिख रहा होगा जेसी जी हाँ आपको दिख रहा है आई एम रियली सॉरी आपको नहीं दिख रहा है मैं एंटर हिट कर देता हूँ या yeah. देखिए ये वाला जो एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर दिख रहा है इसका मतलब ये कि डॉलर सेट को आपने कली ब्रेसिस के अंदर लिखा एंड देन मैंने ये दो डेटा को कली ब्रेसेस के अंदर लिखा सो so, इसका कली ब्रेसेस कहाँ है ये वाला कली ब्रेसेस यहाँ पर मैं क्लोज नहीं कर पाया ठीक है so, सो मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज करता है एंटर हिट करता हूँ एंड दिस इज इट एक मैच काउंट हो गया है एंड उसको उन्होंने अपडेट कर दिया है तो मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ तो एक, एक एक्स्ट्रा जैसी करके एक यूजर ऐड हो गया ठीक है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया जो कि बहुत अच्छी बात है सो so गईस अब हमें इसको डिलीट करना है हमारे इस फील्ड को अब डिलीट करना है ठीक है तो इट्स सुपर ईजी आपको अनसेट लिखना है एंड ये जो जेसी है इसके बदल आपको यहाँ पे वन लिख दे रहे हैं मतलब आपको डिलीट करना है एंटर हिट करोगे मैच हो गया अब मैं वापस फाइंड मेथड को कॉल करूँगा तो देखो वो चला गया यूज़र तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक यूज़र ऐड हुआ देन हमने उसको अब डिलीट कर दी तो वो डिलीट हो गया तो इस तरीके से गाइस आप फील्ड को ऐड एंड देन डिलीट कर सकते हो रीनेम कर सकते हो नाउ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जिसका मैंने आपको पीपीटी दिखाया था हाउ डू यू एड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे यूजिंग द पुस ऑपरेटर हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स जहाँ पे आपको एरे का फील्ड लिखना है एंड देन गाइस ये तो वही बात हो गई ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी सो so, uh, मैं आपको करके बताता हूँ लेट्स से मैं यहाँ पर गया ठीक है एंड देखो डोलापूस क्या है एरे की बात हो रही है ये एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है मैंने ये जो डेटा डॉलर सेट की मदद से तो मैंने एक सिंगल सिंगल फील्ड की वैल्यू को मैंने अपडेट की थी बट एरे का डॉक्यूमेंट आया आई मीन एरे या ऑब्जेक्ट रहा तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे पुश ऑपरेटर ठीक है सो कलेक्शन नाम एक फ़िल्टर देना है एंड देन आपको डॉलर पुश यूज करना है चलो ठीक है सो एक काम कर देना इसी को ही मैं एक्सेस करता हूँ अंडर कौन सा है मेरे पास हो भैया या लेट्स गो विद दिस वन ओनली ये अंडर स्कोर आई वाले को ही मैं चलता हूँ यहाँ पे ये जो कमेंट्स दिख रहे हैं मैं ये जो बेसिकली फ़िलहाल तो यहाँ पे दो ही है ना एलिमेंट मैं एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एरे के अंदर अब आप एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो कैसे होगा देखो सो वी हैव अ डी बी डॉट फाइन क्यों लिख रहा हूँ मैं सो वी हैव अ कमेंट्स डॉट अपडेट वन है, so है ना इस तरीके से मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको ऑब्वियसली फिल्टर देना पड़ेगा मैं बोलूँगा आई डी फाइव में जाना है मुझे जहाँ पे वी हैव अ डॉलर पुश ठीक है अब ध्यान से देखना जब आप डॉलर पुश लिखते हो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना है एंड ऑब्वियसली एक फंडा हमने याद है स्टार्टिंग में देखा था कमेंट्स डॉट यूजर एंड देन टेक्स्ट अगर चाहिए तो हम बहुत ईजिली उसको गेट uh, कर सकते विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स सो गैस आप देख सकते हो मैंने इसको ऊपर कर दिया ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे सो so, कमेंट्स है ये मैं एक और कर्ली ब्रेसेस यूज करूँगा अब वी हैव अ यूजर जिसका नाम होगा गाइस इवा ठीक है कॉमा देन वी हैव अ टेक्स्ट ठीक है जहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ठीक है सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड आई गेस चलो सही है एंटर हिट की सो वी मैच का एक काउंट मैच हो गया ऑब्वियसली मैच होना ही था एंड देन मॉडिफाइड भी इसने कर दी तो अब अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा एंड देट इज ये वाला जो एक एक्स्ट्रा कोड आपको दिख रहा है गाइस ये जब मैं सी कर रहा था ना तो गलती से वो ऐड हो गया ठीक है इसलिए वो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए बट दी बेस्ट पार्ट ये कि मुझे मेरा यूज़र इस तरीके से मिल गया जो कि बहुत अच्छी बात है सो so, अब मुझे पॉप करना है चलो ठीक है देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो एक पोर्सन है इसको लेट्स ट्राई टू पॉप दिस आउट ठीक है ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग होगा बट इतना चैलेंजिंग भी नहीं है सो so, कैसे होगा पॉप का जो सिंटेक्स है सो वी हैव टू राइट द डॉलर पॉप एंड देन उस फील्ड का नाम अरे तो चलो ठीक है सो लेट्स गो विद डी वी डॉट वी हैव अ कमेंट्स ठीक है डॉट अपडेट वन अपडेट वन ठीक है यहाँ पे आपका डेटा आएगा इस तरीके से जहाँ पे अंडर स्कोर आई डीज फाइव डॉलर पॉप कॉलन इसमें आपका वो जो कमेंट वाला जो फील्ड है ठीक है वी है बक कमेंट्स एरे का फील्ड एंड देन वन सो अगर मैं ये करता हूँ एंड देन मैं अब इस तरीके से करता हूँ तो कैसे देखो वो चला गया ठीक है वो जो डेटा था ये वाला जो डेटा था ये जो है बहुत ईजिली पॉप हो गया सबसे लास्ट एलिमेंट को हमने पॉप कर दी बट ये वाला डेटा अभी भी है तो अब इसको वापस आप इसको रन करो अब आप ध्यान से देखना एंड बोंगा इसी मेरा चला गया वो देखो देखा ये भी मेरा चला गया ना क्योंकि ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट था तो मैंने इसको दो बार चला दिया जिससे पहले में मेरा ये वाला जो डेटा था यूज़र ईवा जिसको मैंने खुद से ऐड की थी वो डिलीट हो गई सेकेंड टाइम में ये वाला जो था वो मेरा डिलीट हो गया तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम एंड ईजी ईजी ही था ये बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड uh, देखो ध्यान से देखना नाउ अपडेटिंग ऑफ फील्ड विद इन एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स देखो कैसे आपको अपडेट करना है टेक्स्ट की जो वैल्यू है विद इन एंड कमेंट्स एरे इक्वल टू ऑसम आर्टिकल वेयर दी आई डी इज़ डॉलर इक्वल टू सेवन एंड यूजर नेम इज़ एल आस एक काम करता हूँ uh, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ठीक है सी एल एस कमेंट्स को uh, रहने दो यहाँ पे हम चलते हैं मैं पेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे यूज़र नेम होगा एल एस एंड आई डी होगी इतने आईडी है भी क्या अरे एक सेकेंड में एंड ऑपरेटर यूज नहीं कर सकता आप एक कॉमा दे दीजिए तो एलेस इज नॉट डिफाइंड एंड बाय द वे यूजर नेम करके ऐसा कुछ है भी नहीं आई थिंक इट्स एक सेकेंड सो so, मैं जल्दी से ये करना चाहता हूँ मुझे देखना है क्या ये सो वी हैव अ ओके सॉरी इट्स अ कमेंट्स डॉट यूज़र ना आई एम रियली सॉरी इट्स अ कमेंट्स डॉट यूज़र एंड देखो डॉट यूज़ करते ही चला गया वो तो अब मुझे यहाँ पे कोड्स यूज लगेगा ही लगेगा एंड इट्स एल एस कैपिटल ए ठीक है एंड हीट करूंगा तो मुझे डेटा आ गया तो मुझे क्या करना है ना इसको फिल्टर करना है बेसिकली जिसका आई डी हो साथ जिसमें यूज़र का नाम हो एल एस तो बेसिकली आई डी जिसका साथ हो एंड यूज़र नेम अगर एल एस हुआ तो उसका जो टेक्स्ट है मुझे अब इसको अपडेट करना है इसको मुझे अपडेट करना है किस में ऑसम awesome आर्टिकल में अभी किस में है वो अभी ऑलरेडी ऑसम आर्टिकल में ही है तो एक काम कर तो ऑसम के बदले ऑसम awesome थापा लिख देता हूँ समझ गए क्या कहने की कोशिश करो अब आपको फिल्टर लगाना है जिसमें आई डी सात हो जिसमें यूजर का नाम एल एस हो एक काम कर हूँ जिसमें यूजर का नाम विनोद हो एंड देन थैंक्स फॉर शेयरिंग के बदले uh, ये मैं लिख देता हूँ ऑसम थापा लिख देता हूँ मैं ठीक है मुझे सिर्फ अब इस टेक्स्ट को अपडेट करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो बट हम कैसे कर सकते मैं आपको बताता हूँ एंड ये हम कर सकते विद द हेल्प ऑफ तो अगेन हम स्टार्टिंग में देख चुके थे हम ये डॉलर सेट की मदद से कर सकते सो एरे फील्ड डॉट डॉलर डॉट टेक्स्ट बस आपको, ये बस ये बस आपको, ये आपको CLS, ना ये जो डॉलर दिख रहा है बस ये ऐड करना है बस आपको ये ऐड करना है एंड देन आपका अपडेटेड टेक्स्ट आपको मिल जाएगा ठीक है देखो कैसे सी एल एस इस जगह पे है ना ये जो फ़ाइन के बदले मैं कर दूंगा यहाँ पे अपडेट वन ये मेरा पहला फिल्टर वाला क्वेरी ये मेरा दूसरा जहाँ पे वी नीड टू राइट द डॉलर सेट इस तरीके से अब ध्यान से देखना यहाँ पे आपको लिखना है कमेंट्स डॉट डॉलर डॉट क्या चेंज करना है हमें टेक्स्ट फील्ड को चेंज करना है ना किस में चेंज करना है ऑब्वियसली यहाँ लेट्स को भी तो अभी कुछ भी लिख दो आप असम थापा है न असम थापा एंटर हिट कर रहा हूँ बता रहा है कि अब एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग है सो स्पेलिंग इज़ रॉन्ग जहाँ पे वी हैव अ अपडेट अपडेट वन सेट कम एंड एंटर हिट एंड दिस इज़ इट मेरा काम हो गया है अब अगर मैं वापस यहाँ पे चलूँगा ठीक है ओके uh, okay, मैंने विनोद कहा था बट मैंने एल कर दिया बट सी नाउ इट्स अ ऑसम थापा तो आप देख रहे हो कि ये कितना ज़्यादा ऑसम था कि मैंने अब सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ मतलब कमेंट्स डॉट टेक्स्ट एंड ये जो डॉलर ऑपरेटर है ना ये है आपका पोजिशनल ऑपरेटर बेसिकली जो डॉलर साइन है ये आपका है पोजिशनल ऑपरेटर जो कि इंडेक्स का काम कर रहा है जो भी फिल्टर आपने दिया है उसका इंडेक्स नंबर अगर आप ये पोजिशनल ऑपरेटर यूज करते हो तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाता है सो इट्स लाइक अ कमेंट्स इंडेक्स नंबर में आ जाएगा आपका वन डॉट टेक्स्ट क्योंकि ये यूजर जो है वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है समझो इसलिए आपको ये डॉलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप इस तरीके से एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो सो या गाइस ये था आपका अपडेट ठीक है नाउ वी हैव अ डिलीट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लाइक डिलीट वन या तो डिलीट मेनी जिसमें आप एंड हाँ ए, एक चीज़ देखो डिलीट वन में फिल्टर देना है डिलीट मेनी में आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स uh, को एक साथ डिलीट uh, कर सकते हो सो ओवर हियर वी हैव अ डिलीट ठीक है तो आप देख सकते हो इन मोंगो डी विद डिलीट ऑपरेशन एक सेकेंड ये जो डिलीट ऑपरेशन से आई यूज टू रिमूव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ध्यान से देखो कलेक्शन से डॉक्यूमेंट को रिमूव करने के लिए दे आर टू मेन मेथड्स टू परफॉर्म डिलीशन डिलीट वन एंड देन डिलीट मेनी समझ रहे हो कलेक्शन से डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए अगर आपको कलेक्शन uh, के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो आप सिंगल डिलीट वन यूज करो अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना है देन आप डिलीट में नहीं यूज़ करो सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है इट्स सुपर ईजी है ना आपको खाली एक फिल्टर पास करना है जब आप एक को आपको डिलीट करना हो है, है ना एंड देन मल्टीपल करना हो तो एक फिल चिपका दो जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ लेट्स uh, uh, एक काम करते ना uh, हमारा एक काम करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ हमारा ये जो फाइंड मेथड है इसमें कुछ ऐसा है कि जिसको मैं डिलीट कर सकता हूँ एक काम करते कि मेरा ये जो डेटा है ये ये जो पार्ट है मेरा ये ठीक है ये वाला जो मेरा डेटा है लेट्स डिलीट दिस पार्ट ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिलीट करते हैं ठीक है थीके? जो जिसकी आई डी वन है तो सी एल एस मैं यहाँ पे चलता हूँ देखना मैं लिखता हूँ डिलीट डिलीट वन जहाँ पे वेट द अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू वन एक सेकेंड वो गायब हो गया एंड दिस इज इट एक्नोलिज ट्रू मैं अगर फाइंड करता हूँ तो अब वो नहीं मिलेगा मुझे अंडरस्कोर आई डी वन वाला मेरा गायब हो गया ठीक है वो मेरा गायब हो गया तो इस तरीके से आपने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट को ही डिलीट कर दी अब आपके माइंड में आ रहा होगा मुझे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक ये जो फील्ड है उसको डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट नहीं बोलते हम उसको अपडेट बोलते हैं एंड वो हम ऑलरेडी हमने देख ली कि आप फील्ड का नाम को कैसे रीनेम कर सकते हो या फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते याद है अनसेट अनसेट कुछ याद आ रहा है जो मैंने करके दिखाया था है ना वो कोड वाला जो डॉलर पॉप भी मैंने आपको करके दिखाया था या आई गेस मैंने आपको अनसेट दिखाया या नहीं गाइस लेट्स को विथ हियर तो मैं जल्दी से काम करता हूँ मेरा ये जो मेटा डेटा फील्ड है जिसकी आई डी अंडर स्कोर सिक्स है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर फील्ड को रिमूव करना चाहता हूँ ठीक है तो जल्दी से ये हम कर लेते हैं डी वी डॉट वी हैव अ कमेंट्स डॉट ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अपडेट अपडेट वन है ना यहाँ पर मैं चलता हूँ जहाँ पर अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू योर सिक्स कॉम है ना डॉल अनसेट जहाँ पर फील्ड का नाम है आपका गाइस मेटा डेटा इक्वल टू वन मेरा काम हो गया मैंने एक सेकेंड uh, मैंने ये जानबूझ के किया क्योंकि अब आप देखोगे मेरा जो अंडर स्कोर सिक्स है ना उसमें मेटा डेटा नहीं है उसमें एक फील्ड नहीं है डैट इज़ मेटा डेटा अब आपको मज़ा आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ये जो मेरा आप डेटा देख रहे हो मैं मल्टीपल डेटा को डिलीट कर सकता हूँ ठीक है तो या गई आप देख सकते हो कि मैंने जो एक मेटा डेटा फील्ड था उसको मैंने आपको डिलीट करके दिखा दी मुझे अब ऐसा लग रहा है शायद मैं उस उस समय अनसेट वाला दिखाना भूल गया था बट देखो ईजी था वो ठीक है सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अब मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना है जहाँ पर प्राइज होगा फिफ्टी ठीक है सो देखो डी बी डॉट वी हैव प्रोडक्ट्स डॉट फाइन नहीं नॉट अपडेट इट्स अ जूम कर देता हूँ डिलीट मैनी वे द प्राइज इज इक्वल टू हाउ मच फिफ्टी फाइव एंड या दिस इज इट देखो एक्नोलेज हुआ ट्रू एंड उसने टोटल छः डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दी अगर हम डिलीट वन यूज करते हैं ना सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होता बट डिलीट मैंने छः डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दी या गाइज दिस इज इट तो हमने हमारा कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया आई नो ये सिर्फ कहने को कर था बट हमने इन डेप्थ एक एक चीज़ एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझा एंड जाना अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडेक्सेस ऑल आउट गाइज तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडेक्सेस इन मोंगो डीबी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत जगह आपको इसको सुनने का नहीं मिलेगा बट फिर भी हमें समझना जरूरी है कि इंडेक्सेस भी कुछ होता है सो वाट आर इंडेक्सेस बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेस मैनेजिंग इंडेक्सेस यूनिक टेक्स्ट इंडेक्स वेन नॉट टू यूज इंडेक्सेस ठीक है सो वाट आर इंडेक्सेस देखो ऑल राइट सो नाउ इंडेक्सेस आर स्पेशलाइज डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑप्टिमाइज डेटा रिट्रेबल स्पीड इन मोंगो डी समझ रहे हो सो इंडेक्सेस क्या गाइस इंडेक्सेस आर स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर वो एक स्पेशलाइज्ड डेटा structure that डेट data डेटा speed स्पीड इन मांगो so, सो uh, इंडेक्स का मेन काम ये है कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका जो भी क्वेरी होता है उसको ये स्पीड अप कर देता है एंड वो किस तरीके से करता है बाय क्रिएटिंग इंडेक्सेस बाय या सिंबल कह सकते हो इंडेक्स को क्रिएट करके है ना सो इंडेक्सेस स्टोर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ डेटा इन द मोस्ट सर्चेबल फॉर्मेट तो ये इंडेक्सेस क्या करता है फ्रैक्शंस मतलब टुकड़ों में डेटा स्टोर करता है और वो भी इस तरीके से जिससे सर्च करने में और ज़्यादा इजी हो जाए है ना नाउ दे एनेबल मोंगो डिबी टू लोकेट डेटा फास्टर ड्यूरिंग क्वेरीज ऑब्वियसली मेन काम ये समझो जो भी क्वेरी आप करते हो परफॉर्म उसको करने में लेट से अगर आपको 10 सेकेंड लगता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस आप उसको पाँच सेकेंड या तीन सेकेंड में कर सकते हो सिंपल आप इंडेक्स को इस तरीके से समझ सकते हो हाँ लेकिन इंडेक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए वो भी समझना ज़रूरी है दैन वी हैव दिस इंडेक्सेस आर सपरेट फ्रॉम कलेक्शंस एंड मल्टीपल इंडेक्सेस कैन एग्जिस्ट पर कलेक्शन ये जो इंडेक्सेस होता क्या इसे कलेक्शन से अलग होते हैं मेरे पास इसका एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना मैं आपको दिखाता बट ये थोड़े अलग ही स्टोर होता है इसका थोड़ा सा अलग फंड है जैसे बताया ना कि फ्रैक्शन ऑफ डेटा स्टोर करता है इन अ मोर सर्चेबल फॉर्मेट जिससे सर्च करना और ज़्यादा ईजी हो जाए है ना एंड uh, एक ही कलेक्शन के अंदर मल्टीपल इंडेक्स को हम क्रिएट करके रख सकते हैं ठीक है थीके? आइडिया आपको इंडेक्स का सिंपल आइडिया आपको पता चल चुका है नाउ द बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेस आप देख सकते हो फास्टर क्वेरी क्योंकि ऑब्वियसली ये सर्चेबल uh, फॉर्मेट में शो करके रखता है डेटा को तो फास्ट uh, सर्च uh, हो जाएगा देन वी हैव एफिशिएंट सॉर्टिंग क्वेरी की बात अगर हम करते हैं ना ऑब्वियस है अगर कोई चीज़ एक मैनर में लाइक वन टू थ्री फोर है ना एंड मुझे चाहिए थ्री तो मैं डायरेक्टली एक दो और तीसरे पे चला जाऊँगा है ना या लेफ्ट से एक से लेके दस तक था लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा एंड मुझे थर्ड इंसान चाहिए तो मैं दस नौ आठ नहीं आऊँगा मैं डायरेक्ट एक दो तीन जाऊँगा ख़त्म क्योंकि मुझे मालूम है असेंडिंग ऑर्डर में है ये ठीक है लेकिन वहीं पर ही एक पाँच सात आठ तीन ऐसे होता तो मुझे नहीं मालूम अब है ना तो वो आपका नॉर्मल मंगो डी है एंड देन जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्चेबल फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है डेटा को अलग ही जगह पर वो आपका इंडेक्स है मैं अभी करके बताऊंगा एंड ये जो इंडेक्स वाले टॉपिक को गाइस आप एकदम चाहो तो डेप्थ में जा सकते हो नहीं चाहो तो नहीं भी जा सकते हो ठीक है वो एकदम ये थोड़ा अपर लेवल पे आ जाएगा अपर नहीं बोलूंगा बट ठीक है सो इम्प्रूव्ड एग्रीगेशन तो ये एग्रीगेशन तो हम अभी तक पढ़े नहीं बट पढ़ो अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेशन है एग्रीगेशन में आपका जो भी क्वेरी होता तो है उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देता है इट्स लाइक अ एग्रीगेशन में मतलब कि अब हम चेनिंग मैथड यूज़ कर सकते हैं जैसे जाट में हम मैप मैथड लगाते हैं जो मैप का रिजल्ट है फिर फिल्टर मेथड लगा देते फिल्टर का जो रिजल्ट है उसको हम रिड्यूस मेथड लगा देते तो जावास्क्रिप्ट में ये मैप एरे रिड्यूस यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों को अगर हम एक साथ यूज़ कर सके तो मज़ा आ जाता है ना तो वही है आपका एग्रीगेशन जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ओ ओ माय माइकोटिया ये वाला आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा इमेज वहाँ पे आ गया है बट आई कैन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स सिंग ऑन मल्टीपल फील्ड्स अब ऑब्वियसली मल्टीपल फील्ड्स में इंडेक्सिंग लगा दोगे तो सर्च करना ईजी हो जाएगा सो so, uh, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ uh, ठीक है ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए मैं मेरे सी एम डी चल रहा हूँ एंड uh, मैं यहाँ पे देखूँ तो ज़रा चलो ठीक है ध्यान से देखना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ uh, uh, आपके सर्च को और फास्ट करने के लिए आपकी क्वेरी को ठीक uh, है कैसे देखो वी हैव अ डी बी डॉट प्रोडक्ट्स क्या ये प्रोडक्ट्स ओ माई गॉड प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड सिंपल प्राइस है ना एंड ऑब्वियसली कल बेसिस लगेगा सो वी हैव अ प्राइस वो माई गॉड क्या हो रहा है ये है ना प्राइस जहाँ पे वेर द प्राइस इज ग्रेटर देन हाउ मच लेट्स गो विथ हंड्रेड सो वी हैव मल्टीपल डेटा हमें बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला मैं काउंट कर देता हूँ जिससे पता चले कितना आने वाला सो नौ हज़ार दो सौ सोलह आप देख सकते हो नाइन यहाँ पे आप देख सकते हो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन ठीक है अब मैं अब मैं ना अब आप आपको एक चीज़ बताता हूँ जब भी आप इस तरीके से लिखते हो तो ये मुझे डेटा आ रहा है लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए हमारे मोंगोडीवी ने कितना समय लिया होगा या हमारे मेमोरी में कितना इसका लोड आया होगा समझ रहे हो वो डेटा अगर मुझे मिल जाए तो वो हम पता लगा सकते कैसे उसके लिए इधर यू कैन राइट डायरेक्टली यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन लिख सकते हो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इस तरीके से है ना ऑल राइट क्या पता है एग्जीक्यूशन इज नॉट अ फंक्शन एंड मैं बताना चाह रहा हूँ सॉरी एग्जीक्यूशन नहीं था वो एक्सप्लेन था ठीक है सो इट्स एक्सप्लेन ठीक है ध्यान से देखना द मोमेंट मैन एक्सप्लेन लिखा तो आ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही देखो नेम स्पेस क्या है डॉट प्रोडक्ट्स इंडेक्स का फिल्टर क्या है मैंने क्या क्वेरी पास की थी है ना मेरा क्वेरी क्या, क्या है की, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे, है डेट इज़ योर विनिंग प्लान जहाँ पे हमारा जब भी मैंने ये वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म की ये कौन सा ऑपरेशन था ये था आपका कॉलम कॉल स्कैन मतलब आपका जितने भी कॉलम्स है ये क्या एक पहला कॉलम ये मेरा दूसरा कॉलम काइंड kind ऑफ of, आप समझ रहे हो तो जितने भी डेटा था उन सबको इसने सर्च किया होगा यहाँ पे कॉलम स्कैन फिल्टर क्या किया इसको फिल्टर की डायरेक्शन कौन सा हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन uh, फिल्टर इधर ही है आपका फाइन प्रोडक्ट्स फिल्टर ये डेटाबेस होस्ट बता रहा है एंड और कुछ है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मैं आपको दिखा सकूँ वी हैव नथिंग बट एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हम कॉलम वाइज स्कैन कर रहे हैं ठीक है कौन सा तरीका है स्कैन फिल्टर क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन uh, कौन सा है सब कुछ यहाँ पे अब इसको और बेटर और डीप में समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर uh, आप पास कर सकते हो दैट इज एग्जीक्यूशन एक काम करता हूँ इसको मैं सील कर देता हूँ ठीक है एग्जीक्यूशन का जो एस होगा एग्जीक्यूशन uh, के बाद जो स्टेट्स आता है उसका जो एस होगा वो कैपिटल होगा सो इट्स अ कैमल केस सो गाइस सिंपल अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो अब आप, आप देखना मुझे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट uh, आ रहा है दैट इज योर एग्जीक्यूशन स्टेट्स ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे जो कि बहुत ही औसम awesome है है ना एंड uh, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओवर ही देखो सेम वही है ऊपर से हम चलते हैं नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन सक्सेस मतलब ये ट्रू मतलब एग्जीक्यूशन परफेक्ट हुआ डेटा जो रिटर्न हुआ था वो इतना हुआ जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था हमें नौ हजार दो सौ सोलह डेटा वो रिटर्न कर रहा है ये डेटा को रिटर्न करने के लिए उसने कितने डॉक्यूमेंट को सर्च किए सो टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिंड मतलब टेन थाउजेंड थ्री फोर्टी नाइन को उसने सर्च किया चेक किया कि ग्रेटर देन हंड्रेड कितने हैं उसको टोटल इतने रिटर्न मिले तो इसको सर्च करने में इसको कितना समय लगा एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड इज नाइन मिली सेकेंड्स उसको इतने मिलीसेकंड्स मिली सेकेंड्स लगे सारे डॉक्यूमेंट को सर्च करके इतना रिटर्न करने में ठीक है एंड अब uh, देखो ये फिर से एग्जीक्यूशन स्टैक्ट्स के अंदर उसने कौन सा सर्च किया उसने सारे कॉलम वाइज स्कैन किए सबको जिसमें से फिल्टर मेरा ये था कि प्राइस ग्रेटर देन हंड्रेड होना चाहिए रिटर्न इतने हुए एग्ज ये थोड़ा सा ठीक रहन रहने दो बट वर्क्स इतने डॉक्यूमेंट को सर्च किया है ना एंड डायरेक्शन था उसका फॉरवर्ड तो कहने का मतलब है कि उसको नौ मिली सेकेंड्स लगे जिसमें से उसने सबको सर्च की तब जाके इतना रिटर्न हमें आया है तो अब इसमें क्या होता है कि चलो ठीक है यार ये तो मैंने थोड़ा ना ब्रॉड वाला लिख दिया कि भाई प्राइस लेस देन हंड्रेड मतलब ये बच्चों वाला काम हो गया कि जहाँ पे लोग बड़े बड़े दाव में खेल रहे हैं मैंने बोला कि लेस देन सौ तो फिर काइंड ऑफ सभी डेटा उसके अंदर आ जाता है लेकिन समटाइम्स आप कुछ ऐसा क्वेरी लिखते हो या ऐसे फील्ड को टारगेट करते हो जहाँ पर आपको बहुत क्लियर मालूम है कि यार अगर इसके अंदर भले ही एक लाख प्रोडक्ट्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो उसमें अगर मैं स्टार्टिंग के दस हज़ार को भी सर्च करूंगा ना मेरा काम हो जाएगा मुझे कंप्लीट एक लाख को सर्च करने की जरूरत नहीं है समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जहाँ पे अगर आपका काम स्टार्टिंग के चार पांच डॉक्यूमेंट को सर्च करके हो जा रहा है वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को सर्च करने की नीड नहीं है एक्स्ट्रा लोड देने की नीड नहीं है तो वहाँ पे हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं तो ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है इसको कम करने में आपका इंडेक्स काम करता है एंड उसी के लिए ही हम इंडेक्स यूज करते हैं फंड आपको पता चल गया ठीक है सो ओवर वी हैव मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वी हैव uh, देखो ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया एक्सप्लेन लिखने से क्या है आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी अगर आप एग्जीक्यूशन स्टैट्स लिख दोगे तो एक अलग ही लेवल का टाइमिंग सब कुछ आपको मिल जाता है है ना सो वी हैव दिस एयर फ्रायर वाला ए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ इस जगह पर पेश कर देता हूँ क्या ये बी इज़ नॉट डिफाइंड ओके सॉरी इट्स डी बी है, okay, uh, है ना सो so, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो इसने मेरा एग्जीक्यूशन टाइम का जो है देखो ओ माय गॉड दिस इज इट देखो आपने देखा एक चीज नोटिस की जहां पे मेरे को रिटर्न हो रहा है सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट मतलब मेरे को ये तीन डॉक्यूमेंट पाने के लिए मैंने तेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन डॉक्यूमेंट को सर्च किए अब आप सोचो क्या हो अगर ये जो मेरे तीन डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग के हंड्रेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही थे होंगे तो मतलब स्टार्टिंग के हंड्रेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही अगर मुझे ये तीन डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिसमें मेरा नाम है एयर फ्रायर तो मैं भाई बाकी के ये नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड डॉक्यूमेंट को क्यों सर्च करूँ फालतू में समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो ये इस टाइप की परेशानी को यू you नो know, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है यार इतने सारे डॉक्यूमेंट सर्च करके सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट मिल रहा है क्या फ़ायदा है ये क्यों मैं इतने फालतू टाइम वेस्ट करूँ अपना समझ रहे हो ग्रेटर वाले में तो चलो फिर भी ठीक था नौ हज़ार रिटर्न हो रहा है बट यहाँ पे सिर्फ तीन रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे हमें इंडेक्स का बहुत मस्त काम आने वाला है तो ध्यान से देखो तो अब हम आ, इंडेक्स को मैनेज करना है हम इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे इंडेक्स आपको पता चल गया कोई एक ऐसा फील्ड जो आपको मालूम है कि ये भाई ज़्यादा डेटा रिटर्न नहीं करने वाला है कम ही करेगा और काम हो जाएगा तो वहाँ पे हम उसको इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं उसका सो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट इंडेक्स एंड देन फील्ड का नाम देना है उसके आगे वन लिख देना है अगर आप वन लिखते हो तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपका इंडेक्स क्रिएट होकर शॉट हो जाएगा एंड देन अगर आप नेगेटिव वन लिखते हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा सो so, अगर आपको इंडेक्स को गेट करना हो तो वी हैव अ गेट इंडेक्सेस जो ऑलरेडी अगर प्रेजेंट हो या नहीं एंड दिस इज इट अंडर स्कोर इज़ अ डिफॉल्ट इंडेक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अंडर स्कोर मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि भाई ना तो मैं अंडरस्कोर आई बनाता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ वो हमेशा उधर है जब हम प्रोजेक्शन देख रहे थे वहाँ पे भी मैं सिर्फ अंडर स्कोर एक एक्सेप्शन है मैंने कहा था जिसके लिए आपको जीरो लिख सकते हो है ना वरना इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन या तो आप प्रोजेक्शन में खाली इंक्लूड uh, करो जीरो वन 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 या तो एक्सक्लूड करो बाय राइटिंग जीरो 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 सिर्फ एक अंडर स्कोर था जिसको आप वन जीरो कुछ भी कर सकते हो ठीक है so, सो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है जो मोंगो डीबी हमें बना के दे रहा है ताकि किसी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एंड अगर आपको इंडेक्स को डिलीट करना हो हमेशा की तरह बताया डेटा बेस मोंगो डीबी में आपको ड्रॉप यूज होगा ड्रॉप डेटाबेस कलेक्शन डॉट ड्रॉप ड्रॉप यू नो सो ये ऑल्सो वी हैव दिस ड्रॉप इंडेक्स या ड्रॉप इंडेक्स फील्ड का नाम या फील्ड इक्वल टू वन आप इस तरीके से इसको कर सकते हो ठीक uh, है यहाँ पे हम चलते लेट्स गो विथ ओवर हियर सो मेरे पास डेटा है है ना मैं यहाँ पे चलता हूँ देखो ये मैंने आपको करके बता दिया ये हमने देख चुका है ये मैंने देख ली देखो जब मैंने उस समय क्या था तो मुझे 18 सेकेंड्स 18 मिली सेकेंड्स आ रहा था अभी तो मुझे नो आ रहा है बट uh, कोई नहीं इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट इंडेक्स बता चुका हूँ डे बी डॉट फील्ड का नाम इक्वल टू वन वो मैंने आपको दिखा चुका है एंड लेट्स क्रिएट अ इंडेक्स ऑफ फॉर नेम देखो हम नेम के लिए इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है सो वी हैव अ क्रिएट इंडेक्स एंड देन फील्ड एंड देन वन में कर रहा हूँ मैं चलो ठीक है क्योंकि मुझे पता चल गया ना अभी थोड़ी देर पहले ये जो नेम है एयर फ्रायर मैंने सर्च किया था अगर मैं नेम फील्ड को अगर मैं इंडेक्स कर दूंगा मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड ये जो ए है वो क्या है ये तो सबसे पहले आता अगर मैं असेंडिंग में कर दूंगा तो और मेरे लिए फायदा है ठीक है so, सो देखो कैसे है ना ऑब्वियसली so, uh, uh, ए की वर्ड है ये सो वी हैव अ डी बी डॉट प्रोडक्ट्स ए उससे पहले उससे पहले उससे पहले मैं जल्दी से ये दिखा दूँ कि ऑलरेडी कोई इंडेक्स है या नहीं प्रेजेंट सो गेट इंडेक्सेस ठीक है गेट इंडेक्सेस सो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट गेट इंडेक्सेस है ना सो लेट्स सी ये देखो गाइस वी हैव वन एंड दैट इज योर अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू वन सो दिस इज योर की एंड दिस इज योर नेम बेसिकली बाई डिफॉल्ट आपको अंडरस्कोर आई डी मिल रहा है जो कि ये भी एक इंडेक्स है पहले से ही समझ रहे ये भी एक इंडेक्स है जो कि हमें मांगो डी भी दे रहा है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें एंड इसके भरोसे हम सर्च कर रहे तो ये बाई डिफॉल्ट एक इंडेक्स है अब आपको पता चल गया है क्या ये एक बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं तो लिखा होगा देखो डिड यू रिलाइज डैट अंडरस्कोर आई डी मैं एक काम कर देता हूँ सो so, अब आपको क्लियर दिखेगा तो आप नोटिस करो डिड यू रियलाइज डेट अंडर स्कोर आई डी इज ऑलरेडी देअ एंड ये जो है इज ऑटोमेटिकली एडेड बाई मोंगो डी बी एंड इट्स अ डिफॉल्ट यूनिक इंडेक्स अब आपको पता चल गया फाइनली यहाँ पे आके आपको पता चला कि ये बाई डिफॉल्ट हमें मोंगो डी बी दे रहा होता है एंड ये क्या है आपका एक इंडेक्स है ठीक है तो अब मैं इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूँ सो वी हैव अ डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स सो क्रिएट इंडेक्स इज इट इंडेक्स या इंडेक्स आपको कली फील्ड का नाम देना है एंड दैट इज़ योर नेम अब आपको एसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए एंड या दिस इज़ इट सो मेरा एक इंडेक्स मैंने क्रिएट कर ली है जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने गेट इंडेक्सेस किया था तो मुझे अब दूसरा भी मिल गया जहाँ पे मेरे को एक और मेरा इंडेक्स बन के रेडी है अब ध्यान से देखना यहाँ पे मेरा काम हो चुका है गेटिंग इंडेक्सेस मैं रिमूव नहीं करूँगा फिलहाल अभी लेकिन वही सेम चीज़ मैं आपको वापस यहाँ करके दिखाता हूँ ठीक है ये देखो एग्जीक्यूशन स्टेट्स मैंने अब नेम को इंडेक्स क्रिएट कर चुका है सो आफ्टर क्रिएटिंग अ इंडेक्स अब अगर मैं वापस नेम फील्ड को फिर से सर्च करता हूँ तो अब आप ध्यान से देखना गाइस आपको मजा आ जाएगा ठीक है सो दिस इज योर एग्जीक्यूशन स्टैट्स जहाँ पे अब आपका जो स्टेज है वो क्या है फैच है ठीक है लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा इनपुट वाला देखो इनपुट स्टेज ध्यान से देखना पहले हम कॉलम स्कैन कर रहे थे कॉलम वाइज स्कैन कर रहे थे ना अब हम आई एक्स मतलब इंडेक्स को स्कैन कर रहे जहाँ पे टोटल डेटा हुआ रिटर्न तीन जहाँ पहले भी हो रहा था एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड्स गॉड, और थर्टी कैसे आ रही है और इज दिस पॉसिबल ठीक है ये गाइस, आई डोंट नो ये कैसे हुआ बट नहीं आना चाहिए इतना ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि देखो डेटा तीन रिटर्न हुआ है uh, मैं आपको दिखा हूँ मैं अगर आपको दिखा हूँ सो ओब मिली सेकेंड्स ट्वेंटी नाइन या देखो डॉक्यूमेंट जो टोटल एग्जामिन किया सिर्फ तीन एक चीज तो आपने नोटिस की अब एंड डेट इज कि अब सिर्फ और सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट को ही इसने एग्जामिन किया एंड उस तीन में मुझे ये मिल गया थोड़ी देर पहले गाइस क्या हो रहा था पूरे के टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन कुछ को वो एग्जामिन कर रहा था इस बार इसने सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट को सर्च किया एंड उसने वो तीन रिटर्न कर दी बट फिर भी ये जो टाइम है गाइस ये बहुत ज़्यादा आ रहा है जो कि आई uh, गेस नहीं आना चाहिए था सो आई डोंट नो ये कैसे हुआ बट आई होप आपको पता चल गया एटलीस्ट ये तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप इंडेक्स क्रिएट कर लेते हो uh, अब इनपुट स्टेज फाइल्स है ना uh, इतना तो गारंटी है कि अब आप अगर देखोगे जो भी डेटा वो एग्जी डॉक्यूमेंट uh, को एग्जामिन कर रहा है वो सिर्फ तीन ही कर रहा है ठीक है मतलब उतना पूरा उसको नहीं कर रहा वो वापस एंटर हिट करता हूँ वो माई गॉट या दिस इज़ इट दिस इज़ इट मैं यही आपको दिखाना चाहता था सी ना वी आर गेटिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड जीरो वो मैंने थोड़ी देर पहले थर्टी कैसे आई डोंट नो कैसे नहीं आना चाहिए वो बट डे टोटल जो डॉक्यूमेंट हुआ सिर्फ तीन को उसने स्कैन किया देखा वो भी इंडेक्स वाइज सिर्फ तीन को स्कैन किया uh, कहाँ गया वी हैव अ बेसिकली वो भैया टोटल डॉक्यूमेंट एग्जाम इन तीन एंड तीन उसने रिटर्न की सो दिस इज द पावर ऑफ योर इंडेक्स ठीक है जिससे आपको पता चल गया टाइम कितना कम हो गया एंड फालतू में वो दस हज़ार को सर्च नहीं करना है शुरू में मिल गया मिल गया बात खत्म बाकी मत सर्च करो तो ये फंडा रहता है एंड वी कैन रिमूव द इंडेक्स बाय सिंपली यूजिंग ड्रॉप इंडेक्स एंड ऑब्वियसली अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने क्रिएट की थी उसको मैं चाहूँ तो ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरीके से है ना बाय राइटिंग ड्रॉप इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स सेम था बट अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप हो जाएगा मैं वापस अगर गेट इंडेक्स करता हूँ तो मुझे अब वो नाम नहीं मिलेगा थोड़ी देर पहले मुझे दोनों मिल रहे थे है ना थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मुझे दो मिल रहा था बट अब ये वाला जो नाम है ये मैंने वापस ड्रॉप कर दिया यहाँ पे तो इस तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट इंडेक्स है उसको क्रिएट कर सकते हो एंड देन आप इस तरीके से शो so, गेट uh, कर देख सकते हो एंड देन आप उसको डिलीट कर सकते हो ठीक है सो यूनिक इंडेक्स बनाने का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है ये गाइस अब मैंने कहा ना ये इतना ही इनफ है ये बाकी ठीक है सेल्स कर देता हूँ तो uh, ये देखो मैंने जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे ऑब्वियसली हम चाहेंगे वो यूजर रजिस्टर करे जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एंड हम चाहेंगे हमारा ई मेल जो हो यूनिक हो है ना तो ये जो यूनिक कॉलन ट्रू अगर आप लिख दोगे तो कोई भी नेक्स्ट टाइम अगर रजिस्टर करेगा एंड अगर वो डुप्लीकेट ईमेल आईडी ऐड करता है तो वो ऐड नहीं होगा क्योंकि मैं मेरे ईमेल के जो फील्ड है उसको इंडेक्स बना रहा हूँ वो भी यूनिक इंडेक्स बना रहा हूँ मतलब एक से ज़्यादा ईमेल आईडी नहीं होगा वहाँ पे एंड ये सेम गाइस आप जब मोंगूस पे अपना वॉक करते हो याद है जब हम स्कीमा क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको यूनिक ट्रू मिल जाता है तो ये वही है एक तरीका है या उधर करो इधर करो बात एक ही है राइट सो या गाइस दिस इज इट यही आपका था इंडेक्सेस मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो और क्या है यहाँ पे यूनिक ये मैंने आपको बता दिया गाइस इसी फिल्ड टेक्स्ट एक सर्च वाला है जो कि आप इसको देख लीजिए गाइस ये इतना मैं नहीं बताऊँगा है ना आई uh, मीन I mean, ये मुझे नहीं लगता इतना कुछ स्पेशल होगा बट या क्रिएट इंडेक्स हो ये टेक्स्ट बनाए अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स को इट्स अ होमवर्क फॉर यू इतना मैंने अभी तक आपको होमवर्क दी नहीं दी ना इट्स अ होमवर्क फॉर यू अब सर्च करो कैसे हो सकता है ये ठीक है एंड आई होप अभी तक आपको पूरा लॉजिक पता चल चुका होगा आपको इंडेक्स कब यूज नहीं करना है इंडेक्स आपको तब यूज नहीं करना है ऑन अ यूज फील्ड मतलब आपको मालूम है यार ये कोई कोई फील्ड ऐसे जो बहुत कम यूज हो रहा है बहुत रेयरली यूज होगा है ना जो कोई इस पर शायद सर्च करे भी ना तो भाई क्यों बनाना है इंडेक्स क्यों आ, इंडेक्स क्या फ्री में बन रहा है क्या बताया ना कि इंडेक्स अपना खुद का एक सर्चेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है एक तो कलेक्शन ऑलरेडी आपके पास है ऊपर से इंडेक्स भी आप बना रहे हो तभी तो इतना जल्दी सर्च हो गया ना सिर्फ तीन जहाँ एक तरफ वो जब इंडेक्स बनाने से पहले एयर फ्रायर दस हजार को सर्च कर रहा अब आफ्टर इंडेक्स सिर्फ तीन सर्च की उसने तो कहीं तो वो डेटा स्टोर हो रहा है ना तो क्यों करना इंडेक्स फालतू का लोड क्यों देना है मतलब इतू सा बचाने के लिए आप इतना जगह खा रहे हो समझ रहे हो बिहाइंड द सीन बैलेंसिंग एक्ट इंडेक्सिंग रिक्वायर अ डिस्क स्पेस एंड मेमोरी वो बात वही है सो ओवर इंडेक्सिंग कैन लीड टू रिसोर्स स्ट्रेन एंड इम्पैक्ट ओवर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो गया एंड इंडेक्सिंग स्मॉल कलेक्शन इन स्मॉलर कलेक्शंस द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स मेंटेनेंस माइट आउटवेट द बेनिफिट गेन फ्रॉम द क्वेरिंग मतलब अगर आप कोई हार्डली आपके पास पाँच हज़ार डेटा इवन ये दस हज़ार डेटा भी ज़्यादा कुछ नहीं है टेन एट्टीन मिली सेकेंड्स थर्टी मिली सेकेंड्स क्या है कुछ है कुछ भी नहीं है बट अगर आप लाखों में प्रोडक्ट्स रख रहे हो है ना तब अगर इंडेक्स क्रिएट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिखने मिलता लेकिन छोटे छोटे अगर कलेक्शंस है तो वहाँ पे बना के भी कोई फायदा नहीं है एंड हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझना ठीक है ध्यान से देखना आ, आ, एक काम करता हूँ वी हैव इसको मैं सी एल एस कर रहा हूँ है ना सो so, अगर आपको याद होगा मैंने एक आ, इंडेक्स क्रिएट की थी आ, नाम से सो इंस्टीट्यूट ऑफ नेम मैंने यहाँ पे प्राइस का करूँगा मैं किसका कर रहा हूँ प्राइस का ग्रेटर देन हंड्रेड याद स्टार्टिंग में मैंने की थी मैंने प्राइस का एक इंडेक्स बना दिया सो so, uh, मैं अगर यहाँ पे वी हैव अ गेट इंडेक्स तो मुझे प्राइस मिल गई है ना तो अब मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो जब मैंने प्राइस वाला किया था तब मुझे uh, एक सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम कॉलम स्कैन एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड ओ भैया सो इट्स टेकिंग एलेवन मिली सेकेंड्स बट उससे ज़्यादा ही लेता है बट जो भी वो कम ले रहा है ना सो so, uh, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ अब मैं सेम वही कोड कर रहा हूँ हाँ गेट इंडेक्स नहीं ड्रॉप एक्सप्लेन या ओवर हियर एंड ये जो नेम है ना नेम मैं नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा आई नो आपको दिख नहीं रहा लेकिन हम हजार बार कर चुके हैं प्राइस कॉलन यहां पे डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हंड्रेड एंटर हिट कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या सर्च किया क्योंकि मेरे इमेज के पीछे चला गया तो आई नो सी ये हम हजार बार देख चुके हैं जस्ट इसमें मैंने ए ऐड किया अब आप ध्यान से देखना ये देखो एग्जीक्यूशन स्टेट्स डाला हुआ है मैंने ये देखो गाइस एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड थर्टी सेवन आप समझो रहे थी देर पहले जब मैंने इंडेक्स क्रिएट नहीं की थी प्राइस फील्ड का तब वो ग्यारह इवन वन तक दिखाया लेकिन द मोमेंट मैंने उसका इंडेक्स क्रिएट की थर्टी सेवन मतलब भाई टाइम कम करना था तेरे को बढ़ाना नहीं था लेकिन इसने बढ़ा दिया पता है क्यों बढ़ाया क्योंकि हमें मालूम है ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा डेटा रिटर्न कर रहा है मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि 60 परसेंट से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमें रिटर्न होने वाला है तो गाइस उसमें इंडेक्स बना के फायदा नहीं है क्योंकि वो सिक्सटी परसेंट जो है ना लास्ट के लास्ट के सेक्शन में भी हो सकता है फ्रंट में भी हो सकता है मिडिल में भी हो सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सर्च किया दस प्रोडक्ट्स को सॉरी देखो सर्च तो इन्होंने नौ को ही किया है क्योंकि मैंने इंडेक्स क्रिएट कर दी लेकिन फिर भी टाइम इतना ज़्यादा लगा इससे पहले जब मैंने की थी दस हजार डॉक्यूमेंट सर्च किया था बेसिकली सबको सर्च किया तब जाके नौ हज़ार दो सौ सोलह आया दिस टाइम इन्होंने नौ हज़ार दो सौ सोलह को ही सर्च किया लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा था जहाँ पे अगर आपको मालूम है कि मुझे जो मेरा आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है तो इंडेक्स मत बनाना जहाँ पे आपको मालूम है कि आपका जो कलेक्शन है थोड़ा छोटा है तो वहाँ पर भी इंडेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका पीसी इतना पावरफुल है कि भाई हैंडल कर लेगा उसको एंड एक ऐसे फील्ड के लिए भी इंडेक्स मत बनाओ जो कि बहुत रेयरली यूज़ हो रहा है क्योंकि इंडेक्स बनाने के लिए भी आई मीन इंडेक्स का डेटा भी एक अलग जगह स्टोर हो रहा होता है डिस्क में ठीक है सो दिस इज योर इंडेक्स होप आपको पता चल गया आपका एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए यूज होता है है ना नाउ वी हैव दिस एग्रीगेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट like है इट्स लाइक अ फ्रेमवर्क जैसे जावस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आपका एंगुलर है व्यू kind of है रिएक्ट आपका लाइब्रेरी है काइंड ऑफ फ्रेमवर्क कह लो यार क्या जा रहा है बट वैसे वैसी मंगोडीबी में एग्रीगेशन है एग्रीगेशन में आपका अब कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ना चेनिंग मेथड्स वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो सिंपल uh, है कि uh, ये एक प्रोसेस है ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड कंबाइनिंग देम टू प्रोड्यूस कंप्यूटेड रिजल्ट्स आपके डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करना कंबाइन करना ताकि एक कंप्यूटेड uh, रिजल्ट निकाल सके उसके लिए एग्रीगेशन यूज करते हैं आपको पता चल जाएगा अभी एंड वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल पाइपलाइन स्टेजेस जहाँ पे ये जो एग्रीकेशन है ना इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पाइपलाइन स्टेजेस इट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा यार मैं सिंपल बोलूँ आपको एग्रीगेशन आप कह लो ये जब आप जाबस्क्रिप्ट यूज़ करते हो जब आप चेनिंग मेथड्स यूज़ करते हो कि आपने पहले लूप लगाई मैप की मदद से आपको जो भी डेटा है आपने उसमें फ़िल्टर यूज़ उस कर दिया फिल्टर की मदद से भाई अब आप आपने रिड्यूस मेथड यूज़ कर दी कि मुझे अब एक ही डेटा चाहिए समझ रहे हो आपने मैप का जो डेटा आया वो उस वो आपका फिल्टर का टोटल डेटा था फिल्टर करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आपके रिड्यूस का टोटल डेटा था मतलब फर्स्ट स्टेज का डेटा सेकेंड स्टेज का कंप्लीट डेटा कहलाएगा सेकेंड स्टेज का जो डेटा आ रहा है वो थर्ड वाले के लिए कंप्लीट डेटा कहलाएगा कहने का मतलब ये कि थर्ड वाले तक जो डेटा आ रहा है वो पूरा फिल्टर हो हो के आ रहा है एग्जैक्ट डेटा उसके पास नहीं आ रहा है तो ये एक पॉसिबिलिटी है मोंगो डीबी में वो हम कर सकते हैं एंड दिस इज एंड वो जो एक के बाद एक वाला जो स्टेज है ना वो पाइपलाइन है वही बता रहा है ना इट्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा मतलब फर्स्ट आपने कुछ किया उसका कुछ रिजल्ट आउटपुट आया उस पर अब सेकेंड वाला अपना काम करेगा उसका जो आउटपुट आया थर्ड वाला उस पर काम करेगा ना कि जो ओरिजिनल वाला है उस पर ठीक है सो so बेनिफिट्स क्या है कॉम्प्लेक्स uh, कैलकुलेशन आप कर सकते हो एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन डेटा कैन बी कंबाइंड रिसेव्ड एंड कंप्यूटेड फॉर इंसाइट्स एफिशिएंट प्रोसेसिंग एग्रीगेशन हैंडल्स लार्ज डेटा सेट्स एफिशिएंटली ठीक uh, uh, है देखो हमारे पास एग्रीगेशन की बात आती है ना जैसे डॉलर जैसे कंपेरिजन ऑपरेटर था ग्रेटर देन फाइंड आउट करना है तो वी हैव अ डॉलर जीटी सेम उसी तरीके से एग्रीगेशन के अंदर वी हैव अ डॉलर मैच जो कि सेम आपका फाइंड मेथड जो काम करता था एग्रीगेशन के अंदर वो मैच करता है आपका काम देन वी हैव अ ग्रुप अगर आपको याद हो जावस्कृट में वी हैव दिस रिड्यूस मैथड देखो ना सेम हो ये वहीक्यूमिलेटर एक्यूमिलेटर वाला मतलब मतलब मैं आप, हर एक चीज़ का एक पार्ट है मैं आपको आता हूँ लेकिन लेट्स को विथ डॉलर मैच पहले सो so, ये जो डॉलर मैच स्टेज है इट्स सिमिलर टू द क्वेरी यूजड एज द फर्स्ट आर्गूमेंट इन फाइंड फाइंड में हम जो यूज करते थे तो मैच वही है इट फिल्टर्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन डॉलर मैच लिखना है एंड देन आपको क्वेरी लिखनी सिंपल एंड हाँ एक चीज़ नोटिस करना uh, हम फाइंड यूज करते थे याद है अब आपको डी बी डॉट कलेक्शन नेम डॉट एग्री क्या लिखना है आपको एग्री एंड देन एक चीज नोटिस करो ये एक चीज आपको दिमाग में सेट कर लेना है जब भी आप एग्रीगेशन यूज कर रहे हो ना पेरेंथेसिस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन आपका कली ब्रेसिस पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन ऑब्जेक्ट कलीब्रेसिस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ एक काम करता है देन आपका आएगा डॉलर मैच कॉलन कली ब्रेसिस आपका जो भी क्वेरी होगा वो ठीक है कैसे देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ या वी हैव दिस इंडेक्सेस ओवर हियर सो परफेक्ट देखो आ, मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ देखो हाँ देखो डॉलर मैच ये जो है क्या करता है ये स्टेज फिल्टर्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन रिट्रीव ऑल प्रोडक्ट्स विद अ नेम स्लिक हुडन टूना आपको ये प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है जहाँ पे नाम है स्लिक हुडन टूना फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ठीक है ये हमारा क्वेरी है हम यहाँ पे चलते हैं सी एल एस में कर देता हूँ डोंट वरी जूम कर रहा हूँ इसमें है ना सो वी हैव अ डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट नाउ वी नीड टू राइट द एग्रीगेट एग्रीगेट ये आपको आ, 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 आप, आपको इस तरीके से आ, क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको फिर अगेन आपको कली ब्रैकेट्स देन आपको डॉलर मैच लिखना होगा कॉलन एंड देन अगेन कली ब्रेसेस यहाँ पे आपको क्वेरी लिखना है Uh, where the name is ये हुडन हुडन टीना ये देखो नेम जिसका भी स्लिक हुडन टूना होगा मुझे वो डेटा आ जाएगा फिलहाल हमारे किस्म में सिर्फ दो ही था आई गैस सो इसलिए हमें सिर्फ दो ही डेटा आ रहा है आप देख सकते ये, हो ये सेम वही है ना डॉलर मैच इतना लंबा छोड़ा क्यों करना आप डायरेक्ट फैन के थ्रू भी कर सकते थे बट इसका बेस्ट पार्ट है कि आप इसको चेनिंग कर सकते हो अब इसका जो आउटपुट आया उसके अंदर भी नहीं वेयर द प्राइज इज ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड नहीं कर सकते आप फाइंड में बट यहाँ पे आप कर सकते हो समझ रहे हो सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अर मैच ठीक है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ सब कर सकते थे ठीक है तो ये था आपका मैच uh, मुझे और देखना है और कुछ है यहाँ पे या ओके सो रिट्रीव ऑल द प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आई नो डेटा लिखा हुआ है बट इट्स फाइन ऑल द प्रोडक्ट्स विद अ प्राइज़ ग्रेटर देन फिफ्टी प्राइज़ अगर ग्रेटर देन फिफ्टी हो तो कैसे करना है देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सेम आपका जो कोड था है ना ये ये जो पार्ट है यहां पे ध्यान से देखना मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉलर डॉलर लिखने की नीट नहीं है प्राइस कलिब्रेसिस डॉलर ग्रेटर दैन लेट्स को भी तो बारह सौ पचास हमें मालूम है सिर्फ दो ही डेटा आएगा याद देखो सॉरी दो नहीं तीन डेटा आएंगे एंड मुझे ये तीन डेटा आ गया तो आप डॉलर मैच की मदद से भी वो काम कर सकते जो हम डॉलर फाइन की मदद से कर रहे थे ठीक है सो अब हम चलते डॉलर ग्रुप सो ये जो ग्रुप स्टेज है ग्रुप्स डॉक्यूमेंट्स बाई ए स्पेसिफिड specified fields and performs aggregate operation on a grouped data इसका ना गाइस आप समझो डॉला ग्रुप मतलब आपका रेड्यूस मैथड इन जावा स्क्रिप्ट जब भी अगर आपको कोई बोले आपको मल्टीपल आपको दस बीस सौ डेटा दे दिया न्यूमेरिक डेटा एंड इसका एवरेज निकालो इसका सम निकालो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालो बेसिकली आउटपुट अगर एक सिंगल वैल्यू में आ रहा है रिड्यूस का भी तो वही कहा था ना एवरेज निकालना काउंट निकालना अब uh, मल्टीप्लीकेशन निकालना एडिशन निकालना इन सब का आउटपुट एक आता है एक एक डेटा आता है कोई तो भी मीडियम मोड जो भी एक आता है तो उस जगह पे आपको ये ग्रुप यूज करना है कैसे मैं आपको बताता हूँ ये देखो कली ब्रेसिस ये तो आप ध्यान ही रखना डी बी डॉट कलेक्शन नेम डॉट एग्रीगेट पैरेंथिस स्क्वायर ब्रैकेट्स कली ब्रेसिस ये लगाना ही पड़ेगा उसके बाद जाके आपका ऑपरेटर डॉलर ग्रुप कॉलन एंड देन कली ब्रेसिस सबसे पहला ये मैंडेटरी है डेट इज़ अंडरस्कोर आई मतलब अब यहाँ पे आपको किस फील्ड की मदद से ग्रुप क्रिएट करना है या किस फील्ड को लेके आपको ग्रुप बनाना है वो आपको अंडरस्कोर आईडी में आ जाएगा एंड देन उसके बाद ये फील्ड वन मतलब आप यहाँ पे एक अपना नया फील्ड क्रिएट कर रहे हो समझ रहे हो यहाँ पे आप एक नया फील्ड क्रिएट कर रहे हो एंड देन उसके बाद कल्ली ब्रेसिस एक्यूमुलेटर जो भी ऑपरेटर ये हमें दे रहा है वो आपको यूज़ करना है कॉलन एंड देन आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है सो so, uh, ये देखो यहाँ पे वी हैव दिस बेसिकली कोड है मैं आपको बताता हूँ डॉलर ग्रुप मैंने जहाँ पे कंपनी को लेके uh, एक ग्रुप बनाई है एंड मैंने टोटल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है बाय यूजिंग अ डॉलर सम सो देखा कितना awesome है ये मतलब लेट uh, से आपको डेटा दे दिया दस डेटा दे दिया है ना रेंडम uh, डेटा कोई भी टेन रेंडम न्यूमेरिक डेटा आपको दे दी बोला इसका सम निकालो कैसे करते आप समझ रहे हो तो वहाँ पे हम बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वो सम देखो डॉलर सम लिखा मेरे को सम मिल गया लेट्स से अगेन आपको डॉलर नॉट डॉलर टेन रैंडम नंबर्स दे दिए इसका एवरेज निकालो एवरेज निकालना है अब आप, आप आपको कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डॉलर ए बी जी ए बी जी लिख दोगे एवरेज मिल गया इतना पावरफुल है आपका ये एग्रीगेशन मैथड ठीक है तो ये अब आप मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर कुछ और है ओके यहाँ पे देखो एवरेज 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 अभी आपको पता चल जाएगा सो so गाइस अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये यह जो मेरा डॉलर ग्रुप है ठीक है सो वेन डीलिंग विद द डॉलर ग्रुप स्टेज वी नीड टू पास डॉलर साइन फॉर आवर एग्जिस्टिंग फील्ड नॉट द वन वी आर गोइंग टू क्रिएट ये अभी आपको पता चल जाएगा जो भी हो सो दिस इज योर एक्चुअल सिंटेक्स यहाँ से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा एक काम करते इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ सो वी आर गेटिंग अ डेटा ओवर हियर वी हैव दिस एकूमिलेटर ठीक है अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कुछ है यह देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव मिंग आइस देखो ये आपका फील्ड है ये आपका देखो रिक्वायर्ड ये मैंडेटरी मैंने आपको कहा था एंड ये देखो एकूमिलेटर एड टू सेट ये देखो डॉलर एवरेज बॉटम काउंट आप इवन काउंट भी कर सकते हो फर्स्ट क्या था लास्ट मैक्सिमम दस रेंडम डेटा दे दिया इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है नंबर रेंडम दस डेटा दे दिया सबसे मिनिमम कौन सा है देखो ना सब कुछ दिया है देख रहे हो एंड ये ई कॉमर्स वेबसाइट में भी आप देख सकते हो ये जो स्टार है एवरेज स्टार क्या है रेटिंग तब आप एवरेज यूज़ करो इस यही यूज़ करोगे सम आपको मिल रहा है सो so, होप आपको पता चल गया है ना सो so, uh, मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है ये अभी करता हूँ लेकिन उससे पहले uh, मैं एक काम करता हूँ गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑलरेडी मेरे पास सारा डेटा है यहाँ पे है ना जो हम करे थे एंड ऑलमोस्ट ये लास्ट है डोंट वरी ये सबसे लास्ट है बट स्टिल मैं एक uh, मैं यहाँ पर टेस्ट डॉट जे कर देता हूँ है ना सो so, ये जो क्रिएट इंडेक्स डिलीट हो चुका है इंडेक्स पे आ, मैं यहाँ पे चलता हूँ देखो मैं जानब के यहाँ पर करूँगा ये वाला जो कोड मैंने लिखा है वो भैया जहाँ पर हमने कंपनी को फाइंड आउट की है एंड टोटल कंपनी कितने हैं हर एक डॉक्यूमेंट्स में उसको हमने सर्च किया यहाँ पे। है यहाँ पर चलो ठीक है अब बाई डिफॉल्ट तो पहली बात तो ये आ जाता है डी बी एक सेकेंड ये हर बार का नाटक है डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट इज इट अ प्रोडक्ट या इट्स अ प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट आपको लिखना पड़ेगा एग्रीगेट ठीक है देखो एग्रीगेट आपको पैरेंथिस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन कली ब्रेसिस इस तरीके से देना है अब उसके अंदर आपको सबसे पहले डॉलर ग्रुप यूज करना पड़ेगा फिर अगेन आपको कली ब्रेसिस देना पड़ेगा जिसमें से सबसे पहले आपको एक आईडी देनी है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली दे आईडी दे देता हूँ ठीक है एंड ये जो मेरा आईडी होगा ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपनी आ या इट्स अ आई थिंक इट्स अ कंपनी ओ ऑल राइट इट्स अ कंपनी एंड एक चीज़ मेक श्योर करना जब भी आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो याद है जब एक्सप्रेशन भी हम यूज कर रहे थे मैंने कहा था जो भी फील्ड का नाम आप दोगे एग्जिस्टिंग फील्ड की बात हो रही है आपको डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो कंपनी एंड इज इट अ कंपनी और अ कंपनी से इट्स अ कंपनी ये मेरा की वैल्यू पेयर खत्म एंड यहाँ पे अब मैं एक एक्स्ट्रा वो ऐड करने जा रहा हूँ देखो अब मैं एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ जब भी आप ग्रुप की मदद से अगर जो भी आउटपुट आता है ना आपका एक्चुअल कलेक्शन का डेटा नहीं आएगा आपका ग्रुप जो आपने बनाया उसका डेटा आएगा सो इट्स अ फील्ड वन एंड देन एक्यूमुलेटर तो मैंने कंपनी की मदद से ग्रुप बनाई बेसिकली कॉमन कंपनी जितने भी थे वो उनका एक डेटा भी यहाँ पर ऐड होगा अब मैं बोल दूंगा टोटल प्रोडक्ट्स जहाँ पर कली डॉलर सम ये बेसिकली दिस इज योर एक्ूमिलेटो एंड मैं लिख दूंगा वन तो मतलब जितने भी है वन बाय वन उनको ऐड करते जाओ इसका मतलब यही है अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड मैं चलता हूँ यहाँ पे सी एल देखो इस कंपनी की बात कर रहा करो अगर कंपनी का नाम रहा सेम तो उसका ग्रुप बन जाएगा सिक्स फोर सी टू थ्री ट्वेंटी थ्री है देखो ऑल राइट परफेक्ट ये जो है ये जो है तो मेरे मेरे इस ये दोनों के दोनों सेम है तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स तो कहीं पे नहीं है बट एक कंपनी कितनी बार रिपीट हो रही है एक दो तो मेरे दो टोटल प्रोडक्ट्स हो गए इस तरीके से ठीक है पेस्ट एंड देन एंटर हिट एंड उसके रीजन में बता देता हूँ आई जस्ट नोटिस्ड आई नो आप लोग ने पहले कर लिया होगा एंड देट इज इट्स अ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ना एंटर हिट करो ये देखो इतने सारे डेटा मुझे आ गए सो so, सबसे पहला ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट आईडी है बेसिकली ये आपका कंपनी है कंपनी का नाम इतने सारे कंपनी तीन सेम कंपनी थे ठीक है ये वाला जो कंपनी मैं आपको दिखाता हूं ये वाला वेयर द आई डी इज दिस ना टोटल है ये छः तो ये जो टोटल प्रोडक्ट सिक्स मिलने का मतलब है कि हमारा ये जो कंपनी जो है सेम नाम के कंपनी छः बार मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है अगर ये दो बार रिपीट हो रहा है आई मीन टोटल मुझे दो वैल्यू मिल रही इसका मतलब मेरा सेम नाम का कंपनी दो बार है जैसे थापा टेक्निकल एक कंपनी है अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकता है ना कि थापा टेक्निकल जो ये कंपनी इक्वल टू तो थापा टेक्निकल दस जगह पे यूज़ हो रहा हो तो अगर मैं ग्रुप में कंपनी लिख दूंगा तो थापा टेक्निकल दस जगह पे यूज़ हो रहा है दस डॉक्यूमेंट पे तो आपका टोटल प्रोडक्ट वो दस आ जाएगा मतलब जिसका भी आप ग्रुप बना रहे हो वो सेम कंपनी आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार रिपीट हो रहा है दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट्स सम है ना क्योंकि बाकी जगह तो कुछ है नहीं मैं अभी आपको बताता हूँ प्राइसेस को लेकर लेट्स को बी दिस पार्ट हाँ ये बहुत औसम awesome है सिर्फ क्योंकि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स है इसके मैं नॉर्मल कर रहा हूं नॉर्मल नहीं करूंगा एग्रीगेशन है एग्रीगेशन ही करूंगा मैं यहां पे करके बताऊंगा वही uh, हो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ सो so, जल्दी से हम कर लेते हैं डी ठीक है डी वी डॉट वी हैव देखो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है प्रोडक्ट्स डॉट वी हैव दिस एग्रीगेट ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट्स कली ब्रेसिस डॉलर मैच कली ब्रेसिस वे एंड इसको आई डी जो है इज इक्वल टू दिस ठीक है सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी मैं यहाँ पे uh, चलता हूँ सी एल एस एंटर एंड देन एंटर हिट गाइस आउटपुट नहीं आ रहा है एंड आई जस्ट रियलाइज भाई ये आईडी थोड़ी इट्स अ कंपनी ये आपका कंपनी का नाम है यार आईडी थोड़ी था ये सो इट्स अ कंपनी नेम एंड देखो मुझे दो डेटा आया मतलब ये एकदम परफेक्ट है मेरा Uh, अब भी जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी है ना वो मेरा एकदम परफेक्ट था मतलब uh, कहाँ गया बट uh, जो भी आपने देखा था राइट right? तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये कंपनी का नाम जो है मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स से टेन थाउजेंड समथिंग, उसमें सिर्फ दो बार आया है तो जब मैंने दो टोटल प्रोडक्ट्स करके जब uh, यहाँ पे इस तरीके से मैंने सम लिखा मतलब वो एक बाय एक को वो मल्टीप्लाई करते जा आई मीन ऐड करते जा रहा है ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखना है यहाँ पे तो वी हैव अ प्राइस ठीक है टू फोर्टी नाइन एंड देन वी हैव दिस वन फोर्टी नाइन तो टू एंड देन थ्री फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन आई थिंक इट्स अ नाइन्टी एट सो थ्री नाइन्टी एट ठीक है मुझे क्या करना है ये कंपनी जो है उसके टोटल प्राइस कितना है इन दोनों का टोटल प्राइस का सम uh, कितना होगा इसका प्राइस एंड इसका प्राइस को अब मुझे एडिशन करना है कैसे करूंगा बहुत ज्यादा सिंपल है देखो कैसे इसी में ही हाँ, जहां पे पहले आपने वन लिखा ना वन का मतलब ये कि जो आपने आइडिया बनाई है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है बट सेम कॉमन कंपनी में जो उसका प्राइस है डॉलर एंड देन यू टू राइट प्राइस इस तरीके से सो so, इसका मतलब ये कि अब कंपनी जितने भी कॉमन कंपनी है उन कॉमन कंपनी का जो ये प्राइस वैल्यू है ठीक है उसको वो सम कर देगा मतलब इतना पावरफुल है आपका एग्रीगेशन वो अपने आप सम कर देगा तो इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं यहाँ चलता हूँ पेस्ट एंड मैं एंटर हिट कर दूँगा सो so, क्या हुआ यहाँ पे ऑल डेट सॉरी यहाँ पे पता सेम वही प्रॉब्लम हुआ डेट इज़ प्रोडक्ट स्पेलिंग रॉन्ग थी बट अब मैं एंटर हिट करूंगा देखो अब ये जो भी डेटा मुझे आ रहा है ना ये बेसिकली उसका एक्चुअल प्राइस का सम है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे याद है Uh, आपको आना चाहिए समवेयर अराउंड टू फोर्टी नाइन प्लस वन फोर्टी नाइन वाला थ्री नाइन्टी एट ये देखिए थ्री नाइन्टी एट आपको मिला ये देखिए आपको पता चल गया ना कितनी ईजिली हमने सम फाइंड आउट कर लिया ऑल राइट right, और क्या है मैं यहाँ पे देखूँ जरा सो मुझे क्या करना है ऐसे uh, प्राइस निकालने हैं जिसका प्राइस ग्रेटर देन हो 900 हंड्रेड क्वेश्चन है ये मुझे सबसे पहले क्या करना है क्योंकि एग्रीगेशन इज ऑल अबाउट योर पाइपलाइंस जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको भी आप फर्दर फिल्टर कर सकते हो है ना सो so, मैं यहाँ पे चलता हूँ मैंने बोला आ, मुझे फाइंड आउट करना है प्राइस ग्रेटर देन हो कितना नाइन हंड्रेड एंड देन सेम वो कंपनी के बेस पे मुझे ग्रुप बनाना है ठीक है कंपनी के बेस पे मुझे ग्रुप बनाना है एंड मुझे जो भी कंपनी होंगे कॉमन कंपनी थापा टेक्निकल अगर दस बार आ रहा है ठीक है तो उसमें जितने उसके अंदर प्राइस फेल तो होगा ना तो उन सब प्राइस को आपको सम करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया ठीक है तो वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको आ, सम निकालना है प्राइस का तो ये तीन चीज़ मुझे करना देखो ये तो मैंने अभी आपको करके बताया ये जो पार्ट है ये यह तो यही है तो इसको मैं कॉपी कर दूँगा यहाँ पर लेकिन ये कब करना है मुझे जब प्राइस होगा ग्रेटर देन फाइव मतलब यहाँ पर आऊँगा एक और कली एंड देन कॉमा तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पे मैं डॉलर मैच यूज करने जा रहा हूँ डॉलर मैच है ना कॉलन वे द प्राइस फील्ड इज ग्रेटर देन डॉलर ग्रेटर देन 900 इस तरीके से समझ रहे हो सो so, uh, जहाँ पे प्राइस होगा ग्रेटर देन 900 तो सिर्फ उसी का ही डेटा आएगा एंड जो डेटा रिटर्न आएगा उसमें हम कंपनी वाइज उसको ग्रुप कर देंगे एंड उसका टोटल प्राइस निकालेंगे सो so, कॉपी यहाँ पे मैं चलता हूँ सी एल एस तो इतना सारा डेटा जो अब आ रहा था एंड ऑब्वियसली डेटा फिर से मुझे नहीं आएगा क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं जल्दी से चल के यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्रोडक्ट्स एंड बूम गाइस इसी मुझे डेटा आ गया एंड दिस टाइम अब आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि अब ये हम वो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करें जिसका प्राइस ग्रेटर देन नाइन हंड्रेड है पहले से ही ठीक है एक काम करता हूँ यहाँ पे ये यह जो नाइन हंड्रेड है ना ऑब्वियसली मैं कर दूंगा बारह क्योंकि मुझे मालूम है बारह के ऊपर आई थिंक मुश्किल से तीन या चार ही डेटा है देखो सिर्फ हमारे पास दो डेटा है बारह के ऊपर एंड इस तरीके से ये डेटा आ गया जो भी कॉमन थे तो कितनी इजीली हमने ये फाइंड आउट कर ली सो दिस इज योर ग्रुप मैं यहां पे चलता हूँ ग्रुप को कंटिन्यू हम कर रहे जहां पे आप सिर्फ सम नहीं निकालोगे आप उसका एवरेज भी निकाल सकते हो अगर आपको याद होगा इसको मैं हटा रहा हूँ वी हैव एक डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास जो आई थिंक सो वी हैव अ सेल्स डॉट फाइंड याद है हमने इस पर काम किया था वी हैव समथिंग कॉल क्वान्टिटी है ना वी हैव अ क्वान्टिटी ओवर हियर एंड प्राइस कॉमन है पचपन एंड देन पचपन ठीक है तो हम इसके साथ खेल सकते हैं सो so, मेरे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे uh, देखो मैं यहाँ so, uh, uh, पे लेके कर चलता हूँ हियर सो फाइंड द क्वान्टिटी जहाँ पे क्वान्टिटी इक्वल टू फाइव ग्रुप दैम विथ सेम क्वान्टिटी एंड फाइंड द एवरेज प्राइस मतलब आप समझे <laughs> आप समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको आ, सबसे पहले तो क्वांटिटी पाँच होनी चाहिए आप जिस भी कलेक्शन के साथ खेल रहे हो वहाँ पे आपको उसी क्वांटिटी को ही उसी क्वांटिटी को लेके ग्रुप बनाना है एंड देन आपको उसका एवरेज फाइंड आउट करना है ठीक है एवरेज फाइंड आउट करना है मतलब यहाँ पे आपको आ, उसका एवरेज जैसे ये क्वान्टिटी फाइव है आ, मैंने प्राइज लिखा है या क्या लिखा है एवरेज प्राइस सॉरी या इट्स अ प्राइज तो उसका जो प्राइस होगा देखो क्वान्टिटी फाइव क्वान्टिटी फाइव क्वान्टिटी फाइव तो अगर मैं क्वांटिटी को लेके ग्रुप बनाता हूं तो मेरे को टोटल तीन आ, या टोटल तीन ग्रुप मिलेगा पता कैसे देखो दिस इज योर क्वान्टिटी फाइव क्वान्टिटी फाइव क्वान्टिटी फाइव तो इन तीनों का तो एक ग्रुप बन जाएगा क्योंकि क्वान्टिटी सेम है ना अगर सेम क्वान्टिटी उनका एक ग्रुप बन जाता है अब बचा सिक्स सिक्स तो कहीं नहीं है बच्चा दस तो कहीं नहीं है पाँच छः और दस मुझे सिर्फ तीन डेटा आएगा मुझे अब उसमें क्या करना है ये जो प्राइस है मुझे उसको सम फाइंड आउट करना है पचपन पचपन एक सौ दस एंड देन दिस इज योर वन थर्टी फाइव आई गेस वन थर्टी फाइव इतना आपका टोटल आना चाहिए ठीक है आउटपुट आना चाहिए देखो कैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ सो वी हैव डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट पैरेंथिस स्क्वायर ब्रैकेट्स कली ठीक है डर मैच वे क्वांटिटी एंड ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मल क्वांटिटी लिखना है आपको क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइव ठीक है ये जो ब्रेसेस है इसके बाद निकलो एक काम करते हैं uh, uh, ये जो पार्ट है uh, इसको मैं सिंपल एक लाइन में लिख सकता था क्योंकि ये इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड वाला भी नहीं था ये है ना ये पहला कंडीशन अब इसका जो भी आउटपुट आया होगा वहाँ पे मुझे जाना होगा अगेन मुझे कली ब्रेसिस लगेगा डॉलर ग्रुप जहाँ पे मैं अंडर स्कोर आई बनाऊँगा उसी क्वांटिटी को लेके एंड दिस टाइम आई नीड टू यूज़ दी क्वांटिटी, है ना कॉमा एंड देन मुझे एक मैं फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू फील्ड सम प्राइस टोटल लिख देता हूँ एक काम करते हैं लेट्स को विद प्राइस एंड देन टोटल टोटल जहाँ पे आ, कली डॉलर एक काम करता हूँ पहले मैं सम निकालता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉलर प्राइस का मुझे सम निकालना है मैं कॉमा दूंगा मैं प्राइस एवरेज भी निकाल सकता हूँ एक साथ में मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ मैं एवरेज भी निकाल रहा हूँ एंड अगेन इट्स योर प्राइस ओनली डॉलर प्राइस ठीक है तो कहने की बात ये कि मुझे सिर्फ एक ही ग्रुप मिलेगा क्योंकि मैं पहले ही फिल्टर कर दे रहा हूँ है ना ये इतना तो आपको पता चल ही गया सो क्या है एंटर so, हिट करते बता रहे डॉलर क्वान्टिटी इज़ नॉट डिफाइंड मैं बताना चाहूँगा अगर आप डॉलर यूज़ करो तो सिंगल कोट यूज़ करो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपको याद है मैं यहाँ पर चलता हूँ पेस्ट हिट करता हूँ डेटा नहीं आ रहा है डी बी डॉट अरे यार <laughs> मैंने प्रोडक्ट्स क्यों लिखा है यहाँ पर ये यह प्रोडक्ट्स थोड़ी है ये तो कैसे आपका सेल्स है तो ये आपका सेल्स है बाय द वे ठीक है क्योंकि सेल्स कलेक्शन के अंदर है ना ये थोड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर है यार ये सब सो so, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंटर हिट एंड बुंग आई सी देखो मैंने क्या कहा था मुझे सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा क्योंकि मैं पहले ही फिल्टर कर रहा हूँ क्वान्टिटी फाइव एंड क्वान्टिटी फाइव सिर्फ इसमें एक दो तीन सो टोटल तीन है इसका देखो टोटल प्राइस मैंने क्या कहा था सब कुछ ने प्राइस किया पचपन पचपन पच्चीस ठीक है वन थर्टी फाइव एंड उसका एवरेज अगर हम निकालते तो 45 45 45 हालांकि कैलकुलेटर की नीड नहीं है बट मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ ठीक है सो so, पचपन प्लस पचपन प्लस आई थिंक इट्स अ पच्चीस सो इट्स अ वन डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं वो डिवाइड का है भाई डिवाइड बाय टोटल एक दो तीन फोर्टी कितनी ईजीली चुटकी में मुझे मेरा टोटल सम मिल रहा है मुझे मेरा एवरेज मिल रहा है? आप बताओ इतना औसम awesome है ये राइट सो वी हैव दिस पार्ट डन ठीक है ये हो गया आपका नाउ वी हैव दिस शॉर्ट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है जब आपको मल्टीपल डेटा आता है आपको शॉर्ट करना है असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो अगेन आप एग्रीगेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कैसे देखो वी हैव अ शॉर्ट आई थिंक कैटेगरी को लेके किया हुआ है एक काम करता हूँ क्या इस मेरे पास एक डेटा है ठीक है मैं उसको पेस्ट करता हूँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे अरे यार मैं एक सीरियस कर देता हूँ मैं नहीं चाहता आपको आउटपुट मिल जाए मैं वही सेम कोड जो है वो वही आप पेस्ट कर रहा हूँ मैं शॉर्ट हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए सो दिस टाइम वी हैव अगेन प्राइस ग्रेटर देन बारह सौ मैं मालूम है कि सिर्फ दो डेटा आने वाला है कैटेगरी uh, वाइज कर रहा हूँ टोटल प्राइस ये हम देख चुके हैं ये हज़ार बार देख चुके हैं सो so, मैं यहाँ पर चलता हूँ सी एल एस एंटर हिट कर रहा हूँ मुझे डेटा आ गया दो डेटा ठीक है ध्यान से देखना ये जो दो डेटा है ना ये पहले बारह सौ निन्यानवे आ रहा है एंड देन ये आ रहा है मुझे अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे पहले बड़ा जिसका प्राइस ज़्यादा हो पहले वो चाहिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस जगह पे ये देखो ये पहला कंडीशन कॉमा ये आपका दूसरा कंडीशन कॉमा अब उसका जो आउटपुट आ रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे एक और कंडीशन लगाओगे डॉलर सॉट ये आपको ध्यान रखना है आपको इस तरीके से काम करना है यहाँ पे अब देखो ये जो डॉलर ग्रुप है ना ग्रुप आप जब करते हो उसके बाद जो डेटा आपको मिलता है वो क्या मिलता है इधर आपको अंडरस्कोर आई मिलेगा बेसिकली ये वाला एंड एक ये मिलेगा सो नाव यू हैव ओनली टू फील्ड्स इन योर डेटा आपके पास सिर्फ यही दो फील्ड है आप शॉर्ट सिर्फ इन्हीं दो को कर सकते हो आप ये मत सोचना कि मैं प्राइस uh, को करूंगा नहीं आपको या तो आईडी को करना है या तो टोटल प्राइस को करना है सो वी हैव दिस टोटल प्राइस एंड ये जो टोटल प्राइस है मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं लिखा क्योंकि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ अगर मेरा एग्जिस्टिंग फील्ड होता तो मैं डॉलर यूज़ करता मैं बोला भाई चलो वन असेंडिंग ऑर्डर सो लेट्स कॉपी ओवर हियर एंड इसको सी कर देता हूँ यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंटर हिट कर रहा हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे ये आ गया मैं आप वापस यहाँ चलूंगा बट नाउ दिस टाइम मैं माइनस वन यूज़ कर रहा हूँ आई नो आपको नहीं दिख रहा माइनस वन बट मैंने माइनस वन यूज़ की है एंड आप देख सकते हो मुझे अब इस तरीके से डेटा आ रहा है मैं वापस सी एल एस कर देता हूँ मैं वापस इसको रन करता हूँ ध्यान से देखिए मैंने टोटल जो है माइनस वन यूज किया है तो अब मुझे थ्री नाइन नाइन एट पहले आ रहा है एंड देन बाद में आ रहा है एंड शॉर्ट हमने पहले भी देखा था हम उसको एग्रीगेशन में भी यूज कर सकते हैं देन वी हैव दिस प्रोजेक्ट ये भी बहुत ही ज़्यादा औसम है सेम ये वही है जो प्रोजेक्शन हमने पढ़ा एग्रीगेशन में वो हमें प्रोजेक्ट के नाम पर मिल रहा है ठीक है देखो इंक्लूड एंड देन एक्सक्लूड कर सकते हो एंड इसमें भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डॉलर प्रोजेक्ट कली ब्रेसेस आपका फील्ड वन एंड देन आपका एक्सप्रेशन सो so, uh, क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट द नेम फील्ड एंड कैलकुलेट्स डिस्काउंटेड प्राइस फील्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग फाइव फ्रॉम द प्राइस मैं आपको बता दूँ बट हम एक सिंपल सा कर लेते हैं जहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस तो ऑलरेडी कर ही लिया हमने यहाँ पे चलो कोई नहीं अब uh, मैं यहाँ पे चलता हूँ डी बी पे ये प्रोडक्ट्स पे सो वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट आपका पैरेंथेसिस एरे एंड देन वी हैव आवर कली ब्रैसेस ठीक है कली ब्रेशस डॉलर वी नीड टू गो विद द डॉलर प्रोजेक्ट कॉलन एंड देन अगेन कली ब्रेसेस सो अब यहाँ पे uh, देखो ना uh, ये क्या प्रोडक्ट्स है ना प्रोडक्ट्स में वी हैव अ प्राइस जहाँ तक मुझे मालूम है तो मैं सिर्फ वन लिख देता हूँ सिंपल एकदम बेसिक है ना मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड ओ माय गॉड इतने सारे डेटा मुझे आ गए है ना सो so, uh, ये बेसिकली मुझे सिर्फ मेरा आईडी और मेरा उसका प्राइस मुझे मिल रहा है सो so, कहने uh, का मतलब है कि आपको पता चल गया फंडा क्या है यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मैंने प्राइस लिखा कॉमा देख के मैं बोलूँगा भाई मुझे अंडेस्कोर आई नहीं चाहिए देखो मुझे इस तरीके से डेटा आ गया मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो थो है थोड़ा सा डिफरेंस तो है बट उतना भी नहीं है बट डेटा मुझे आ गया जो हम वहाँ प्रोजेक्शन पे कर रहे थे यहाँ हम प्रोजेक्ट के थ्रू कर रहे हैं so, सो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इतने सारे डेटा है वहाँ पे प्रोजेक्शन के बाद तो मैं आ, 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 उसके बाद फर्दर फिल्टर नहीं कर सकता था बट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ है ना कैसे मैं बताता हूँ सो so, कैसे मेरा प्राइज है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ लेट्स गो विध डिस्काउंट प्राइज ना डिस्काउंट प्राइस तो डिस्काउंट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं देखो मैं क्या करूँगा मैं वी हैव अ प्रोडक्ट्स राइट सो डॉलर मल्टीप्लाई याद है हमने मल्टीप्लाई देखा था याद आ रहा है आपको मल्टीप्लाई डॉलर एड हमने किया था एक्सप्रेशन में सो so, uh, आपको यहाँ पे ऑब्वियसली uh, मल्टीप्लाई लिखते हो तो हमने कहीं तो भी क्वांटिटी एंड देन प्राइस इज ग्रेटर देन टारगेट प्राइस कुछ ऐसे देखा था अगर आपको याद होगा थोड़ा आप बैक करके देख सकते हो मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसको मेरा ये जो प्राइस वाला फील्ड है प्राइस वाले फील्ड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉमा देना है इतना याद रखना जीरो पॉइंट एट से अगर मैं ये कर देता हूं ऑब्वियस है ना अगर देखो किसी भी प्राइस को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन वन जर टेन ट्वेल्व वन ट्वेल्व बट वहीं अगर आप एक से कम वैल्यू जीरो पॉइंट एट तो कम है ना तो हमेशा उससे कम वैल्यू आएगा सो so, वो मेरा एक डिस्काउंट प्राइस है मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो so, अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ वो भैया एंड अगर अब मैं पेस्ट कर देता हूँ तो देखो भाई जो भी मुझे डेटा आएगा देखो ओरिजिनल प्राइस तो ये था टू अब आफ्टर डिस्काउंट उसका प्राइज़ हो गया वन जो भी प्राइस था ओरिजिनल ये आफ्टर डिस्काउंट उसका प्राइस हो गया इतना अब आप बताओ नॉर्मल वाले प्रोजेक्शन में आप ये कर सकते थे बताओ कर सकते थे या नहीं ठीक है इसमें हम और कर सकते हैं मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे ये जो इतना सारा डेटा मुझे आ रहा है मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसमें प्राइस ग्रेटर देन हो बारह सौ ये अब मैं ये फंडा यहाँ पे अपना रहा हूँ देखो क्योंकि अब इसका डेटा तो सिर्फ दो ही है, है ना तो वही दो का डेटा मुझे यहाँ पर आएगा एंड यह सिर्फ सॉरी टोटल तीन डेटा थे मतलब तो ये तीन का डेटा मुझे आया देखो ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट प्राइस ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट प्राइस तो ये था आपका प्रोजेक्शन जहां पे आप कौन सा फील्ड आपको दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है एंड साथ ही साथ आप उसमें फर्दर एप्ली ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन कह लीजिए या फर्दर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो है ना ये देखो ना सम सब ट्रैक मल्टीप्लाई एवरेज ऐसा कर आप ये सब कर सकते हो वी हैव अ डॉलर पूस हम ऑलरेडी देख चुके डॉलर पूस डॉलर पॉप एल एम एच ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना सो so, अब मैं आपको बताता हूँ डोलापूस क्या करता है स्टेज uh, जो है ये ये अगेन इट्स अ स्टेज है ना विच एड्स एलिमेंट्स टू एन एरे फील्ड विथ इन डॉक्यूमेंट्स अब इतना याद रखो कि एरे के फील्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स एड करना हो इन योर एग्रीगेशन तो वहाँ हम ये यूज करते हैं सो डॉलर डोलापूस एंड देन एक्सप्रेशन ये देखो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट डॉलर ग्रुप कंपनी बनाया प्रोडक्ट्स के अंदर डॉलर डोलापूस एंड देन डॉलर नेम इन्होंने ऐड कर दी है तो मैं आपको बताता हूँ सी एल एस सो गाइस मैं वी एस कोड पर आ चुका हूँ एंड मेरे पास जैसे कि ऑलरेडी डेटा है आई नो उस समय जब मैंने डोलापूस की बात की थी आपको इतना नहीं समझा होगा बट ये तो आपको मालूम है कि एरे के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है बेसिकली एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है तो हम डोलापूस का यूज़ करते हैं ये तो आपको मालूम है राइट right? इतना तो आपको मालूम होना चाहिए सो लेट्स से हमारे पास एक प्रॉब्लम है एंड देट इज़ आपको एक डॉक्यूमेंट फाइंड करना है जहां पे प्राइस इज ग्रेटर देन 1200 जो हम हजार बार देख चुके हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन ही डेटा है उसके बाद देन ग्रुप बाय द प्राइस आपको प्राइस के नेम से उनको ग्रुप बनाना होगा एंड क्रिएट एन एरे ऑफ कलर्स फॉर इच ग्रुप देखो बिफोर दिस इज योर बिफोर है ना लेट्स ध्यान से देखिए लेट्स इफ प्राइज इज इतना जिसमें ये कलर्स था एक डॉक्यूमेंट है जिसका प्राइस 1250 है एंड उसका कलर्स ये है एक और डॉक्यूमेंट है जिसका प्राइस 1250 है लेकिन उसके कलर्स अलग अलग है तो देखने वाली बात है कि अब मुझे एरे ऑफ कलर्स चाहिए ऑफ सिमिलर प्राइस तो आफ्टर तो अब मेरा जो डेटा होगा आफ्टर माई न्यू डॉक्यूमेंट मतलब मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए मुझे रिजल्ट में आना चाहिए ये डेटा जहाँ पे प्राइस एक होगा ठीक है क्योंकि दोनों प्राइस तो सेम है तो इनका एक ग्रुप बन गया एंड ऑल कलर्स करके मैंने याद है हम डॉलर ग्रुप में फील्ड बना सकते हैं तो अब ये जो तीन कलर्स थे वो तीन कलर्स आए एंड देन बाकी के जो तीन कलर्स थे यहाँ पे ऐड हो गए सो बेसिकली ये जो कलर्स कलर्स एरे थे ना इनके अंदर जितने भी ये यूनिक डेटा है डुप्लीकेट हटा के मुझे इस तरीके से एक ही एरे के अंदर वो चाहिए मतलब अगर प्राइस सेम है तो उनके अंदर जितने भी कलर्स प्रॉपर्टीज थे कलर्स की वैल्यूज थे उनको एट दी एंड फाइनल आउटपुट में एक न्यू वेरिएबल के अंदर कंप्लीट इस तरीके से ऐड कर देना है पता चल गया मुझे ये आउटपुट चाहिए अब आप करो इसको कैसे कर सकते हो सोचो कैसे कर सकते हैं हम ठीक है so, सो इसके लिए हम ना डॉलर उस मेथड का यूज कर सकते हैं uh, कैसे मैं आपको बताता हूँ देखिए पहली बात तो ये है कि uh, इसको मैं कॉपी करता हूँ ठीक है ये तो आपको मालूम है जहाँ पे आपका ये जो प्राइस है ग्रेटर देन 1200 प्राइस इज़ ग्रेटर देन 1200 परफेक्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए जब ऑब्वियसली हमें ग्रुप बनाना है ठीक है सो so, मुझे ग्रुप बनाना है तो मुझे इसकी नीड नहीं है प्रोजेक्ट की सो so, डॉलर ग्रुप अगेन कली ब्रेसेस यहाँ पर आपको अंडर स्कोर आई देना है किसका आपको प्राइस की मदद से बनानी है डॉलर प्राइस का ग्रुप बनाना है चलो वो भी बन गया उसके बाद अब यहाँ पे आपको कलर्स बनाना है डैट इज ऑल कलर्स ठीक है सो so, मैं ऑल कलर्स इक्वल टू यहाँ पे मैं अगेन डॉलर कलर्स कर देता हूं सिर्फ इतना करूंगा तो काम नहीं होगा क्योंकि ये कुछ है ही नहीं सेकेंड फील्ड जो होता है वो आपका एक एक्ूमिलेटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे सेकेंड जो आपका फील्ड होता है देखो फील्ड के बाद एक्यूमिलेटर का होना बहुत एक सेकेंड एक्यूमिलेटर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड देन उसके बाद एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन तो आप इसको कह लो काइंड ऑफ बट वेयर इज द एक्मलेटर सो कालीब्रेसेस ओवर हियर कॉमा एंड uh, uh, यहाँ पे अब आप आपको एक्मनेटर देना है एंड दिस टाइम वी हैव अ डॉलप उस दिस इज इट या एंड आई थिंक एवरी थिंग इज परफेक्ट है ना मैं यहाँ पे चलता हूँ सो क्या इसमें यहाँ पे आ चुका हूँ एंड मैं एंटर हिट करता हूँ तो क्या हो गया ये डॉलप कलर के बाद कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है सो क्या इसमें बताना चाहूँगा प्रॉब्लम यहाँ पे कॉलन देना था मैं ठीक है देखो अब परफेक्ट हो गया ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे तब इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या आ गया था ये <laughs> पेस्ट करता हूँ एंड या गाइस सी सो वी हैव अ वन टू डबल नाइन कलर्स मुझे मिल गए बट देर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज एरे ऑफ एन एरे है ये एरे के अंदर एरे आ गया एंड ये जो वन ट्रिपल नाइन है उसमें ऑल कलर्स में देखो एक तो एरे ऑलरेडी था एक दूसरा एरे बन गया कॉमा एक तीसरा एरे बन गया मुझे ये थोड़ी चाहिए यार एंड द एंड देखने वाली बात यह है ये वाला जो डेटा है यह जो डेटा दोनों सेम है यह और यह सेम है यह और यह सेम है भाई ये डुप्लीकेट डेटा भी क्यों दिख रहा है मुझे मुझे ये थोड़ी चाहिए यार मुझे क्या चाहिए डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए एंड अगर ये 199 दो डॉक्यूमेंट्स में है तो ये जो है एक ही एरे के अंदर चाहिए था मुझे सिंपल मुझे एक एरे के अंदर चाहिए था इस तरीके से इस तरीके से समझ लो इस तरीके से मुझे चाहिए तो अब अगर इस तरीके से मुझे डेटा चाहिए तो कैसे हो सकता है सोचो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो दोनों एक के ऊपर एक जुड़ गए तो अब मुझे डुप्लीकेट डेटा हटा के ये चाहिए एक साथ तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा देखो सो वी हैव अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्रुप शॉर्ट प्रोजेक्ट पुस्ट एंड देन वी हैव अनवाइंड सो ये जो अनविंड भी कह सकते हो स्टेज डी कंस्ट्रक्ट एंड एरे फील्ड एंड प्रोडक्ट्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड सॉरी प्रोड्यूस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स तो एरे को अभी डिस्ट्रक्चर कर देगा ठीक है अनविंड uh, एरे देखो कलर्स को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं एंड देन मैं उसके बाद उसको पुश करूँगा कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है ना यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या होता है बोलने से ये जो डेटा है भैया ये जो डेटा है सो so, हो सकता है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था है ना मेरे पास आ, एक सेकेंड मेरे पास रहा होगा एक डॉक्यूमेंट जिसका प्राइस था वन ट्रिपल नाइन है ना जिसका प्राइस था इतना एंड उसके अंदर वी हैव अ कलर्स का फील्ड ठीक है जिसके अंदर डेटा था ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट था जिसका प्राइस था अगेन सेम बट उसके बाद जो वो कलर्स था उसके पास था ये सो काइंड ऑफ लाइक सिमिलर मेरे पास इस तरीके से दो डॉक्यूमेंट्स थे तो अब क्या होता है ना कि ये पहला डॉक्यूमेंट ये दूसरा डॉक्यूमेंट प्राइस को मुझे ग्रुप करना था तो ये तो एक बन गया मुझे दो दो प्राइस तो नहीं आ रहा एक ही प्राइस रहा। आ रहा है बात अलग है कि मैंने वहाँ पर प्राइस को डॉलर अंडरस्कोर आई दी हुई है इसलिए वो मुझे डॉलर अंडरस्कोर आई में आ रहा है लेकिन अब ये जो कलर्स है ये जो कलर्स है मैं चाहता था इन दोनों का मिलके एक कंबाइंड uh, कलर्स का एरे बने एंड जो एलिमेंट फर्स्ट में है लेकिन सेकेंड में नहीं है वो यहाँ पे ऐड हो जाए एंड वो एलिमेंट जो सेकेंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है वो यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाए मतलब एरे जैसा लगना चाहिए एंड ये एरे इंडेक्स नंबर वन आई मीन जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स इस तरीके से हमारे केस में क्या हो गया ठीक उल्टा हो गया एक एरे तो बन गया उसके बाद ये जो कलर्स का वैल्यू था डिटो कॉपी पेस्ट कॉमा डिटो कॉपी पेस्ट कॉमा भाई ये थोड़ी मुझे चाहिए यार मुझे तो क्या चाहिए मैं तो आपको हज़ार बार बता चुका हूँ ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ठीक है मुझे चाहिए बस एक एरे बस एक एरे उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा हटा के जो यूनिक डेटा वो चाहिए ये चाहिए मुझे एंड प्राइस है मुझे ये आउटपुट चाहिए ठीक है तो अब आप सोचो फ़िलहाल अभी हमें ये मिल रहा है अब मैं उसको ये कैसे कर सकता हूँ तो इसके लिए हम अनविंड यूज़ करेंगे अनविंड एग्रीस एग्रीगेशन फंक्शन जहाँ पे ये जो एरे है ना उसको वो uh, क्या बोल सकते हैं अब उसको वो स्प्लिट कर देगा मेरे मैंने कहीं तो भी लिख के रखा होगा वो स्प्लिट कर देगा से मेरा कहने का मतलब है uh, देखो हाँ आई हैव अ डेटा ओवर हियर आई गेस ओवर हियर आल्सो यहाँ पे ध्यान से देखना ठीक है ध्यान से देखना ये देखो पहले ये था मेरे पास डेटा ठीक है पहले डेटा ये था जहाँ पे प्राइस अगर ये है तो कलर्स ये होंगे ये कलर्स होंगे ठीक है बट जब मैं अनवाइंड इस तरीके से ध्यान से देखो अगर मैं अनविंड एंड देन डॉलर कलर्स कर दूंगा तो ये जितने भी अनविंड स्टेज है कलर्स एरे को डिस्ट्रक्चर कर देंगे डी कंस्ट्रक्ट कर देगा एंड क्रिएटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच कलर विथ इन अ प्रोडक्ट्स मतलब अब यही सेम जो डेटा है देखो मेरा पहला इस तरीके से क्रिएट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कलर्स मतलब ये जो एरे है ना इसको डिकन्स्ट्रक्ट करके इसको अलग करके इसके लिए एक अलग सा डॉक्यूमेंट बन गया ठीक है सारे डेटा सेम होंगे सिर्फ कलर वाला जो फील्ड है वो डिफरेंट होगा जिसमें पहले का एक दूसरे का एक तीसरे का क्योंकि टोटल तीन एलिमेंट्स थे मेरे पास तीन डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे देखो दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा इसके लिए सेकेंड वाले का इस तरीके से समझ रहे हो जब हम अनविंड यूज़ करते तो वो जो एरे का डेटा को डी कर देगा एंड वंस अगर डी हो गया तो अब ये तो अब एरे नहीं रहा <laughs> समझ रहे हो ये तो अब एरे रहा ही नहीं बहुत इजीली वो वन बाय वन उसको ऐड कर देगा समझ रहे हो तो अब मैं अगर अनवाइंड कर दूं सो आप समझ चुके हो वही है तो गाइस इसकी कोई नीड नहीं थी अभी मैं बाद में दिखाता हूँ क्या ये मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे आप ध्यान से देखिएगा सेम यही डेटा है ठीक है यही आपका कोड है इट जस्ट अब आपको यहां पे बिफोर है ना यहां पे आपको एक और आ, देखो गाइस पाइपलाइन यूज करना होगा एंड डैट इज डॉलर अनविंड एंड यहां पे आपको डॉलर कलर्स कलर्स है या कलर है ओके okay, कलर्स ठीक है कंट्रोल है सेव कॉपी अब अनविंड से तो आपको पता चल गया अब इस सपोज यहां पे तीन था तो एक इसका अलग डेटा इसका अलग डॉक्यूमेंट इसका अलग डॉक्यूमेंट एंड वो एरे रहा ही नहीं तो इसलिए बहुत ईजिली मेरा काम होगा बट स्टिल एक प्रॉब्लम होगा उसमें स्टिल देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम होगा ये कि आपको डुप्लीकेट्स डेटा मिल जाएगा देखो मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया ये देखो बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अब एरे के अंदर एलिमेंट्स जैसा चाहता था वही हुआ बट एक प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट डेटा हमें मिल रहा है तो अब वो डुप्लीकेट डेटा मुझे नहीं चाहिए डुप्लीकेट डेटा मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए वी हैव अ ऐड टू सेट इंस्टीट्यूट ऑफ पुश एग्रीगेशन uh, मेथड आपको एड टू सेट ये जो स्टेज है इसका यूज करना है सिर्फ उसके बदले एड टू सेट यूज़ करते हो है ना अगर इसके बदले अगर आप सिर्फ एड टू सेट यूज करते हो लाइक एड टू इज इट टी कैपिटल या सो एड टू सेट तो अब जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो चला जाएगा बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है दोनों का जस्ट यहाँ से अब आपका जो डुप्लीकेट डेटा है वो चला जाएगा एंड बोमगा इसी मुझे मेरा आउटपुट आ गया दिस इज़ दी पावर ऑफ योर एग्रीगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कोई इसके बारे में नहीं बताता एग्रीगेशन आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ये सच में थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर स्टार्टिंग बट once आपको पता चल गया सिंटेक्स का आपको आइडिया आ गया देन आप देखो बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो वरना आप खुद सोचो यार कि इस तरीके का डेटा अगर आपको मिल रहा था इस तरीके का डेटा अगर आपके सामने है एंड आपको इस तरीके का आउटपुट चाहिए तो आप क्या करते कैसे करते आप मंगो में नहीं मुझे बताओ विदाउट एग्रीगेशन आप क्या करते सोचो पता चल गया ना ये है आपका एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑल राइट एट टू सेट हो गया वी हैव डॉलर साइज बच्चों वाला कि अब आप आपको देखो साइज़ बताएगा ये uh, ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो लेट्स गो विथ डॉलर साइज एड टू सेट हमने देख ली देखो प्राइज uh, हमने अनवाइंड कर दी कलर्स को ग्रुप uh, के अंदर ये हमने देख चुका है ठीक है ये प्राइस ग्रुप ये देखो एक, एक एक्स्ट्रा अभी तक मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ठीक है यार कोई नहीं अभी आप बेसिकली अंडर स्कोर के अंदर आपको इस तरीके से एक और मिल जाएगा कलर्स हम ये देख चुके हैं जस्ट कलर्स का अगर आपको लेंथ पता लगाना हो कि ये जो कलर्स है इसका टोटल लेंथ कितना है बेसिकली उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा है ना सो so, ऑब्वियस गाइस इसमें कितने है? एक दो तीन तो मुझे तीन आउटपुट आएगा यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है नोन ग्रुप ऑपरेटर डॉलर साइज हो सकते हैं so guys, अब हम क्या कर सकते हैं देखो ना अनोन ग्रुप ऑपरेटर डॉलर साइज में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्रुप यूज कर रहे हो ठीक है तो वहां पे आप डॉलर साइज ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते जी हाँ सी जो डॉलर साइज ऑपरेटर है ये अलाउड ही नहीं है ग्रुप के अंदर इंस्टिल यू कैन यूज इट इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर एग्रीगेशन ऑपरेशन एक सेकेंड कहीं तो लिखा होगा मैंने ऑल राइट सी तो ये जो है आप इंस्टेंट यू कैन यूज इट इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एग्रीगेशन ऑपरेटर्स और इन अ सपरेट पाइपलाइन स्टेज या तो आप एक आप अलग ही बना लो ना समझ रहे हो आप ये जो कोड लिख रहे हो ओवर हियर मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर इस तरीके से ये जो आपने लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो एक काम करो इसका जो भी डेटा आता है यहाँ पे आप आइए ग्रुप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आप आके डॉलर प्रोजेक्शन यूज़ कीजिए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो है ना डोला प्रोजेक्ट के अंदर आप आइए आप बोलिए ठीक है यार मुझे आईडी दिखा दो आप है ना ठीक है यार आप मुझे ये जो मेरा कलर्स है वो आप दिखा दीजिए एंड देन इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए ठीक है so, सो अगर आप ये करते हो तो अब आपका ये जो पार्ट है देखो आप खुद देखो इस धीरे धीरे कितना लंबा होता जा रहा है ये ये देखो टर्क ये एक चेन हो रहा है दूसरा पाइपलाइन स्टेज दूसरा स्टेज है तीसरा स्टेज एंड देन वी हैव अगेन प्रोजेक्ट्स एंड फाइनली वी आर गेटिंग टोटल इसके एलिमेंट्स है तीन इसके टोटल एलिमेंट्स है तीन तो इस तरीके से आपका कलर का लेंथ आ गया सो दिस इज द पावर ऑफ योर एग्रीगेशंस ठीक है यहाँ पे अब हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वी हैव अ डॉलर लिमिट एंड देन स्कीप सेम आप अब आप, आपको स्कीप कर सकते हो आप लिमिट कर सकते हो कहने के बाद यहाँ पे टोटल दो डॉक्यूमेंट्स मुझे आ रहा है है ना तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स मुझे आ रहा है आई कैन लाइक आई गेस या सो so, ये जो प्रोजेक्शन है इसके बाहर भी चल के मैं एक और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ एंड कुछ तो गड़बड़ हुआ है या दिस इज़ इट डॉलर आई होप आपको दिख रहा होगा है ना सो डॉलर लिमिट मैं बोल दूँगा मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाओ ध्यान से देखो देखोगाइस धीरे धीरे आपका कितना लंबा होता जा रहा है ठीक है वरना कोई भी वीडियो आप देखो कि बेसिक चल रहा है यहाँ पे अब आप देखो इतना हाई ये देखो गाइस हो गया मुझे सिर्फ एक ही डेटा आया ठीक है एंड ऑब्वियसली अब आप यहाँ पे स्किप भी यूज़ कर सकते हो एंड uh, एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया हुआ है मैं आपको शेयर करता हूँ एंड डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इन प्रोजेक्ट स्टेज वी आर ओनली गेटिंग टू फील्ड्स एंड द नेम ऑफ द फील्ड्स हैज़ टू मैच विद द फील्ड्स नेम इन ग्रुप स्टेज एग्जाम्पल ऑल कलर्स फील्ड्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट यूज़ करते हो ना तो ये जो ऑल कलर्स है ऑब्वियसली मेरे पास तो सिर्फ दो ही तो डॉक्यूमेंट्स है तो ये जो ऑल कलर से वही आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है जब आप साइज की बात कर रहे हो क्योंकि अगर आप नॉर्मल कलर्स यूज करोगे तो वो कलर्स तो होगा ही नहीं इसके पास फील्ड ही नहीं है जब ग्रुप के बाद हमें वो डॉलर ग्रुप ये जो डॉलर कलर्स का फील्ड ही नहीं है समझ रहे हो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल राइट right, चलो ठीक है कलर्स का लेंथ मिल चुका है हमें यहाँ पे अब डॉलर लिमिट ऑलरेडी देख ली स्किप गाइस इस ऑब्वियस यार एक को स्किप कर दो कुछ नहीं करना स्किप कर देगा सिंपल लिमिट के बाद स्किप ना वी हैव दिस फिल्टर सो गैस अब हमारा नेक्स्ट होगा सिंपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ सो वी हैव अ डोला फिल्टर एंड दी डोला फिल्टर स्टेज फिल्टरस एलिमेंट ऑफ एन एरे एरे के एलिमेंट को फिल्टर करता है लाइक वी हैव अ फिल्टर इन आवर जाव स्क्रिप्ट सो सेम हेर वी हैव अ फिल्टर मैं जस्ट उस तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन जिसमें से ये देखो डोला प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है फील्ड का नाम आपको देना है कुछ भी आप नाम दे सकते हो देन कॉलन कली उसके अंदर आपको डॉलर फिल्टर यूज़ करना है अगेन कली जिसमें से सबसे पहले आपको इनपुट कि देखो डॉलर साइन लगाना जरूरी है ठीक है आप किस एरे के फील्ड को आप फिल्टर करना चाहते हो तो इनपुट में आपको उस एरे का फील्ड देना है एज इट्स लाइक अ एलियस आप कह सकते हो एलियस काइंड ऑफ या आप कह लीजिए कि जो भी आपका इनपुट में आपने नाम दिया है उस फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टेम्प्रेरी डेटा आप कह सकते हो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफरेंस इसके पास है आप कुछ भी कह लो यार कहने का मतलब है कि जस्ट आप इनपुट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो विनोद एज थापा टेक्निकल विनोद को आप एज अ थापा टेक्निकल के नाम से मान रहे हो ये कुछ वैसा है एंड देन यू हैव टू पास द कंडीशन जो आपको जब आपके पास अगर एरे में बहुत सारे डेटा हो आपको चाहिए लेस लेस डेटा वेयर द वैल्यू इज लेस देन इतना ग्रेटर देन इतना या इक्वल टू इतना तो वो कंडीशन आप यहाँ पे दोगे फिल्टर में ठीक है सो लेट्स सी एंड फ़िल्टर में आपको डेटा मस्त मिलेगा है ना तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सो so, कैसे हम बी एस को डेडिटर पर चलते हैं एंड ऑलरेडी डेटा तो था वहाँ पे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश कर देता हूँ ध्यान से देखना ठीक है एंड एक काम करता हूँ आप लोग को और बेटर पता चले है ना और अच्छे से पता चले मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ वी हैव अ डॉलर फिल्टर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो मोंगो डीबी में सो आई गेस ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए ओके दिस वन ठीक है देखो एग्रीगेशन फिल्टर दिखा रहा है सो इनपुट एरे कहाँ गया ओके सो वी हैव प्रोजेक्ट आइटम्स ये नाम है हाँ कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे ये आपको डॉलर फिल्टर इनपुट में आइटम है काइंड ऑफ लाइक आइटम्स के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस ग्रेटर देन हंड्रेड ठीक है उन्होंने क्या बोला ये जो आइटम्स ये जो एक एरे है इसके अंदर ये जो प्राइस है वो ग्रेटर देन हंड्रेड होना चाहिए तो इसका और इसका है सो आइटम्स डॉट प्राइस ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड सॉरी ओवर हंड्रेड लेकिन यहाँ पर ना ये देखो डबल डॉलर साइन है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एंड वी हैव दिस एज तो आप इसको बेसिकली आइटम के नाम से जान रहे हो एज विनोद एज थापर टेक्निकल काइंड ऑफ जिस तरीके से टेम्परे नेम कह सकते हो आप है ना सो so, मैं यहाँ पर चलता हूँ ओ भैया सो ध्यान से देखो मैं ना एक जल्दी से काम करता हूँ सी एल एस करता हूँ या आप लोग को दिख रहा हूँ क्या मैं ऑल आई ठीक है मुझे लगा कहीं बैटरी तो डेड नहीं हो गई ठीक है सी एल एस में कर रहा हूँ क्योंकि गाइस कंटिन्यूसली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए तो इसी बात पे एक लाइक प्लीज़ सिक्स लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए सो इसलिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था ठीक uh, so, uh, है सो डी वी डॉट क्या ये शॉप लिख रहा हूँ मैं भी वी हैव आई थिंक कॉल करके है एंड या आई गेस गाइस कॉल नहीं है मैंने अभी तक कॉल को इम्पोर्ट नहीं किया आई गैस सो फाइंड या कॉल करके है ही नहीं बहुत कुछ सो कॉल ओबरिया वी हैव अ कॉल ओवरिया ठीक है एंड इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको सो so, कुछ ऐसा दिखता है एक <laughs> एक काम करता है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ uh, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टली या तो आप इम्पोर्ट कर सकते थे है ना या तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी तो लिख ही सकते डी वी डॉट कॉल डॉट इन सर्ट मैनी राइट अगर आपको याद हो देन इसको है ब्रैकेट्स एंड देन बेस्ट हो गया काम और किया एंड बस मेक श्योर sure ये जो लास्ट का जो डेटा है ना कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी यहाँ पे आपको कॉमा देना जरूरी है है ना एंड आई डोंट थिंक एक्स्ट्रा कुछ लगेगा आपको यहाँ पे ऑल आर्ट गैस तो आप देख सकते हो कि मैंने उसको चेंज कर दिया है कुछ इस तरीके से है ना एंड या yeah, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है कंट्रोल एस सेव सो आई गेस एवरी थिंग इज परफेक्ट है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ uh, मैं यहाँ पे चलता हूँ पहले वो गड़बड़ हो गया था कोई नहीं एंड ये परफेक्ट मेरा काम हो गया सो वी हैव नाउ अ न्यू कलेक्शन फाइनली एकदम एंड में आके सो लेट्स गो बी सी एस एंड फाइनली वो uh, जो मैं कर रहा था तो मुझे इस तरीके से डेटा आ रहा है देखो वी हैव अ वैल्यूज एंड मैं बताना चाहूँगा मैंने जो क्वेरी लिखा है यहाँ पे एंड दैट इज़ वेयर द वैल्यूज इज़ ग्रेटर देन थर्टी तो ये जो भी मेरे वैल्यूज़ वाली फील्ड है वहाँ पे मुझे वो सारे वैल्यूज दो तो जो कि ग्रेटर देन हो थर्टी हर एक फील्ड में वैल्यू जिसकी ग्रेटर देन हो थर्टी मुझे सिर्फ वही रिटर्न करो एलिमेंट्स ठीक है मुझे चाहिए वैल्यूज ग्रेटर देन थर्टी करने के डिफरेंट तरीके हैं बट मुझे फिल्टर की तरह करना है कैसे सो so, देखो ये वैल्यूस है ठीक है so, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डी बी डॉट कॉल आई होप आपको पता चल गया व्हाट इज दिस कॉल बेसिकली कलेक्शन का नाम है डॉट एग्रीगेट पैरेंथिस आपका स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कल ब्रेसिस दिस इज इट ये तो लगेगा ही लगेगा वी हैव अ प्रोजेक्ट कली ब्रेसेस लगेगा ही लगेगा आपको यहाँ पे एक फील्ड का नाम देना होगा uh, क्या था डेटा यहाँ पे वी हैव अ नेम एंड देन वैल्यूज तो मैं चाहूँगा ठीक है यार मुझे नेम आप दिखा दो नेम में मुझे प्रिंट कराना है वरना नहीं आने वाला वो नाम तो मैंने वन कर दिया ठीक है एंड कॉमा एंड ऑब्वियसली लेट्स गो विद वैल्यूज ओनली मैं वैल्यूज ही लिख रहा हूँ यहाँ पर आप uh, थापा वैल्यू लिख दो कुछ भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कली ब्रेसेस अब यहाँ पे अब आपको फिल्टर देना है फिल्टर कॉलन एंड देन कली ब्रेसेस देखा ये सिंटैक्स एगैस जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव ब इनपुट सो इनपुट का मतलब ये है कि आप किस एरे के फील्ड को फिल्टर करना चाहते हो मैं वैल्यूज ये जो एरे का फील्ड है इसको मैं करना चाहता हूँ सो so, यहाँ पे ना मैक्सो sure आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा ताकि आप ये बताओ दिस इज माई एग्जिस्टिंग फील्ड ये मेरा अपना खुद का एक एग्जिस्टिंग फील्ड है ये वो फील्ड नहीं है जो हम क्रिएट कर रहे हैं सो डैट्स वाई डॉलर कॉमा आपको एज बेसिकली एलियस कह सकते हो जो कि आप रेफरेंस कर रहे हो ये ठीक है इसको अगर आप किसी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ना कभी कभी का नाम इतना लंबा हो आपको एक शॉर्ट नाम चाहिए उसके लिए ठीक है भाई मैं बोलूँगा वेल सिंपल वेल ठीक है सो इट्स अ टेम्प्रेरी डेटा यू नो सो मैं यहाँ पे चलता हूँ आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं डॉलर वैल्यूज को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विनोद एज थापा टेक्निकल इससे आप समझ गए सो so, मैं डॉलर वैल्यूज में जो अगर मैं अब वैल्यू भी लिखता हूं मतलब मैं डॉलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैल डॉट समथिंग मतलब मैं इसको टारगेट कर रहा हूं ठीक है अब उन्होंने क्यू लिखा आई डोंट नो बट लिख दिया उन्होंने एंड लास्ट इज वी हैव अ कंडीशन वो अगेन आपको सी ओ एन डी लिखना है कलीब्रेसिस वेयर दी प्राइज इज़ ग्रेटर देन एंड हाँ एक चीज़ नोट करना कि हम ग्रेटर देन थर्टी लिखते थे है ना बट ना वी आर इन टू अ वो भी फिल्टर मैथड के अंदर जहाँ पे फिल्टर जो है ये काम करता है एरे के साथ तो कुछ आप इस तरीके से समझो एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको सिर्फ थर्टी लिखने से काम नहीं चलेगा आपको ये जो डॉलर वैल्यूज जो है ना बेसिकली ये वाला पार्ट ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे कोमा देना पड़ेगा आपका ये जो वैल है इट इज़ ग्रेटर देन थर्टी तो कुछ वो इस तरीके से वरना पहले वैल फिर ब्रैकेट में ग्रेटर देन एंड देन थर्टी होता था यहाँ पे पहले ग्रेटर देन आ रहा है फिर आपका एरे बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स वैल मतलब मेरा डॉलर वैल्यूज ग्रेटर देन थर्टी तो अब अगर मैं ये करता हूँ तो कैसे मेरा ये काम नहीं करेगा मेरा, मैंने क्या बोला मेरा ये काम नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा uh, काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी मुझे डॉक्यूमेंट्स तो भी आ रहा है बट किसी काम का नहीं है वो ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों सो so, यहाँ पे देखिए इस ये जो अगर आप एज इट इज़ लिखते हो सो नाउ इट्स वर्किंग एज अ स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है बट हमें थोड़ी स्ट्रिंग चाहिए मैं तो चाहूँगा कि मेरे वो इस फील्ड को टारगेट करे तो अब अगर मैं डॉलर ऐड कर दूँगा सो नाउ डॉलर वैल देखो ना डॉलर वैल्यूज तो मैंने लिखा ही है इसका मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट के फील्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट डॉलर वेल well करके तो कोई मेरे इस डॉक्यूमेंट uh, uh, के अंदर ऐसा कोई फील्ड्स है ही नहीं समझ रहे हो तो मुझे तो क्या करना है मेरा ये जो टेम्पररी वेरिएबल है डैट इज़ वेल इसको मुझे रिप्रेजेंट कराना है ना तो मैं एक और डॉलर साइन यूज़ करूँगा सो नाउ डबल डॉलर साइन का मतलब है कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको रेफरेंस दे रहा हूँ एंड अगर इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ये बाई डिफॉल्ट डॉलर वैल्यूज को रेफरेंस दे रहा है एंड डॉलर वैल्यूज इज़ नथिंग बट आवर फील्ड ओवर हियर एंड जहाँ पे और फील्ड में जो भी डेटा होगा इट्स ग्रेटर देन थर्टी होना चाहिए सो डबल डॉलर इस तरीके से आपके इस एलियस नेम में तो एलियस नेम एस मेरे को ईजी पड़ रहा है या टेम्प्ररी वेरिएबल कह लीजिए ताकि बार बार इसको वो रिप्रेजेंट ना करना पड़े या आप कुछ भी कह लो यार इसको बट uh, है ना जो भी हो बट ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे इतना आप समझ समझिए डॉलर डबल डॉलर मतलब है ना सो so, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ बोमगा सी देखिए स के ऊपर डेटा कहीं पे भी आपको तीस से कम डेटा नहीं मिलेगा सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर फिल्टर मेथड एंड या गाइस दिस इज इट तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम एटलेस एंड कॉम्पास के साथ कैसे काम कर सकते एंड हम हमारा फाइनल प्रोजेक्ट देखेंगे विथ नोड मोंगो एंड नोड एंड देन मोंगूस विथ नोड सो गाइस अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड आप देख रहे हो तो गाइस प्लीज एक लाइक तो बनता है कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें खासकर तब जब आप कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हो गला बैठ चुका है बट जो भी हो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बरबर के शेयर जरूर कर दीजिए एंड सिक्स लैक सब्सक्राइबर हमें बहुत जल्द कंप्लीट करना है ऑल आर गाइज तो फाइनली हम आ गए हमारा इंट्रोडक्शन टू मोंगो डीबी एटलेस जो मैंने एज अ बोनस आपको कहा था ठीक है तो ये जो मोंगो डीबी एटलेस होता है ये क्या एक मोंगो डीबी फुली मैनेज क्लाउड बेस्ड डेटा बेस सर्विस है जो आपको सारा आपका जो डेटा बेस है मैनेज करने का काम करता है ये इट ऑफर्स एन ईजी वे टू डिप्लॉय मैनेज एंड स्केल मोंगो डी बी डेटा बेस इन द क्लाउड मतलब क्लाउड में अपने डेटा बेस को ये गाइस आप डिप्लॉय भी कर सकते हो मैनेज भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली एटलीस्ट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर द मैनुअल सेटअप जो जो भी हम सेल में कर रहे थे ना इतना कुछ मैनुअल सेटअप तो वो इसको एलिमिनेट कर देता है ठीक है लेकिन से इसका मतलब ये नहीं कि सेल में आपको पढ़ना नहीं है गया इसलिए मैंने फ्रॉम बेसिक टू एंड सब कुछ आपको सेल में दिखाया क्योंकि वंस आपका बेस क्लियर तो उसके बाद आप एटलेस बहुत इजीली काम कर सकते हो देन इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड स्केलिंग ऑप्शंस टू अकोमोडेट ग्रोइंग वर्कलोट से तो जब आप एडमेंस करोगे तब तो पता चल जाएगा बाकी एटलेस सपोर्ट ग्लोबल क्लस्टर्स एनेबलिंग डेटा टू बी डेप्लॉयड अक्रॉस मल्टीपल रीजन फॉर बेटर डेटा एबिबिलिटी एंड रिड्यूस लेटेंसी ठीक है ये आपको एटलीस्ट पता चल गया बेसिकली क्लाउड में आपके डेटाबेस सर्विस को एकदम प्रॉपरली मैनेज करने में ये आपका काम आता है ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेट्स गो विथ मोंगो डीबी एटलेस सेटअप्स ऑल राइट तो देख लीजिए तो अब हम हमारा जो मोंगो डीबी एटलेस का जो सेटअप है उसको कर लेते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं प्लीज कर दीजिएगा हम बहुत ही करीब है सिक्स लेक सब्सक्राइबर के गाइस प्लीज़ कर दीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब बनाने में तो मैं चाहता हूँ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद या थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है यू नो जोश आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड खासकर पी में तो बहुत मेहनत लगी है सच्ची मैं बता नहीं सकता बट एनी हम यहाँ पर चलते हैं आपको गाइस सिंपल एटलेस लिखना है या तो आप मोंगो डिबी एटलेस लिख दीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा सो वी हैव अ मोंगो डीबी एटलेस ओवर हियर इस पर आपको क्लिक करना है मुझे ये देखना है कि मैं वो ऑलरेडी लॉग इन तो नहीं ऑल राइट right मैं इसमें लॉग इन नहीं हूँ बेस्ट यही है तो गाइस आपको ना यहाँ पे देखो साइन इन करना ही पड़ेगा ठीक है आप साइन इन कीजिएगा या तो आप डायरेक्टली गूगल की मदद से कर सकते हो एल्स आपको गाइस सबसे पहले तो साइन uh, इन तब करोगे ना जब आपने रजिस्ट्रेशन रेज... <laughs> किया होगा तो ट्राई फ्री पे क्लिक कीजिए आपका नाम आपका लास्ट नेम कंपनी का नाम Uh, देखो कंपनी के आगे ना स्टार मार्क नहीं है तो आप कुछ भी uh, छोड़ दोगे तो भी चलेगा पासवर्ड आई एग्री आप क्रिएट कर सकते हो एल्स गाइस मैं तो मोस्टली प्रिफर करता हूँ टू गो विद दी गूगल अकाउंट तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा अकाउंट uh, मतलब नहीं दिखाई दे रहा होगा <laughs> तो मैंने जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर दी है तो लेट्स uh, सी क्या होता है ये तो आप देख सकते हो गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है जहाँ पे नेक्स्ट ये है आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू Here we have a database ka का डेप्लॉयमेंट uh, Then हेर वी हैव द डेटा बेस डेप्लॉयमेंट मॉड्यूल ये तीसरा और दो आने वाले कहा भाई जल्दी से आ जा चलो ठीक है guys नहीं आए it doesn't matter. तो कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये है आपका एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैव क्लस्टर्स क्लस्टर्स के अंदर वी हैव अ प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर वी हैव अ डेटा समझ रहे हो ना सो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन हेयर वी हैव आवर एक्चुअल प्रोजेक्ट uh, सी आपके प्रोजेक्ट से ठीक है एंड देन हेयर वी हैव अ ओवर व्यू हेयर वी हैव अ डेटा बेस इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कंट्रोल एंड देन इक्वल टू तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है डेटा बेस फिलहाल तो कुछ है ही नहीं कहाँ से होगा डेटा बेस एंड देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आप इस पर आइएगा सिक्योरिटी पे वी हैव अ डेटा बेस एक्सेस तो यहाँ पे गाइस बाय डिफॉल्ट मुझे एक इस तरीके से एक यूजर नेम दिखाई दे रहा है मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ <laughs> था पा इसको मैंने डिलीट कर दी चलो ठीक है नौ गाइस सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्योंकि पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड जैसे कि का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है सो हेर वी हैव अ न्यू यूजर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बता रहा बट यहाँ पे आपका यूज़र का नाम मैं काम करता हूँ मैं रख देता हूँ थापा यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ ठीक है दिस इज़ इट एंड ये जो पार्ट है बिल्ट इन रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास पूरा पावर हो तो एटलेस का एडमिन आप इसको बना दीजिए बाकी सब एज इट इज़ एंड देन एड यूज़र पे आप क्लिक कर दीजिए एंड बूम गाइस सो नाउ मेरा वापस से जैसे पहले दिख रहा था वैसे ये मेरा एक यूजर एंड पासवर्ड आई होप आपने पासवर्ड कहीं सेव करके रखा हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हो तो वापस डिलीट कर दो एंड एंड देन वी हैव दिस नेटवर्क एक्सेस मेक्स योर कि आप जो भी आपका ये आई एड्रेस देखो इनएक्टिव दिखा रहा है एडिट पर जाइए एंड देन इसको कन्फर्म कर दीजिए एंड एड आई एड्रेस अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी ये जो पार्ट है इसको कंफर्म कर दीजिए ताकि कोई भी इसको कहीं से भी एक्सेस कर सके सो या गाइस दिस इज इट ये मेरा काम हो चुका है सो डेटा बेस एक्सेस हो गया है नेटवर्क का एक्सेस हो गया है वी हैव अ डेटा बेस ओवर हियर। ऑल आर गैस तो अब हम हमारा जो एक्चुअल सेटअप है उसको कर लेते हैं सबसे पहले टॉप पे चलते है वी हैव अ ऑर्गेनाइजेशन व्यू ऑल ऑर्गेनाइजेशन पे आपको क्लिक करना है फ्रॉम एकदम स्टार्ट टू एंड क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैस मॉगो डी बी एटलेस एंड देन क्लाउड मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है सो हम मोंगो डीबी एटलेस के पास जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन नाम दे देते मोंगो तो एंड देन थापा ठीक है इस तरीके से मोंगो थापा एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग है सो मोंगो थापा मैंने नाम दे दी है ये बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो बेसिकली क्रिएट कर सकते हो एंड उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके डेटा रहेंगे ठीक है एंड तो मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे गाइस देखो ये परमिशंस दे रहा हूँ ओके okay, जो है मैं एडमिन का परमिशन दे रहा हूँ एंड ओके okay, तो अब हमारा ये प्रोजेक्ट वाला फेज आ गया अब जैसे आप ई e कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना तो ये देखो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे नाम दे दीजिए ई कॉमर्स ई कॉमर्स एंड मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दी तो जो मेरा ईमेल आईडी था मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दी ताकि जो मेरा एक्चुअल ई है उसको सारा एक्सेस मिले तो अब आपका ओवरव्यू आ जाता है अब आपको एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा नाउ चूज योर लोकल प्रोवाइडर रीजन्स एंड देन स्पेसिफिकेशन ऑब्बियसली आपको कनेक्ट करना है आपको अपना डेटा बेस क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे चलना पड़ता है एंड सो so, हम जाएंगे एम ओ बेसिकली हमारा फ्री वर्जन पे जहाँ पे हमारा ये जो सी पी यू है वो भी सेड है रैम भी सेड है एंड स्टोरेज पाँच सौ बारह एम बी का दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे रीजन आप मुंबई सेलेक्ट कर लीजिए बिकॉज मुझे मालूम है कि मुंबई हमें मिलता है यहाँ पे क्लस्टर का नाम आप एज इट इज रख दीजिए कुछ भी रख सकते हो ऐसा कुछ नहीं क्लस्टर जीरो रख दो या कुछ भी रखो बेसिकली क्लस्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप हर जगह सुनोगे वेन इट कम्स टू योर मोंगो डीबी क्लस्टर का मतलब है क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर्स और नोड क्लस्टर क्या है ग्रुप ऑफ सर्वर्स और नोड जो एक साथ मिलके काम करे टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा जी हा गाइस इसका मतलब ये हुआ कि एसक्यूएल में आई मीन नो एस में बेसिकली मोंगो डीबी में आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काम आता है मतलब वी हैव अ मल्टीपल सर्वर्स जहाँ पे आपका डेटा होस्ट हुआ होगा एक साथ तो अगर कोई एक सर्वर कुछ हुआ भी तो बाकी जगह से हम डेटा गेट कर सकते हैं बट व्हेन इट कम्स टू यूर एसक्यूएल डेटा बेस उस वहाँ पर आपका वर्टिकल स्केलिंग uh, होती है जहाँ पर सारा डेटा एक साथ होगा एंड गलती से कहीं पर कुछ भी हुआ गया वो खत्म उधर ही है ना क्योंकि सब कुछ एक ही टावर बनता जा रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अलग 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 तो ये क्लस्टर है ग्रुप ऑफ सर्वर्स मैं क्रिएट कर देता हूँ ठीक है आई होप आपको क्लस्टर का मतलब पता चल गया एंड देन हेर वी हैव दिस यूजर नेम एंड देन पासवर्ड तो ये मेरा यूजर uh, नेम है पासवर्ड मैं कुछ और रखता हूं तो so, ये मेरा पासवर्ड मैंने ऐड कर दी मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दूंगा वी हैव अ लोकल इन्वॉल्वमेंट वी हैव अ क्लाउड इन्वॉवमेंट विल गो विद द लोकल इन्वॉल्वमेंट एंड देन यहां पे आई पी एड्रेस जो एड माई करंट आई पी एड्रेस ऑलरेडी एडेड है पहले से ही नो प्रॉब्लम तो अब आपको फिनिश एंड देन क्लोज पे क्लिक कर देना है हाइट क्विक स्टार्ट ऑब्वियसली क्विक स्टार्ट को मैं हाइट कर देता हूँ तो अब मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर ली है है ना तो अब गाइस मुझे चलना होगा यहाँ पे ध्यान से देखो डिप्लॉयमेंट में वी हैव दिस डेटाबेस वाला ऑप्शन तो अब आपको डेटाबेस पे चलना होगा ठीक है सो दिस इज आवर क्लस्टर एंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको अब आप बेसिकली थोड़ा सा समय ले रहा है ये बट इट डजेंट मैटर तो गाइस वन से हो जाए वापस आप डेटाबेस एक्सेस पे आइएगा व आवर कम्प्लीट डेटा आई होप आपको मालूम है इसका जो भी डेटा था एंड नेटवर्क एक्सेस पे आपको आना है चेक करना है कि आपका यह स्टेटस क्या है आपका स्टेटस गए इसे एक्टिव होना चाहिए स्टार्टिंग में आपको इनएक्टिव था बट यह अब आप देखो चेक हो रहा है यहां पर ठीक है और मैं चेक करूँ और कुछ है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी वेरिया तो मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूं ऑल राइट right, ये तो एक्टिव हो गया है थोड़ी देर में अब हमारा ये जो पार्ट है ये भी एक्टिव हो जाएगा ठीक है सो मैं वापस डेटा बेस पे आता हूँ सो so, uh, मैं अगर आपको दिखाऊं वी हैव अ व्यू मॉनिटरिंग ओवर हियर ही फिलहाल तो आप फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि क्यों कोई डेटा है नहीं ओवर व्यू पर अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ सो दिस इज आवर क्लस्टर्स तो यहाँ पे गाइस आपके एक्चुअल में डेटा जो भी है यहाँ पे सेव हो रहा होता है सो दिस इज योर क्लस्टर या वी हैव अ रियल टाइम डेटा जो भी हो रहा होगा बट फिलहाल अभी नहीं है तो नहीं दिखेगा एंड मेट्रिक्स uh, है कलेक्शंस है रिसर्च है प्रोफाइलर्स है ऑनलाइन आर्काइव है कलेक्शंस अभी तक हमने क्रिएटिव नहीं किया आई नो आपको ऑलरेडी अब आप पता है कि कलेक्शंस किसे कहते हैं डेटा के अंदर वी हैव मल्टीपल कलेक्शंस एंड इन वन कलेक्शंस वी हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स तो ये वो वाला कलेक्शन है जिसमें फाइंड इंडेक्सेस एग्रीगेशन सर्च ये सब कुछ हम कर चुके हैं ना तो मैं वापस ओवरव्यू uh, पे चलना चाहूँगा तो क्या इसमें वापस हमारा ये जो ओवरव्यू है इस वाले पे मैं चलना चाहूँगा सो so, अब यहाँ पे आप देखो वी हैव दिस कनेक्ट वाला ऑप्शन तो जब द मोमेंट आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो वी हैव दिस मल्टीपल ऑप्शन जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे मोंगो के सेल पे राइट तो मैं आपको सेल पे दिखाऊंगा देन मैं आपको कॉम पे दिखाऊंगा है ना एंड देन मैं आपको गाइस दिखाऊंगा कि आप ड्राइवर्स जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होने वाला है तो लेट्स गो विथ सेल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ uh, मेरे पास तो ऑलरेडी मोंगो का सेल है हमने स्टार्टिंग में याद है सेकेंड इंस्टॉलर जो था मोंगोस वही है ये ठीक है ये आपका वर्जन है एंड हेयर वी हैव द एक्चुअल ये देखो गाइस किस तरीके से तो सिंपल आपको इसको कॉपी करना है एंड आई होप आपको आपका जो आई डी एंड देन पासवर्ड अच्छे से याद होगा क्योंकि आई डी तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दे दी इन्होंने पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा तब ठीक है तो मैं सी एम डी पे चलता हूँ ध्यान से देखना यहाँ पर मैं चल रहा हूँ सी एल एस में करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे डायरेक्टली चल रहा हूँ इस तरीके से मैं एंटर हिट कर रहा हूँ मोंगोस कनेक्ट करने के लिए एंड दिस इज़ इट गाइस कितनी इजीली आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं पे आपको क्या लिखना वही सो डी करो तो देखो आपका ये देखो एडमिन एंड देन लोकल आपको आपका डेटाबेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है सो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉम्पास जो कि और मजा आ जाएगा तो जो कुछ हम सेल से कर रहे थे वही हम सेम कॉम्पास की मदद से भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये एटलेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के थ्रू ही हम मल्टीपल कनेक्शन बनाते हैं मैंने देखो यहाँ पे कनेक्ट की ये देखो मुझे एडमिन एंड लोकल दिखाई दे रहा है क्योंकि फिलहाल अभी मेरे इसमें कोई डेटा है ही नहीं अगर डेटा बेस पर मैं चलना चाहूँ ब्राउज कलेक्शन करूंगा तो कैसे इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं डेट्स वाई ठीक है तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ

यहाँ पे आप आइए एंड देन इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में जब हम इंस्टॉल कर रहे थे आपका बाई डिफॉल्ट उसने मॉन्ग कॉम्पास जो है ना उसको इंस्टॉल कर दिया था गाइस अगर आपको याद होगा जब हमारे पास ऑप्शन आया था तब मैंने दिखाया था इस पर आपको क्लिक करना है एल्स आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल करके नेक्स्ट 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 करो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इट इज़ सुपर डुपर ईजी इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है तो ऑलरेडी देखो इस कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है आपको एंड यहाँ पे अब मुझे कनेक्ट करना है ठीक है सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वापस मैं मेरे uh, फाइल पे चलता हूँ ओवर लेट्स अगेन गो विध ओ यू वाला पार्ट एंड हेयर वी हैव दिस कनेक्ट वाला पार्ट कनेक्ट पे मैं जाऊँगा दिस ता, दिस टाइम मुझे अब कॉम्पास से कनेक्ट करना है देखा सेल से मैंने कनेक्ट की मतलब अब मेरे यहाँ पे जो भी डेटा बेस उसके साथ में खेल सकता हूँ अब मैं कॉम्पास की मदद से उसको कर, खेलना चाहूँगा आई हैव मोंगो डी बी कॉम्पास इंस्टॉल्ड हेयर वी हैव पासवर्ड वाला फील्ड है इतना ध्यान रखना है इसको कॉपी करना है यहाँ पे आके आपको पेश करना है एंड ये जो पासवर्ड वाला जो फील्ड है उसको आपको हटाना होगा ठीक है वो एंगल ब्रैकेट्स भी हटा दीजिए जो भी आपका पासवर्ड है टाइप कीजिए एंड देन आप सेव एंड कनेक्ट या तो सिंपली कनेक्ट कर सकते हो द मोमेंट आप करते हो एंड डोम गाइस सी यही मैं आपको दिखाना चाहता था दिस इज योर देखो एडमिन एंड देन लोकल एंड मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं सॉरी नॉट ओवर ही पहले पासवर्ड रॉन्ग था वो बट यहाँ पे आप देखो एडमिन एंड देन लोकल देखा अब आपका सर्वर जो है वो क्लाउड पे है आई I मीन mean आपका डेटाबेस क्लाउड पे है एंड आप बहुत इजीली सेल की मदद से उसको कनेक्ट कर पा रहे हो कंपास कॉम्पास की मदद से उसको कनेक्ट कर पा रहे हो है ना बहुत ज्यादा औसम लेकिन अब हम इसको देखते हैं देखो यर वी हैव अ डेटाबेस मुझे अब एक और डेटाबेस क्रिएट करना है ठीक है सो so, मैं इस पर क्लिक करूंगा प्लस साइन पे तो डेटाबेस का नाम मैं रख दूंगा सॉप अगर आपको याद होगा हमने सॉप रखा था राइट प्रोडक्ट्स वी हैव मल्टीपल लेट्स गो विथ प्रोडक्ट्स का नाम कलेक्शन का नाम प्रोडक्ट्स एंड देन मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दूंगा द मोमेंट ये मैं करता हूँ सो कैस कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपका प्रोडक्ट कलेक्शन बन के रेडी है हमें ऑलरेडी मालूम है कलेक्शन क्या होता है है ना तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली याद है हमने मोंगो वो डेटाबेस टूल्स इंस्टॉल की थी मोंगो इम्पोर्ट मोंगो एक्सपोर्ट की मदद से हमने प्रोडक्ट्स अगर आपको याद होगा तो ये थे ये जितने भी हमारे जेसेंस फाइल थे उसको मैंने आपको कहा बहुत ईजिली कैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो मैंने दिखाया बट वही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अब इतना इजी हो गया यहाँ पर देखो कम पे इंपोर्ट डेटा या ऐड डेटा पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो सो इधर यहाँ पर या यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो प्रोडक्ट्स वाला है इस पर क्लिक करना है एंड इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है मतलब इतना ज़्यादा इजी है ये अब देखो मेरा पूरा डेटा देखो टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी फाइव डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेड ये यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया अब ये जो देख रहे हो गाइस यहाँ पे फ़िल्टर है क्वेरी यहाँ पे सेम हुई है अगर आपको याद होगा तो अब अगर मैं यहाँ पे भी चलता हूँ मैं साइड बाई साइड दिखाऊँगा ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए अब ध्यान से देखना थोड़ी देर पहले तो मुझे ये दिखाया था बट अब मैं सेल से भी कनेक्ट हूँ कम्पास से भी कनेक्ट हूँ मेरे है ना एटलेस पे तो अब मुझे यहाँ पे शॉप मिल रहा है देखा एंड मैं क्लीन कर लेता हूँ ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ यूज शॉप सो कलेक्शंस मैं यहाँ पे चलता हूँ सो कलेक्शंस ये देखो मुझे प्रोडक्ट्स आ गई है ना तो यहाँ पे ना मैं एक कमांड लिखता हूँ डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड डॉट लिमिट मैं यहाँ पे कर देता हूँ थ्री तो मैं ये कर सकता हूँ तो बेसिकली मुझे तीन डेटा आएगा कुछ वो इस तरीके से है ना सो so, आप देख सकते हो मुझे तीन डेटा आया कुछ वो इस तरीके से जहां मैंने क्या लिखा डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड एंड देन लिमिट ये आपको क्वेरी पता चल गया है है ना अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट पे देखो यहाँ पे मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकता हूँ कि लेट्स uh, uh, से मैं एज इट इज़ अगर छोड़ दूंगा तो कैसे कोई फायदा नहीं हो कंप्लीट आने वाला है मैं अगर एक काम करता हूँ यहाँ पे ना मैं सेम कमांड को यहाँ पे कली ब्रेस लगा के बोल देता वेयर द प्राइस इज़ इफ यू रिमेंबर वी हैव लाइक बारह सौ के ऊपर अगर मैं चलता हूँ तो डेटा है ही नहीं बार सॉरी मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता सी एल एस कर देता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है ध्यान से देखना ये जो पार्ट है सी एल एस यहाँ पे एज इट इज़ दिख रहा है आपको ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पर एक और कल्ली ब्रेसेस लगेगी ठीक है कुछ जो, आ, एक और लगेगा ठीक है ये इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राइस ग्रेटर देन याद है हमने ये किया है आई होप आप भूले नहीं होंगे एंड ऑब्वियसली हार्डली हमारे पास तीन ही डेटा है ठीक है तो ये जो कमांड है अगर इसी कमांड को मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा देखो ये जो पार्ट है ना कली ब्रेसिस मतलब ये तो अब आपको लिखने की नीड ही नहीं है डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड आपको लिखने की नीड ही नहीं है ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे है यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राइस इज यहाँ पे आपको चल के डॉलर ग्रेटर देन एंड देन बारह सौ देखो इस तरीके से लिख के आप फाइंड पे क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ ये तीन डेटा आएगा ठीक है कितनी इजीली अब यहाँ पे मैं क्या कर दिया मैंने लिमिट थ्री करने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था अब मैं सिर्फ लिमिट वन कर दूंगा मुझे एक ही डेट आ रहा है तो यही लिमिट वन मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे वी हैव दिस मल्टीपल ऑप्शंस अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर डॉट लिमिट कर दूँगा कुछ ऐसे तो क्या लेट्स सी क्या होता है <laughs> नहीं होता है यहाँ पे ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वी हैव अ ऑप्शन हेयर वी हैव दिस लिमिट कितना वन एंटर देखो मुझे सिर्फ मतलब आप समझ रहे हो जो कुछ हमने कमांड के थ्रू किया एटलेस में बाय डिफॉल्ट बहुत ही इजी तरीके से पहले से दी हुई है अब कितनी स्किप करना हो करो ये देखो हमने शॉर्ट करना याद है आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे प्राइस जो है वन कर देता हूँ एंड फ़िलहाल मैं लिमिट जीरो लिमिट हटा रहा हूँ अब मैं फाइन करूँगा तो देखो वन टू डबल नाइन वन ट्रिपल नाइन वन ट्रिपल नाइन वहीं इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर अब वन ट्रिपल नाइन वन ट्रिपल नाइन वन टू डबल नाइन तो इस तरीके से गा इस आपके एटलेस पे कितनी इजीली इंपोर्ट कर सकते हो डेटा अगर डिलीट करना हो सपोज़ ये वाला डेटा अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या इस यहाँ पे चलो डिलीट पर क्लिक कर दो एंड देन डिलीट हो गया डिलीट इतनी इजिली तो लेट से अब आपको अपडेट करना है तो क्या कोई भी डॉक्यूमेंट पर देखिए यहाँ पर जाइए एडिट डॉक्यूमेंट ये 1200 को आप गाइस सिंपल इस तरीके से तेरह सौ निन्यानवे कर दीजिए एंड आई नो आपको दिख नहीं रहा है बट या गाइस अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वी हैव दिस अपडेट वाला बटन है ना ये देखिए अपडेट वाला अपडेट पे क्लिक कर दूंगा डॉक्यूमेंट अपडेटेड आपका प्राइस अपडेट हो गया <laughs> मतलब आप देख रहे हो कि हमें वहाँ पर अपडेट करने के लिए डॉलर सेट ये वो करना पड़ा यहाँ पर तो सिंपली क्लिक आपका अपडेट सिंपली डिलीट आपका डिलीट इंसर्ट करना हो डेटा तो आप इंसर्ट यहाँ पर करो बहुत ज़्यादा ईजिली सो लेट से आपको डेटा अगर इंसर्ट करना हो तो ऐड डेटा पे आना है या तो इंपोर्ट करो या तो इंसर्ट करो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो या गाइस आपको अगर लगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो एक और ऐड कर दो ऐड आफ्टर अ फील्ड तो यहाँ पे आप गाइस नाम दीजिए यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए आप समझ रहे हो गाइस किस तरीके से आप यहाँ पे आपका स्ट्रिंग होगा कि क्या होगा कौन सा डेटा होगा तो कितनी ज़्यादा ईजिली यहाँ पे आप जो कर्ड ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हो या वी हैव दिस देखो आप यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो एग्रीगेशन इस यूज़ कर सकते हो इंडेक्सेस आप यहाँ पे डायरेक्ट एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो क्रिएट अ इंडेक्स जो अगर आपको याद हो हमने इंडेक्स क्रिएट की थी प्राइस की तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो बट कहने का बात ये है वास् आपको ये पता चल गया कि जो कुछ भी मोंगोडीबी में इंपॉर्टेंट है अगर वो आप यहाँ पर कर पाते हो देन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए मतलब बच्चों वाला काम है ये ठीक है सो दिस इज़ योर कॉम ठीक है जो भी था आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया एंड कितनी ज़िली हम यहाँ पे काम कर सकते थे अब उसी तरीके से और भी चीज़ है लेट से आपको अब एक और कलेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पे अगेन यहाँ पे आइए शॉप के सामने प्लस पे क्लिक कर दीजिए वी हैव अ कैटिगोरीस है ना इस पर क्रिएट क्लिक कर दीजिए इम्पोर्ट डेटा पे आइए यार वी हैव ओवर हियर एंड देन देखो कितनी जिले इम्पोर्ट हो गया तो आप समझ रहे हो अब वही सेम चीज़ अब मैंने तो यहाँ पर इम्पोर्ट की लेकिन मैं अगर टर्मिनल पे चलता हूँ सी कर देता हूँ अगर मैं सो अगर मैं कलेक्शंस करता तो अब मुझे कैटेगरीज भी आ गई तो मतलब मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहा मेरा वो एक्चुअल क्लाउड में हो रहा है जहाँ से मैं डायरेक्टली सेल से भी उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मैंने कंपा से भी उसको कनेक्ट की हुई है अब अगर मैं चलता हूँ हमारे एक्चुअल यहाँ पे हेयर वी हैव दिस कलेक्शन अब मैंने दो कलेक्शन इसमें ऑलरेडी एड कर चुका हूँ हेयर वी हैव अ कैटेगरी एंड देन वी हैव दिस प्रोडक्ट्स तो सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते देखो ना वही जो फंक्शन uh, है लाइक वेयर द प्राइज इज ग्रेटर देन लेट से बारह सौ एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दो तो आपको डेटा दिखाई देगा देखो ये दो ही डेटा है तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते थे बट यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे आप जाओगे तो गाइस वो लिमिट वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिला सो so, uh, कहने का मतलब है कि गाइस यहाँ पे आपका डेटा सेव रहेगा देन आप उसको कंपास या अपने मोंगो सेल से आप कनेक्ट कर सकते हो ठीक है तो ये था आपका एक्चुअल में आपका एटलेस वहीं कॉम्पास का मैं थोड़ा और फ्यूचर आपको बताना चाहता हूं इलेट से अब आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए सो राइट क्लिक आप ड्रॉप कलेक्शन यहां पे क्रिएट कर सकते हैं इलेट से कैटेगरी मुझे नहीं चाहिए तो मैं काम करता हूं कैटेगरी पे चलता हूं मैं ड्रॉप कलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा आपको यही सेम चीज वापस लिखना पड़ेगा एंड देन ड्रॉप कलेक्शन पे क्लिक करना है तो अब आपका सिर्फ प्रोडक्ट्स रह गया ठीक है अब अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो वी हैव मल्टीपल डेटा जो जो हमारे लोकल सिस्टम पे है परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल नहीं है एंड <laughs> क्वेरीज तो इतना ही है यहाँ पे वी हैव डेटा बेस अगेन यहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो स्टोरेज का साइज डॉक्यूमेंट्स कितने हैं एवरेज इंडेक्सेज बाय डिफॉल्ट अंडर स्कोर आईडिया आपका एक इंडेक्स रहता है सो so, ये था आपका एटलेस सॉरी ये था आपका कॉम्पास एंड वी हैव आवर एटलेस ओवर हियर ठीक है सो so, इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है अब ये जो एटलेस है ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें actual data है। हमारा एक्चुअल डेटा है यही हमारा डेटा बेस है जिसको हम हर जगह से एक्सेस कर पा रहे हैं अब मैं वापस यहाँ पे चलूँगा मेरे ओवरव्यू पे अब हम चलते गए इस हमारा फाइनल प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा ओवर ही तो ये हो गया मोंगो डिव्यू हो गया है अब हमें सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है या गाइस आई होप आपको पता चल गया कि मोंगो डीवी एटलेस कितना यूजफुल था वहाँ पे हम अपना डेटाबेस को कैसे लाइव होस्ट कर सकते हैं एंड जो कुछ भी हमने हमारा जो लोकल होस्ट पे समझा था उसको मैंने सब कुछ दिखाया कि वो सेम अब आप, आप अपना बेसिकली जो एटलेस है वहाँ पे भी उसको परफॉर्म कर सकते हो ठीक है सो गाइस वंस अगेन वो तो था आपका डेटाबेस होस्ट करने के लिए लेकिन अगर आपको कोई कम्प्लीट एप्लीकेशन होस्ट करना वी नीड अ डेडिकेटेड सर्वर सो डैट्स वाई होस्टिंग और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस प्लीज चेकआउट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थापा सेबन स्पेशल कूपन कोड है उसको ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड फॉर फर्दर प्लेलिस्ट सब कुछ बनाया है रिगार्डिंग डोमेन वेब होस्टिंग कैसे होस्ट करना है सर्टिफिकेट कैसे गेट करना है कैसे कनेक्ट करना है यू you नो know, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा सो so, कैसे होगा देखो गाइस सबसे पहले तो मोंगो डीबी ड्राइवर्स क्या होता है एंड वर्किंग विथ नोट जेस मोंगो डीबी ड्राइवर ठीक है तो मोंगो डीबी ड्राइवर्स का मतलब ये कि देखो डेटाबेस है वो स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो मैंने ये डायग्राम आपको बताया था वी हैव दिस डेटाबेस सॉरी वी हैव अ डेटा बेस ओवर आई नो आपको दिख नहीं रहा है फिर से मैं ऊपर चले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए है ना वी हैव अ डेटा बेस ओवर ये अब मेरा ड्राइवर्स है देखो मैंने यहाँ पे ड्राइवर से एड कर दी वी हैव अ नोड पी एच पी जावा पाइथन ऐसे भरे पड़े हम नोट जेस यूज करेंगे तो नोट जेस की मदद से मैं डेटा बेस में मेरा जो डेटा है उसको इंसर्ट रीड डिलीट अपडेट सर्च फिल्टर्स वो सब कैसे कर सकता हूँ मुझे ऑब्वियसली मेरे जो ये सर्वर है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा राइट right? तो मोंगो डी में हमें ड्राइवर्स का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूं तो यह है ड्राइवर्स का सिंपल मतलब मोंगो डी ड्राइवर्स मतलब बैकएंड के वो लैंग्वेज जो ये सपोर्ट करता है मोंगो डी ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सके ठीक है तो आप देख सकते हो इतने सारे लैंग्वेज है जो हम सब आई मीन मोंगो डीबी सपोर्ट करता है एज अ ड्राइवर्स सो so, इससे होगा क्या इट्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट अलाउ एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द मोंगो डीबी डेटाबेस जो ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना मोंगो डीबी ऑफर्स ऑफिशियल एंड कम्युनिटी सपोर्टेड ड्राइवर्स फॉर द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतने सारे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए मोंगो डीबी अपना सपोर्ट देता है अपने को मतलब हर एक के लिए अलग अलग सिंटेक्स चेंज होगा बाकी सारी फंक्शनैलिटी uh, जो है वो सेम रहेंगी एंड ऑल्सो ड्राइवर्स प्रोवाइड ए पी आई टेलर्ड टू स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंपल है मैं आपको एक करके बताता हूँ एंड लेट्स ये तो आपको आइडिया आ गया क्यों हमें इसकी नीड है ठीक है एंड देन अब लेट्स अब मुझे नोट जेस को मोंगो डीबी से कनेक्ट करना अब रियल एप्लीकेशन मुझे करना है है ना तो सबसे पहले तो हमें नोट जेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑफिशियल नोट जेस वेबसाइट एंड देन गाइस हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा याद है हम मोंगो डीबी के कॉम पास पर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वैसे नोट जेस में भी हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग एनपीएम आईफन इन नीट सॉरी या सिम्पल इनिट एंड देन हैफ़ एंड वाई अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एंड देन वी हैव दिस मोंगो डी बी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्बियसली मोंगो डी बी की हमें नीड है एंड या गाइस सिंपल कनेक्शन क्रिएट करना है एंड डेट्स इट और गाइस तो क्यों ना हम सबसे पहले इतना कर लेते हैं ना तो उसके लिए गाइस हम चलते हैं हमारे बी एस कोड एडिटर पर ऑलरेडी आई मीन माई बी एस कोड एडिटर ओवर ही जिस पर हम काम कर रहे थे अब मैं यहाँ पे ना गाइस एक काम करता हूँ मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा मोंगो नोड ना मैंने एंटर हिट कर दी इसके अंदर मेरा सारा डेटा होगा ठीक है so, सो मैं यहाँ पे चलता हूं राइट right क्लिक एक काम करता हूँ राइट क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे चलता हूं मुझे प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा सो वी आर इन टू थापा कोर्स सी डी मोंगो हाईफन नोड या दिस इज इट सी एल एस में कर देता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ एक कंट्रोल प्लस प्लस आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ओ भैया सी एल एस कर देता हूं मैं यहाँ पे मुझे अब देखो फिलहाल अगर मैं डी आई आर करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है सो so, अब मैं करता हूँ एन पी एम इीट बेसिकली इनिशलाइज कर रहा हूँ मैं एंड नोट पैकेज मैनेजर जिसके थ्रू अब हम एन पी एम का यूज कर सकते हैं एंड या दिस इज इट मेरा काम हो गया अब मैं अगर यहाँ चलूंगा तो वी हैव दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ सो so, फिलहाल अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ठीक है यहाँ पे मेरे पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं है बट नोड मेरा इंस्टॉल हो चुका है अब मुझे यहाँ पे मोंगो डी लगेगा तो वो मोंगो डी बी देखो गाइस कहाँ है वी हैव दिस मोंगो डी बी एन पैकेज ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर एन पी एम या ओवर हियर ठीक है सो ये है देखो गाइस वीकली डाउनलोड्स फोर मिलियन ऑसम तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ सी कर देता हूँ एंड ये जो एन पी एम इंस्टॉल मोंगो डी बी पे मैं क्लिक कर देता हूँ ठीक है तो द मोमेंट अगर मैं ये करूँगा आप लोग ध्यान से देखना मेरा ये इंस्टॉल तो हो गया बट नाउ इन डिपेंडेंसी वी हैव दिस मोंगो डी तो मेरा नोड इंस्टॉल हो गया मेरा मोंगो डीबी इंस्टॉल हो गया है अब मुझे प्रोग्राम करना है अपना कोड लिखना है इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ देखो नोट मॉडल से आ चुका है यहाँ पर चलूँगा न्यू फाइल वी हैव अ इंडेक्स डॉट जी दिस इज इट इसके अंदर ही मेरा सारा डेटा आ जाएगा तो सबसे पहले गाइस अब हमें क्या करना होगा हमें मोंगो क्लाइंट जो क्लास है उसको गेट करना पड़ेगा ठीक है फ्रॉम कहाँ से रिक्वायर यहाँ पे मैं चलूँगा सो वी हैव अ मोंगो डी बी दिस इज़ इट सो क्या इस मोंगो डी बी की मदद से मैंने क्या कि मैंने मोंगो क्लाइंट जो है इस क्लास को मैंने इम्पोर्ट की है एंड हमारा ये जो मोंगो क्लाइंट क्लास है ना क्या ये हमें सेटअप टूल्स एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से अब मैं अपना जो मोंगो डीबी सर्वर है उसके साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाऊँगा बहुत ज़्यादा ईजिली ठीक है सो लेट्स गो विथ अ कॉन्स्ट यू आर आई यूनिफॉर्म रिसेस आई मीन रिसोर्स इंडिकेटर यहाँ पर मैं अपना यू आर एल एंटर कर देता हूँ एंड आई होप आपको मालूम होगा मोंगो डी बी कॉलन हाइफन हाइफन एंड देन वी हैव अ लोकल होस्ट सॉरी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन तो ये जो पार्ट है ना ये अब मैं अपना लोकल सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो कि मैं तब से कर रहा था विद दी हेल्प ऑफ मोंगूस फ़िलहाल मैं अगर सी एल एस कर दो अब यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ हाँ फिलहाल मैं मोंगूस से कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं मोंगोस लिख देता हूँ तो आप ध्यान से देखना एंड अगर सो डेटा तो यहाँ पे ओ माय गॉड मेरे लोकल सर्वर पे भी गैस कोई डेटा नहीं है फिलहाल सो so गैस एक काम करता हूँ जल्दी से मेरा ये जो मोंगो uh, इम्पोर्ट वाला जो कमांड है उसको मैं फायर कर देता हूँ यहाँ पे एंड ओके देर इज़ समथिंग मिस्टेक गोइंग ऑन ऑल आउट गाइस तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जेसन है ना कि डॉट जे फाइल था तो मैं एंटर हिट करता हूँ एंड फाइनली टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी फाइव ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है मोंगोस तो अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ यूज सॉप परफेक्ट सो कलेक्शंस ऑसम है ना तो मुझे यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है अगर आप देखोगे तो मैं बेसिकली इससे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो मैंने कमांड लिखा है यहाँ पे गाइस मैं उससे मेरा कनेक्शन हो चुका है सो so, अब मुझे अपने मोंगो डेवी का जो सर्वर है उसके साथ सबसे पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है यू आर आई मुझे मिल चुका है सो वी विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ मोंगो क्लाइंट ओवर हियर एंड मैं यहाँ पे यू आर आई पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड इसकी मदद से अब मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट बेसिकली एक न्यू इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए एंड डैट इज़ माई क्लाइंट तो अब ये जो मेरा क्लाइंट है इसके पास भी बहुत सारे पावर्स आप कह सकते हो लाइक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आ चुका है जिसकी मदद से अब फाइनली मैं अपने डेटा के साथ कनेक्शन करूंगा देन कलेक्शन के साथ एंड देन जो भी इंसर्ट अपडेट ये जो क्वेरी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ ठीक है सबसे पहले तो क्या मुझे एक मेन फंक्शन बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसा कुछ नहीं है मैं एक मेन फंक्शन को रन करूंगा इसके अंदर ही मेरा सारा कनेक्शन होने वाला है जो कुछ भी मुझे आप ये समझ लो कि जस्ट मेरे पास पावर आ गई है कि अब विद द हेल्प ऑफ दिस क्लाइंट इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट मैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं क्वेरी कर सकता हूं ठीक है सो so, वो करने के लिए कॉन्स्ट वी हैव अ मेन मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूं ठीक है आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो एंड ऑब्वियसली यहां पे आपको ए सिंक लगेगा क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है तो सबसे पहले मुझे मेरे जो सर्वर है उससे कनेक्शन करना है ठीक है तो मैंने एक इंस्टेंस तो क्रिएट कर ली अब इस इंस्टेंस की मदद से मैं बोलूँगा क्लाइंट डॉट कनेक्ट दिस इज इट सो so, मेरा कनेक्शन हो गया एंड ऑब्वियसली ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है तो अवेट मैंने लिख दी ठीक है ये लिखने का मतलब आप समझ लो कि मैंने मोंगोस लिख लिया अब मेरा कनेक्शन हो चुका है सर्वर के साथ अब मैं क्या करूँगा मुझे डेटा के साथ कनेक्शन करना है ठीक है सो कॉन्स्ट डी विल बी वी हैव दिस क्लाइंट ठीक है वी हैव दिस क्लाइंट डॉट वी हैव अ डी वी यहाँ पे उसका नाम आप लिख दो सो नो गाइस हमने डेटाबेस कनेक्ट कर ली है अब विद दी हेल्प ऑफ डेटाबेस हमें कलेक्शन भी तो चाहिए कि किस कलेक्शन के साथ हम खेलेंगे सो कॉस्ट वी हैव अ कलेक्शन ठीक है कलेक्शन इक्वल टू यही सेम हो ये डी बी डॉट वी हैव अ वहाँ पर क्रिएट कलेक्शन था यहाँ पे आपका सिंपली कलेक्शन है इस तरीके से एंड हमें मालूम है कि वी हैव अ प्रोडक्ट्स ठीक है दिस इज इट नाउ हमारा ये जो कलेक्शन है प्रोडक्ट्स नाम का इसके अंदर uh, मुझे क्वेरी चलाना है लेट्स से प्राइस ग्रेटर देन बारह से जो हम करते आ रहे हैं उसका डेटा मुझे दिखाओ तो अब कैसे होगा देखो आ, मैं करता हूँ कलेक्शन डॉट डी लिखने की जरूरत नहीं है कलेक्शन डॉट फाइन है ना यहाँ पे कली ब्रेसेस आपका आ जाएगा आ, प्राइस अगेन कली ब्रेसेस आपका आ जाएगा ग्रेटर देन बारह सौ दिस इज इट एंड यहाँ पे गाइस आपको इसको डॉट टू एरे करना पड़ेगा ठीक है ताकि हम उसको रीड कर सके बेसिकली डॉक्यूमेंट में लिखा गया है एंड uh, ये प्रॉमिस रिटर्न करता तो अवेट लिखना है एंड अब जो भी डेटा हमें मिलेगा कौन सा डेटा में इसको आप स्टोर कर दो है ना एंड uh, यहाँ पे आके आप सिंपल उसको कंसोल डॉट लॉग डेटा कर दो एंड रिटर्न में कैसे कुछ भी चिपका दो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कंसोल करा रहे हैं एक स्ट्रिंग चिपका देते डेटा uh, नहीं सॉरी डन बोल के ठीक है दिस इज इट तो नाउ इट्स अ प्रॉमिस रिटर्न करा और टाइप स्ट्रिंग ठीक है एंड एक चीज़ ध्यान में रखना जब भी आप कोई फंक्शन को डिफाइन करते हो एंड वो अगर आपका एसिंक है बेसिकली प्रॉमिस हैंडल कर रहा है तो अगर आप उस फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो वहाँ पे भी आपको प्रॉमिस हैंडल करना पड़ेगा सो डॉट देन एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हमें इतनी किस नीड नहीं है तो डॉट देन वी हैव अ डॉट कैच लेट्स गो विथ फैट एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग गई चिपका दो एंड लास्ट में वी हैव फाइनली है ना जिसके अंदर गाइस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डैट इज़ आपका जो क्लाइंट के साथ ये जो कनेक्शन है बेसिकली सर्वर के साथ जो कनेक्शन है उसको आपको क्लोज करना है दिस इज़ इट कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब मुझे इसको रन करना है ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सी एल एस एंड इट्स सुपर डुपर इजी आप नोड हाइफन इंडेक्स हाइफन क्यों लिख रहा हूँ मैं हाइफन की नीड नहीं है इंडेक्स डॉट जेस करोगे तो गाइस आपको बता रहे टोपोलॉजी इज क्लोज तो मैं आपको एक सिंपल मतलब बताता हूँ सिंपल नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेस अगर आप कर दोगे सो so गाइस यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है सो गाइस ये जो टॉपोलोजी इज़ क्लोज्ड बता रहा है ना आई जस्ट रियलाइज़ कि लाइक like हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट ये ऐसा नहीं है ये यह मैं यहाँ पे चल के फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा तब जाके जब क्लोज करना हो तब हम क्लोज होगा ये मतलब बाई डिफॉल्ट हो रहा था ये फाइनली तो लास्ट में होता है ना अब एटलीस्ट इतना मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि मुझे हाँ चलो भाई टू एरे ए सेम फंक्शन है लेकिन टू एरे तो मतलब एटलीस्ट ये तो एक पार्ट हो गया कि हम डायरेक्टली क्लोज कर दे रहे थे इसलिए टॉपोलॉजी क्लोज हुआ एंड ये जो टू एरे ना ये एक आपका फंक्शन है क्या कर रहा है देख लेते ये देखो रिटर्न एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली हमारा जो है जेसन uh, फॉर्मेट में था ना अब हमें जो भी डेटा मिल रहा है वो एरे के फॉर्म में हमें मिलेगा क्योंकि जो डेटा वो तो जैसन में है तो डैट्स वाई ये टू एरे फंक्शन हमें ऐड करना जरूरी था एंड यहाँ फाइनली को मैंने डायरेक्ट क्लोज ही कर दिया मतलब डायरेक्टली मैं क्या कर रहा था कनेक्शन ही क्लोज कर दे रहा था बट अब ये फैट एरो फंक्शन के अंदर है तो मतलब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा ठीक है एंड वो ऐसी ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया ये देखो मुझे मेरा वन ट्रिपल नाइन वाला डेटा एंड ये वन ट्रिपल नाइन डेटा मुझे इतने औसम तरीके से यहाँ पे आ गई तो क्या कैसा लगा आपको अब uh, फाइनली मैं नोड एंड मोंगो की मदद से बैक एंड डेटाबेस की मदद से डेटा को मैं गेट कर रहा हूँ ये मजा आएगी नहीं आपको कि आप बैक एंड को कैसे अपने डेटाबेस uh, के साथ कनेक्शन कर, तो तो कर सकते हो ठीक है तो ये तो सिंपल था गाइस आप इसी तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो अपडेट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो इट्स सुपर डुपर इजी है ना तो एक, एक मैं आपको इंसर्ट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट एक और डेटा लिखने की जरूरत नहीं है इंसर्ट भी तो कर रहे हो ना अब तो सिंपल आप इस तरीके से अवेट लिख दो एंड uh, मैं बताना चाहूँगा मेरे पास सेट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है सो so, क्या इसमें क्या करता हूँ मेरे पास एक डेटा है ठीक है तो हेयर आई हैव माई डेटा ये वाला डेटा मैंने बनाई है डेटा वन करके तो so, मैं डेटा वन को कॉपी करता हूँ ओ भैया वी हैव अ कलेक्शन डॉट ऑब्बियस था ना कलेक्शन में मुझे इंसर्ट करना है सो वी हैव अ इंसर्ट सिंपल एंड देन इंसर्ट वन पे मैं चलता हूँ एंड ये जो मेरा डेटा होगा डेटा वन उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ डेटा वन में मैंने क्या लिखा है वेर द प्राइज इज इक्वल टू थ्री फोर्टी सिक्स है ना वेयर द प्राइज इज इक्वल टू थ्री फोर्टी सिक्स ऑब्वियसली इक्वल टू है ना तो इस तरीके से है मैंने ये लिख दी अब अगर ये इंस एक काम करता हूँ एक काम करता हूँ कैसे इसको मैं थ्री फोर डबल सिक्स कर देता हूँ क्योंकि कोई भी नाइन वन ट्रिपल नाइन के ऊपर तो है ही नहीं तो अब अगर ये मुझे डेटा मिल गया मतलब ये इंसर्ट हो गया है ठीक है सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देखिए मुझे मेरा डेटा आ रहा है ये देखिए ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ रहा है थ्री फोर डबल सिक्स मतलब ये इंसर्ट हो गया है एंड ऑब्वियसली मैं किससे कनेक्ट हूँ मेरे लोकल uh, डेटा से ना मैं यहाँ पर चलता हूँ मोंगोस uh, है ऑसम सो यूज सॉप एंड डी बी डॉट वी हैव अ प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड है ना तो सेम वही क्वेरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेर द प्राइस इज इक्वल टू थ्री फोर डबल नाइन थ्री फोर डबल नाइन या थ्री फोर डबल सिक्स थ्री फोर डबल सिक्स एंटर हिट करता हूँ एंड सी मुझे मेरा डेटा आ गया एंड ये वो डेटा है जो मैंने अपनी बी एस को डायरिटर नोट जेस की मदद से इंस्टॉल किया है सो so, मुझे मेरा डेटा आ गया तो कैसे इस तरीके से आप इंसर्ट रीड uh, करना डिलीट अपडेट कर सकते हो ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था अब आप मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा एंड डैट इज़ कि ये तो चलो ठीक है लेकिन मोस्टली आप देखोगे मोंगूस के साथ भी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रोजेक्ट दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मोंगूस आप कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड उसमें मैं आपको प्रॉपर कॉड ऑपरेशन दिखाऊंगा क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सब कुछ दिखाऊंगा तो कैसे आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है ठीक है तो देखिए ध्यान से मैं यहाँ पर चलता हूँ ये वाला जो पार्ट इसका कनेक्शन मैं क्लोज कर देता हूँ एंड मॉन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो गैस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इट्स सुपर डुपर इजी एन पी एम आई नोटमॉन ग्लोबली कर दीजिए ताकि आप कभी भी उसको यूज कर सको ठीक है so, सो मैं यहाँ पर चलता हूँ मैं लिख देता हूँ मोंगूस हाइफन सो गाइस मैंने इस तरीके से मोंगूस हाइफन नोट लिख दिया है दिस इज़ इट ठीक है इसको मैं एज एट इजी छोड़ो रेन दो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले कनेक्शन करना पड़ रहा था सर्वर के साथ देन डेटाबेस के साथ आपको कनेक्शन मतलब कनेक्ट करना पड़ रहा था उसके बाद आप कलेक्शन को एक्सेस कर पा रहे थे ठीक है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी स्कीमा नहीं है मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर्ड हम नहीं कर पा रहे आई I मीन mean, नहीं कर रहे थे इसमें अगर मैं ये तीन डेटा ना भी लिखता ना तो भी मेरा ये काम कर जाता तो भी ये इंसर्ट हम कर सकते थे क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है ठीक है लेकिन जब हम मोंगूस के साथ काम करेंगे ना तब आप देखना हम पूरा स्कीमा क्रिएट करेंगे तब आपको मजा आएगा तब देखो क्या होता है मैं यहाँ पे चलता हूँ सबसे पहले तो इसके बाहर निकलते हैं एंड लेट्स गो सी डी वी हैव अ मोंगूस नॉट मोंगूस वाला जी हाँ ठीक है npm पी एम इन वाई आपको ऑब्वियसली ये लगेगा एंड मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि uh, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पी पी टी में भी ये इंस्टॉल कर रखा था पहले मोंगो क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन करना है फिर डेटाबेस को सेलेक्ट करना है फिर एक्सेस करना है कलेक्शन को फिर हम ये सब कुछ कर सकते हैं एंड में हमें क्लोज करना था ये हमने ऑलरेडी देख ली है अब हमें मोंगूस के साथ काम करना है ठीक तो, uh, है Just, तो इट्स एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग आपका मोंगूस है ठीक है लाइब्रेरी फॉर मोंगो डी एंड एंड नोटजेस तो मोंगूस का एक ओडियम लाइब्रेरी है मोंगो डी एंड एंड नोटजेस के लिए इट मेक्स आवर मोंगो डीबी इंटरेक्शन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप खुद देखना कहा इस कितना ईजी हो जाएगा एंड ऑर्गेइज्ड इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड स्कीमा बेस्ड डेटा मॉडलिंग अप्रोच फाइनली जो वहां पे एकदम स्टार्टिंग में लिखा गया था स्ट्रक्चर्ड वो है बिकॉज ऑफ मोंगूस यहाँ पर आप, आप स्कीमा क्रिएट करोगे ठीक है ऑल राइट right. तो या गाइस वाई ऑफिशियल तो बेसिकली वाई मोंगूस बताया जा रहा है क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर स्कीमा मिलेगा आप इस पर वैलिडेशन ऐड कर सकते हो रिलेशनशिप बना सकते हो मिडिल वे क्रिएट आप कर सकते हो एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आप बहुत ईजिली हैंडल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बहुत ईजिल आप हैंडल कर सकते हो गाइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मोंगो डीबी जो कंप्लीट है मैं आपको अपने ही चैनल्स के कुछ वीडियोस रिकमेंड करूंगा वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में पूरा जो फ्रंट एंड बैक एंड एंड मोंगो डीबी में आप कैसे काम करते हो एक्चुअल में दिखता कैसे है है ना वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ डायनेमिक वेबसाइट बना चुका हूँ एस टेम सी एस एस रिएक्ट नोड एक्सप्रेस मोंगो डिबी की मदद से तो मैं तीन चार वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नोड एंड एक्सप्रेस के ऊपर भी कंप्लीट कर चुका हूँ उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा बट मोंगो डीबी इंपॉर्टेंट था तो आपको पता चल गया ये सब कुछ हम कर सकते हैं तो मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ ठीक है सी एल एस डी आई आर डी में वी हैव अ पैकेज डॉट जेसन फाइल ठीक है सो so, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा एंड दैट इज गाइस इन्होंने बोला था कि वी नीड टू इंस्टॉल द मोंगूस सो so, uh, अब यहाँ पे ना मोंगो टी वी इंस्टॉल करेंगे निर्ड नहीं है आई लिख दो एंड वी हैव अ मोंगूस आई नो बहुत छोटा दिख रहा है बट एन पी एम स्पेस आई स्पेस मोंगूस मैंने लिखा है तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो so फिलहाल तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल है बट थोड़ी देर में वी हैव अ नोड अंडर स्को मॉड्यूल्स एंड लॉक वाला फाइल भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है दिस इज़ इट ठीक है सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक न्यू इंडेक्स डॉट जी एस फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं अपना कोड लिखूंगा तो सबसे पहले गाइस अगेन हमें मोंगूस uh, जो है ड्राइवर वो हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मोंगूस ठीक है कॉन्स्ट एक काम करता हूं सबसे पहले तो मैं रिक्वायर वी नीड टू रिक्वायर मोंगूस ठीक है मैं यहां पे चलता हूं इक्वल टू कर दे रहा हूं ध्यान से देखना कॉन्स्ट मोंगूस दिस इज इट तो अब ये वाला जो मोंगूस है ठीक है इसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है जिसकी मदद मतलब से अब मैं अपना जो मोंगो डीवी सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकता हूँ बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ उसके अंदर जो डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कैसे मैं आपको बताता हूँ देखो अब नाउ नाउट सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट यू एंड गाइस यहाँ पे आपको वो इस तरीके से देना एंड यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट क्या है ना एंड गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे शॉप लिख दूंगा ये जो है आफ्टर योर लोकल होस्ट लोकल सर्वर आपको डेटाबेस का नाम यहां पर डायरेक्टली देना है ठीक है अब यहां आपका मॉंगूस है डॉट आपको कनेक्ट क्लिक आई मीन ये लिखना है एंड एंड दिस इज इट मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्वर डेटाबेस के साथ एट अ टाइम आप कनेक्ट हो चुके हो इतना इजी जी मॉन्गूस डॉट कनेक्ट लिखना तो आपका काम हो गया अगर आपको ये नहीं भी लिखना आप डायरेक्टली वो यू के अंदर लिख सकते थे अब, अब मैं इस यहां पर क्या करूंगा वी नीट टू क्रिएट स्कीमा हमें स्कीमा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है स्कीमा का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसमें कितने फील्ड्स होंगे उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो यूनिक होगा या नहीं जो हमने क्रिएट इंडेक्स में मैंने दिखाया था यूनिक एक वैल्यू होता है वो सब कुछ अब यहाँ पे वैलिडेशन सो बेसिकली अब यहाँ पे आप कंप्लीट वैलिडेशन कर रहे हो मतलब आपको फ्रंट uh, एंड में करने की नीड ही नहीं डायरेक्टली आप डेट अब पर ही वैलिडेशन कर दे रहे हो सब कुछ ठीक है जहाँ पे एंड अब uh, बहुत ही uh, इतना डिफिकल्टी सब कुछ दी गई है सो कॉन्स्ट लेट्स गो विथ हमें मालूम है कि प्रोडक्ट होने वाला है तो प्रोडक्ट स्कीमा में चलता हूँ कैमल केस कन्वेंशन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा करके हमारे पास होगा सो इट्स अ स्कीमा ये देखो वी हैव दिस स्कीमा ठीक है यहाँ पे अब आप आपको ऑब्जेक्ट पास कर देना है कंट्रोल एस सेव करते है. देखो ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे ऑब्बियसली वी uh, देखो ये जो नेम होगा ये होगा टाइप कितना स्ट्रिंग uh, ये गाइस आपके आपका काइंड ऑफ टाइप स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है बट ऐसे ये आपको कॉमा देना है देन वी हैव अ कंपनी नेम सो वी हैव अ कंपनी अगेन इट्स अ टाइप स्ट्रिंग एंड एक चीज नोटिस करना है कि मैंने यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट नहीं दे रहा हूँ मैं की वैल्यू भले ही बोलूँ बट ये आपका प्रॉपर्टी बेसिकली फील्ड का नाम है एंड उसका क्या डेटा टाइप होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक है ये सेम वो टाइप स्क्रिप जैसा है तो मेरे पास ऑलरेडी ये तो पड़ा है है ना तो मैं क्यों चिपकाऊँ इतना मेहनत करूँ लिख के तो मैं पेश कर देता हूँ दिस इज इट एंड ये वही डेटा है अगर मैं आपको दिखाऊँ ओवर वही सो ध्यान से देखना तो ये देखो आई होप आपको दिख रहा so, uh, है सो वी हैव अ नेम वी हैव अ कंपनी टाइप स्ट्रिंग प्राइज नंबर होगा कलर्स आपका एरे ऑफ एन स्ट्रिंग ठीक है एंड देन वी हैव इमेज जो कि एक स्ट्रिंग है एंड देन कैटेगरी अगेन इट्स अ स्ट्रिंग एंड देन ये जो इज फीचर्ड है वो है आपका ट्रू यहाँ पे मैंने बुलन लिख दी तो ये वही डेटा है जो हमें स्कीमा यही है आपका स्कीमा जहाँ पे पहले से ही आपको बोलना होगा कि मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर यही फील्ड्स होंगे एंड उस फील्ड में भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही होगा कोई नंबर नहीं लिखेगा ठीक है आपको लगे तो यहाँ पे आप यूनिक भी इस तरीके से कर सकते हो बहुत चीज़ें कर सकते हैं तो इसके लिए गाइस मैंने जो कहा ना वीडियो रिकमेंड करूँगा उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा सो so, आपने इसकी तो बना लिया वी नीड टू नाउ क्रिएट एन मॉडल अब हमें यहाँ पर मॉडल क्रिएट करने करना पड़ेगा ठीक है so, now, यहाँ पर आई नो स्पेलिंग रॉन्ग है सो नाव यहाँ पर मॉडल क्रिएट करने का सिंपल मतलब ये कि अब उस मॉडल की मदद से आप जितने भी क्वेरीज है डेटाबेस के साथ वो परफॉर्म कर सकते हो उसकी मदद से ठीक है जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो कलेक्शन क्रिएट करने के बाद वैसे यहाँ पे ये मॉडल है होगा आपका सो so, कॉन्स्ट यहाँ पे आप अपना आप मॉडल का नाम कैपिटल में रखते हैं मोस्टली एक है ना तो काइंड kind ऑफ of ना आप समझ लो कि ये अब आप आपका कलेक्शन का नाम है क्या है ये आपका कलेक्शन का नाम एक सेकेंड या सो इट्स अ प्रोडक्ट एंड यहाँ पर अब आप आपको क्या करना पड़ेगा गाइस अगेन आपको यही सेम न्यू काइंड ऑफ आप इंस्टेंस बोल दि, बोल दीजिए मोंगूस डॉट वी हैव दिस मॉडल ठीक है यहाँ पे आपको चलना इसके अंदर दो आप देख सकते हो गैस वी हैव टू पास टू पैरामीटर एक तो आपका स्कीमा का एक तो आपका वो कलेक्शन का नाम होगा कलेक्शन का नाम जो कि हमारा प्रोडक्ट्स है एंड दूसरा आपको वो स्कीमा पास करना है सो so, प्रोडक्ट्स का जो नाम होगा मेक्स यो वो आपका सिंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए किस में पी कैपिटल सिंगुलर फॉर्मेट में ठीक है जब वो डेटाबेस पे जाएगा तो इसके आगे एक एस ऐड हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा यहाँ पे आपको सिंगुलर ऐड करना है कॉमा अब यहाँ पे आपको ये जो आपने बनाया था प्रोडक्ट स्कीमा वो पास कर दीजिए दिस इज इट हमने हमारा सर्वर एंड डेटा से कनेक्शन कर लिया है मैंने मेरा स्कीमा स्ट्रक्चर जो है रेडी कर ली है मैंने मेरा कलेक्शन बना ली है एंड बेसिकली मेरा मॉडल रेडी है अब विद दी हेल्प ऑफ दिस मॉडल प्रोडक्ट जो कि है आप मैं प्रोडक्ट डॉट फाइंड प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट अपडेट प्रोडक्ट डॉट डिलीट कर सकता हूँ सिंपल ठीक है तो अगेन गाइस वी अ मेन फंक्शन यहाँ पे तो गाइस आपको वो मेन फंक्शन को कुछ करने की इतनी नीड नहीं है ठीक है यहाँ पे सब कुछ हम इसी में ही कर देंगे तो लेट्स क्रिएट कॉन्स्ट मेन वो वही हम चलते हैं इस तरीके से ठीक है एंड ऑब्वियसली ये एसिंक फंक्शन uh, होगा आपका ठीक है दिस इज इट इस तरीके से आपको चलना है ओवर वही एंड अब ध्यान से देखिए सबसे पहले लेट्स गो बी ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वी हैव अ एरर एंड गाइस लास्ट में फाइनली वाला जो पार्ट है एक सेकेंड आपको इस तरीके से करना पड़ेगा एंड लास्ट में जो फाइनली वाला पार्ट है यहाँ पे भी वी हैव मोंगूस डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कुछ इस तरीके से ठीक है तो मैंने डायरेक्टली फंक्शन uh, को कॉल की एंड सब कुछ मैं यहीं पर ही ट्राई कैच कर रहा हूँ या तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे बट दिस टाइम मैं थोड़ा सा अलग एप्रोच दिखा रहा हूँ अब यहाँ पे आपको अपना सारा कोड करना है यहाँ आप आपको जो मर्जी हो आप करो लेट्स से मैं सबसे पहले कर देता हूँ कॉन्स्ट सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट है ना वी हैव अ डेटा अगेन वी नीड टू राइट द अवेट दिस इज आवर मॉडल प्रोडक्ट डॉट फाइंड है ना तो जहाँ पे मैं कर देता हूँ गाइस सिंपल वे द प्राइस इज डॉलर इक्वल टू थ्री फोर डबल सिक्स दिस इज इट ये मेरा काम हो गया है अब मैं खाली कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देता हूँ मेरा काम हो गया कितनी इजीली. मैं यहाँ पे चलता हूँ सी एल एस कर देता हूँ नोटबॉन हाइफन एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली node है ना गाइस एक न्यू फंक्शनैलिटी आ चुका है डेट इज की इंडेक्स डॉट जेस हाइफन डब्लू ये हाइफन डब्लू वॉच मोड काम करता है ओ माई गॉड दिस इज इट ये uh, काम तो नहीं किया वैसे मैं चाह रहा था कि वो वॉच मोड पे चलता जाए ये काम करता है अगर मैं इंडेक्स डॉट जेस फाइल नहीं लिखता हूँ तो नहीं काम करता है अगर मैं सिर्फ इंडेक्स लिखता हूँ तो भी लाइक like, जस्ट वो बाहर चलेगा बट जो भी हो देखो मुझे मेरा डेटा आ गया तो विद दी हेल्प ऑफ मोंगूस कुछ नहीं करना पड़ा बट इट्स मोर सिक्योर क्योंकि आप स्कीमा बना रहे हो आप कलेक्शन का नाम पहले ही दे रहे हो कनेक्शन पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जा रहा है एंड इस तरीके से गाइस ये आप रीड कर पाते हो यहाँ पे ठीक है चलो ठीक है आपने ये रीड कर दी लेट से आप मुझे डेटा इंसर्ट करना है सेकेंड इज़ टू इंसर्ट डेटा ठीक है डेटा नहीं बोलूँगा डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा मैं ठीक है तो यहाँ पे चलना है एंड सेम गाइस आपका वही ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं पेश कर देता हूँ तो ये वही डेटा है इंस्टेट ऑफ थ्री फोर डबल सिक्स मैं कर देता हूँ टू फोर डबल सिक्स इसको मैं टू कर देता हूँ दिस इज इट तो अब ये डेटा मुझे इंसर्ट करना है तो अब हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है सो इसको तो गाइस अवेट एंड एक काम करता हूँ ये एज इट इज़ रें दो अवेट वी नीड टू गो विथ प्रोडक्ट डॉट वी हैव इंसर्ट सो क्या इस लैट्स को विथ सेम है ना सो एक सेकेंड इस तरीके से वी हैव अ डेटा वन कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड uh, एक काम करता हूँ <laughs> ये जो पार्ट मैंने ऊपर लिखा था उसी को हटा के वापस यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं एंड इसको मैं अब अनकमेंट कर देता हूँ है ना सो इंस्टेड ऑफ टू यहाँ पे मैं टू कर देता हूँ इससे ये पता चलेगा ना कि uh, पहली बात तो इंसर्ट हुआ या नहीं इंसर्ट होने के बाद हमें उसको मिल रहा है या नहीं सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूं सी एल एस हिट करता हूं सो प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट वन इज नॉट अ फंक्शन तो ये मैंने जानबूझ के किया था आपको ये दिखाने के लिए कि जब आप मोंगूस के साथ काम कर रहे हो ठीक है अगर आप मोंगूस के साथ काम कर रहे हो मोंगूस इंसर्ट क्वेरी तो ध्यान से देखना जब आप एक सेकेंड या सो लेट्स गो व्यू तो जब आप यहाँ पे काम करते हो तो स्कीमा बना ये आपका मॉडल बना है एंड देन वी हैव टू इधर वी कैन गो विद द क्रिएट या आप इस तरीके से कर सकते हो या आप यूज़ करना पड़ेगा इंसर्ट मेनी ठीक है सो इट्स प्रिफरेबल टू ऑलवेज गो विद द इंसर्ट मेनी बेसिकली अब ये जो uh, था आपका बेसिकली ये क्रिएट एंड देन ये जो पार्ट है गाइस इस तरीके से ये गाइस थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है बट इंसर्ट मेनी गाइस बहुत ही ज़्यादा औसम है सो वी हैव इंस्टीड ऑफ इंसर्ट वन लेट्स गो विथ इंसर्ट मैनी है ना कंडोलैस सेव सी एल एस कर देता हूँ एंटर हिट करता हूँ एंड बोम गए सी टू फोर डबल सिक्स मतलब ये डेटा मेरा यहाँ पे ऐड हो गया एंड ऑब्वियसली मैं तो मेरे लोकल होस्ट से ही कनेक्शन करके बैठा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे अरे यार मैंने क्लोज कर दी अगर मैं यहाँ पे चल के तो सी एल एस कर देता हूँ यूज शॉप मैंने शूज शॉप लिख दिया सॉप एंड देन कोड है क्या यहाँ पे ऑसम ठीक है सो टू इट्स अ टू राइट अगर डेटा आता है मतलब देखो मेरा डेटा प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया चलो ठीक है ये मेरा काम हो गया अब मैं एक चीज़ बताता हूँ मुझे लोकल के साथ नहीं खेलना है मुझे मेरे एक्चुअल डेटा के साथ खेलना है जो कि मेरा होगा ये एटलेस ओवर ही गया सो या ओवर ही तो अब देखो मैं कनेक्स पे देखो कैसे वही है ओबरव्यू पे जब जाके वापस अगर डेटाबेस पे आता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा जिसके अंदर ऑलरेडी दो कलेक्शंस है तो अब मैं इसके सॉरी एक ही कलेक्शन है इसके पास एंड इस पर वो जो डेटा अभी मैंने इंसर्ट की नहीं हुई होगी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ फाइन uh, लिखने की जरूरत जो, नहीं है प्राइस वे प्राइस इज़ इक्वल टू लाइक टू फोर डबल सिक्स ठीक है अब मैं अगर एंटर हिट करूँ या अप्लाई करूँ तो आप देखो क्वेरी रिजल्ट जीरो क्योंकि वो जो भी हो रहा है मेरे लोकल सर्वर पर इंस्टॉल हो रहा था अभी तक मैंने ओरिजिनल जो मेरा मेन जो है वहाँ पे तो मैंने कुछ की नहीं अब मुझे यहाँ पे स्टोर करना है आई नो आपके मन में आ रहा था यार एक्चुअल में तो ये है ना एक्चुअल तो तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ देखो आ, यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या कनेक्ट नहीं इस जगह पे तो नहीं है <laughs> वापस ओवरव्यू पे मैं चलता हूँ यार वी हैव दिस कनेक्ट का ऑप्शन दिस टाइम वी हैव दिस ड्राइवर्स एप्लीकेशन वी हैव अ नोट जेस मोंगो डी भी वही कर चुका हूँ मैं uh, मुझे सिंपली इसको कॉपी करना है एंड मेक श्योर है वी हैव आवर नाम एंड देन पासवर्ड मुझे यहाँ पे एंटर करना है एंड ये जो फेज है यहाँ पे आपको आपका जो डेटा का नाम इंस्टॉल करना होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो मैं इस तरीके से कर रहा था तो बस कुछ नहीं करना खाली यहाँ पे चल के आपको अपना पासवर्ड ठीक है सो क्या सिंपली यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड लिख देना है ठीक है एंड ये जो एक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको आपका डेटा का नाम लिख देना है सॉप इस तरीके से ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉप मैंने लिख दी है इस जगह पे एंड या आई थिंक बाकी तो कुछ है नहीं बाकी सब एज इट इज़ है एक काम करते हैं यहाँ पर मैं चलता हूँ सी करता हूँ एंटर हिट करता हूँ तो अब अगर मैं चलता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कॉल बैक कुछ इस तरीके से एरर एर आ रहा है यार एक काम करते हैं यहाँ पे हम चलते हैं आई थिंक गई सी ये तो एकदम सही है कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं एक और बार ठीक है कंट्रोल एस सेव सी एल एस सी एल एस करता हूँ मैं दिस टाइम लेट्स गो वि नोड मॉन के साथ चलते हैं मॉन देन इंडेक्स डॉट जेस तो अगर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बुम गई सी मुझे मेरा डेटा आ गया है तो ये जो डेटा है वो एक्चुअल में ये वाला डेटा है जो पहले नहीं था बट अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ या मेरा एक्चुअल जो कनेक्शन है वहाँ पे मुझे डेटा आ चुका है मैं एक काम करता हूँ मुझे ये आई थिंक ये जो पार्ट है मेरा ऑलरेडी वो कॉम्पास के साथ भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है वो है ना तो यहाँ पर भी अगर एक सेकेंड सेम इसी को अगर मैं यहाँ पे भी एंटर हिट करूँ तो देखो मुझे यहाँ पे भी डेटा आ गया ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम सेम एक जगह से मैं यहाँ से यहाँ पे भी मैं कनेक्ट करके बैठा हूँ मैं मेरे वी एस को एडिटर पर भी मैं कनेक्ट करके बैठा हूँ बेसिकली नोट ड्राइवर पर एंड मेरा ओरिजिनल डेटा यहाँ पर वो चेंजेस हो ही जा रहा है ठीक है कितना ज़्यादा औसम है ये राइट सो गाइस अब मैं आपको थर्ड इसमें दिखाता हूँ कि हम कैसे इस पर अपडेट क्वेरी कर सकते हैं अपडेट क्वेरी है ना तो मैंने आपको कहा था एट द प्रोजेक्ट में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एंड अपडेट uh, की स्पेलिंग ही रॉन्ग है चलो ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल इस तरीके से मुझे uh, एक ऐसा मतलब यही जो मैंने इंसर्ट किया है ना इसी का ही प्राइस मुझे अपडेट करना है ठीक है मैं कैसे करूँगा देखो कॉन्स्ट अपडेट क्वेरी कुछ भी लिखो और uh, वेट आपको लिखना पड़ेगा या वी हैव अ प्रोडक्ट डॉट सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कंट्रोल एफ एंड देन वी हैव अपडेट तो एक चीज नोटिस करना वी हैव दिस अपडेटिंग मैं अपडेट वन तो दिख रहा जो कि अच्छी बात है और है क्या कुछ नहीं तो so, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको फाइंड वन एंड अपडेट फाइंड वन एंड देन अपडेट वो भैया तो अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को तो क्या सब आप देखो हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड वन एंड अपडेट फाइंड वन एंड देन अपडेट इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो सो वी हैव दिस फाइंड वन एंड देन अपडेट ठीक है सो मैं चलता हूँ यहाँ पे। वी हैव अ फाइंड वन एंड इज इट फाइंड वन ओके सभी कैमल uh, केस पे ही है फाइंड वन एंड अपडेट इस तरीके से तो जिसमें से ये आपका होगा गाइज जो आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे आपको जो अपडेट करना है मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा मेरा नाम जो कि है ये uh, डिजाइनर हैंड बैग टू ठीक है एंड देन मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे देना है एंड डैट इज़ कि जिसका प्राइस होगा सिंपल ये टू फोर डबल सिक्स एंड यहाँ पे इक्वल टू तो लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा एंड ओवर हियर दिस पार्ट यहाँ पे अब मुझे डॉलर सेट लिखना पड़ेगा आपको मालूम है एंड यहाँ पे अब जो मेरा प्राइस है उसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँगा गाइस सिंपल टू फोर डबल सिक्स के लिए टू फोर डबल नाइन में ये जस्ट दिखा रहा हूँ मैं कि आप इस तरीके से कर सकते हो ये जो भी नाम होगा एंड ये प्राइज इसको ढूंढो सिर्फ एक ही को ही अपडेट करना है मुझे सिर्फ इसको और सेट उसका प्राइस ये कर दो सेट अपडेट क्वेरी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे वही हो तो गाइस अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर सिम्पल इतना तो काम होगा नहीं मुझे अब अगेन ये जो फाइंड वाला क्वेरी है इसकी नीड है मुझे ओवर हियर एंड ये जो पार्ट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ठीक है सो वी हैव अ सेकेंड इंसर्ट वाला नॉट ओवर हियर ओवर हियर ठीक है तो चलो ठीक है देखिए यहाँ पे अब मुझे करना होगा फाइंड सिंपल वेयर द प्राइस इज इक्वल टू टू फोर डबल सिक्स सॉरी टू फोर डबल नाइन टू फोर डबल नाइन है ना कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं अगर मुझे इसका डेटा आ गया इसका मतलब यह है कि यह इंसर्ट हो गया हालांकि अपडेट क्वेरी करने की मुझे कोई नीड नहीं हालांकि यहाँ पे यह ना लिखो तो भी आपका चल जाता ठीक है दिस इज इट अब अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड टू फोर डबल नाइन मुझे ऑलरेडी आ गया है इट्स का मतलब है कि हमारा ये जो अपडेट ऑपरेशन था परफॉर्म हो चुका है एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो देखो गाइस अभी भी ये टू फोर डबल सिक्स है अब अगर मैं अप्लाई हिट करूंगा तो मुझे डेटा नहीं आएगा वो भैया क्योंकि अब वो जो टू फोर डबल सिक्स था टू फोर डबल नाइन हो गया है अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ एंड दिस इज़ इट मेरा ये अप्लाई हो गया है सेम ये आप अपने एटलेस पे भी कर सकते हो यहाँ पे भी फाइंड करो नहीं आएगा लेकिन अगर आप नाइनटी नाइन पे करते हो तो माइकॉटी uh, तो बहुत सारे हैं एंड यहाँ पे भी देखो मुझे मल्टीपल डेटा आ रहा था सो so बेसिकली uh, एक काम करता हूँ एक और एक्स्ट्रा लगा देता हूँ मैं डैट इज़ ये तो फाइंड आउट करो लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ होगा डैट इज़ वेयर द नेम इज़ इक्वल टू एंड देन इक्वल टू नहीं लिख सकता मैं वेयर द नेम कॉलन एंड देन कॉमा में दे रहा हूँ एंड ये जो पार्ट है डिज़ाइनर हैंड बैग तो बेसिकली ये जो पार्ट था ना इसे कोई कॉपी करता तो भी चल जाता मेरा काम सो so, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से पेश कर देता हूँ दिस इज़ इट तो अब अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तब आप ध्यान से देखना कोई भी डेटा मुझे नहीं आ रहा है एंड गाइस एक चीज़ मैं बता देता हूँ जब डेटा नहीं आ रहा तो एक काम करो ना इतना इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ओ माय गॉड सी मुझे डेटा आ गया एंड देखने वाली बात ये कि डिजाइनर हैंड बैग एक बार दो बार तीन बार भाई मैं कितने बार इंसर्ट कर चुका हूँ यार ये माय गॉड में लगता है जब जब मैं आई मीन इससे पहले बार मैं जब, जब जब इसको रन कर रहा था ना वो इंसर्ट होते जा रहा था सो अब मुझे ये मिल चुका है ठीक है सो अब आपको लेट्स से अब फाइनल जो हमारी क्वेरी होगी वो होगी डिलीट डिलीट करना है अब हमें ठीक है so, सो डिलीट अगर अब मुझे करना होगा सो so, डिलीट की जो क्वेरी है वो तो क्या ही करोगे आप ये जो बना इसको डिलीट कर दो और क्या फाइंड वन एंड ये इसको कॉपी करो यहां पे आओ ये जो पार्ट है इसको मारो गोली एंड यहां पे एक काम करता हूं या डिजाइनर हैंड बैग जो ये है एक काम करता हूँ तो देखो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ लेट्स गो विथ एटलेस ओवर हियर ठीक है थोड़ी देर के लिए कम जूम कर देता हूँ मैं डायरेक्टली आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो जूम आउट सो so, जब मैंने ये क्वेरी फायर की सो वी हैव टोटल सेवन हमें टोटल सात डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसका नाम है डिजाइनर हैंड बैग टू लेकिन अब मैं एक डिलीट करना चाहूँगा ठीक है तो फाइंड वन एंड इंस्टीड ऑफ अपडेट वी हैव डिलीट सेम सेम यही और कुछ नहीं है ना uh, इसकी मुझे नीड नहीं है या सेम ये मुझे करना है बस इतना ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फाइंड वन एंड देन डिलीट एंड इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ वहाँ से मैं यहाँ आता हूँ कंट्रोल या सेव कर रहा हूँ या दिस इज इट ठीक है सो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो गैज देखो मुझे मेरा डेटा आ रहा है ठीक है ये परफॉर्म हो चुका है एंड आई थिंक या मैं एंसर तो नहीं कर रहा हूँ चलो ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ आप लोग को कॉम्पास पे लेके अभी फिलहाल साथ है द मोमेंट मैं एंटर हिट करूंगा तो क्या हो गया डिलीट की डिजाइन है हैंड बैग टू फोर डबल सिक्स फाइंड आउट ओ माई गॉड आई एम रियली सॉरी आपको ये टू फोर डबल सिक्स है ना एंड यहाँ पे क्या है टू फोर डबल नाइन है सो यहाँ पे आपको क्या इस टू फोर डबल नाइन लिखना पड़ेगा कंट्रोल सेव कर रहा हूँ मैं ठीक है यहाँ पे टू फोर डबल नाइन लिखना था आपको मैंने न जाने कितने बार कंट्रोल एस सेव कर दी जब जब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो वो रन हो जाता है अब दिस टाइम देखो मैंने दो बार सेव किया था तो अब सिर्फ पांच डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ पे चल के एक और बार कंट्रोल एस सेव कर दूंगा एक और बार सिर्फ एक बार कंट्रोल एस सेव किए नोटमैन चल गया अब ये आपका पांच से चार हो गया मतलब ये आपका डिलीट हो गया है सो फाइनली गाइस हमारा ऑसम awesome, कंप्लीट वांगो डीबी का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है जहाँ पे हमने माय गॉड बहुत कुछ देखा लिटरली बहुत कुछ देखा गाइस सेल में कैसे काम करना है ये मोंगो डीबी क्या था मोंगो डीबी कहाँ से आया इसका क्या मतलब होता है एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल कर ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेटर्स इंडेक्सेस एग्रीगेशंस एटलेस कॉम्पास मैंने आपको दिखाया सेल से कनेक्शन मैंने आपको करके बताई है ना मतलब मजा आ गया प्रोजेक्ट करके देखा हमने मोंगो डीबी एंड मोंगूस के साथ तो गाइस या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही होप ये जो ऑसम वीडियो था आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत तो लगी मैंने पूरी कोशिश की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक एक छोटी सी छोटी चीजें जो थ्योरी में थी उसको मैंने या तो प्रैक्टिकल कोडिंग के थ्रू या तो डायग्राम के थ्रू आपको मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा ठीक है गाइस तो इसका जो सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री मैं अपने वेबसाइट थापा टेक्निकल डॉट शॉप पर पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जरूर चेकआउट कीजिएगा सोर्स कोड का भी सेल मैंने चला रखा है आपको मज़ा आ जाएगा एंड इसमें देखो ये डायनेमिक वेबसाइट ये देखो डायनेमिक वेबसाइट नोट मोंगो डीबी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपको मज़ा आ जाएगा एंड ये सारे फ्री वेबसाइट भी है यहाँ पे एंड हाँ फुलस्टेक नेक्स्ट डॉट जे वाला ये जो वेबसाइट है ना इस पर तो मैंने एक्सप्रेस नोट जेस एंड मोंगो टी वी यूज़ की हुई है इसमें तो मतलब मजा आ जाएगा ये फुल स्टैक नेक्स जेस वेबसाइट देख लीजिए इसमें ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा बिल्कुल फ्री है ये मज़ा आ जाएगा आपको एंड ये सोर्स कोड भी देख लीजिए सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज़ में इंडिपेंडेंस डे सेल कर रखा है जय हिंद है ना सो दिस इज इट गाइस मेरे एंड से इतना ही मेरे पूरी कोशिश की आप लोगों को मोंगो डी वी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ बताऊँ एंड मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरा हूँ आई नो का व्यूज थोड़े कम आ रहे थे बट इट डजेंट मैटर मेरे लिए क्या मैटर करता कि मैं जिसके लिए जो भी मेरे वीडियो देख रहा हूँ उनके लाइफ में मैं कुछ इम्पैक्ट कर सकूं एंड मुझे लगता है आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है गाइस इससे बेटर वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी क्योंकि मैंने मुझे मुझे ऐसा लगता है आपकी क्या राय है गाइस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वी आर वेरी क्लोज टू सिक्स लैक्स सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक एक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आप ये चाहो तो मेरे इस जो वीडियो को आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो तो गाइस एट दी एंड में बस इतना कहना चाहूँगा अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है मैं बताना चाहूंगा गाइस वी हैव आवर डिस्कॉर्ड सर्वर गाइस यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है सारा डेटा गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है वी हैव ऑलरेडी मोर देन टेन थाउजेंड मेम्बर्स इन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर आप यहाँ पर बहुत ईजिली अपने दोस्तों के साथ चैट उनसे बातें सब कुछ कर सकते हो बिगेस्ट कम्युनिटी चैनल यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है गाइस आप यहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा सो उसको बिल्कुल फ्री है आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है so, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो अब आप आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर